नमस्कार दोस्तों मैं मनीष गहलोत आज से आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्बोरिज्म की सीरीज लेके आ रहा हूं और आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर की जो पूरी सीरीज होगी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और जो लास्ट हमने जो सी की जो प्रोग्रामिंग की जो सीरीज है वो हमने कम्प्लीट करी थी उसमें सारे टॉपिक्स हमने कम्प्लीट किए थे और उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लेके हमें जरूर भेज सकते हैं और फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट दी सीरीज रिगार्डिंग दी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सो फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले बहुत सारे कंसेप्ट है जो हमें क्लियर हो जाने चाहिए बिकॉज फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिशन के हिसाब से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे वो गेट हो प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम हो कंपनीज के लिए एग्जाम हो ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो गेट पी एस यूज एंड अगर आप इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं कोई भी इंटरव्यू तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सो so, फ्रेंड्स इसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी सो फर्स्ट वी हैव टू नो द बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो टॉपिक्स हैं जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्लियर हो जानी चाहिए तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वॉट इज द डेटा फ्रेंड्स डेटा आर द रॉ फैक्ट्स ठीक है विच हैज नो मीनिंग इट सेल्फ अगर मैं एक लाइन में मुझे अगर डिफाइन करना हो, तो डेटा रॉ फैक्ट्स हैं, जो जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है इट्स टोटली अनरिकोगनाइज एंड नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा कैन बी समथिंग सिंपल और सिंपली रेंडम अनलेस अन इट इज ऑर्गेनाइज फ्रेंड्स जो हमारे पास में डेटा होता है उसकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होती है कब तक जब तक की हम उसको प्रोसेस नहीं कर देते आफ्टर प्रोसेसिंग जो है डेटा जो है उसकी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर होता है बट बिफोर उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं होती वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे पास में होता है उससे हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते डेट्स वाई यहाँ पे रॉ फैक्ट्स का ये मतलब है कि इट इज अ टोटली अ नॉन नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन इससे हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं ठीक है सो अगेन डेटा इज अ रॉ फैक्ट ठीक है विच हैज नो मीनिंग इट्स सेल्फ सेकेंड जो फ्रेंड्स टर्म है वो है इन्फॉर्मेशन सो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि डेटा का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं है बट जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है सो वट इज द इंफॉर्मेशन वेन डेटा इज प्रोसेस्ड जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं ठीक है ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है लाइक like, अगर फ्रेंड्स मैंने बार बार में जब भी डेटा स्ट्रक्चर बढ़ाता हूं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ साइंटिस्ट जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज तो इंडिविजुअली उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है और जब उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है ठीक है लाइक सुपर कंप्यूटर और विभिन्न जो स्टोरेज डिवाइसेज है या प्रोसेसिंग जो डिवाइसेज है उससे जो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं उससे वो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं लाइक like इस जगह टेम्परेचर ये होगा यहाँ बारिश होगी यहाँ पे ये होगा यहाँ वो होगा सो so, जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तब तो हमें इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी सो आई कैन से दैट इन्फॉर्मेशन इज दी नॉलेजेबल पार्ट ऑफ द डेटा जहां से हम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं सो इट इज अ टोटली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तो ही हमें इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी अदरवाइज इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी फ्रेंड्स दिस इज दिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटा आर द रॉ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा लाइक एनी टेक्स्ट एंड नंबर डेटा और इट इज द इन्फॉर्मेशन इज द रिफाइंड डेटा डेटा इज बेस्ड ऑन द रिक्ड एंड ऑब्जर्वेशन इन्फॉर्मेशन इज टोटलीटिक्स पार्ट डेटा

एंड डेटा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स एल्गोरिदम की बहुत सारी डेफिनेशन नेट पर और बुक्स में लिखी हुई है और वहां पे लिखा होता है कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फ्रेंड्स बट मैं इसको डेफिनेशन नहीं मानता डेफिनेशन ये कहता हूँ कि एल्गोरिदम इज टी टोटली लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम हमारे पास में कोई एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जिसको हमें सोल्व करना है और उस सोल्यूशन का जो लॉजिक है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं एल्गोरिद्म का नेचर होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप में एग्जीक्यूट होती है अगर आप उसके स्टेप चेंज कर देंगे तो वो एक एल्गोरिदम का नेचर नहीं होगा सो इट टोटली अ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बट उससे पहले एक और जैसा मैंने बताया एल्गोरिदम इज टोटली अ लॉजिक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम नथिंग एल्स रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो सकती है आपके कोई भी रिलेटेड आसपास की प्रॉब्लम हो सकती है उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप लॉजिक अप्लाई करते हैं वो एक एल्गोरिदम है नाउ व्हाट इज द प्रोग्राम जब आप उस एल्गोरिदम को लाइक कोई भी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उस एल्गोरिदम को जब आप किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं कोई भी हो सकती है सी सी प्लस प्लस जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है तो उससे क्या बन जाता है एक प्रोग्राम सो प्रोग्राम इज टोटली अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम एलगोरिदम को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है एंड प्रोग्राम इज अ सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह प्रोग्राम डेफिनेशन कई सारी बुक्स में दे रखी है बट हम प्रोग्राम जब भी बनाएंगे तब हमारे पास में अगर एक प्रॉपर एल्गोरिदम होगी एंड लास्ट इज डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली इज टोटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हाउ वी स्टोर द डेटा इन मेमोरी अगर हम डेटा को प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करेंगे डेटा का एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा तो उसे हम एफिशिएंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते एफिशिएंट रिजल्ट नहीं निकाल सकते सो इट टोटली ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा ठीक है टू गेट द डिजायर रिजल्ट और इफेक्टिव मैनर ऑफ द डेटा ठीक है सो डेटा स्ट्रक्चर हेल्प टू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी नेक्स्ट फ्रेंड्स कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमारे पास में एक एल्गोरिदम है और एक सूडो कोड है तो उसमें फर्क क्या होता है एल्गोरिज्म जैसा कि मैंने आपके आपको बताया कि एल्गोरिज्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सुडो कोड भी वही है एल्गोरिजम और सुडो कोड में कोई फर्क नहीं है बट फ्रेंड्स एल्गोरिज्म कैन बी रिटन इन द नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है लाइक अगर मुझे दो नंबर को एड करना है तो मैं लिखता हूँ रीड द टू नंबर ठीक है एड द टू नंबर्स ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ द टू नंबर इन अनदर वेरिएबल एंड एग्जिट ये एक मेरी दो नंबर को जोड़ने की एक एल्गोरिदम है बट जब हम इस एल्गोरिदम में कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लाइक वाइल इफ एल्स फॉर, अंटिल अगर ये कुछ हाई लेवल के प्रोग्रामिंग के अगर हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को लिखने के लिए तो वो बन जाता है सूडो कोड बेसिकली सूडो कोड एक प्रोग्राम नहीं है इट्स नॉट अ प्रोग्राम ये एक एल्गोरिदम का ही एक अपर केस है जिसमें हम एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करने के लिए एल्गोरिदम को इजीली समझने के लिए हम उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं सो एल्गोरिदम इज कैन बी इन नेचुरल लैंग्वेज एंड व्हेन यू ऐड सम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट देन दिस बिकम अ कोड सो फ्रेंड्स यहां मैंने डिफ्रेंशिएट भी क्रिएट किया है इट्स अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर एंड सुडो कोड इज द दिच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एलगोरिदम फॉर अ प्रोग्राम एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस नेचुरल लैंग्वेज ठीक है आप नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया और इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट बेसिकली डायरेक्शनल फॉर्मेट ठीक है जहा पे हम जो प्रोग्राम है उसका हम फ्लो बनाते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम इनपुट होगा और किस तरह से वो प्रोग्राम एग्जिट होगा एंड इन द सुडो कोड वी इंक्लूड द सेवरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लाइक इफ एल्स देन रिपीट फॉर जैसा कि मैं आपको बताऊँ की इफ ए ग्रेटर देन बी तो यहाँ हमने इफ़ यूज़ किया ग्रेटर देन यूज़ किया लेस देन यूज़ किया अगर आप ये यूज़ करके एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो क्या बन जाता है एक सूडो कोड सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड द सूडो कोड लास्ट के वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को लर्न किया था लाइक व्हाट इज डेटा इन्फॉर्मेशन एल्गोरिदम क्या होती है सूडो कोड क्या होता है और इनके सब के बारे में हमने जो है बेसिक बेसिक डेफिनेशन हमने लर्न की थी इन टूडेज वीडियो विल लर्न द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि बेसिकली जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी वीडियो में बताया था कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सो दैट वी कैन रिट्रीव द एफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर हम डेटा डेटा को पर्टिकुलरली एक एफिशियंट वे में स्टोर नहीं करते हैं तो हम उसे ऑपरेशन uh, या कुछ रिट्रीव uh, नहीं कर सकते उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते और हम डेटा को एफिशिएंट रिट्रीव भी नहीं कर सकते सो डेटा स्ट्रक्चर इस पूरी प्रोसेस में एक वेरी uh, हेल्पफुल एक मैनर uh, है सो टुडे इन लर्न वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर वे सो दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन इन वेरी एफिशियट वे बेसिकली देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक डेटा के ऊपर हम शॉर्टिंग कर सकते हैं मर्जिंग कर सकते हैं डेटा को हम ट्रेवल्स कर सकते हैं ठीक है मर्जिंग शॉर्टिंग ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं सो अगर डेटा को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे बेटर तरीके से तो वहाँ पे डेटा को हम एफिशिएंटली रिट्रीव भी नहीं कर सकते हैं ठीक है सो बेसिकली आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किया गया है बट अभी हम यहां पे देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर दिस इज अ क्लासिफिकेशन द्लासिफिकेशनिकल चार्ट टू शोज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव प्रिमेटिव फर्दर क्लासिफाइड इन टू वेरियस कैटेगरीज लाइक एंड कैर फ्लोट एंड पॉइंटर्स इन सब का हमने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अगर सीख रखी होगी सी सी प्लस प्लस जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं इनकी हेल्प से ही अपन आगे डेटा का टाइप अगर क्रिएट करते हैं कि वो डेटा इन टाइप का है कैर का है फ्लोट का है या कोई पॉइंटर्स हैं दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स और इनको ही हमने क्या कहा प्रेमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इन नॉन प्रेमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वी हैव दी लाइक एरे लिस्ट एंड फाइल्स इनको हमने नॉन प्रिमेटिव या इसको हम डिराइव डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बिकॉज इनको डिराइव इसलिए कहा क्योंकि इन डेटा स्ट्रक्चर की जो क्रिएशन है वो हम प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही करते हैं ठीक है बिकॉज वी विल हेल्प और विल टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रमेटिव डेटा स्ट्रक्चर टू क्रिएट द नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स सो फर्दर लिस्ट इज अनदर क्लासिफाइड इनटू द लीनियर एंड नॉन लीनियर वी हैव स इन द लीनियर वी हैव द स्टैग एंड क्यू एंड द नॉन लीनियर वी हैव द ट्री एंड ग्राफ फ्रेंड्स आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनमें सब में मैं आपको वॉट इज स्टैग क्यू ट्री और ग्राफ इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन सब के बीच में डिफरेंस है क्या और वॉट इज़ लीनियर नॉन लीनियर इनमें भी डिफरेंस क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक द प्रमेटिव डेटा स्ट्रक्चर कि प्रिमेटिव और नॉन प्रमेटिव में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली मैम प्रिमेटिव जो डेटा स्ट्रक्चर हैं दे आर ऑपरेटेड ऑन द मशीन लेवल ठीक है दे आर ऑपरेटेड ऑन द मशीन लेवल ठीक है लाइक अगर मैं कहूँ कि लेट्स ए इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर इंट आई एन टी इट्स अ बेटिक डेटा टाइप उसमें ये डेटा को डिनोट करता है कि डेटा हम जो इसमें स्टोर कर रहे हैं वो इंट टाइप का है ठीक है और इन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम जो है मशीन लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल ऑपरेटेड एट द मशीन लेवल सो इन कैर फ्लोट दीज आर ऑल द प्रमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रमेटिव इनका जो क्रिएशन है वो प्रिमेटिव की हेल्प से ही किया गया है लाइक like, अगर मैं एरे की बात करूँ अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना है तो मुझे लिखा इंटीजर इंटीजियर ए आर आर उसकी साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी लेट से इंट ए आर आर ए फाइव ठीक है लाइक दिस इज दी प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर और मुझे इसको अगर क्रिएट करना है इस पूरे एरे को तो मुझे इस प्रेटिव की हेल्प लेनी पड़ी सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर आई कैन क्रिएट द नॉन प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स ठीक है एंड लिस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड टू द लीनियर एंड नॉन लीनियर लिस्ट बेसिकली फ्रेंड्स कई बुक्स में या इंटरनेट पर लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिफ्रेंस दे रखा है लीनियर के बारे में ये कह रखा है कि इट्स सिक्वेंशियल फॉर्मेट और नॉन लीनियर इज नॉन सिक्वेंशियल फॉर्मेट बट इन फ्रेंड्स माई पॉइंट ऑफ व्यू लीनियर और नॉन लीनियर ये डेफिनेशन एक हद तक सही है बट बियॉन्ड इन द एट द मेमोरी लेवल ये डेफिनेशन सही नहीं बैठती है क्यों कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चरस हैं चाहे वोले पॉइंटर हो इंटीजर हो कैर हो स्टैग क्यू ट्री ग्राफ जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हो ऐट द मेमोरी लेवल उनका इंप्लीमेंटेशन हमेशा एक सीक्वेंशियल वे में ही होता है एक सीक्वेंशियल वे में ही होता है ओके okay. लेकिन जब उनको हम ड्रॉ करते हैं एट द हमारी अंडरस्टैंडिंग की पर्पज से तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है लाइक like, मैं अगर एरे की बात करूं या स्टैग और क्यू की बात करूं तो वो एक लीनियर फॉर्मेट में स्टोर होते हैं लेकिन अगर मैं ट्री और ग्राफ की बात करूं तो वो एक नॉन लीनियर फॉर्मेट है लाइक like, ट्री की बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ हेरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ग्राफ का भी स्ट्रक्चर कुछ हेरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो इनका जो समझने की अंडरस्टैंडिंग पर्पज है वो ये है कि इसका एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट होता है इसका एक नॉन सिक्वेंशियल फॉर्मेट होता है हेरकल फॉर्मेट होता है ओके बट फ्रेंड्स एट द मेमोरी लेवल की बात करूं कि मेमोरी में इंप्लीमेंट कैसे होते हैं और इसको लीनियर और नॉन लीनियर किस बेसिस पे इसको कहा गया है तो फ्रेंड्स डिफरेंस ये है लेट्स से दिस इज द एरे और समथिंग कॉल्ड लाइक अवर सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस मान लीजिए आप ये आपने एरे क्रिएट किया है आप इस पर्टिकुलर पोजिशन पर हैं ठीक है इफ यू इफ यू एबल टू एक्सेस ओनली द नेबर्स एलिमेंट ओनली नेबर्स जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट देन इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसको हमने क्या कहा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि आप सिर्फ नेबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम एंड इफ यू कैन एक्सेस दिन नेबर्स ऑफ नेबर्स इन द लेफ्ट और इन द राइट डायरेक्शन नेबर्स ऑफ नेबर्स आयदर दिन द लेफ्ट डायरेक्शन और आयदर इन द राइट डायरेक्शन देन इट इज अर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर कैसा है नॉन लिनियर है क्योंकि उसका पर्टिकुलर जो एक्सेस्टम है वो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर हम रीच कर सकते हैं लेकिन सिक्वेंशियल में हम सिर्फ एक वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं लेकिन नॉन सिक्वेंशियल या नॉन लीनियर में हम Uh, किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर एंड दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका क्लासिफिकेशन लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में चाहे स्टैक क्यू ट्री एंड ग्राफ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टैक क्यू का कंसेप्ट ट्री और ग्राफ का कंसेप्ट क्या है ठीक है सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का इन I क्लासिफिकेशन mean, किस तरह से किया गया है फ्रेंड्स नाउ uh, हम कुछ डिफरेंशियट क्रिएट करते हैं व्हाट इज प्रिमेटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमेटिव प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड ऑन द मशीन इंस्ट्रक्शन मशीन लेवल मैंने आपको जैसा बताया अभी कि डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं वो सारे मशीन लेवल पर ही ऑपरेटेड होते हैं मशीन मीन्स आवर कंप्यूटर एट द बेसिक कंप्यूटर ठीक है एंड नॉन डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रेटा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डिराइव फ्रॉम द प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर्स ये किससे डिराइव हुए हैं प्रिमेटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही डिराइव हुए हैं जैसे मैंने आपको एक बहुत स्मॉल सा एग्जाम्पल दिया था अभी लाइक like अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना हो तो मुझे इस तरह से सिंपली लिखना पड़ता है दिस ओके okay.

इनका जो क्रिएशन है वो प्रिमेटिव की हेल्प से ही होता है नेक्स्ट फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि जो लीनियर और नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है मैंने आपको डिफरेंस बताया एट द एक्सेस टाइम इफ वी कैन एक्सेस ओनली दूबर्स नोड इट इज अर टाइम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इफ वी कैन एक्सेस द नेबर्स ऑफ नेबर नोड एट द मेमोरी लेवल देन इट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ठीक है कुछ और डिफरेंसेस भी हैं फ्रेंड्स जैसे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ईच एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीवियस और नेक्स्ट जस्ट नेबर आइदर द लेफ्ट और आइदर द राइट डेटा आर अरेंज इन लीनियर सिक्वेंस सी बात है सिक्वेंशियल मैनर डेटा आइटम कैन बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन एक सिंगल रन में ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं सिक्वेंशियल मैनर में एंड वेरी इजी टू इंप्लीमेंट मेमोरी लेवल पे हम उसको बहुत इजी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेकंड जो है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ईच आइटम इज अटैच विद द मैनी अदर आइटम्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेमोरी लेवल पर जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है उसमें हम नेबर्स के नेबर्स नोड को भी एक्सेस करते हैं एट अ सिंगल टाइम सो मैनी अदर आइटम्स को हम अटैच आपस में कर सकते हैं इसलिए इसको हेरिकल रिलेशनशिप भी कहते हैं लाइक like, जैसे ट्री का जो फॉर्मेट होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं वैसे ही ये मेमोरी लेवल पर भी इम्प्लीमेंट होता है डेटा आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंस सीक्वेंस में नहीं होता है डेटा कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन सिंगल रन में एक्सेस नहीं हो सकता है जबकि लीनियर में सिंगल रन में एक्सेस हो सकता है एंड इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट फ्रॉम दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ठीक है सो आई थिंक आपको फ्रेंड्स लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है आप कभी भी इंटरव्यू में ये डेफिनेशन मत दें कि लीनियर एक सिंपल जिसमें डेटा का जो स्टोरेज है वो लीनियर फॉर्मेट में होता है और नॉन लीनियर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटा का जो स्टोरेज है वो नॉन लीनियर फॉर्मेट में होता है आप ये आंसर मत दें ये जस्टिफिकेबल नहीं है ठीक है आप इस तरह से आंसर दें तो इट इट माइट माइट बी मोर एफिशिएंट ठीक है नाउ फ्रेंड्स हमने डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर के बेस पर किया प्रमेटिव और नॉन प्रमेटिव के बेस पर किया बट अभी कुछ और क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ड ऑन दी मेमोरी लेवल और बेस्ड ऑन दी डेटा आइटम्स कैन बी सिमिलर और नॉट उनके बेस पर हमने एक और क्लासिफिकेशन है डेटा कैन बी स्टैटिक और डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डायनामिक सो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर दो डेटा स्ट्रक्चर्स which साइज एंड स्ट्रक्चर असोसिएट मेमोरी लोकेशन आर fixed. जिसकी क्या हो सब कुछ फिक्स्ड हो पहले से ही fixed हो एट the compile टाइम हमको कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर होने के लिए हमें कितनी साइज़ की रिक्वायरमेंट है बेस्ट एग्जांपल इज़ एरे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अगर आप ये इंडिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरे को जो आपने डिक्लेयर किया है ठीक है उसको आपने साइज कितनी दी है फाइव इसके अंदर आप फाइव एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं ये आपको पहले बताना पड़ेगा ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ठीक है प्री डिफाइंड है आपको साइज यहाँ बतानी पड़ेगी अगर आप यहाँ साइज नहीं बताते हैं ठीक है जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं तो एरर आ जाएगी ओके नेक्स्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स कि जहां हम जो मेमोरी है एक्सपेंड और श्रिंक ठीक है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम नीड्स एंड इज एग्जीक्यूशन जहां आपको प्रोग्राम में जो उसकी साइज है वो एट द रन टाइम अगर आपको अलोकेट करनी पड़े एट द रन टाइम आपको बतानी पड़े कि उसमें वो साइज़ जो है एक्सपांड हो सकती है हमें और मेमोरी की नीड है या नहीं है या हमें मेमोरी को श्रिंक करना है हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है तो ये सारे ऑपरेशन अगर हम एट द रन टाइम अगर करें तो वो डेटा uh, स्ट्रक्चर कैसा है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है सो मेमोरी लोकेशन ऑलवेज़ चेंजेज़ बट यहाँ मेमोरी लोकेशन क्या है फिक्सड है एक बार आपने जो डिक्लेयर कर दिया फिर आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि हमारी मेमोरी की नीड ज़्यादा है या कम है उसको हम जो चेंजेस हैं हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लोकेशन को चेंजेस कर सकते हैं सो बेस्ट एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट आगे हम पढ़ेंगे कि बेसिकली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या है लिंक लिस्ट जब हम पॉइंटर से बनाते हैं पॉइंटर से हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे लिंक लिस्ट की हम साइज जो है एज पर आवर रिक्वायरमेंट के उसको रन टाइम पे कितनी जरूरत पड़ेगी वो हम उसको अलॉकेट करवा सकते हैं सो बेसिकली दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेमोरी लेवल कि आप उसको मेमोरी uh, जो है वो पहले से फिक्स की है आपने या बाद में उसको आप एक्सपांड करोगे या श्रिंक करोगे तो बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर ठीक है नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ये क्लासिफिकेशन जो है फ्रेंड्स इस बेस पर किया गया है कि जो आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें जो डेटा है वो सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है लेट्स से अगर आप जैसे एक एरे इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी एक एरे का एग्जाम्पल लेते हैं आप ठीक है आपने एरे लिया इंटीजर टाइप का भी हो सकता है कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है और फ्लो टाइप का भी हो सकता है ठीक है अब इस इंटीजर टाइप के एरे में सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इंट टाइप के होंगे बिकॉज एरे की डेफिनेशन ही है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम टाइप सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बिल्कुल सेम टाइप के होंगे सेम डेटा टाइप के होंगे तो इसमें हम सारे इंटीजर टाइप के स्टोर कर सकते हैं इसमें हम सारे फ्लोर टाइप के स्टोर कर सकते हैं इसमें हम सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं आप तीनों को क्लब नहीं कर सकते ठीक है सो होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम टाइप जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स कि जहां हम क्या है डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ हम क्लब करके स्टोर कर सकते हैं लाइक like अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूँ स्टूडेंट में उसका रोल नंबर हो सकता है उसका नाम हो सकता है उसकी एज हो सकती है उसके परसेंटेज हो सकते, सकते हैं अब जैसे मैंने उसका नाम कहूँ तो वो एक करेक्टर टाइप का है उसकी एज कहूँ तो वह एक इंडिज टाइप की उसके मार्क्स जो है फ्लोट टाइप के हो सकते हैं तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा नॉन होमोजीनियस और उसके लिए बेस्ट हम यूज़ क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स भी यूज़ में ले सकते हैं यूनियन भी यूज़ में ले सकते हैं आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो स्ट्रक्चर और यूनियन जो है वो कैसे डेटा स्ट्रक्चर हैं हो नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज uh, स्ट्रक्चर और यूनियन में हम सारे डेटा टाइप को एक साथ हम स्टोर कर करके रख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप को चाहे बोले वो इंट हो कैर हो फ्लोट हो कोई भी हो उन सबको हम जिसकी डेटा सेम नहीं है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं बट होमोजीनियस में क्या होगा सारे जो डेटा है उनका सेम टाइप होगा डिफरेंट टाइप नहीं होगा एसिम्प्टोटिक नोटिशंस सो फ्रेंड्स वट इज़ एलगोरिदम प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर और वी कैन से द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम ठीक है प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम एलगोरिदम का ही इम्प्लीमेंटेशन है अगर हमारे पास में कोई प्रॉब्लम है उसका अगर हमें सॉल्यूशन पता करना है तो हम क्या करेंगे उसके एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे और उस एलगोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं लाइक सी सी प्लस प्लस जावा इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें क्या मिलता है एक ोग्राम ओके एंड डेटा स्ट्रक्चर इज दर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टू सोल्व द प्रॉब्लम ठीक है हा अगर हम डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं सो दट वी कैन परफॉर्म दस ऑपरेशन एंड रिट्रीव द डेटा इन एफिशियंटली मैनर सो डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए हमें वेरी हेल्पफुल प्रोवाइड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ओके सो यहां पर एक क्वेश्चन आराइज होता है कि अगर हमारे पास में लेट्स कोई एक एल्गोदम है आपने कोई एलगोरिदम डिजाइन किए तो उस एल्गोदम के डिजाइन आपने तो कर तो दी लेकिन वॉट इज द कंडीशन फॉर द गुड एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम के गुड होने की कंडीशन क्या है यहाँ पे गुड का मतलब है एफिशिएंसी ठीक है उस एलगोरिदम में कितनी वो एफिशिएंट है या नहीं है तो उसके जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं तो फ्रेंड्स उसके जज करने के दो पैरामीटर्स हैं एक पैरामीटर है आपका रनिंग टाइम एंड दूसरा पैरामीटर है आपका स्पेस उस पर्टिकुलर एलगोर्डम को रन होने के लिए आ, कितना टाइम लग रहा है और मेमोरी में वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द एलगोर्डम दैट वाई वी कैन जज कि एक एल्गोर्दम की एफिशिएंसी इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है बट फ्रेंड्स uh, जो सेकेंड जो पैरामीटर है स्पेस वाला आज के टाइम में हमारे पास हार्ड डिस्क की जो साइज़ है वो जी और टी में है तो और प्रोग्राम की साइज़ बहुत स्मॉल के बी में होती है तो ये पैरामीटर इतना एफिशिएंट नहीं है ठीक है बट रनिंग टाइम जो पैरामीटर है डेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम ओके सो अब बात आती है कि हमारे पास में एक एल्गोरिदम है हमें निकालना है कि वो कितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हुई है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ठीक तो है तो फर्स्ट जो मेथड है डेट इज़ दी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको ये कहती है कि आप के पास में कोई प्रोग्राम है ठीक है ओके आप उस प्रोग्राम को बहुत सारे डेटा सेट्स हैं और बहुत सारी साइज़ के डेटा सेट्स हैं ठीक है हर डेटा सेट के लिए आप एक टाइम निकालिए प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास में उस पर्टिकुलर डेटा सेट कौन से टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है वो आप निकाल लीजिए ठीक है और एक्यूरेट रिजल्ट जितना आया वो आप मेज़र करके बता दीजिए ठीक है एक तो ये मेथड है लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है मान लीजिए डेटा सेट जो है आ, मैंने कहा कि लेट्स एक हमारे पास से प्रॉब्लम है हमें वन टू हंड्रेड का सम फाइंड आउट करना है तो आपने मुझे uh, वो एल्गोदम रन किया ये प्री डिफाइंड फंक्शन अप्लाई किया और जितना टाइम आया मुझे आपने बता दिया ओके okay, कि कितने टाइम के अंदर ये एग्जीक्यूट हुई है अब मैंने आपको कहा कि वो डेटा सेट की जो लिमिट है वो वन से हंड्रेड तक नहीं वन से थाउजेंड तक है आपने वो भी कैलकुलेट करके दिखा दिया फिर मैंने कहा थाउजेंड तक नहीं लैख तक है करोड़ तक है ऐसे मैंने लिमिट बढ़ाता गया तो अब उसकी फाइनल लिमिट है क्या कब तक कैलकुलेट करें तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक पर्टिकुलर डेटा सेट पर ही अप्लाई की जा सकती है इसके बियॉन्ड अगर हम अप्लाई करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ठीक है सो और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह आती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि एक तो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई अभी जो लिमिटेशन है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की वो क्या है कि हमारे पास में लिमिटेड नंबर ऑफ क्या है डेटा सेट से और उन्हीं उन, पर हमने क्या कर रहे हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है और जो सेकंड जो प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास में कोई एल्गोदम है और प्रोग्राम है उसका हमें टाइम फाइंड आउट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करनी है कि कितना टाइम आएगा सॉल्व करने के लिए तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा सेम सेट ऑफ़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये सेम सेट ऑफ़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है बेसिकली लेट्स से फ्रेंड्स आपके पास में एक सिस्टम है जो सेलरॉन प्रोसेसर का है बहुत ही पुराना और उसके अंदर लेट्स से दो सौ छप्पन एम बी रैम है बहुत कम जी की रैम है और वो एक प्रॉब्लम आपने उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर रन किया ठीक है और मुझे टाइम निकाल के आपने बता दिया और एक आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है जो लेट्स से क्वाड कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और उसमें आठ दस जी रैम है उसमें आपने वो एक प्रॉब्लम रन की ठीक है और आपने मुझे टाइम निकाल के बता दिया प्रॉब्लम सेम है लेकिन आपने क्या यूज़ किया डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपने वो टाइम निकाला सो कैन यू से कि जो टाइम जो आया है वो दोनों टाइम सेम होंगे ऑब्वियसली नॉट उसमें कुछ ना कुछ लाइक माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड का कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ही आएगा सो प्रॉब्लम एक है लेकिन हमारे पास में टाइम कितना आ रहा है दो आ रहे हैं सो वी कैन नॉट से दैट दिस टाइम इज ग्लोबली एक्सेप्टेड ये टाइम जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं होगा ऑब्वियस बात है क्योंकि प्रॉब्लम सेम है और दो टाइम कैसे पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टडी में कि हमें सेम सेट ऑफ हार्डवेयर और सेम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा एंड वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा सेट टू जज दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम ठीक है सो ये स्टडी तो अभी हमारे काम आएगी नहीं ऑब्वियसली बात है हमें कुछ और अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी सो so, दूसरी जो स्टडी है वो है डेट इज द बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी जितने भी लिमिटेशंस थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में वो हमने यहाँ पे क्या किया है उसको रिमूव करने की कोशिश की है सो so, हमने यहाँ पे क्या किया कि वी डेवलप द जनरल मेथोलॉजी फॉर एनालाइजिंग द डिफरेंट टाइम डिफरेंट रनिंग टाइम ऑफ द एलगोरिदम यूज हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द एलगोरिद्मीड ऑफ टेस्टिंग वन ऑफ इट्स इनपुट या इम्प्लीमेंटेशन टेक इन टू ऑल अकाउंट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स हैं उनको सबको हमने लेने की एक जो है टास्क किया है और सबसे जो लास्ट जो प्रॉब्लम थी वो है कि हमने यहाँ पर जो भी हमारा टाइम आएगा उसको क्या किया है डेट इज़ द टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो इसके लिए हमने अप्रोच किया कि ये इसके लिए, जो नोटिशन्स जो हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनको एसिमटॉटिक नोटिशन ठीक है इन्हीं नोटेशंस को यूज करते हुए हमने क्या किया ये बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने की है जो ना तो किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंस्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और हमने क्या किया यहाँ पे एक जनरल मैथोलॉजी अप्लाई की है जो पर्टिकुलर किसी डेटा सेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो सारे ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगे वहाँ पे सो so आगे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एसिमटेटिक नोटेशंस को हम किस तरह से लिखें और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक कंसेप्ट है जो हमें ध्यान होना चाहिए बिकॉज जो ये कंसेप्ट है केसेस का उसके बगैर हम नोटेशंस का रीड uh, नहीं कर सकते सो इन एनी एल्गोरिदम कोई भी अगर एल्गोरिदम होगी तो उसके बेसिकली तीन केसेस होते हैं बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ लेट से हमारे पास में एक एरे है ओके इन दिस एरे वी हैव सम एलिमेंट्स हमारा टास्क क्या है कि हमें कोई एलिमेंट यहां पे सर्च करना है मान लीजिए वो जो एलिमेंट सर्च करना है वो यहां लास्ट पोजिशन पर है या मे बी वो हो ही ना इस पर्टिकुलर एरे में तो ऑब्वियस ही बात है हम सर्चिंग यहां से स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करेंगे मिला तो ठीक है नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से और हमें लास्ट एलिमेंट मिला तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें यहां पे इस एलिमेंट को सर्च करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम यहां पे कंज्यूम हुआ है नेक्स्ट टास्क ये है कि जो एलिमेंट सर्च करना है वो मान लीजिए इस पोजिशन पर है ठीक है तो सबसे कम टाइम ऑब्वियस ही बात है इसको ही लगेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ही हमें एलिमेंट मिल गया और सेकंड थर्ड जो टास्क है वो ये है कि या तो वो एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट इस पोजीशन पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं पे भी हो सकता है तो मे बी उसको जो टाइम लगेगा वो इससे तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा ही लगेगा थोड़ा सा बट इससे यहाँ से कम लगेगा ओके तो ये एक तीन जो मैंने प्रॉब्लम बताई है इन्हीं तीन प्रॉब्लम के ऊपर ये तीन केसेस हैं अगर हमें एक पर्टिकुलर टास्क uh, को परफॉर्म करने के लिए सबसे कम टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बेस्ट केस ऑफ द एलगोरिदम अगर हमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वर्स्ट केस ऑफ द एलगोरिदम और इन बिटवीन ठीक है बिटवीन द बेस्ट एंड वर्स्ट वी हैव सम एवरेज केस कहीं ना कहीं वो एवरेज केस जो है वो लाई करेगा चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर आपको ये तो पता लग गया कि बेस्ट केस वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होता है सो so, मान लीजिए ये एक एल्गोरिदम है और उसके डिफरेंट जो डेटा सेट्स हैं उसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट किया है ठीक है उसके इनपुट जितने भी हैं और रनिंग टाइम उसके ऊपर कितना टाइम आया है उसके ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट किया मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है इसको सॉल्व करने के लिए ये वो डेटा सेट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगा तो उसको हमने क्या कहा दिस इज़ दी वर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम ठीक है और ये वो डेटा सेट है जिसके ऊपर हमें सबसे कम टाइम लगा है तो दैट इज इट इज बेस्ट केस ऑफ द एलगोरिजम एंड इन इन बिटवीन द बेस्ट एंड वर्स्ट ये जो टोटल एरिया है ठीक है क्योंकि ये फिक्स नहीं है फ्रेंड्स ठीक है ये जो टोटल एरिया है ये सारा किसका है एवरेज केस का है तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स कि इन तीन केसेस में ठीक है वो कौन सा केस है जो सबसे डिफिकल्ट केस है जिसको एस्टिमेट करने के लिए जरा टाइम लगता है विच केस इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट जिसको केस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे डिफिकल्ट है तो फ्रेंड्स उसका आंसर है एवरेज केस बिकॉज वी नो द प्रोबेबिलिटी टू अकर द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस के बेस्ट केस की अकर होने की प्रोबेबिलिटी और वर्स्ट केस के अकर होने की प्रॉबीबलिटी हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो इनिशियल uh, में होगा या कहीं ना कहीं वो लास्ट में होगा या मे बी वो हो ही नहीं सकता है बट वॉट इज द प्रोबिलिटी टू अकर द एवरेज केस वी डोंट नो एग्जैक्टली वी डोंट नो सो डेट्स वाई एवरेज केस इज मोर डिफिकल्ट देन बेस्ट और वर्स्ट केस आपको ये ध्यान होना चाहिए क्यों क्योंकि एवरेज केस के अकर होने की प्रोबिलिटी कोई फिक्स नहीं होती है एवरेज केस ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है यहां 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 ये सब एवरेज केस है बट हमें पता है कि बेस्ट और वर्स्ट जो है वो एक फिक्स पोजीशन पर ही होंगे या तो फर्स्ट पोजीशन पर होगा या फर्स्ट टू और मे बी वर्स्ट केस जो है वो लास्ट या मे बी वो हो ही ना बट हम एग्जैक्ट uh, नहीं बता सकते कि एवरेज केस कहा करोगा सो डेट्स वाई एवरेज केस इज मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव दिपटोटिक एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स जब भी हम कोई फंक्शन या फिर कोई किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं तो बेसिकली उसके दो रूल्स होते हैं ठीक है दीज आर द टू रूल्स ठीक है मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ लेट से वी हैव अ फंक्शन मान लीजिए एफ एन और उसकी फॉर्मेट में लेट कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है मान लीजिए फाइव एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस टेन ये आई है तो इसके लिए दो रूल्स हैं मैं। दो रूल्स क्या डिसाइड किया गया है कि ड्रॉप ऑल लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड ड्रॉप ऑल दी कॉन्सटेंट्स ठीक है हमें क्या करना है कि लेट्स हमारे पास में लोअर ऑर्डर टर्म्स क्या है इसमें एन स्क्वायर और एन ठीक है अगर मैं लोअर ऑर्डर टर्म की बात करूँ तो वो क्या है यहाँ पे एन है तो उसको हमें क्या करना है बिल्कुल ड्रॉप कर देना है ठीक है सेकेंड रूल ये कहता है कि ड्रॉप ऑल दी कॉन्सटेंट्स इस पर्टिकुलर फंक्शन में जितने भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं लाइक फाइव सिक्स और टेन इसको भी हमें क्या कर देना है ड्रॉप कर देना है ओके okay? और फाइनल जो हमारे पास में टाइम आया है इन द फॉर्म ऑफ एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ इनपुट्स वो क्या है एन स्क्वायर ठीक है बेसिकली फ्रेंड्स इसका ड्रॉप करने का सेंस क्या है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे जो ग्लोबल टाइम है उसको इफेक्ट करते हैं ठीक है ओके तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंस्टेंट्स वही हैं जो हमें क्या करना है ड्रॉप करना है अब किसी फ्रेंड्स लेट से कोई एफ एन फंक्शन है मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेट पे रन किया तो ये टाइम आया और दूसरे किसी लेट से हाई कॉन्फ़िगरेशन पर अगर रन किया तो कुछ और टाइम आया होगा ठीक है फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फोर कुछ ही आया होगा लेकिन फाइनल जब हम इसको सारे लोअर ऑर्डर टर्म्स और कांस्टेंट को ड्रॉप करेंगे तब भी क्या आएगा एन स्क्वायर ही आएगा तो ये सारे कांस्टेंट्स और ये सारी जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं ठीक है थेके? इनको हमें क्या करना है ड्रॉप करना है ठीक है आफ्टर ड्रॉपिंग जो है तभी डिसाइड होगा कि एक पर्टिकुलर एलगोरिदम या प्रॉब्लम के लिए ग्लोबली एक्सेप्टेड टाइम क्या होगा ठीक है सो दीज आर द टू रूल्स फॉर दोटिशंस नेक्स्ट बेसिकली एस एम डॉट नोटेशन इज द मैथामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी कॉम्प्लेक्सिटी अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है सो इट्स टोटली अ मैथामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द नोटेशन थ्री टाइप्स हैं इसके बिग ओ ओमेगा एंड थीटा फ्रेंड्स थ्री तो नहीं है मैं पाँच कहूँगा इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो दो एक्स्ट्रा कौन से हैं ओके सो फर्स्ट इज द बिग ओ बिग ओमेगा एंड बिग थीटा बिग ओ को हम स्मॉल कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा को हम ओमेगा के साइन से और थीटा को थीटा के साइन से ओके तो हम इसको थोड़ा और जो है क्लासिफाई करके देखते हैं कि इस सबके बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है सो फर्स्ट इज बिग ओ नोटेशन फ्रेंड्स मैं बता दूं बिग ओ नोटेशन जो है जो अभी हमने डिस्कस किया कि बिग ओ नोटेशन आपको वर्स्ट केस प्रोवाइड करवाता है जो तीनों जो केसेस हैं एल्गोरिथम के उसमें आपको ये वर्स्ट केस प्रोवाइड करवाता है ओके सो वर्स्ट केस को हम मैंने जैसे कहा कि अपर बाउंड भी कहते हैं सो बेसिकली बिग ओ नोटेशन इज द ए सिम्टॉटिक अपर बाउंड ठीक है इट्स ए सिमटोटिक अपर बाउंड और दिस इज इंडिकेट्स द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम ठीक है एक आपके एल्गोरिदम को मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए वो पर्टिकुलर सेट सेट या डेटा है जिसमें वो मैक्सिमम टाइम लगाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए वो जो टाइम जो है वो आपको ये बिगो नोटेशन प्रोवाइड करता है सो इट्स प्रोवाइड दी वर्स्ट केस और दिमटोटिक बाउंड ए अपर बाउंड नोटेशन ओके दिस इज द डेफिनेशन दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दी बिगो नोटिशन ठीक है लेट से एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस दिस एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस ठीक है एंड एफ एन इज बिगो ऑफ जी ऑफ एन ठीक है एफ एन जो है जब भी कोई हमें लिखना हो टाइम इन दर्स्ट केस में अगर फॉर्मेट में लिखना हो तो उसकी कंडीशन है वो हम कब लिखेंगे एफ एन इज बिगो ऑफ जी ऑफ एन वेन

हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन के हो तो ही हम कहेंगे दिस इज कंडीशन ऑफ बिग ओ नोटेशन एंड ऑल्सो वर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिथम ये फ्रेंड्स आपको याद रखनी है सो लेट से इस हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ठीक है ग्राफ जो है बेसिकली साइज इनपुट और टाइम के बीच में ड्रा होता है के वो पर्टिकुलर इनपुट साइज और ग्राफ के नोटेशन में कब है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफ में कुछ देखते हैं कि पहले यहाँ कुछ वेरिएशन आए ग्राफ में अप डाउन एफ एन और जी एन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले कुछ क्या है वेरिएशन आए लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया ये वाला ठीक है ये वाला पॉइंट आया जहां पर आपकी ये कंडीशन जो है एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एफ एन वो क्या हो रही है यहाँ पे ट्रू हो रही है और इसी केस को हमने क्या कहा दिस इज माई वर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम ठीक है वैन एफ एन इज लेस देन एन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन देन दिस इंडिकेट्स दर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम ठीक है एफ एन एन जी एन आर द टू फंक्शंस ठीक है हम जिसके हमें एलगोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें जिसमें डिनोट करनी है और उसमें बीच में हमने दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया अगर ग्राफ में ये कंडीशन अगर ट्रू होती है एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद में ऐसा ज़रूरी नहीं कि, कि, कि हमेशा शुरुआत से ही कंडीशन जो है ट्रू हो जाए एक पर्टिकुलर किसी न किसी पॉइंट के बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है और उसी पॉइंट को हमने क्या कहा दिस इज माई एंड नॉट पॉइंट अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम कहेंगे दिस इज दी वर्स्ट केस ऑफ द एलगोरिदम ठीक है तो आई थिंक फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा ओके सो वर्स्ट केस बिगो नोटेशन प्रोवाइड वर्स्ट केस और द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिदम ठीक है नाउ बिग ओमेगा नोटेशन ठीक है ओमेगा ठीक है बिग ओमेगा नोटेशन ये आपको प्रोवाइड कराता है बेस्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम अब आपको बताया कि बेस्ट और वर्स्ट आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो जो हमने कंडीशन अभी बिग ओ के लिए डिस्कस की थी वर्स्ट केस के लिए डिस्कस की थी अब जस्ट रिवर्स कंडीशन किसके लिए हो जाएगी बिग ओमेगा के लिए हो जाएगी सो इट इज बिग ओमेगा नोटेशन एंड मैंने आपको पहले बताया था कि और ये बेस्ट केस प्रोवाइड करता है तो बेस्ट केस का मतलब क्या हुआ और the, uh, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक एल्गोरिदम को किस पर्टिकुलर डेटा सेट पर मिनिमम टाइम लगा ठीक है वो आपको ये डिनोट करता है ठीक है तो आपको ये बेस्ट केस मतलब सबसे जिसको कम टाइम लगा वो हमको ये इंडिकेट करता है ठीक है और इट्स ऑल्सो दिमटोटिक लोअर बाउंड एंड प्रोवाइड्स द बेस्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम सो जैसा कि हमने अभी कंडीशन डिस्कस की थी एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शन ठीक है ना एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन एफ टू कॉन्स्टेंट सी एन एन नॉट सच दैट एफ एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन वर्स्ट केस के लिए हमने क्या कहा था लेस देन इक्वल टू लेकिन यहाँ पे क्या है मैं जैसा मैंने कहा कि बेस्ट और वर्स्ट आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कंडीशन भी क्या हो जाएगी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी तो एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन दिस इंडिकेट दी बेस्ट केस ऑफ दी एल्गोरिदम और ग्राफ में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा ग्रेजुअली इनका इंक्रीमेंट हो रहा है एफ एन और जी एन फंक्शन का और एक ऐसा पॉइंट आएगा ये वाला जहां पर हमारी ये कंडीशन जो है क्या होगी ट्रू होगी ठीक है उसी को ही हमने कहा कि ये हमारे जो एल्गोरिदम का क्या है बेस्ट केस है ठीक है कुछ वेरिएशन आएंगे ग्राफ में लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी और इसी को हमने क्या कहा दिस इज माई अ बेस्ट केस ऑफ द एल्गोरिज्म अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पर्टिकुलर उस एन नॉट पॉइंट के बाद में तो अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आई कैन राइट एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे यहां से डिलीट हो जाएंगे जैसा मैंने आपको रूल बताया था कि दो रूल हैं बेसिक रूल है ड्रॉप ऑल एंड ड्रॉप ऑल लोअर ऑर्डर टर्म्स वो भी यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे कोई फंक्शन अगर एफ एन की फॉर्मेट में दे रखा है तो ठीक है तो फाइनल जो टाइम आएगा वो किस में लिखेंगे हम ओमेगा के फॉर्मेट में और ओमेगा के फॉर्मेट में लिखने का ये मतलब है कि हम जो एल्गोरिदम का टाइम बता रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है बेस्ट केस की फॉर्मेट में ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट केस प्रोवाइड कर रहा है ने किसी न किसी एल्गोरिदम का ओके okay? और जो लास्ट जो नोटेशन है वो है आपका बिग थीटा नोटेशन बिग थीटा नोटेशन प्रोवाइड द एवरेज केस ऑफ द एल्गोरिदम एवरेज केस सो दिस इज द एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड नोटेशन टाइट बाउंड और सैंडविच बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट केस ऑफ द एल्गोरिदम बेस्ट और वर्स्ट के बीच में मैंने आपको ग्राफ डिनोट बताया था ठीक है तो बेस्ट केस की और वर्स्ट केस में जहाँ उसका जो एरिया है मिडल का वो सारा एरिया एवरेज केस का होता है तो एवरेज केस इज नथिंग बटली नथिंग बट द टाइट बाउंड बिटवीन द बेस्ट एंड वर्स्ट केस ओके सो इंडिकेट दी एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाई दल्गोरिजम ठीक है एल्गोरिज्म का एवरेज केस क्या होगा वो हमें थीटा नोटेशन बताएगा सो दिस इज दमल डेफिनेशन हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो एवरेज केस है वो बेस्ट और वर्स्ट के कहीं ना कहीं मिडिल में ही लाइक like करता है सो so, ऑब्वियसली बात है कि हमें यहां पर बेस्ट और वर्स्ट केस को इंक्लूड करना पड़ेगा हमने ये कहा कि एफ एन लेस देन एन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन ये किसकी कंडीशन थी वर्स्ट केस की ठीक है और इसी में मैं अगर ऐड कर दूं ये हमारा सी ऑफ जी ऑफ एन तो ये हो गई वर्स्ट केस ये हो गया एवरेज केस ठीक है दो कांस्टेंट ले लेते हैं हम सी वन और सी टू ठीक है क्योंकि दोनों सी सेम है सो दिस इज दर्स्ट केस एंड दिस इज द एवरेज केस एंड बिटवीन द वर्स्ट एंड एवरेज आई हैव द सॉरी बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट मिस्टेक सी ऑफ जी ऑफ एन ठीक है बिटवीन दी ये आपका हो गया बेस्ट केस ठीक है वर्स्ट केस क्या था? Fn C of G of N. और था Fn C of G of N. तो case, और बेस्ट बेस्ट था तो ये ये आपका आपका केस केस वर्स्ट इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है एफ एन और एफ एन क्या है हमारा एवरेज केस वही फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर लिखा है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है बेस्ट और वर्स्ट के बीच में कहीं ना कहीं कंडीशन लाई होती है आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू लिखा है आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बट केसेस चेंज हो जाएंगे फॉर द कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू एंड नॉट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन वी कैन राइट एफ एन एज थीटा ऑफ जी ऑफ एन ठीक है ग्राफ एक बार हम देख लेते हैं सो दिस इज माई एफ एन ठीक है दिस इज दॉट पॉइंट जहां पर ये कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है ओके सो एफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन ये हो गया आपके वर्स्ट केस ठीक है और ये हो गया बेस्ट केस ठीक है सो फ्रॉम बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट वी हैव दी एवरेज केस ठीक है ओके okay. सो so, मैंने कहा अगर आपको एक नोटेशन अगर समझ में आ गया है, तो दूसरा और आगे नोटेशंस जो है वो बहुत ईजी हो जाते हैं ईजीली आप उसको समझ सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटेशंस ए सिमटोटिक नोटिशन्स उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है ओके सो नेक्स्ट इज द कॉमन ए सिमटोटिक नोटेशंस जो हम रेगुलरली आपको डी एस में बुक्स में मिलेंगे अगर कहीं बेग ऑफ एन वन लिखा है इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ठीक है यहाँ वन का मतलब यह है कि वो एक कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है वो कॉन्स्टेंट टाइम कितना है पाँच सेकेंड है दस सेकेंड है पंद्रह मिनट है बीस मिनट है वो हमें नहीं पता बट एक कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है तो जहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टाइम अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बिग ऑफ वन ठीक है लॉगरिथमिक टाइम के लिए हम लिखेंगे लॉग ऑफ एन एन जो कोई भी रिप्रेजेंट करेगा वो लीनियर टाइम को क्वाड्रेटिक टाइम माइनस स्क्वायर पॉलिनॉमिल टाइम एंड दी एक्सपोनेंशियल टाइम ठीक है ग्रेजुअली रिलेशन भी यही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी फॉर्मेट में क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है सबसे कम टाइम इसको सबसे ज्यादा टाइम इसको ओके okay? एंड जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट जो दो नोटेशन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा सो फर्स्ट नोटेशन क्या था हमारा एफ एन बेगो नोटेशन वेर एफ इज ऑलवेज लेस देन एन इक्वल टू जी थीटा में थीटाज एफ इज इक्वल टू जी एंड जो दो नोटेशन है जो मैं आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा वो है लिटिल ओ लिटिल ओ स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज दिटिल ओमेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डब्ल्यू से सो लिटिल ओ की कंडीशन क्या है एफ इज ओनली यहां इक्वल टू की कंडीशन ली है ओनली लेस देन जी एफ इज ओनली लेस देन जी और लिटिल ओ की लिटिल ओमेगा की कंडीशन है जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कंडीशन ही है एफ इज ओनली ग्रेटर देन जी यहां दोनों में इक्वल टू नहीं है दैट इज द ओनली अ स्लाइटली डिफरेंस ठीक है कहने को तो बड़ा डिफरेंस है बट मैथमेटिकल वे में स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे इक्वल टू का और जब आप यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो वो ये कंडीशन बन जाती है बिग ओ की बिग ओ एंड बिग ओमेगा की और ये आपका थीटा है ये बिग थीटा ओके सो दीज आर ऑल द फाइव नोटिशंस एंड रिलेशनशिप अमंग ऑल फाइव नोटिशंस ठीक है समरी फॉर्मेट में इसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आई थिंक आपको ए सिमटोटिक नोटेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा एरे इन लास्ट के लेक्चर्स में हमने फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देखा था और मैंने आपको बताया था कि जो रिमेनिंग जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक एरे स्टैक क्यू लिंक हिस्ट्री ग्राफ कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे सो so फ्रेंड्स आज का जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है एरे उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये मेमोरी में किस तरह से इंप्लीमेंट होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या इसके ऑपरेशन हैं और uh, किस तरह से ये इनिशलाइजेशन डिक्लेरेशन और इसमें मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी एड्रेस का हम एड्रेस uh, कैसे कैलकुलेट करें ओके सो फ्रेंड्स as we all know that array is a collection of म डेटा टाइप ठीक है सेम डेटा टाइप ओके इट मींस एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स एरे किसका कलेक्शन है होमोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन है ऑरअर्ट सेट है ठीक है विच कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एरे की साइज फिक्स पहले देनी पड़ेगी बिकॉज जब भी हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं मान लीजिए इंटीजर टाइप का एरे है तो यहां पे आपको पहले साइज आपको प्रीडिफाइन करनी पड़ेगी कि आप उस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट स्टोरेज करना चाहते हैं ठीक है एंड ऑब्वियसली बात है है जो हमने ठीक इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इट्स नॉट अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ओके सो दिस इज सिंपल एग्जांपल दीज आर array एलिमेंट्स इंडेक्सिंग स्टार्टेड विद जीरो ठीक है जीरो इंडेक्स फॉलोज द एलिमेंट टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी एंड नाइन्टी ठीक है सो टोटल एरे इज एलिमेंट नाइन लोअर बाउंड जीरो एंड अपर बाउंड एट ठीक है डिक्लेरेशन हम इस तरह से कर सकते हैं टेन एलिमेंट्स हैं ठीक है टेन हो नाइन हो ठीक है अगर मान लीजिए साइज एक्सीड कर रही है तो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ज़ीरो स्टोर हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एलिमेंट्स दे दिए फोर और यहाँ पे आपने साइज़ नहीं दी तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज़ जो है वो एक्वायर कर लेगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो साइज यहाँ पर स्टोर हो जाएगी तो फोर हैं तो यहाँ पर फोर आ जाएगा ठीक है और मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने एलिमेंट दिए हैं फोर और साइज़ दिए आपने सिक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है टोटल uh, यहाँ पे जीरो और जीरो दो एलिमेंट के लिए जगह स्टोर हो जाएगी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन इनिशियलाइज द डिक्लेयर इनिशियलाइज द एलिमेंट्स एंड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है नेक्स्ट इज हाउ वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ठीक है इन दी वन डायमेंशनल एरे पहले हम वन डी एरे की बात करते हैं वन डी एरे मीन्स क्या फ्रेंड्स अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट है मान लीजिए ये एक एरे है ये एरे इसमें मैंने कुछ एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं और स्टार्टिंग विद जीरो इंडेक्स ठीक है इंडेक्सिंग इंडेक्स इं कहाँ से स्टार्ट किया हमने जीरो सो फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट ठीक है अगर यहाँ पे एक ही डायमेंशन है इसको रिकॉग्नाइज करने की तो इसको हम कहते हैं वन डी एरे ठीक है अगर आपको वन डी टू डी के बीच में डिफ्रेंशिएट क्लियर नहीं है तो आप सी लैंग्वेज की सीरीज में आप उसको क्लियर कर सकते हैं सो इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर पोजिशन देन दिस इज द फॉर्मूला फर्स्ट द बेस एड्रेस हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का बेस एड्रेस पता होना चाहिए बेसिकली बेस एड्रेस क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेस एड्रेस ठीक है देन द साइज मैंने आप पहले बताया था कि जो डेरा टाइप की जो साइज़ है वो पर्टिकुलर किसी, किसी compiler के न किसी कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है तो डब्लू इज़ दाइज और आई एथ इज़ द लोकेशन ठीक है जो भी लोकेशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइज़ दे दीजिए वो पर्टिकुलर डेरा टाइप अगर नहीं डीजे टाइप का है तो दो बाइट ले रहा है या चार बाइट ले रहा है फ्लोट है तो फोर बाइट ले रहा है डबल है तो एट बाइट ले रहा है करेक्टर है तो वन बाइट ले रहा है वहाँ पर लिख के बेस एड्रेस आप अज्यूम कर लीजिए कुछ भी इसका है मान लीजिए टू थाउजेंड वन थाउजेंड कुछ भी हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि बेस एड्रेस क्या है बिकॉज़ विदाउट बेस एड्रेस हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हमें बेस एड्रेस की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी ओके सो हाउ दिस इज दैट वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन वन डे ओके नेक्स्ट अगर हमें टू डी एरे है हमारे पास में तो अगर हम उससे किसी एलिमेंट का एड्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फ्रेंड्स हम कैसे करें तो इसका बेसिकली मेथड है कि अगर हमारे पास में कोई टू डी एरे है तो उस टू डी एरे को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं मेमोरी में हम सबको ये पता है फ्रेंड्स के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो ठीक है ट्री हो ग्राफ हो स्टैग हो क्यू हो या एरे हो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो ठीक है वो सारे जो है एक लीनियर फॉर्मेट में ही स्टोर होते हैं ठीक है थीके? तो अगर कहा जाए कि एक हमारे पास में टू डी एर है उसका जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में होता है यहाँ पे कुछ मैट्रिसेज होती हैं और ये कुछ रो एंड कॉलम का फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ठीक है matrix, और इस मैट्रिक्स में हम इस एलिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं बट एक्चुअल में फ्रेंड्स मेमोरी में ये कोई ऐसे मैट्रिक्स नहीं बनती है ठीक है ये मैट्रिक्स जो है ये जस्ट हमारे समझने के लिए पर्पज़ के लिए है ये मेमोरी में इम्प्लीमेंट नहीं होती है ठीक है मैं अब मेमोरी में इम्प्लीमेंट कैसे होता है टू डी एरे तो इसके दो तरीके हैं पहला तरीका है रो मेजर ऑर्डर और सेकेंड तरीका है कॉलम मेजर ऑर्डर रो मेजर ऑर्डर में फ्रेंड्स हम जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रो बाय रो स्टोर करेंगे ठीक है रो बाय रो कैसे स्टोर करेंगे मैं आपको एक पहले एग्जांपल बता देता हूं फिर हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूं सो फ्रेंड्स दिस इज दू डी एरे जिसके अंदर यहाँ पर थ्री रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं सो टोटल थ्री इंटू फोर ट्वेल्व जो है एलिमेंट्स हैं हम ये मानते हैं कि इस पर्टिकुलर ये इंडीजर टाइप का एरे है और इसको स्टोरेज के लिए टू बाइट की रिक्वायरमेंट है ओके सो रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा फ्रेंड्स कि एलिमेंट्स का जो स्टोरेज होगा वो रो बाय रो होगा रो बाय रो क्या होगा दिस इज द रो फर्स्ट

ये तीनों रो एज इट इज स्टोर होंगे ठीक है तो एलिमेंट्स का जो स्टोरेज होगा वो कैसे होगा फर्स्ट रो पहले स्टोर होगी उसके बाद में सेकेंड रो उसके बाद में थर्ड रो इसे अपन कहते हैं रो मेजर ऑर्डर बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो रो मेजर ऑर्डर फॉलो करती है एलिमेंट्स का स्टोरेज करने के लिए लाइक सी सी प्लस प्लस ये सारी रो मेजर ऑर्डर फॉलो करती है ठीक है अब बात आती है कि अगर हमारे पास में एक टू डी एरे है अगर हमें उसमें उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करें सो फ्रेंड्स दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन दू डी एरे ठीक है फर्स्ट हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेस एड्रेस की ठीक है देन साइज ओके यहां पर देखिए मैम एन इज द नंबर ऑफ रोज हैं एन क्या है नंबर ऑफ रोज और एम क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है तो जब भी आपको रो मेजर फॉलो करना है रो मेजर ऑर्डर निकलना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी साइज ऑफ कॉलम की ठीक है एम इज द साइज ऑफ कॉलम कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अगर आप कॉलम मेजर फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी रो की यहां पे जस्ट फ्रेंड्स रिवर्स है यह ध्यान रखना फॉर्मुले में ठीक है सो हम एग्जाम्पल देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ठीक है सपोज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ आर आर वन कॉमा टू हमें एड्रेस किसका कैलकुलेट करना है 1, का यहां 1, का मतलब क्या है फ्रेंड्स देखिए ये रहा ठीक है जीरो जीरो इंडेक्सिंग किसके स्टार्ट होगी जीरो से स्टार्ट होगी रो एंड कॉलम दोनों से ठीक है ये इसका स्टोरेज हो जाएगा और ट्वेंटी थ्री एलिमेंट कहां पर है ये रहा ठीक है सो दिस इज दीरो वन जीरो कॉमा टू देन वन कॉमा जीरो वन कॉमा वन वन मिनट, जीरो कॉमा टू एंड जीरो कॉमा थ्री दिस कॉमा जीरो वन कॉमा वन वन कॉमा देखिए ये हमारा एलिमेंट है ठीक है तो इसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है हमने ये माना कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है बेस एड्रेस इसको भी अपन क्या कहेंगे दिस इज बेस एड्रेस ऑफ़ एरे ठीक है वो कितना है थाउजेंड ओके सो फॉर्मूला में हम वैल्यूज पहले सारी लिख लेते हैं क्या है बेस एड्रेस हमने मान लिया क्या है थाउजेंड है ठीक है और साइज ऑफ डेटा टाइप हमने ये माना कितनी है टू है इंटीजर है टू बाइट यहाँ पे मेमोरी में स्टोरेज या अक्वायर कर रहा है ठीक है एम और एन ठीक है एन इज ए नंबर ऑफ रोज एंड एम इज ए नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है और आई और जे ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आई और जे की पोजीशन क्या है दैट इज वन और टू ठीक है अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है फार्मूले में बहुत बेसिक फार्मूला है लोकेशन क्या है वन टू की फार्मूले करनी है बेस एड्रेस थाउजेंड टू फोर वन ये बेसिक कैलकुलेशन है आप करिए फोर प्लस टू सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व और थाउजेंड प्लस ट्वेल्व वन जीरो वन टू जो हमारा एड्रेस है ठीक है फ्रेंड्स तो आप इस फार्मूले से किसी भी लोकेशन का आप एड्रेस निकाल सकते हैं रिक्वायरमेंट क्या है आपको आपको बेस एड्रेस की रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर डेटा या जो एरे है वो uh, कौन से टाइप का है वो इंटीजर है कैरेक्टर है फ्लोट है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज़ क्या होगी और हमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन का हमें एड्रेस निकालना है वो हमें बताना चाहिए बस आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखिए और एड्रेस कैलकुलेट करिए सो दिस इज दी हाउ वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रो मेजर ऑर्डर फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है कि रो मेजर ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स का जो स्टोरेज होगा वो किस तरह से होगा रो बाय रो पहली रो फर्स्ट रो होगी फिर सेकेंड रो थर्ड रो एंड सो ऑन ठीक है यही मैंने यहाँ पे स्लाइड में डिस्क्राइब किया है कि सारे जो एलिमेंट्स होगी वो किस तरह से होगी रो रो स्टोरेज होगा उसका ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर ठीक है एंड दिस मेथड पहले हमने जो है एलिमेंट्स का स्टोरेज किस तरह से किया था रो बाय रो से अब हम एलिमेंट्स का स्टोरेज किस तरह से करेंगे कॉलम बाय कॉलम ठीक है पहला कॉलम पहले स्टोर होगा फिर सेकेंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम और साथ में लास्ट में ऐसे कॉलम स्टोर होते जाएंगे कब तक जब तक ये सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते एंड दिस इज द फॉर्मूला जो रो मेजर और कॉलम मेजर है उसमें फॉर्मूला में ज्यादा चेंजेस नहीं है वहां हमने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज किए थे यहां या हम यहां या, या हम यूज करेंगे नंबर ऑफ रोज एन इज द नंबर ऑफ रोज डब्लू इज द साइज बेस एड्रेस तो है ही है ठीक है बस ये स्लाइटली चेंज है वहां पे हमने हमने के के साथ के साथ यूज यूज किया था करेंगे नथिंग एल्स और कोई फर्क नहीं है सो सेम एग्जांपल हम लेते हैं ठीक है थीके? जैसा मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्स का स्टोरेज जो है वो कॉलम बाय कॉलम होगा तो पहले कॉलम ये रहा आपका पहला कॉलम ठीक है पहला कॉलम क्या है इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी वन तो ये रहा आपका पहला कॉलम दिस इज द फर्स्ट कॉलम कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर ठीक है ये पहले कॉलम स्टोर होगा उसके बाद में ये सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम ठीक है स्टार्टिंग एड्रेस भी इसी तरीके से ही अलोकेट होगा ध्यान रखना फ्रेंड्स फर्स्ट एड्रेस क्या होगा थाउजेंड नेक्स्ट अब जो एड्रेस असाइन होगा वो रो बाय रो नहीं होगा वो कैसे होगा कॉलम बाय कॉलम होगा तो सेकेंड एड्रेस क्या होगा वन थाउजेंड टू फिर फोर सिक्स एट टेन एंड सो ऑन यहां पे दो दो बाइट का गैप किस लिए आ रहा है फ्रेंड्स क्योंकि इंटीजर को हम ये मान रहे हैं कि किस कितने बाइट अलोकेट हो रहे हैं दो बाइट ऑलोकेट हो रहे हैं सो so, दो बाइट ऑलोकेट हो रहे हैं तो गैप भी कितने आएगा एड्रेस का एड्रेस का गैप भी दो बाइट का ही आएगा ठीक है कैलकुलेट द एड्रेस हम सेम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं वन कॉमा टू ठीक है है ये रहा और उसका address क्या है? 1014. जबकि पहले क्या था देखिए पहले वन कामा टू का एड्रेस वन जीरो वन टू अब कितना आ रहा है वन जीरो वन फोर ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमने एलिमेंट्स का जो स्टोरेज है वो कैसे किया है पहले रो बाय रो किया था अब क्या कर रहे हैं कॉलम बाय कॉलम स्टोर कर रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल जो फॉर्मुले में जो सारी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल आप उसको एज इट इज रख है इनिशियल एड्रेस जो बेस एड्रेस है हमने माना कितना है वो थाउजेंड ये आपका बेस एड्रेस है ठीक है बेस एड्रेस साइज ऑफ डेटा टाइप कितनी है टू बाइट है एम और एन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे और आपको किसका एड्रेस कैलकुलेट करना है वन और कॉमा टू का सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में रख दीजिए ठीक है कैलकुलेट करिए थाउजेंड थ्री टू टूजा सिक्स प्लस सेवन ठीक है सेवन टूजा फोरटीन और वन जीरो वन फोर जो हमारा वन कॉमा टू का एड्रेस है ठीक है तो आपको फ्रेंड्स ध्यान क्या रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि रो मेजर ऑर्डर में हम नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करते हैं और कॉलम मेजर ऑर्डर में हम नंबर ऑफ रोज यूज करते हैं आपको फ्रेंड्स ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है और फॉर्मूले में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स इन टू डी अरे विद द हेल्प ऑफ रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर ठीक है नाउ फ्रेंड्स एक मैंने यहाँ पे छोटा कुछ कंक्लूजन निकाला है ठीक है हमने लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी का मैटर जो है टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के टाइप बताए थे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो बेसिकली एरे जो है वो स्टैटिक नेचर का है और लिंकलिस्ट जो है वो डायनामिक नेचर की है ठीक है तो जितने भी ऑपरेशंस हैं ठीक है लाइक एक्सेस टाइम सर्च इंसर्ट डिलीट ठीक है उन सब में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो इसका मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में उसको डिस्क्राइब किया है सो एक्सेस टाइम ऑब्वियस ही बात है कॉन्स्टेंट टाइम लगता है एरे में ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या है सिक्वेंशियल सर्च है और हमारे पास में इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है जहाँ पर भी फ्रेंड्स इंडेक्सिंग का कंसेप्ट होगा उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस इसलिए यहाँ पे आ, इस पर्टिकुलर एरे में अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करें तो उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट टाइम लगता है और कॉन्स्टेंट टाइम को हम हमेशा हम बिकॉफ वन से रिप्रेजेंट करते हैं वन जहाँ कहीं भी लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये यह यहाँ पर कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ठीक है इसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है जबकि लिंकलिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स एंड टाइम लगता है क्यों क्योंकि वहाँ पर लिंकलिस्ट में कोई भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता है अभी आपको लिंक लिस्ट क्लियर नहीं है क्योंकि लिंकलिस्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको कराऊंगा सो so फ्रेंड्स अभी आप सिर्फ एरे के ऊपर कंसनट्रेट करें कि एरे में सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन में क्या टाइम लगता है ठीक है सर्च करने के लिए इंसर्ट डिलीट इन सब में आपको एन टाइम लगेगा क्योंकि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और लीनियर टाइम में हमेशा आपको जो है एन ही आएगा एन मतलब इट्स अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने एलिमेंट्स हैं उतने तो हमें कंपेरिजन करने ही पड़ेंगे ठीक है आप मान लीजिए एरे में पांच एलिमेंट है तो हमको पांच कंपैरिजन करने पड़ेंगे तो दैट्स व्हाई इट्स गिव द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओके सो एरे इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एरे इज इजी टू क्रिएट इजी टू यूज ठीक है डायरेक्ट इंडेक्सिंग दैट्स व्हाई जहां कहीं भी फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि जहां डायरेक्ट इंडेक्सिंग होगी वहां पे एरे इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर ठीक है बट सिक्वेंशियल एक्सेस है तो उसके लिए आपको एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी लगेगी कर रहे हैं तो उसको एन लगेगा लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आईगी जब उसको हम बाइनरी सर्च से एलिमेंट को सर्च करेंगे फ्रेंड्स बाइनरी सर्च में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आती है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है क्योंकि नंबर ऑफ कंपेरिजन वहां पर जस्ट हाफ हो जाते हैं और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है तो उसको आपको सर्च करना ही पड़ेगा इट्स गिव्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओके सो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ बिग बिगऑफ एन जो शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स जहाँ कहीं भी हमें इंसर्ट और डिलीट करना है तो फ्रेंड्स हमें एरे में एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इसलिए वहाँ पे एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है लिंक लिस्ट फ्रेंड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको लिंक लिस्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लिंक लिस्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं प्रूज कौन क्या है अभी यहाँ पे इस चार्ट में आप एरे के ऊपर कंसनड्रेट करें कि किस तरह से एक्सेस सर्च और इंसर्ट डिलीट में एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ठीक है सो दिस इज फ्रेंड्स ऑल अबाउट दी एरे उसके अंदर रो मेजर और कॉलम मेजर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो उसके रिगार्डिंग फार्मूला क्या है और एरे से रिलेटेड उसके प्रोन्स एंड कॉन्स डेट इज द स्टैग लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे वीडियो सीरीज करते जाएंगे तो मैं आपको जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो लास्ट में हमने एरे डिस्कस किया था आज का हमारा टॉपिक है स्टैग स्टैग इज ऑल्सो द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सो जैसा कि हमने हैरारकी पढ़ी थी डेटा स्ट्रक्चर की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैग इज अनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया था सो स्टैग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आइटम्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट वन एंड ओनली ठीक है यहाँ पे फ्रेंड्स कंडीशन है कि स्टैग में जो इंसर्शन और डिलीशन होगा एलिमेंट्स का वो सिर्फ एक ही एंड पर होगा और उस एंड को हम क्या कहेंगे दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैग ठीक है उस एंड को हम क्या कहेंगे टॉप ऑफ द स्टैग स्टैग फॉलो द लीफो कंसेप्ट और अगर मैं रिवर्स कहूँ तो फीलो कंसेप्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स

ऐसा फ्रेंड्स कभी नहीं होगा कब तक जब तक कि आप जितने भी जो टॉप की जो सीढ़ी है पहले आप उसको बाहर निकालना स्टार्ट करें उसके बाद में आप मिडल या लास्ट की सीढ़ी को आप निकाल सकते हैं ये जो कंसेप्ट है यही डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का कंसेप्ट है बेसिकली अगर हम स्टैक का अगर जनरल आर्किटेक्चर बनाए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज तो वो कुछ इस तरह से बनता है ये आपका स्टैग है ठीक है दिस इज योर स्टैग इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ठीक है एलिमेंट्स का इंसर्शन और एलिमेंट्स का डिलीशन दोनों ही एक ही पॉइंट पर होगा और इसी पॉइंट को हमने कहा दैट इज द टॉप ऑफ द स्टैग ये क्या है स्टैग का टॉप पॉइंट है जहां पे स्टैग का इंसर्शन एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन इसी पॉइंट से होगा और कोई दूसरा एंड नहीं है जहां पे स्टैग का इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होगा और इसी को ही हमने क्या कहा दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैग ओके फ्रेंड्स एंड स्टैक फॉलो द लिफो कंसेप्ट ऑब्बियसली बात है कि जो लास्ट एलिमेंट सबसे uh, होगा इंसर्टेड होगा वो पहले पास आउट होगा पहले बाहर निकलेगा ठीक है हम सीडी में जो सबसे लास्ट जो सीडी इंसर्ट की है वो सबसे पहले बाहर निकलती है क्या कभी ऐसा कंसेप्ट फॉलो होता है कि सबसे पहले सीडी सबसे पहले बाहर निकल गई नो सो द स्टैक फॉलो द लिफो कंसेप्ट और द फीलो कंसेप्ट दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट और फ्रेंड्स जो थर्ड जो पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैक जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में इंसर्शन और डिलीशन के लिए एक ही प्लेस है जहां पे हम वो कर सकते हैं और इसी को ही हमने क्या कहा रिस्ट्रिक्शन कि हमने इंसर्शन और डिलीशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और कोई प्लेस नहीं है जहां पे हम इंसर्ट और डिलीट कर सकें लाइक मिडल में बॉटम पे ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे हम एलिमेंट्स का इंसर्शन कर सकें स्टैक में

वो कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑपरेशन इज द पुश ऑपरेशन पुश का मतलब होता है इन विच वी वॉन्ट टू एड वी वॉन्ट टू इंसर्ट सम आइटम इन द अगर हम स्टैग में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे पुश ऑपरेशन ठीक है एंड जब हम एलिमेंट्स का कुछ डिलीशन करेंगे रिमूव करेंगे स्टैग में से तो उसको हम कहेंगे पॉप ऑपरेशन ठीक है पुश ऑपरेशन फॉर द इंसर्शन एंड पॉप ऑपरेशन फॉर द डिलीशन पर्पज ठीक है थर्ड जो है वो है टॉप टॉप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इट रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्ट्रैक का जो टॉप एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न करके देगा एंड इज एम टी रिटर्न द स्ट्रैक इज एम टी और नॉट बेसिकली फ्रेंड्स दो ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रैक के लिए पुश एंड पॉप पुश फॉर द इंसर्शन एंड पॉप फॉर द डिलीशन पर्पज अब देखिए फ्रेंड्स दो टर्म है से हमको फेमिलियर हो जाना है वो टर्म्स क्या है ओवरफ्लो एंड अंडर फ्लो कंडीशन मान लीजिए आपका स्टैग है ओके। okay? एंड uh, की कुछ कैपेसिटी होती है ठीक है मान लीजिए स्टैग की कैपेसिटी फाइव है इट मीन्स वी कैन इंसर्ट ओनली फाइव एलिमेंट्स इन द स्टैग ओके सो मान लीजिए वो फाइव एलिमेंट्स जो है वो आपने यहां पे इंसर्ट कर दिए हैं ठीक है ठीके? एंड यू वॉन्ट टू एड सम मोर आइटम इन द स्टैग बट आप इस इंसर्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि स्टैग की जो साइज़ है वो फुल हो गई है ओके सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इज द ओवर फ्लो इन द स्टैग ठीक है जहाँ पे मैक्सिम आइटम जो है वो इंसर्टेड हो जाए इस टैग में जितनी स्टैग की साइज़ है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ओवर फ्लो कंडीशन इन द स्टैग बेसिकली जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं ठीक है जहाँ चाहे स्टैग हो क्यू हो ओके okay, ट्री ग्राफ कोई भी हो उसमें ओवरफ्लो की कंडीशन ही होती है कि जितनी मैक्सिमम साइज दे रखी है उतना अगर एलिमेंट्स का इंसर्शन हो जाए तो डेट तो इज दर्ज ओवरफ्लो कंडीशन इन द एनी डेटा स्ट्रक्चर और फ्रेंड्स अंडरफ्लो का मतलब ये है कि मान लीजिए स्टैक की साइज फाइव है और आपने पांचों एलिमेंट क्या कर दिए डिलीट कर दिए टोटली एलिमेंट पॉप कर दिए हैं ठीक है स्टैक में कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है पूरा स्टैक क्या है एम्प्टी कंडीशन में है एम्प्टी कंडीशन

एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ओवरफ्लो कंडीशन ऑलवेज असोसिएटेड विद द इंसर्शन ऑपरेशन इट अ अपोश ऑपरेशन इन द स्टैक एंड अंडरफ्लो कंडीशन ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डिलीशन ऑपरेशन इट मींस अ पॉप इन द स्टैक जहां कहीं भी इंसर्शन होगा वहां हमें पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स का ओवरफ्लो है या नहीं है उसमें जगह है या नहीं है और जहां कहीं भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या अंडर फ्लो कंडीशन है या नहीं है अगर अंडर फ्लो कंडीशन है तो हम एलिमेंट्स का डिलीशन भी नहीं कर सकते ओके okay, फ्रेंड्स तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन ऑलवेज एसोसिएटेड विद द इंसर्शन एंड द डिलीशन रेस्पेक्टिवली ओके चलिए नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैक बेसिकली अगर मैं कहूँ तो स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पे लेवल पे होता है मैं एट द मेमोरी लेवल अगर हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है एट मेमोरी लेवल ठीक है तो उसके फ्रेंड्स दो तरीके हैं या तो आप स्टैटिक तरीके से कीजिए या डायनामिक तरीके से कीजिए दो ही जो है पैटर्न फॉलो होते हैं स्टैक की साइज आप फिक्स कर दीजिए नहीं स्टैक की साइज फिक्स नहीं करनी है आपको रन टाइम पे अलॉकेट करवाना है तो डायनामिक पैटर्न स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक अगर आपको इंप्लीमेंटेशन यूज करना है तो आपको एरे का कंसेप्ट करना पड़ेगा एरे और अगर आपको डायनामिक फॉलो करना है तो हमको लिंक का कंसेप्ट करना पड़ेगा ठीक है लिंक अभी हमने आगे वाले जितने भी वीडियोज है उसमें मैं आपको लिंकलिस्ट का कंसेप्ट बताऊंगा कि लिंकलिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होती है और उसका क्या बेसिक फंडा है ठीक so, है सो एरे हम डिस्कस करते हैं कि हम स्टैक को विद द हेल्प ऑफ एरे uh, हम मेमोरी में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं उसकी एल्गोरिदम्स क्या क्या है ओके सो फर्स्ट वी डिस्कस द एल्गोरिदम फॉर द पुश ऑपरेशन ठीक है okay? so अगर हम स्टैक में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करें तो उसकी एल्गोरिदम क्या है उसको किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं सो दिस इज द एलगोरिदम फॉर द पुश ऑपरेशन दीज आर पैरामीटर दैट वी पास इन द एलगोरिदम फर्स्ट द स्टैग स्टैग हमें पास करना है टॉप एलिमेंट मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैग एंड द आइटम विच वी वॉन्ट टू इंसर्ट इन द स्टैग ये एक बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स uh, जब भी हमें कोई एलगोदम लिखनी हो तो आप उसमें पैरामीटर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एलगोरिदम में वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करिए कि इन पैरामीटर्स का क्या यूज़ है क्योंकि इन्हीं को इन्हीं की हेल्प से हम जो है एलगोरदम की डिज़ाइन करेंगे ओके okay? फर्स्ट so जैसा कि मैंने आपको कहा था जब भी आप इंसर्शन करें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले आप कंडीशन क्या चेक करेंगे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन मैच करती है या नहीं करती है तो ऑब्वियपल तो और मान लीजिए जो स्टैग की जो मैक्सिमम साइज है मैक्स साइज ऑफ द स्टैग वो हमने एज्यूम करी फाइव है ठीक है इस स्टैक के अंदर में पांच एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूं ओके सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो यहां पे ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी और लेट वी कंसीडर टॉप को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया है ओके okay? आप माइनस वन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट ठीक है सो फर्स्ट वी चेक द्लो कंडीशन ओवरफ्लो कंडीशन क्या डिस्क्राइब है कि टॉप की वैल्यू अगर साइज के इक्वलेंट हो जाए ठीक है जहाँ अगर टॉप की वैल्यू है टॉप की वैल्यू साइज के इक्वलेंट हो जाए तो वहाँ कंडीशन क्या होगी ओवरफ्लो और फिर हम उसमें और एलिमेंट का इंसर्शन नहीं कर सकते सो वी रिटर्न द प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट अभी जो है टॉप की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है डेट इज़ नॉट इक्वल टू द मैक्स साइज सो वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैग कंडीशन जो है फॉल्स हो गई अब हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट टू इंक्रीमेंट टॉप पॉइंटर हम टॉप पॉइंटर को क्या करेंगे यहां पे इंक्रीमेंट करेंगे सो so नाउ पहले टॉप जीरो था अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टॉप वन ठीक है एंड वी इंसर्ट द आइटम एंड टॉप पोजिशन ऑफ स्टैग ठीक है अब हम आइटम इंसर्ट करेंगे उस टॉप पोजिशन पे टॉप पहले जीरो था वन है ये वन है टॉप ठीक है और उसमें हमने एक आइटम इंसर्ट कर दिया लेट से ए ठीक है पूरा नहीं हुआ है हमें एक बार और इंसर्ट करना है टॉप की साइज मैक्स के इक्वल नहीं है अगेन हम टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे टॉप वन से क्या हो गया टू टू हमने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया बी अगेन टॉप मैक्स के इक्वल एंड नहीं है हमें अगेन टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे टॉप की वैल्यू थ्री आइटम इज सी टॉप इज नॉट इक्वल टू मैक्स अगेन फोर ठीक है, डी आप यहां पे माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां पे इक्वल टू कंडीशन है तो ग्रेटर देन का यूज करें ठीक है ग्रेटर देन भी हो सकता है सो अगेन टॉप इज इक्वल टू मैक्स टॉप को इंक्रीमेंट कर दीजिए फाइव एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए बट अब जो है मैक्स की साइज फाइव है अगर हम इंक्रीमेंट करें टॉप को तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स तो मैक्स साइज से ये ज़्यादा है अब हम एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते सो दिस इज कंडीशन ऑफ द ओवरफ्लो ओके सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन टू द स्टैग से एलिमेंट के प्रोसेस के लिए हम एलिमेंट स्टैग में इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है सो so, हमें पुश ऑपरेशन में ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स कि ऑलवेज फर्स्ट चेक द कंडीशन ऑफ द ओवरफ्लो देन इंक्रीमेंट दी टॉप पॉइंटर ध्यान रखना फ्रेंड्स पहले हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है फिर टॉप को इंक्रीमेंट करना है और इंक्रीमेंटेड वैल्यू पर हमें क्या करना है वो पर्टिकुलर आइटम इंसर्ट करना है टॉप की पोजिशन पर ठीक है दिस इज दल्बोडिदम फॉर द पुश ऑपरेशन एलगोर्दम फॉर द पॉप ऑपरेशन पॉप मीनस डिलीशन इन द स्टैग डिलीशन इन द स्टैग ओके मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको अंडरफ्लो कंडीशन ठीक है अंडरफ्लो आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे अंडर फ्लो कंडीशन अंडरफ्लो कंडीशन के मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टैक में मान लीजिए या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और फिर भी आपको अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो ये आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते और इसी कंडीशन को हमने क्या कहा डिलीशन ऑफ या अंडरफ्लो कंडीशन इन द स्टैग और एनी डेटा स्ट्रक्चर सो फर्स्ट कंडीशन इज वॉट इफ टॉप इज इक्वल टू ज़ीरो टॉप की वैल्यू क्या हो जाए जीरो के इक्वलेंट हो जाए या जीरो कह दीजिए माइनस वन कह दीजिए कई एल्गोर्दम में वहाँ पे जीरो लिखा होगा कहीं माइनस वन लिखा होगा सो इट डिपेंड्स कि आप एलगोर्दम का किस तरह से लिखते हैं आप माइनस वन भी लिख सकते हैं आप जीरो भी लिख सकते हैं ठीक है सो स्टैग इज एमटी अंडर फ्लो कंडीशन एंड रिटर्न पुश ऑपरेशन में फ्रेंड्स हमने क्या किया था पहले हमने टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था और उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे हमने आइटम इंसर्ट किया था बट यहाँ पे क्या करना है बेसिकली इस स्टेप का मतलब यह है कि पहले जो भी आपका टॉप पॉइंटर है मान लीजिए लास्ट हमारा जो मैंने अभी सॉल्व किया था एग्जांपल उसमें ठीक है पहले जो टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू आप उस अगेन आइटम में डाल दीजिए इस स्टेप का मतलब यही है कि हम यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है थीके? मतलब यहां से जो भी टॉप पॉइंटर में जो एलिमेंट है उसको वापस हम इस में जो आइटम जो है उसको इंसर्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? और हमें क्या करना है टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है वापस अगर टॉप की वैल्यू लास्ट फाइव थी तो उसको फोर करना है फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन और लास्ट में क्या होगा टॉप जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि सारे एलिमेंट यहाँ से क्या हो चुके हैं डिलीट हो चुके हैं सो फर्स्ट वी डिलीट द आइटम इन टू द स्टैग देन डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर अगर फ्रेंड्स आपने पहले टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे आपने पहले टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया फाइव था आपने फोर कर दिया तो ये ये जो फाइव है इसको आप डिलीट कैसे करेंगे क्योंकि टॉप तो जस्ट प्रीवियस को पॉइंट आउट कर रहा है आपने तो जो टॉप एलिमेंट था उसको डिलीट ही नहीं किया सो फर्स्ट इन द पॉप ऑपरेशन वी डिलीट द एलीमेंट ठीक है देन वी डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर ठीक है फर्स्ट स्टेप इज वॉट चेक द अंडर फ्लो कंडीशन डिलीट द एलिमेंट एंड डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर और पुश के लिए क्या था फ्रेंड्स सेम प्रोसेस था फर्स्ट वी चेक द दरफ्लो कंडीशन देन इंक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर एंड इंसर्ट द एलिमेंट ये आप तीन स्टेप याद रखिए तो एलगोरदम आप अपने आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको रटने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ओके फ्रेंड्स सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट द पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन द स्टैग एल्गोर्दम डिस्कस किया हमने अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जितने भी ऑपरेशन हैं अगर हम किसी स्टैग में पुश करें या पॉप करें ठीक है टॉप ऑपरेशन करें या सर्च करें तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है अभी जैसे फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया ये एक वन टाइम प्रोसेस है एक कांस्टेंट प्रोसेस है स्टैग uh, में पुश और पॉप करने का तो जहाँ भी हमें कांस्टेंट अगर टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर स्टेप लग रहा है उस प्रोसेस को सॉल्व हो ले तो ये कैसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फ्रेंड्स अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो दोनों ही ऑपरेशन पुश और पॉप दोनों में क्या लगेगी अंस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी

एक लीनियर टाइम लगेगा हमें हर एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा सो so, हर एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा जितने उसके अंदर अगर आइटम है तो वहां पे कैसी होगी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है सो फ्रेंड्स आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी हमें स्टैग में पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वहां पे एक सिंगल स्टेप में ये काम हो जाता है दैट्स वाई इट्स रिक्वायर्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक बिग ऑफ़ वन से वन का ये मतलब है कि कोई कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है अब वो कॉन्स्टेंट टाइम कितना है दो सेकेंड पाँच सेकेंड दस सेकेंड बीस सेकेंड दस मिनट बीस मिनट वो हमें नहीं पता तो हम एक जर्नल वे में कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं बिग ऑफ वन ठीक है सो कई एग्ज़ाम में या आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं दी एप्लीकेशन ऑफ स्टैग फ्रेंड्स देर आर द एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड रिलेटेड टू द स्टैग स्टैग की फ्रेंड्स बहुत सारी एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में और प्रोग्रामिंग में और हमारे वो में जैसे फर्स्ट में अगर डिस्कस करूँ एप्लीकेशन दी बैलेंसिंग ऑफ द सिम्बल ठीक है अगर हम लाइट से uh, एक एप्लीकेशन आती है मान लीजिए हमारे पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंबल्स हैं कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग सिम्बल्स हैं ठीक है थीके? अगर हमें चेक करना है कि क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग सिम्बल का बैलेंस जो है वो इक्वल है या नहीं है तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं स्टैक के कंसेप्ट की हेल्प ले सकते हैं सेकेंड फ्रेंड्स जितने भी अंडू और रिडो ऑपरेशन होते हैं कंट्रोल जेड और आप कंट्रोल वाई से अंडू रिडो करते हैं बहुत सारे एडिटर्स में फोटोशॉप में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो ये सारी जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सब जो है स्टैक से रिलेटेड है इनकी वैल्यू अंडू और हिडू की स्टैग में ही सेव होती है ठीक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर इन द द वेब ब्राउजर्स रिलेटेड टू दैबर्स यूज मैनी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको टावर ऑफ हनोई और पैरेंथिस मैचिंग कन्वर्जन ऑफ वेरियस एक्सप्रेशन ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा सो टावर ऑफ हनोई ट्री ट्रेवर्जल सब में जो है स्टैग uh, का यूज होता है बेसिकली यहाँ पे बी एफ एस नहीं आना चाहिए डी एफ एस एल्गोदम में स्टैग का यूज़ होता है बी एफ एस में फ्रेंड्स क्यू का यूज होता है क्यू का डी एफ एस में स्टैग का यूज़ होता है सो टावर ऑफ एनोई ट्री ट्रेवर्सल हम करें प्री ऑर्डर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये मैं आपको ट्री ट्रेवर्जल में डिस्कस करूंगा डेप्थ डेपर सर्च में भी स्टैग का यूज़ होता है सारी जो एल्गोदम्स हैं उन सब में स्टैग का यूज़ होता है

ठीक है तो 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 अगर अगर पहले आ आ जाए जाए तो उसको उसको हम हम कहेंगे कहेंगे बाद में इनका evaluation और इनका आपस में कन्वर्जन ठीक है ये सब भी जो है स्टैक की हेल्प से ही होता है ओके टू रिवर्स द स्ट्रिंग अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है उसको हमें रिवर्स करना है तो आप उसको स्टैक में इंसर्ट कर दीजिए और लास्ट से आप उस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को करेक्टर को प्रिंट कराना स्टार्ट कर दीजिए तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी so, सो स्ट्रैग में आ, अगर हमें स्ट्रिंग को कोई रिवर्स करना हो तो इट्स अपलिकेशन ऑफ स्टैग एंड वैन फंक्शन इज़ कॉल्ड हमने सी प्रोग्रामिंग पट रखी है फंक्शन कॉलिंग होती है फंक्शन कॉलिंग में रिकर्जिव कॉल भी होते हैं तो रिकर्जिव कॉल में सारे जितने भी कॉल्स हैं वो सारे जो है स्ट्रैग में ही सेव होते हैं ठीक है ठीके? मैन फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन इज कॉल्ड द लास्ट फंक्शन कॉल विल बी द फर्स्ट हमें ये पता है उसमें फीफो uh, का स्टैग uh, का कंसेप्ट जो है लास्ट इंड फर्स्ट आउट वो यूज होता है जो सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन uh, कॉल हुआ है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और उनका जो सीक्वेंस है वो सब जो है स्टैग में ही सेव होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैग देर इज अ मैंडेटरी एरिया स्पेशली रिजर्व फॉर द स्टैग सो यहाँ पे फंक्शन uh, जब भी कॉल होगा तो उसमें स्टैग जो है हंड्रेड परसेंट मेंटेन होगा वही फंक्शन के कॉलिंग को मेनटेन करके रखता है और जो लास्ट जो फंक्शन कॉल हुआ है उसको फर्स्टली वो एग्जीक्यूट करके बाहर जो है वो निकालता है ठीक है सो दीज आर दरुरी नहीं एप्लीकेशन ये हो और भी अप्लीकेशन हो सकती है स्टैग के रियल वर्ल्ड में बट दीज आर द मेन अप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड और ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टावर ऑफ हनॉई है क्या ये क्या प्रॉब्लम है इसके क्या रूल्स है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स लेट से हमारे पास में तीन पैग है ओके

जो ट्रांसिक्शन है उसके दो रूल्स हैं फ्रेंड्स दो रूल्स क्या है कि फर्स्ट अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो पहला रूल है कि एट टाइम आप सिर्फ एक ही डिस्क को किसी पर्टिकुलर पैक से किसी दूसरे पैक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है और दूसरा रूल आपको यह कहता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी ठीक है ट्रांजेक्शन में कि एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आ जाए दिस इज नॉट अलाउड एक बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है दिस इज अलाउड ये अलाउड है बट ये अलाउड नहीं है ये ये इस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स दो रूल्स को फॉलो करते हुए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसी प्रॉब्लम को हम टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम भी कहते हैं ओके फ्रेंड्स सो फर्स्ट वी अज्यूम वी हैव टोटल थ्री डिस्क इन दिस पैग हमारे यहाँ पास यहाँ पे पैग ए में कितनी है तीन डिस्क है दिस इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड टोटल एन नंबर ऑफ थ्री डिस्क ओके फ्रेंड्स पैग ए को हम बिगनिंग पैक भी कहते हैं इसको ऑक्सिलरी पैक भी कहते हैं और इसको एंड पैक भी कहते हैं ठीक है पहले इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको एक नॉर्मल वे uh, में सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा और इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है सो दिस इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है ओके टोटल ट्रांजिशन हमें पता करना है कि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें टोटल ट्रांजिशन कितने लगेंगे सो फर्स्ट वी स्टार्ट थ्री पैक्स ए पैक बी एंड पैक सी हमने सबसे पहले क्या किया जो स्मॉलेस्ट जो डिस्क थी उसको ए से सी में ट्रांसफर किया दिस ठीक है दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन। नाउ इन द सेकंड फ्रेंड्स उन दो रूल्स को हमें ध्यान रखना है ठीक है जो स्मॉलेस्ट सेकेंड जो मिडिल उसको हमने यहां ट्रांसफर किया तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहा से कहा हुआ ए से बी की तरफ ठीक है ओके नेक्स्ट नाउ अब हमें रूल्स ये पता है फ्रेंड्स कि एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती है ठीक है तो अब हम ट्रांजिशन क्या कर रहे हैं सी टू बी सी टू बी ये मिडल डिस्क है उसके ऊपर सबसे छोटी डिस्क और सबसे बड़ी डिस्क ये आपके ऊपर आ गई ठीक है दिस इज दैक ए बी एंड सी अगेन सबसे जो बड़ी डिस्क है उसको हम लास्ट पोजीशन पर रख देते हैं ये हमारी सबसे बड़ी डिस्क ए, बी एंड सी, और लास्ट में ये पोजीशन तो थी थी तो ये ट्रांजिशन कहा से कहा हुआ ए से सी की तरफ ठीक है देन नेक्स्ट नाव सबसे छोटी जो तो डिस्क है उसको हम यहां लेके आ जाते हैं ए बी एंड सी ठीक है ये जो ट्रांजिशन हुआ है कहां से कहा हुआ है बी से ए की तरफ ठीक है बी से ए की तरफ ओके द नेक्स्ट अब हमारी ये लास्ट स्टेज ये थी सबसे बड़ी डिस्क यहां आ चुकी है ओके देन मिडिल डिस्क को यहां ट्रांसफर कर देते हैं ओके okay? सो so, ये जो ट्रांजिशन है ये कहां से कहां हुआ है बी से सी की तरफ ठीक है और लास्ट में अब देखिए फ्रेंड्स दिस ए बी एंड सी ठीक है सबसे बड़ी डिस्क उससे छोटी और ये वाली जो डिस्क है उसको हम यहां लेके आ जाते हैं ठीक है तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहां से हुआ है ए से सी की तरफ सो so, फ्रेंड्स ये पूरे प्रोसेस में पैग इनिशियल सारी डिस्क को हम कहा लेके आ गए पैग सी में लेके आ गए और उसी ऑर्डर में कि सबसे जो लार्जर डिस्क है वो सबसे नीचे है उससे ऊपर उससे छोटी उससे ऊपर सबसे छोटी तो हाउ मेनी ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग हमने यहां से की थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और टोटल सेवन ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड लगे हैं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए कब जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो थ्री हो तो फ्रेंड्स यहां पर एक आप फॉर्मूला चाहें तो लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है ठीक है वो कितने होंगे वेन टू टू दावर एन माइनस वन वेयर एन इज नंबर ऑफ डिस्क यहां पे एन क्या है फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ डिस्क है जो हम पैग में यूज कर रहे हैं एन मैं यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डिस्क ठीक है सो अभी हमारे पास में तो, डिस्क कितनी थी यहाँ पे थ्री यहां वैल्यू रखे टू टू पावर थ्री कितना होता है एट एट माइनस वन कितना हो गया सेवन टोटल कितने ट्रांजिशन लगेंगे यहाँ पे सेवन अगर यहाँ पे हमारे पास में फोर डिस्क होती तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने लगते हैं फिफ्टीन सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू टू दावर एन माइनस वन ओके अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम को हमें रिकर्सिवली सॉल्व करना हो रिकर्सिव मेथड से सॉल्व करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर हमें टावर ऑफ प्रॉब्लम को रिकर्सिव मेथड से अगर solve करना हो तो उसका procedure क्या है? वो मैंने आपको बताया था सो so, टास्क ये टोटल एन नंबर ऑफ डिस्क में से टोटल एन माइनस वन डिस्क पहले हमें beginning से auxiliary में ट्रांसफर करनी है विद द हेल्प ऑफ एंड पैग ठीक है बिगनिंग पैक में ट्रांसफर किया विद पैक ठीक है और सेकंड स्टेप में क्या करना है कि auxiliary pack से end pack में ट्रांसफर करनी है ये auxiliary pack से end pack में transfer करनी है विद द हेल्प ऑफ बिगनिंग पैक ठीक है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड सिंपल सा टास्क है ठीक है सो एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि लेट से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डिस्क जो है वो कितनी है थ्री है वी हैव द्री नंबर ऑफ डिस्क सो so, एन की जगह यहां पे क्या आ जाएगा थ्री तीन डिस्क हैं ए बी और सी ओके फर्स्ट टास्क क्या करना है हमें कि एन माइनस वन थ्री माइनस वन डेट इज टू बिगनिंग को ऑक्सिलरी पैक में ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ एंड पैक सो बिगनिंग टू ऑक्सिलरी विद द हेल्प ऑफ एंड पैक ए टू बी विद द हेल्प ऑफ सी सो ए टू बी विद द हेल्प ऑफ सी ठीक है इसी तरह से फ्रॉम बी टू सी विद द हेल्प ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्क इज टू From B to C with the help of A. यहां हमने ट्रांजिशन कहां से कहा हमने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम ए टू बी यहां जो हमने ट्रांजिशन किया है वो है ए टू सी और ये जो ट्रांजिशन किया है वो है बी टू सी ठीक है चलिए इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे कब तक जब तक कि हमारे पास से नंबर ऑफ डेज कितनी लास्ट वन नहीं बच जाती अगेन टावर एन माइनस वन डेट इज वन ठीक है अब हमें ये हमारा बिगनिंग पैग है ये ऑक्सिलरी पैग है ये एंड पैग है तो बिगनिंग से ऑक्सिलरी ट्रांसफर करना है सो ए टू सी ये ए टू सी ट्रांसफर करना है हेल्प किसकी हो जाएगी बी की ठीक है अगेन टावर सी टू बी ट्रांजिशन करना है वन सी टू बी और हेल्प किसकी हो जाएगी ए की सो so, ये ट्रांजिशन कहा से कहा हुआ फ्रॉम ए टू सी और ये ट्रांजिशन हुआ हमारा सी टू बी अगेन इसको हम फर्दर और डिवाइड करेंगे यहां पर टावर नंबर ऑफ डिस्क कितनी हमारे पास में एन माइनस वन टू माइनस वन डेट इज वन B से A करना है सबसे पहले B से A विद द हेल्प ऑफ C अगेन इसको भी हम B से A कर लिए अब हम करेंगे A से C सो नंबर ऑफ डिस्क इज वन A टू C और विद द हेल्प ऑफ B ठीक है ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये कहां से का हुआ है B से A की तरफ और ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो हुआ है A से C की तरफ ठीक ठीक है है अब ये फर्दर और नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट हम हम से पहुंच कर so, total number of transition हम count करते हैं करते पर पहुंचे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट जो एग्जांपल अभी सॉल्व किया था विदाउट रिकर्जे वाला और ये वाला दोनों के जो ट्रांजिशन है बिल्कुल एकदम सेम आ रहे हैं वहां भी हमने सेवन ट्रांजिशन में इसको सॉल्व किया था और

हमारे पास में लास्ट टोटल नंबर ऑफ डिस्क वन नहीं रह जाए ठीक है? आप फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ डिस्क कितनी हो थ्री हो तब मैंने आपको ये प्रोसीजर सॉल्व करके दिखाया है ओके आप फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा कि जब नंबर ऑफ डिस्क फोर हो तो आप इसको स्ट्रक्चर में बना के देखिएगा और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास में कोई नंबर ऑफ डिस्क तो उसमें कितने पावर N -1. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने लगेंगे वहां तो आप इसको रिकर्जी मेथड को एन इज इक्वल टू फोर के लिए सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक के लिए और स्ट्रांग बने ठीक है फ्रेंड्स आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं क्वेरीज हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा ऑफ एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन लास्ट के वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि एक इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और उसको कन्वर्जन के किस तरह से हम करते हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसका कन्वर्जन भी दिखाऊंगा कि इसको मैनुअली uh, और इसको स्टैग मेथड से किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में फ्रेंड्स एक एक्सप्रेशन हो जो इनफिक्स में लिखी है और उसको हमें इवेल्युएट करना हो विद हेल्प ऑफ पोस्ट एंड हम कैसे करें और फ्रेंड्स दिस इज्सो अपलिकेशन ऑफ द स्टैग मैं आपको स्टैग की हेल्प से कैसे इसको सोल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा सो लेट एस टेक्रेशन विच इज रिटर्न इन इनफिक्स नोटेशन ठीक है ये एक्सप्रेशन किस में रिटर्न है इनफिक्स में है और ये जितने भी वेरिएबल्स है उनके सबकी मैंने वैल्यू यहां पे एज्यूम की है सो so जनरली अगर हम देखें इसको अगर हम करें ठीक है यहां पे सारी हम वैल्यूज रखें तो सिक्स प्लस फोर प्लस सी माइनस डी सिक्स माइनस टू डिवाइड टू सो टेन प्लस ये हो गया फोर डिवाइड बाई टू टेन प्लस 4 2 दैट इज 2 दैट इज 12 ये इसका फ्रेंड्स आंसर आ रहा है ओके okay? अगर हम इसको इनफिक्स से सॉल्व करें तो बट हमें तो क्या करना है इसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इवेलुएट करना है ओके okay? सो so, हम देखते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे जो हमारे को एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे सो so, एक्सप्रेशन क्या गिवन है a plus b plus c d g ठीक है? इसको हम फिक्स में कन्वर्ट करेंगे हमें पता है कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे so, a, B plus, इसको ऑपरेंट दिस वन इज अपरेंट ठीक है और दिस वन इज एपरेंट और दो ऑपरेटर है ये रूल हमको पता है कल मैंने आपको बताया था लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये ओके वी हैव द प्लस एंड वी हैव द डिवाइड दोनों में से हाई स्प्रेडिक ऑपरेटर कौन सा है डिवाइड तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे सो सी डी माइनस जी डिवाइड इसको मैं आगे लेके चला गया प्लस ए बी प्लस और ये प्लस ठीक है और लास्ट में हम इस प्लस को सॉल्व करेंगे ये एक ऑपरेंट है ये एक ऑपरेंट है सो so, एक्सप्रेशन क्या बनी मेरे पास में ए बी प्लस सी डी माइनस जी डिवाइड और प्लस दिट इज दाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ठीक है अब इन सारे वेरिएबल्स की आप वैल्यू यहां पे रख दीजिए सिक्स फोर प्लस सी की वैल्यू है सिक्स डी टू माइनस जी की वैल्यू है टू डिवाइड और प्लस ठीक है एक्सप्रेशन को इनफिक्स से पोस्ट फिक्स करने करने बाद में आप उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू रख दीजिए और बिल्कुल लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसको आप मैंने एक टेबल बनाई है एक्सप्रेशन पी नाम दिया इसको मैंने आप पी नाम दे सकते हैं क्यों दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी हम दे सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए सिक्स फोर प्लस सिक्स टू माइनस टू डिवाइड और प्लस और एक मैंने यहां पे एक और वेरिएबल लिया है जिसका हम यूज करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर है स्टैग ठीक है इस तरह की हमें टेबल यहां पे बनानी है ये हमने टेबल बना ली एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं सिक्स फोर प्लस ओके सिक्स टू माइनस टू डिवाइड एंड प्लस ओके ये आपको पूरा बना के रख देना है ठीक है अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने की एल्गोरिदम क्या है एल्गोरिदम ये है कि इफ ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड ठीक है इफ ऑपरेंट ऑपरेटर नहीं इफ ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड देन पुट इट इनटू द स्टैग ठीक है ये हमने स्टैग में रख दिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा जब ये ऑपरेशन आएंगे तो सिक्स आ गया देन फोर भी एक ऑपरेंट है इसको हमने स्टैग में डाल दिया ये बिल्कुल फ्रेंड्स इस तरह से एग्जीक्यूट होगा आप देखिए मैं इसको आपको स्टैग भी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसको आप मिटा सकते हैं ये हमारा स्टैग है दिस इज योर स्टैग सबसे पहले हमारे पास में सिक्स है उसके बाद में फोर है ठीक है दे नेक्स्ट आया प्लस ऑपरेटर ठीक है इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड ठीक है अगर ऑपरेटर आए तो हमें क्या करना है देन परफॉर्म बी ऑपरेशन ए दिस इज सम कॉल्ड समय ऑपरेशन ऑपरेशन यहां पे कोई भी हो सकता है लाइक प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है देन परफॉर्म ऑपरेशन ए यहां पर बी ऑपरेशन ए क्या है ए इज द टॉप ऑफ द एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट ठीक है तो यहां पे और ऑपरेशन कौन सा है यहां पे ऑपरेटर कौन सा आया है प्लस सो so, प्लस हम यहां रखेंगे टॉप ऑपरेटर कौन सा है फोर नेक्स्ट टू टॉप ऑपरेटर कौन सा है सिक्स तो सिक्स प्लस फोर कितना हो गया टेन यहां हम क्या रखेंगे अब फाइनली में क्या बन चुका है टेन इन दोनों का ऑपरेशन हो चुका है तो टेन आ गया ठीक है तो नेक्स्ट क्या आया हमारे पास में सिक्स ये ऑपरेंट है इसको डायरेक्टली आप स्टैग में रख दीजिए टेन के बाद में सिक्स आ गया आपने सिक्स रख दिया फिर हमारे पास में क्या आ रहा है टू टेन सिक्स एंड टू टेन सिक्स और टू आ गया ठीक है फिर हमारे पास में एक ऑपरेटर आ रहा है ऑपरेटर कौन सा है माइनस ऑपरेटर अगेन वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन बी ऑपरेटर ए यहां पे ऑपरेटर क्या एग्जीक्यूट करना है हमें माइनस ठीक है स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा है टू टू हमने एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट कौन सा है सिक्स माइनस टू डेट इज फोर और ये ऑपरेशन किसके बीच में परफॉर्म हुआ है सिक्स और टू के बीच में तो फाइनल जो रिजल्ट है वो भी इन दोनों पर ही होगा क्या बचा हमारे पास में फोर तो यहां पे भी क्या आ जाएगा टेन और फोर ठीक है फिर हमारे पास में एक ऑपरेंट आया क्या टू टू रख दिया हमने फिर हमारे पास में एक ऑपरेटर आया क्या है ऑपरेटर डिवाइड डिवाइड ऑपरेटर है यहां पे मैं टू रख देता हूं टॉप एलिमेंट क्या है टू नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है फोर फ्रेंड्स ध्यान रखना ये डिनोट करेगा टॉप एलिमेंट को और ये करेगा नेक्स्ट टू टॉप कितना होगा यहां पे टू यहां हम टू रख देते हैं टू so, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में प्लस ऑपरेटर यहां मैं प्लस रख देता हूं टॉप एलिमेंट इज टू नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट ने टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व और यही फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन का आउटपुट था जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज वे हाउ वी कैन इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर हमारे पास में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है और हमें उसका पोस्ट फिक्स इवेल्युएशन करना है तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए सारे वेरिएबल्स की आप वैल्यू रख दीजिए देन इस तरह की आप टेबल बनाइए एक स्टैग में, में इंसर्ट करते रहिए अगर एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंट एनकाउंटर्ड होता है तो उसको आप स्टैग में रख दीजिए और अगर एक ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होता है तो आपको ये रूल लगाना है बी ऑपरेटर ए वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट इस तरह से आप सॉल्व करते रहिए जब तक कि आप लास्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं और आपको एट द एंड आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा डेट इज द दल्गोरिदम बाय विच वी कैन सोल्व दोस्ट फिक्स इवेल्युएशन ओके फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि कोई भी अगर एक इनफिक्स दे रखी है एक्सप्रेशन उसको हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया तो उसका पोस्ट फिक्स इवेलुएशन क्या होगा अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको अगर प्रिफिक्स इवेल्यूशन करना हो तो हम कैसे करेंगे ठीक है यही एग्जाम्पल लेता हूँ जो अभी हमने सॉल्व किया था हमारे पास में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है पहले हम उसको प्रिफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है रूल्स वही हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे ब्रैकेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है यहाँ पे सो so, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे प्लस ए बी मैंने प्लस को आगे लेके आ गया प्लस माइनस सी डी ठीक है और डिवाइड जी ठीक है प्रिफिक्स को सॉल्व कर दिया हमने पहले लेके आ गए सारे को नाउ दिस वन इज अ ऑपरेंट दिस वन इज अ ऑपरेंट एंड दिस वन इज अ ऑपरेंट। इसमें से दोनों ऑपरेटर जो है प्लस और डिवाइड उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है डिवाइड किस की है तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे सो so, डिवाइड को आप आगे लेके आ जाइए ठीक है प्लस ए बी डिवाइड प्लस सॉरी प्लस ए प्लस ऐसे रहेगा डिवाइड माइनस सी डी और जी ये बनेगा ठीक है ये डिवाइड को हम आगे लेके आ गए ठीक है और लास्ट ही एक फाइनल ऑपरेटर बचा है प्लस इसको भी आप लेके आ जाइए प्लस प्लस ए बी डिवाइड माइनस सी डी और जी इट इज द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या है ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है ओके okay? फ्रेंड्स अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट इस एक्सप्रेशन पी में रखता हूं तो इसकी स्टार्टिंग देखिए किससे हो रही है प्लस से अब जब इनिशियल में ही प्लस आ जाए तो यहां पे कोई ही ना हो तो ये प्लस किस काम का आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे इनिशियल में प्लस आ जाए कोई स्टैग में अगर कोई ही ना हो तो ये प्लस किसके ऊपर काम करेगा ओके तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स जब भी आपको प्रिफिक्स इवाल्यूशन करना हो तो जो एक्सप्रेशन आपके पास में फाइनल रिजल्टेंट आया है पहले आप उसको पूरा रिवर्स कर दीजिए फ्रॉम राइट एंड साइड पूरा आप रिवर्स कर दीजिए जी डी सी माइनस डिवाइड बी ए प्लस प्लस और अब आप इस एक्सप्रेशन को इसमें रखिए सो स्टार्टिंग फिथ द जी डी सी माइनस डिवाइड बी ए प्लस एंड प्लस ठीक है ओके इसको हम मिटा देते हैं और इनकी वैल्यूज क्या है जी की वैल्यू है आपके पास में टू डी की भी है टू सी की है सिक्स माइनस डिवाइड बी की वैल्यू है फोर ए की वैल्यू है सिक्स प्लस और प्लस ठीक है तो इसी ऑर्डर में आप ये भी रख लीजिए डिवाइड फोर सिक्स प्लस एंड प्लस ये अभी उसका कोई काम नहीं है इसको हम रफ कर देते हैं ठीक है फ्रेंड्स रूल्स वो ही हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे कि अगर एक ऑपरेट ऑपरेंट uh, अगर एनकाउंटर्ड होता है तो उसको आपको डायरेक्टली स्टैक में रखना है लेकिन अगर एक ऑपरेटर एनकाउंटर्ड होता है तो मैंने आपको कहा था कि आपको परफॉर्म करना है बी ऑपरेटर ए पोस्ट फिक्स में क्या था ये टॉप एलिमेंट था और ये नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट था लेकिन अभी क्या हो जाएगा ये बन जाएगा टॉप एलिमेंट और ये बन जाएगा नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट ठीक है हमारे पास मिस्टैग तो है ही है दिस इज है सबसे पहले टू एनकाउंटर्ड हो रहा है टू को आप डायरेक्टली स्टैक में रख लीजिए अगेन टू आ रहा है सो टू कॉमा टू अगेन यहां पे हमारे पास में सिक्स आ रहा है तो टू कॉमा टू कॉमा सिक्स टू टू सिक्स जिस ऑर्डर में फ्रेंड्स ये आ रहे हैं आपको उसी ऑर्डर में यहां पर स्टैक में लिखना है ठीक है देन आया हमारे पास में एक माइनस सिंबल ठीक है सो परफॉर्म क्या करना है बी ऑपरेटर ए ठीक है इस में टॉप क्या है हमारे पास में सिक्स ऑपरेटर क्या आ रहा है हमारे पास में माइनस सो माइनस नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है टू सिक्स माइनस टू क्या हो गया फोर फाइनल इसका एग्जीक्यूशन हुआ तो क्या बचा हमारे पास में फोर सो टू कॉमा फोर ठीक है देन ऑपरेटर क्या आया डिवाइड ओके डिवाइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं ऑपरेटर है आपके पास में डिवाइड टॉप एलिमेंट क्या है फोर नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है टू सो फोर डिवाइड टू कितना होगा टू अगेन इसको आप सॉल्व कर लीजिए टू आएगा फाइनल स्टैक में हमारे पास में क्या बचा यहां पे टू ठीक है फिर आ रहा है एक ऑपरेंट ऑपरेंट को आप डायरेक्टली स्ट्रैग में रख देंगे टू फोर फिर अगेन सिक्स एक ऑपरेंट है उसको भी हम स्टैग में रख लेंगे टू फोर सिक्स सो टू फोर एंड सिक्स फिर आया ऑपरेटर हमारे पास में एक प्लस प्लस ऑपरेटर है ये प्लस ऑपरेटर टॉप एलिमेंट क्या है सिक्स नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है फोर तो सिक्स प्लस फोर कितना हो गया टेन रख दीजिए टेन ये आपका टेन सो टू कॉमा टेन और लास्ट में अगेन हमारे पास में प्लस ऑपरेटर है सो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि टेन और टू का एडिशन होगा तो कितना आएगा वो ट्वेल्व आएगा ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर आप प्रीफिक्स इवेल्युएशन करें या पोस्टफिक्स फिक्स इवेल्युएशन करें दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा सेम आएगा कभी वो डिफरेंट नहीं आएगा ठीक है प्रीफिक्स इवेल्युएशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सप्रेशन को आपको पूरा रिवर्स करना है अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो आप उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते और रूल्स दोनों के लगभग सिमिलर ही हैं टॉप एलिमेंट और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट आपको ध्यान में रखना है सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का इवेल्यूएशन समझ में आ गया होगा अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए कन्वर्टिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन

तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में कोई एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है तो उसको हम पोस्टफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करें मैनुअली मेथड से और विद द हेल्प ऑफ स्टैक कंसेप्ट से तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं इट्स अ टिपिकल एग्जाम्पल और उसको हम कैसे सॉल्व करें पहले मैं आपको मेनुअली बताऊंगा और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ स्टैक कैसे सॉल्व करें उसके एलगोर्दम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे सो so फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल लेते हैं माइनस बी एस्ट्रिक डी डॉलर ई प्लस एफ डिवाइड जी फ्रेंड्स को पढ़ने से पहले आपको एक टेबल क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि हाईएस्ट प्रायरिटी वैसे तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट्स की होती है ब्रैकेट तो को ही सॉल्व करेंगे बट फ्रेंड्स डिवाइड एस्ट्रिक प्लस और माइनस ये प्रायोरिटी इस तरह से बढ़ती है कहीं कहीं बुक्स में डॉलर दे रखा है कई बुक्स में इस तरह से एक्सपोनशियल साइन दे रखा है ठीक है तो दोनों एक ही है ये डिवाइड और एस्ट्रिक की दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है प्लस और माइनस की प्रायोरिटी इक्वल होती है और दोनों अगर ये सेम हो जाए तो इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है इसकी लेफ्ट टू राइट होती है और इसकी भी लेफ्ट टू राइट होती है ये फ्रेंड्स हमें टेबल याद रखनी है जब भी इस तरह के आप कन्वर्जन के क्वेश्चन करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सो फ्रेंड्स अब यहां देख रहे हैं हम कि ब्रैकेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले मैं आपको इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन बताता हूँ फिर इसका इनफिक्स कन्वर्जन भी हम देखेंगे सो so पहले अगर पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करना है तो उसको आप पीछे ले जाइए ए बी माइनस डी ठीक है अब एक बन चुका है दिस वन इज अ सिंगल ऑपरेंट ठीक है डॉलर इनर मोस्ट सबसे पहले सॉल्व होगा ई एफ प्लस डिवाइड जी नाउ दिस वन इज़ अ सिंगल और एक्सप्रेशन क्लोज्ड जो फ्रेंड्स आप जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें तो आप इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए इससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि नाउ दिस इज अ सॉल्व एक्सप्रेशन और दिस वन इज सिंगल ऑपरेंट आप उसको कंसिडर कीजिए कि ये सिंगल ऑपरेंट है ठीक है अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वैसे तो इस ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस नहीं है इसको सॉल्व करने के बाद में बट फिर भी हमने लगा लिया है और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए कि अब ये सॉल्व हो चुका है अब हम इसको सोल्व करने एक सिंगल ऑपरेंट है ये एक सिंगल ऑपरेंट है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो एस्ट्रिक को हम पीछे भेज देते हैं ए बी माइनस डी एस्ट्रिक नाउ दिस वन इज अ सिंगल ठीक है आप चाहें तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा सकते हैं वरना ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डॉलर इसको भी हम सॉल्व कर ई एफ प्लस जी डिवाइड ठीक है ये हो अब फाइनली इस डॉलर को सॉल्व कर देते हैं ठीक है सो ए बी माइनस डी एस्टिक ठीक है ई एफ प्लस जी डिवाइड और ये पूरी एक्सप्रेशन किसमें है सबसे पहले हमने किसको किया इनर मोस्ट ब्रैकेट को ब्रैकेट को हम ओपन करते गए और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते गए ठीक है ये किसमें कन्वर्जन है फ्रेंड्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्टेड है ये अब इसी क्वेश्चन को मैं इसको प्रिफिक्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूं जो अभी हमने किया उसका रिवर्स टास्क ही करना है आपको बट रिमाइंड ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है ठीक है इसी का हम प्रीफिक्स कन्वर्ट कर देते हैं माइनस ए बी डी डॉलर इसको भी हम प्लस को आगे लेके आ जाते हैं प्लस ई एफ ठीक है आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं डिवाइड जी एंड होल ब्रैकेट ठीक है फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ये इनर मोस्ट सॉल्व हो चुका है अब इसको सॉल्व करेंगे एस्ट्रिक को भी हम आगे लेके आ जाते हैं एस्ट्रिक माइनस ए बी डी दिस वन इज सिंगल ऑपरेंट डॉलर डिवाइड को हम आगे लेके आ जाते हैं डिवाइड प्लस ई एफ जी दिस वन इज अ सिंगल ऑपरेंट लास्ट हमारे पास में डॉलर साइन बचता है उसको भी हम आगे लेके आ जाएंगे डॉलर एस्ट्रिक माइनस ए बी डी इसको आगे लेके आना है प्रिफिक्स एक्सप्रेशन सो दिस इज मैनुअली मेथड फ्रेंड्स ये हम मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाकर कन्वर्जन करने का तो आप इससे सॉल्व करें टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होगा ठीक है अब फ्रेंड्स इसका हमने प्रिफिक्स और पोस्टफिक्स कर लिया था एक एग्जांपल मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूं जो ये लार्ज एक्सप्रेशन दे रखी है कभी कभार आ, कभी बड़े एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ नेक्स्ट इसका प्रिफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों हम करवाएंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है डीएसी की सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज हमें एनकरेज कीजिए हमें प्रोमोट कीजिए ताकि इस तरह से uh, के रिलेटेड जितने भी डीएसए की वीडियोस हैं वो हम आप तक ला सकें और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक like, शेयर करना मत भूलिएगा सो फ्रेंड्स अब हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को मैं रीज कर देता हूं ओके okay. चलिए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे इनर मोस्ट जो ब्रैकेट है वो कौन सा है ये वाला है ठीक है तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे ब्रैकेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है फ्रेंड्स तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व ए प्लस बी एस्ट्रिक सी प्लस ओके अब इस ब्रैकेट में देखिए आप फ्रेंड्स के तीन ऑपरेट है और दो कैसे है ऑपरेटर है दो ऑपरेटर कौन से है एक तो डिवाइड है और एक डॉलर है अब देखिए फ्रेंड्स डिवाइड और डॉलर दोनों में हाइस्ट प्रायोरिटी किसकी है डिवाइड की है तो पहले कौन सॉल्व होगा डिवाइड सॉल्व होगा इसका मैं आपको पहले पोस्ट्रिक्स बता देता हूं तो इसको अगर आपको पोस्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो डॉलर को आप पीछे ले जाइए ई एफ डॉलर ठीक है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ये एक्सप्रेशन अब सॉल्व हो चुकी है डी डिवाइड और ब्रैकेट डिवाइड जी क्लोज डिवाइड एच ठीक और फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आप इस डिवाइड सिंबल को पीछे लेके आ जाइए ये पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा सो ए प्लस डी ई एफ डॉलर डिवाइड अब ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है आप चाहे ब्रैकेट लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिवाइड जी ये पूरी एक्सप्रेशन बंद और डिवाइड एच जो एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाती है आप चाहें तो उसके ऊपर ब्रैकेट हटा सकते हैं ठीक है अब इनर मोस्ट ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया नेक्स्ट इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है फ्रेंड्स ये वाला है ठीक है तो उसमें देखिए हमारे पास में कितने ऑपरेंट है एक ऑपरेंट है बी सी और ये एक पूरा ऑपरेंट बन चुका है और एक जी और इन सब में हमारे पास में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं एक तो एस्ट्रिक है प्लस है और डिवाइड है एस्ट्रिक प्लस और डिवाइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइड और एस्ट्रिक की है ठीक है और डिवाइड और एस्ट्रिक आ जाए एक साथ तो हमें कैसे बढ़ना है लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है तो लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आ आ रहा रहा है है हमारे पास में एस्ट्रिक तो सबसे पहले हम एस्ट्रिक को सोल्व कर देते हैं सो एस्ट्रिक ठीक है प्लस ये सोल्व हो चुका है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके माइंड में रहे कि ये पर्टिकुलर बी एस्ट्रिक सी इक्वेशन सोल्व हो गई है ठीक है डीई एफ डॉलर डिवाइड ये सॉल्व ऑलरेडी है और डिवाइड जी एच ठीक है देन हमारे पास में नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है डिवाइड की तो आप डिवाइड को सॉल्व कर लीजिए ए प्लस बी सी एस्टिक प्लस डी ई एफ डॉलर डिवाइड जी डिवाइड पूरी सॉल्व हो गई एंड डिवाइड एच डिवाइड को हम पीछे लेके गए ठीक है और लास्ट हमारे पास में क्या बचता है फ्रेंड्स प्लस ऑपरेटर प्लस को भी आप शिफ्ट कर दीजिए ए प्लस बी सी एस डी ई एफ डॉलर डिवाइड जी डिवाइड और प्लस ये प्लस में यहां पे लेके आ गया नाउ दिस वन इज अ होल ऑपरेंट डिवाइड एच ठीक है तो एक ऑपरेंट है लास्ट में हमारे पास में ए A, A की पूरी एक्सप्रेशन और एच रिजल्ट क्या बचा प्लस और डिवाइड ऑपरेटर प्लस और डिवाइड में डिवाइड की ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे डिवाइड कहां ऑपरेट होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर और एच के ऊपर सो ए प्लस बी सी एस्टिक डी ई एफ डॉलर डिवाइड जी डिवाइड प्लस एच डिवाइड डिवाइड को आगे लेके आ गए और लास्ट में हम सॉल्व कर देते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को ए और ये पूरी तो प्लस को आप शिफ्ट कर दीजिए सो ए बी सी एस्टिक डी ई एफ डॉलर डिवाइड जी डॉलर प्लस एच डिवाइड प्लस now this expression is nothing but in postfix expression ठीक है ये एक्सप्रेशन कैसी बनी अब पोस्ट फिक्स में कन्वर्टेड हो गई है सो so, फ्रेंड्स आपको दो तीन बातें इसमें क्या जान देने की है कि एक तो आप ये टेबल रन करें आपको ये टेबल रन होगी तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे कि किस ऑपरेटर की कौन सी प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा हाइस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है एक्सपोनशियल की डॉलर या कई बुक्स में इसको एरो सिंबल में लिखा होता है और जब दो एक साथ आ जाए तो उसको हम कैसे बढ़ना है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी हम कब चेक करते हैं जब सिमिलर ऑपरेटर एक साथ आ जाए तब हमें लेफ्ट टू राइट बढ़ना है या राइट टू लेफ्ट बढ़ना है ये चेक करने के लिए हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं तो एक्सपोनशियल की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है राइट टू लेफ्ट फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है नेक्स्ट लोअर ऑपरेटर की उसमें आते हैं डिवाइड और एस्ट्रिक उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट और सबसे लोएस्ट होती है सो फ्रेंड्स दिस वन इज अली मेथड आप इसको मैंने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया है इसी क्वेश्चन का आप प्रिफिक्स भी कन्वर्ट कीजिए इसको सेम यही मेथड है ऑपरेटर जो है मैंने अभी यहाँ पे

और छोटे मोटे आपको बातें ध्यान में रखनी है जिससे एक्सप्रेशन इनफिक्स से प्रिफिक्स में और इनफिक्स से पोस्ट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू विद द हेल्प ऑफ स्टैक कंसेप्ट लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया था बट उसमें वहां पे हमने स्ट्रेक का यूज नहीं लिया था आज के वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपके पास में एक प्रोसीजर है अगर आपको उसको में ये हम आज के वीडियो में discuss करेंगे। Friends, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है ठीक है आप चाहें तो इसको मैनुअली सॉल्व करके इसका आंसर पता कर सकते हैं बट एग्जाम में आपको अगर कहा जाए कि एल्गोदम फॉलो करके स्टैक के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा सो so फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्व करना है तो इस तरह की आप एक टेबल बना लीजिए एक तरफ लिखिए एक्सप्रेशन क्यू स्टैग एंड एक्सप्रेशन पी बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन क्यू ये हमारी एक्सप्रेशन क्यू ही है जब इसको हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो सारी एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्रेशन क्यू में लिखना है और एक्सप्रेशन पी जो है आपका रिजल्टेड आउटपुट है इन द पोस्ट फिक्स फॉर्मेट और यहां हम स्टैक का यूज करेंगे एज ए इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर ठीक है फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स जैसे जैसे हम कंसेप्ट में आएंगे एल्गोरिदम में आएंगे तो मैं आपको वहीं मैं बताता जाऊंगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें तो ऐड अ ओपन पैरेंथेसिस एट द बिगनिंग ऑफ स्टैक एंड क्लोज पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन क्यू ठीक है ये आप एक जो है स्टार्टिंग में आप ओपन और क्लोज वहां फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है और उसको किसमें लिखना है एक्सप्रेशन क्यू में लिख देना है ठीक है तो फर्स्ट हमारे पास में ब्रैकेट आया हमने लिख दिया स्टैग में हमने उस ब्रैकेट को यहाँ पे डाल दिया मैं साथ साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टैग भी बना के दिखा देता हूं यह आपका स्टैग है पहले से हमने ओपन पैर एक डाल रखा था एक और एक्सप्रेशन में है वो भी आ चुका है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में एक क्या एनकाउंटर्ड हुआ है एक ऑपरेंट ए इज वॉट ऑपरेंट ठीक है ऑपरेंट एंड ऑपरेटर तो फ्रेंड्स इसकी स्टेप क्या है एल्गोदम के कि अगर एक ऑपरेंट एनकाउंटर्ड होता है तो उसको डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन पी में डाल देना है सो इफ ऑपरेंट इज एनकाउंटर्ड तो उसको आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन पी में रख दीजिए ठीक है और स्टैक में हमारे पास में ये तो है ही है इसमें कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट हमारे पास में एक ऑपरेटर आया है कौन सा माइनस रखिए ठीक है इसको अभी आपको एक्सप्रेशन पी में नहीं डालना है डायरेक्ट ठीक है ये माइनस स्टैक में भी क्या आ चुका है यहां माइनस ठीक है फिर क्या है एक ऑपरेंट अगर ऑपरेंट आए तो उसको क्या करना है हमको डायरेक्टली स्टैक में डालना है सॉरी एक्सप्रेशन पी में डालना है तो रख दीजिए ए बी फिर क्या आ रहा है हमारे पास में एक ऑपरेटर ऑपरेटर कौन सा है डॉलर ठीक है ये ओपन ओपन माइनस एंड डॉलर ठीक है ए बी अब देखिए फ्रेंड्स यहां एक बात ध्यान देने की है आपके लिए कि माइनस एक लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है और डॉलर एक हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है ठीक है स्टैक में अभी ये पोजीशन है तो फ्रेंड्स एक लोअर के ऊपर एक हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ सकता है ठीक है, लेकिन कभी भी एक हायर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं आ सकता अगर आता है तो उस केस में हमें जो पहले से जो स्टैक में जो ऑपरेटर पड़ा है उसको वहां पे एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर कर देना है ठीक है लेकिन अगर एक लोअर के ऊपर एक हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ रहा है तो अभी यहां पे कुछ भी नहीं करना है आपको इसको स्टैक इस में रहने दीजिए ठीक है नो चेंज इसको आपको कब इधर एक्सप्रेशन पी में डालना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स डॉलर को हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में डी डी क्या है एक ऑपरेंट है उसको आप डायरेक्टली कहा इंसर्ट कर दीजिए एक्सप्रेशन पी में ठीक है अब हमारे पास में क्या आ रहा है एक क्लोज पैरेंथिस नाउ क्लोज अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात आप ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है हमारे पास में एक क्लोज ठीक है रूल क्या है फ्रेंड्स एक ओपन से एक क्लोज क्या होगा आपस में कैंसिल आउट करेंगे और उस ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेटर है उसको आप टॉप से बॉटम तक कहा ट्रांसफर करेंगे एक्सप्रेशन पी में सो so, स्टैक में भी पोजीशन क्या है एक मतलब इनर मोस्ट से इनर मोस्ट जो है ओपन एंड क्लोज क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों के अंदर ठीक है बेसिकली ये सीन क्या है इस तरह से है माइनस डॉलर और ये तो एक इनर मोस्ट से एक इनर मोस्ट ओपन और क्लोज कैंसिल हो जाएंगे और इसमें जो ऑपरेटर पड़े हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो जाएंगे एक्सप्रेशन की में ट्रांसफर हो जाएंगे सो आप कर दीजिए ये दोनों कैंसिल हो गए ठीक है तो बचा हमारे पास में एक सिंगल ऑपरेंट सॉरी सिंगल ओपन पैरेंथेसिस और टॉप में कौन था डॉलर उसके नीचे कौन था माइनस उसको हमने कहा ट्रांसफर कर दिया एक्सप्रेशन पी में तो फाइनली स्टैक में हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ एक ओपन पैरेंथेसिस इसके अलावा और कुछ भी नहीं सबको हमने वहां ट्रांसफर कर दिया है ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको एक ओपन से एक क्लोज क्या होगा आपस में कैंसिल होगा और ऑपरेटर फ्रॉम हायर प्रसिडेंस से लोअर प्रेसिडेंस ट्रांसफर करना है एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर कर देना है ठीक है नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में एक ऑपरेटर कौन सा डिवाइड सो दिस इज द डिवाइड ऑपरेटर ओपन डिवाइड ये अभी एक्सप्रेशन पी में जाएगा नहीं सो ए बी डी डॉलर माइनस फिर आ रहा है एक ऑपरेंट ई ठीक है ऑपरेंट अगर आए तो उसको हमें डायरेक्टली कहां ट्रांसफर करना है एक्सप्रेशन पी में कर दीजिए ठीक है नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में एक प्लस ऑपरेटर नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स देखिए अभी स्टैक में क्या है पोजीशन? एक ओपन पैरेंथिस है और एक क्या है डिवाइड सिंबल है ठीक है सिचुएशन कुछ इस तरह से है डिवाइड और प्लस एक हायर प्रायोरिटी के ऊपर एक लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ गया तो ये अलाउड नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन आती है एक हायर के ऊपर एक लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ जाए या दोनों ही इक्वल प्रायोरिटी के अगर ऑपरेटर आ जाए ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा अगर एक हायर के ऊपर एक लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ जाए या दोनों ही इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर अगर आ जाए ऐसी सिचुएशन में हमें जो स्टैग में जो पहले से ही जो पड़ा है हायर उसको एक्सप्रेशन पी में आप ट्रांसफर कर दीजिए ठीक है तो यहां हमारे पास में क्या बचा प्लस सो ए बी डी डॉलर माइनस ई डिवाइड ठीक है प्लस यहीं पर रहेगा प्लस ट्रांसफर नहीं होगा सो so, स्टैक में हमारे पास में फाइनली क्या बचा है डिवाइड एक्सप्रेशन पी में जा चुका है और यहां बचा है हमारे पास में प्लस ठीक है नेक्स्ट एक क्या आ रहा है हमारे पास में ऑपरेंट क्या है एफ ये रहा एफ सो ओपन प्लस ए बी डी डॉलर माइनस ई डिवाइड और एफ ठीक है क्लियर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में एक ऑपरेटर दैट इज माइनस माइनस को हम सॉल्व कर देते हैं माइनस अब देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक हायर के ऊपर एक लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं आ सकता और जैसे अभी कंसेप्ट आया था डिवाइड और प्लस का तो हमने डिवाइड को उधर ट्रांसफर कर दिया था और दूसरी मैंने केस बताया था आपको अगर दोनों ही जैसे अभी जो केस बन रहा है इक्वल प्रायोरिटी के अगर ऑपरेटर आ जाए प्लस और माइनस की दोनों की प्रायोरिटी क्या है टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको अभी थी इक्वल प्रायोरिटी है अगर इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर अगर आ जाए तो उसमें भी जो स्टैग में पहले से पड़ा है उसको हमें क्या करना है एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर कर देना है तो हमारे पास में यहां क्या बचा सिर्फ माइनस इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं प्लस ठीक है प्लस को उधर ट्रांसफर कर दिया और माइनस आई लास्ट में हमारे पास में क्या बच रहा है फ्रेंड्स मैं इसको यहां पर लिख देता हूं चलिए लास्ट लाइन को मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस डिवाइड एफ एबीडी डॉलर माइनस ई डिवाइड एफ प्लस ठीक है माइनस के बाद में हमारे पास में लास्ट ऑपरेंट क्या आ रहा है जी ऑपरेंट है डायरेक्टली उसको कहा ट्रांसफर कर दीजिए एक्सप्रेशन पी दी में सो ए बी डी डॉलर माइनस ई डिवाइड एफ प्लस और जी ठीक है और जैसा कि मैंने कहा था हमें एक्सप्रेशन क्यू के लास्ट में हमें क्या ऐड करना है एक क्लोज पैरेंथेसिस तो क्लोज पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड आया तो ओपन और क्लोज आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और माइनस फाइनली एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आफ्टर Putting this minus this. So this is our required postfix expression. ठीक है आप चाहें तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको वीडियो की वीडियो में बताया था कि इसको आप मैनुअली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप आंसर चेक कर सकते हैं कि यही सही है या नहीं है ठीक है तो दिस इज मेथड कि हम अगर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है, उसको अगर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको दो तीन रूल्स ध्यान में रखने हैं, फ्रेंड्स कि एक लोअर के ऊपर एक हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ सकता है दिस इज वैलिड कब तक जब तक कि आपको एक ओपन और क्लोज आपस में कैंसिल नहीं हो जाते और उनको आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर करना है ठीक है पहला केस दूसरा केस यह है कि अगर एक के ऊपर लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर दोनों ही इक्वल प्रायोरिटी के अगर ऑपरेटर आ जाए तो उसमें जो में पहले से ही जो ऑपरेटर पड़ा है हायर प्रायोरिटी का उसको आप एक्सप्रेशन पी में ट्रांसफर कर दीजिए ठीक है तो वन ओपन से वन क्लोज क्या होगा आपस में कैंसल आउट होंगे और अगर एक ऑपरेंट अगर एनकाउंटर्ड होता है तो उसको आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन टीम ट्रांसफर करना है तो ये कुछ रूल के हेल्प ऑफ स्टैक कंसेप्ट तो फ्रेंड्स तो आज का अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा हम आपका रिप्लाई हम आपका जो है जो भी क्वेश्चंस जो है उसका रिप्लाई जरूर करेंगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्यू लास्ट के वीडियोज में मैंने आपको स्टैक और स्टैक की जितनी अप्लीकेशन हैं वो हमने डिस्कस की थी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इसका प्रिंसिपल क्या है ये मेमोरी पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि, से related, कि Q, किस पर है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्यू इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर की जब मैंने आपको हैरान बताई थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि लिस्ट जो है वो दो तरीके से डिवाइड होती है एक होती है लीनियर लिस्ट और एक होती है नॉन लिनियर लिस्ट लीनियर लिस्ट में हमने देखा था कि दो डेटा स्ट्रक्चर थे में हमने किया था. में, एक था स्टैग स्टैग को हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स ठीक है क्यू इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है क्यू इज ऑल्सो द रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर स्टैक भी एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है क्यू भी रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली यहां रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? क्यू का अगर हम जनरल डायग्राम बनाते हैं तो वो इस तरह का कुछ बनता है जहां पर सिर्फ दो एंड ओपन है और कोई भी एंड ओपन नहीं है जबकि हम स्टैक का जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एंड ओपन होता है जहां पर हम एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन दोनों इसी एंड पर करते हैं और क्यू में क्या होता है फ्रेंड्स के इंसर्शन एक एंड पर होता है और डिलीशन दूसरे एंड पर होता है ठीक है और कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकें इसलिए हम स्टैग और क्यू दोनों डेटा जो डेटा स्ट्रक्चर हैं उसको हम रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि किन्नी पर्टिकुलर एंड्स पर हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा मिडल में या और कोई भी एंड नहीं है जहां पे हम इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स uh, का हम कर सकें ठीक है इसलिए स्टैग और क्यू को हम रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं ओके फ्रेंड्स नाउ थर्ड कंसेप्ट इज क्यू इज बेस्ड ऑन द फीफो कंसेप्ट ठीक है फीफो कंसेप्ट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ओके नाउ यहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि आप लेट से कोई क्यू में है या मूवी की आप टिकट लेने के लिए जाते हैं तो जो पर्सन फर्स्ट एंटर हुआ है क्यू में टिकट लेने के लिए वही फर्स्ट बाहर हो जाता है और जो लास्ट में आया है ऑब्वियसली बात है वो उस क्यू में लगेगा ठीक है जब उसका नंबर आएगा तो वो निकल जाएगा ठीक है तो और उस क्यू में पर्टिकुलर कोई मिडल से एंटर नहीं हो सकता जबरदस्ती एंटर हो जाते हैं वो बात अलग है बट उसमें अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो मिडल में कहीं इंसर्ट होने के लिए जगह नहीं है जो पहले आया वो पहले बाहर निकल गया यही यहां पर क्यू का भी कंसेप्ट है कि जो एलिमेंट क्यू में पहले एंटर होगा वो क्यू में यहां से पहले आउट होगा सो दिस इज कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द ऑनफो कंसेप्ट ओके नाउ स्टैक में हमने देखा था कि फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इट मींस पुश एंड पॉप ठीक है एक ही एंड पर होता है उस एंड को कहते हैं हम टॉप ऑफ द पॉइंटर या टॉप ऑफ द स्टैक ठीक है जहां पर पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं क्यू में फ्रेंड्स क्या होता है दो एंड है हमारे पास में जहां पे इंसर्ट और डिलीट हो सके तो वो प्लेस ठीक है जहां पर एलिमेंट्स का इंसर्शन होता है उसको हम कहते हैं रियर ठीक है रियर पे एलिमेंट्स का हमेशा क्या होगा इंसर्शन होगा एट प्लेस जहां पे एलिमेंट्स का इंसर्शन हो उसे हम क्या कहेंगे रियर पॉइंटर या रियर प्लेस और जहां पे एलिमेंट्स का डिलीशन हो जहां पे एलिमेंट्स बाहर हो रहे हो उसको हम कहेंगे फ्रंट सो रियर फॉर द इंसर्शन एंड फ्रंट फॉर द डिलीशन ठीक है दूसरा डिफरेंस और क्या है फ्रेंड्स कि अगर पुश और पॉप टॉप में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होता तो हम टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते ठीक है और टॉप में अगर कोई एलिमेंट अगर डिलीट होता तो वहां हम क्या करते टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते टॉप अगर इंक्रीज हो रहा है तो एलिमेंट की जो है वो पुशिंग हो रही है टॉप अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो एलिमेंट्स की पॉपिंग हो रही है ओके okay? बट यहां पे क्या है फ्रेंड्स कि अगर एलिमेंट का इंसर्शन हो या डिलीशन हो दोनों ही केस में हमें जितने एलिमेंट इंसर्ट हो गए या जितने एलिमेंट डिलीट होंगे उन दोनों के केस में हमें रियर और फ्रंट की वैल्यू प्लस वन से इंक्रीमेंट करनी है कभी भी फ्रेंड्स उनकी वैल्यू हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे सो ऑलवेज वेन इंक्रीमेंटेड ठीक है रियर इक्वल टू रियर प्लस वन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है और अगर एक एलिमेंट यहां डिलीट भी हुआ है तो भी हम कहेंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन दोनों ही केस में हमें फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या करनी है इंक्रीमेंट करनी है डिक्रीमेंट कभी नहीं करनी है फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा हमने यहां पे टॉप में डिक्रीमेंट किया था कि जब एलिमेंट्स का हमें डिक्रीमेंट हुआ था बट यहां पे नहीं करनी है यहां पे हमें फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को प्लस वन से डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट करना है जब एलिमेंट्स का इंसर्शन हो और एलिमेंट्स का डिलीशन हो दोनों ही केस में ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स रिलेटेड टू क्यू डेटा स्ट्रक्चर के जब हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़े तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एरे कंसेप्ट तो कैसे करें मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके उसका कंसेप्ट बताता हूं चलिए फ्रेंड्स अब हम क्यू को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल आई दैट इनिशियल साइज ऑफ द क्यू इज फोर इसका मतलब क्या है कि क्यू में फोर ही एलिमेंट्स आ सकते हैं स्टैटिक है डायनामिक नहीं है अभी ठीक है सो इनिशियली हमने माना क्यू एम है क्यू का एक जर्नल स्ट्रक्चर है फ्रंट और रियर अभी हमने माना क्या है जीरो है आप माइनस वन भी कर सकते हैं तो फ्रंट और रियर अभी जीरो है क्यू एम टी कंडीशन में है है ठीक यहां पर मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया इंसर्ट ए ठीक है तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि आपको फर्स्ट जब एलिमेंट इंसर्ट करें तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू आप प्लस वन से इंक्रीमेंट करनी है ये क्यों करनी है फ्रेंड्स ये मैं आपको अभी रीजन बताऊंगा ठीक है यहां से हम एक कंडीशन डिराइव कर सकते हैं वो इसलिए करनी है फ्रेंड्स कि जब भी हमें पता करना हो कि वट इज अ कंडीशन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है ठीक है तो वो ये है कि जब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है वेन फ्रंट एंड रियर बोथ आर इक्वल ठीक है बट नॉट इक्वल टू जीरो या बट नॉट इक्वल टू नल कंडीशन इंडिकेट करती है कि क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है ठीक है इसका प्रूफ आगे भी आएगा फ्रेंड्स। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपको क्यू में फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आप फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या है कर दीजिए फ्रंट प्लस वन से इंक्रीमेंट कर दीजिए ठीक है ना अब मैं तीन एलिमेंट और इंसर्ट कर रहा हूं वैसे क्यू जो है वो एट ए टाइम हम सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन है इंसर्शन और डिलीशन के लिए ठीक है तो मैंने यहाँ पे तीन एलिमेंट इंसर्ट किए ठीक है तो ए सबसे यहाँ पहले इन हुआ था तो ये सबसे पहले बाहर होगा आउट होगा तो ए बी सी डी तीन एलिमेंट सर्ट किए तो रियर की वैल्यू भी किससे बढ़ेगी तीन से बढ़ेगी क्योंकि जब हम इंसर्शन करते हैं तो रियर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है जब हम डिलीशन करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है यहां हमने तीन एलिमेंट इंसर्ट किए थे तो तीन से क्या हो जाएगा रियर अपडेट हो जाएगा ठीक है और देख लीजिए फ्रेंड्स अगर मुझे और एलिमेंट अगर इंसर्ट करने हैं बट यहां पे मैं इंसर्ट नहीं कर सकता क्यों क्योंकि इस क्यू की साइज क्या हो चुकी है फुल हो चुकी है क्यू में चार एलिमेंट थे वो चारों एलिमेंट मैंने यहां पे डाल दिए हैं सो so, यहां पर एक और कंडीशन यहां डिराइव होती है पहली कंडीशन क्या थी कि वैन फ्रंट इज इक्वल टू रियर बट नॉट इक्वल टू जीरो दिस इंडिकेट्स कंडीशन इंडिकेट कर रही है कि क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है सेकेंड कंडीशन यहां से डिराइव होती है कि जब रियर की वैल्यू मैक्स साइज ऑफ क्यू के इक्वलेंट हो जाए और फ्रंट वन हो तो यह इंडिकेशन है कि क्यू एक ओवर फ्लो कंडीशन में आ चुका है अब यहां पे कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता ठीक है आगे बढ़ते हैं एक एलिमेंट डिलीट करता हूं ऑब्वियसली बात है सबसे पहले एलिमेंट ए का इंसर्शन हुआ था तो सबसे पहले डिलीशन भी ए का ही होगा बिकॉज क्यू इज बेस्ड ऑन दी फिफो कंसेप्ट डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा फ्रंट पहले वन था अब फ्रंट क्या हो जाएगा टू हो जाएगा रियर वही रहेगा ठीक है दो एलिमेंट और डिलीट किए मैंने बी और सी तो फ्रंट भी दो से ही इंक्रीमेंट होगा फ्रंट पहले टू था अब कितना होगा फोर हो जाएगा Q में अभी क्या है एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है यही कंडीशन हमने यहां पे लिखी है फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है बट वो जीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि जीरो के इक्वल हो गई यहां पे भी फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है बट ये क्या है जीरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है बट यहां पर क्या है दोनों तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या है जीरो नहीं है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है इसलिए हमने यहां पे क्या किया था कि फ्रंट और रियर दोनों को प्लस वन से अपडेट किया था जब पहला एलिमेंट इंसर्ट किया था यही इसका फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण है आप इसको ध्यान रखिएगा तो यहां पर भी फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है बट जीरो नहीं है ये इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स देखिए कि क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है जब हम एल्गुरदम लिखते हैं तो ये सारी कंडीशन मिलकर ही एलगुरदम बनती है फ्रेंड्स और जब लास्ट एलिमेंट मैंने डिलीट किया ठीक है, डी एलिमेंट को डिलीट किया तो आप फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट कर दीजिए जीरो जीरो सेट कर दीजिए यही क्यू की कंडीशन है ठीक है तो अगर इसमें ओवरफ्लो कंडीशन तो हमने देख ली ये है अंडरफ्लो कंडीशन क्या होगी कि जब फ्रंट जीरो हो ऑब्वियस सी बात है व्हेन फ्रंट इज इक्वल टू जीरो इंडिकेट्स अंडरफ्लो इन द क्यू अंडरफ्लो इन क्यू अब जब फ्रंट जीरो हो जाए तो और कोई एलिमेंट हम इससे डिलीट नहीं कर सकते यही अंडर फ्लो की कंडीशन है क्यू के लिए ठीक है तो दिस इज द बेसिक दीप्ट ऑफ द क्यू फॉर द इंसर्शन एंड डिलीशन कि अगर हम क्यू में इंसर्ट और डिलीट करना हो उसका क्या कंसेप्ट है बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देख लीजिए फ्रेंड्स यहां पर क्यू की साइज कितनी है मैं इस केस को लेता हूँ Q की साइज कितनी है यहां पे फोर है ठीक है और इस क्यू के अंदर एलिमेंट कितने हैं सिंगल है ओनली वन एलिमेंट है ठीक है बट यहां पर मैं कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता क्यों क्योंकि रियर की साइज कितनी हो चुकी है फोर हो चुकी है सो so, यहां पर क्या होगा मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा और इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं लीनियर क्यू इट्स अ लीनियर क्यू ठीक है ये क्या कंसेप्ट है लीनियर क्यू का कंसेप्ट है कि जब साइज रियर मैक्स साइज के इक्वलेंट हो जाए और स्पेस हो क्यू में ऑलरेडी स्पेस है फिर भी हम यहाँ पे एलिमेंट का इंसर्शन नहीं कर सकते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे इस केस में क्या होगा मेमोरी का जो है यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा इस ड्रॉबैक को हमने रिमूव किया है सर्कुलर क्यू की हेल्प से ठीक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्कुलर क्यू का क्या कंसेप्ट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और जो ये ड्रॉबैक है वो आ, कैसे रिमूव हुआ था ठीक है आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में हमने क्यू का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बताया था कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था जिसमें हमने ये देखा था कि वहां पे एक सर्टेन डिसएडवांटेज अकर हो रहा है वो तो डिसएडवांटेज ये था कि अगर रेयर की साइज अगर मैक्स साइज के इक्वलेंट हो जाए लेकिन फिर भी उस क्यू में एम स्पेस हमारे पास में है लेकिन हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि रेयर की साइज मैक्स साइज के इक्वलेंट हो चुकी है लेकिन क्यू में फिर भी स्पेस है सो दैट इज द ऑफ लीनियर लीनियर क्यू क्यू में मेमोरी का यूटिलाइजेशन इतना एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता तो इसी डिसएडवांटेज को हम आज की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू रिमूव करेंगे अगर आपने क्यू से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो हमारे लास्ट की वीडियो में जाके आप लर्न कर सकते हैं बट आई प्रेफर कि अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो प्रेफर करें और इसके ऊपर जम करें ताकि आपको क्यू अच्छे से लर्न होगा सो so फ्रेंड्स आज का जो कंसेप्ट है वो है सर्कुलर क्यू सर्कुलर क्यू में फ्रेंड्स क्या होता है लेट्स से हमारे पास में क्यू है क्यू का स्ट्रक्चर हम मैंने आपको बताया था कि दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं एक एंड पे इंसर्शन होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है डिलीशन होता है जहां पर हम एलिमेंट्स का इंसर्शन करेंगे उसको हम कहेंगे द रियर पार्ट और जहां पर हम एलिमेंट्स का डिलीशन करेंगे उसको कहेंगे हम फ्रंट पार्ट ठीक है सो रियर एंड फ्रंट नॉर्मल क्यू में क्यू का कंसेप्ट यह है कि एलिमेंट्स का हम सिर्फ इंसर्शन करेंगे अगर हमारे पास में रियर की साइज मैक्स साइज के इक्वलेंट हो जाती है फिर भी हम क्यू में इंसर्शन नहीं कर सकते अगर हमारे पास में स्पेस है भी तो ओके बट सर्कुलर क्यू में ऐसा नहीं होता सर्कुलर क्यू में अगर आपके पास में स्पेस है क्यू में और रियर की साइज अगर मैक्स साइज के इक्वलेंट हो गई है तो काउंटर आप वापस जो है इनिशियल से स्टार्ट कर सकते हैं ट इज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू और ये कंसेप्ट जो है रियर और फ्रंट दोनों पॉइंटर पर अप्लाई होता है सो फ्रेंड्स सर्कुलर क्यू को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सर्कुलर क्यू एकदम क्लियर हो जाएगा ओके सिलेक्ट से साइज़ ऑफ द क्यू इज फाइव कितनी है फाइव उस पर्टिकुलर क्यू में टोटल फाइव एलिमेंट आ सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां फाइव एलिमेंट्स डाल दिए रियर फाइव हो गया फ्रंट वन हो गया मैंने आपको फ्रेंड्स लास्ट टाइम एक बात कही थी कि जब भी हम क्यू में इंसर्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट जब एलिमेंट हम इंसर्शन करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों को हमें प्लस वन से इंक्रीमेंट करना है ठीक है जब भी हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे इसके बाद में अगर आपको एलिमेंट का इंसर्शन कर रहे हैं तो आप रियर की वैल्यू को प्लस वन से अपडेट कीजिए और अगर आप एलिमेंट्स का डिलीशन कर रहे हैं तो फ्रंट की वैल्यू को आप प्लस वन से इंक्रीमेंट कीजिए दोनों ही केस में हमें क्या करना है फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को प्लस वन से इंक्रीमेंट करना है ठीक है सो फाइव एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कर दिए ठीक है रियर फाइव फ्रंट वन ओके और ये कंडीशन ही हमारी क्या है ओवरफ्लो कंडीशन है कि व्हेन रियर इक्वल इक्वल टू टू मैक्स साइज एंड फ्रंट दिस इंडिकेट्स दैट क्यू इज इन ओवरफ्लो कंडीशन क्यू कैसी कंडीशन में है ओवरफ्लो कंडीशन में है क्यू का जो पूरा जो कंटेनर है वो पूरा फुल हो चुका है अब उसमें हम और को एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते सो नाउ फ्रेंड्स अब यहां पे क्या किया मैंने तीन एलिमेंट्स डिलीट कर दिए आई एज्यूम के जो तीन एलिमेंट इंसर्ट हुए थे वो एलिमेंट्स uh, का जो इंसर्शन था वो इसी ऑर्डर में था ए बी सी डी ई फर्स्ट एलिमेंट ए इंसर्ट हुआ है तो ए एलिमेंट यहां से क्या होगा डिलीट होगा सो ए एलिमेंट डिलीट किया बी डिलीट किया सी डिलीट किया तीन एलिमेंट डिलीट किए हैं मैंने तो फ्रंट की वैल्यू भी कितने से अपडेट होगी तीन से अपडेट होगी तो फ्रंट की वैल्यू को मैंने तीन से अपडेट कर दिया पहले फ्रंट वन था अब फ्रंट कितना हो गया है फोर हो गया ठीक है ठीके? लेकिन देखिए फ्रेंड्स अगर ये नॉर्मल क्यू होता लीनियर क्यू होता तो यहां पे हम एलिमेंट्स का इंसर्शन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि रियर की साइज ऑलरेडी कितनी हो चुकी है मैक्स साइज के इक्वलेंट हो चुकी है ठीक है बट सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यह है कि अगर हमारे पास में स्पेस पेंडिंग है तो आप उस क्यू में काउंटर वापस इनिशियल से करके एलिमेंट्स का इंसर्शन कर सकते हैं So, हमने काउंटर को वापस वन वन uh, पर सेट किया और एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया एफ यहां पे जहां पे ए डिलीट हुआ था ऑब्वियस ही बात है ठीक है तो फ्रंट वैसे ही रहेगा रियर में वापस काउंटर वन से स्टार्ट हो गया पहले रियर फाइव था अब कितना हो गया वन हो गया ओके okay, दो की स्पेस अभी और पेंडिंग है तो हमने दो एलिमेंट और इंसर्ट कर दिए जी और एच इंसर्शन किया है तो रियर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी पहले रियर था वन अब है रियर कितना थ्री टू से इंक्रीमेंट हुआ वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री सो रियर थ्री फ्रंट फोर ठीक है देखिए अब यहां पे कोई भी एलिमेंट का इंसर्शन नहीं हो सकता तो ये भी क्या है एक ओवरफ्लो की कंडीशन है यहां से हम एक और ओवरफ्लो की कंडीशन डिराइव कर सकते हैं कि जब भी फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस वन अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है फोर और रियर कितना है थ्री थ्री प्लस वन इज ऑल्सो फोर सो फोर इक्वल टू फोर कंडीशन इज ट्रू सो दिस इज कंडीशन फॉर ओवरफ्लो इन दी क्यू क्यू में जब कभी भी हमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है तो हमें दो कंडीशन चेक करनी होगी पहली कौन सी कंडीशन ये वाली कि जब रियर की वैल्यू मैक्स साइज के लेंट हो जाए और फ्रंट वन हो जाए तो ये भी ओवरफ्लो की कंडीशन है दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि जब फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस वन के इंक्रीमेंट हो जाए तो भी ये कैसी है और फ्लो की कंडीशन जो है फॉलो करती है ठीक है सारे एलिमेंट्स इंसर्शन हो चुका है अब कोई और स्पेस अवेलेबल नहीं है सो नाउ फ्रेंड्स अब मैं कुछ डिलीशन करता हूं एलिमेंट्स में यहां सबसे पहले जो डिलीशन हुआ है वो डी का है फिर ई एफ जी और एच ठीक है तो डी को मैंने डिलीट किया ई e को डिलीट किया फ्र... Uh, कितने से कितने एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं दो डिलीट कर रहा हूं फ्रंट की वैल्यू कितनी है अभी फोर है एक एलिमेंट डिलीट किया फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई फाइव एक और एलिमेंट डिलीट किया अब काउंटर जो है वापस क्या होगा वन से स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रंट कितना हो जाएगा यहां पे वन और रियर की वैल्यू बिल्कुल वही रहेगी दो एलिमेंट और डिलीट किए यहां पे मैंने एफ एंड जी ठीक है एफ और जी दो एलिमेंट और डिलीट किए हैं तो जब दो एलिमेंट डिलीट करूंगा तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी दो से इंक्रीमेंट होगी पहले फ्रंट वन था दो से इंक्रीमेंट किया वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री सो थ्री अब फ्रंट भी थ्री है और रियर भी थ्री है और एलिमेंट देखिए कितना है सिंगल एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि वैन फ्रंट इज इक्वल टू रियर बट नॉट इक्वल टू नल अगर फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इक्वल है बट नल के इक्वलेंट नहीं है या जीरो के इक्वलेंट नहीं है तो यह कंडीशन डिनोट करती है कि इस पर्टिकुलर क्यू में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है ठीक है एक पर्टिकुलर क्यू में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होने की कंडीशन होती है कि जब फ्रंट और रियर दोनों ही क्या हो इक्वल हो बट नल नहीं हो क्योंकि अगर दोनों नल हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे तो वो कंडीशन होगी किसकी क्यू के एम्प्टी होने की यहां भी फ्रंट और रियर दोनों क्या है जीरो है तो हम क्या है इसको बट ये नल के इक्वलेंट है जीरो के इक्वलेंट है अगर ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन है क्यूके एम टी होने की इसका मतलब एलिमेंट क्यू में कोई भी एलिमेंट अभी प्रेजेंट नहीं है ठीक है सो लास्ट एलिमेंट हमने डिलीट किया जब भी हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को क्या सेट करेंगे जीरो सेट कर देंगे ठीक है सो दिस इज दी फाइनल एमटी क्यू और फ्रेंड्स देखिए यहां पे हमने पूरा का पूरा मेमोरी यूटिलाइजेशन किया है कि अगर हमारे पास में एम स्पेस भी है और रियर और फ्रंट की वैल्यू लाइक मैक्स साइज के इक्वलेंट पहुंच गई है तो भी हम एलिमेंट्स का यहां और डिलीशन कर सकते हैं दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ दी सर्कुलर क्यू ओके फ्रेंड्स अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि सर्कुलर क्यू किस तरह से मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए एफिशियंट होता है ठीक है नाउ अभी जो एग्जाम्पल में जितने भी हमने कंडीशन देखी है चाहे बोले ओवरफ्लो की हो अंडरफ्लो की हो या क्यू में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होने की हो कोई भी कंडीशन हो उन सबको मिला के हमें क्या बनानी है एक इंसर्शन और डिलीशन की एल्गोरिदम सो so, फ्रेंड्स जो भी हमने अभी तक एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट uh, या फिर जो इक्वेश या कंडीशन जो पढ़ी है उनको ही मिलाकर एक एल्गोरिदम बनती है सो फ्रेंड्स दिस इज द एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन इन द क्यू फर्स्ट दीज आर द पैरामीटर्स वी हैव अ क्यू एन क्या है यहां पर फ्रेंड्स एन है टोटल साइज ऑफ द क्यू ठीक है या मैक्स साइज ऑफ क्यू मैक्सिम साइज कितनी है क्यू की फ्रंट और रियर आप सबको पता ही है और वो आइटम जो हमें क्यू में इंसर्ट करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप इंसर्शन के अलगोदम लिखें चाहे वाली वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो स्टैग हो क्यू हो लिंक लिस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे ट्री हो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो तो इंसर्शन के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो ओवरफ्लो कंडीशन में है या नहीं है और डिलीशन के, के केस में हम चेक करते हैं कि क्या वो अंडरफ्लो के, के केस में है या नहीं है क्योंकि अगर ओवरफ्लो अंडरफ्लो हो गया तो हम आगे प्रोसेस भी इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते सो so, क्यों में ओवरफ्लो होने की कंडीशन क्या है फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि जब रियर मैक्स के इक्वलेंट हो जाए फ्रंट वन हो जाए और फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस वन हो जाए तो वो क्या होगा ओवरफ्लो कंडीशन होगी ठीक है यहां फ्रेंड्स आपको आ, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप कंसेप्ट को समझिए एल्गोदम अपने आप बन जाएगी ठीक है सेकेंड केस मैंने लिया है कि अगर फ्रंट नल हो जाए ठीक है जब फ्रंट जब हम इनिशियल में हम जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ठीक है तो हम क्या कर देते हैं उस केस में फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट कर देते हैं वन सेट कर देते हैं ठीक है अगर ये भी केस ना हो सर्कुलर क्यू के केस में रियर की वैल्यू अगर मैक्स साइज के इक्वलेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं रियर को वापस काउंटर वन से स्टार्ट कर देते हैं तो वही मैंने किया है और अगर ये भी केस ना हो तो हमें क्या करना है सिंपल जब भी एलिमेंट इंसर्शन हो तो रियर को आ, प्लस वन से इंक्रीमेंट करना है सो so, रियर इक्वल टू रियर प्लस वन और लास्टली पर्टिकुलर वो आइटम उस रियर की पोजीशन पर हमें इंसर्ट करना है सो दिस इज वेरी सिंपल एलगोरिदम अगर आपको लास्ट uh, वाला एग्जांपल अगर क्लियर हो गया है तो ये एलगोरिदम भी आप इजीली लिख सकते हैं इसमें आपको रटने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं है इजीली आप उसको लिख सकते हैं माइंड में अगर आपके सारे कंसेप्ट अगर एग्जाम्पल से क्लियर हो गए हो तो फ्रेंड्स दिस इज अल्गोरिदम फॉर द डिलीशन इन द क्यू अगेन पैरामीटर्स क्यू टोटल नंबर ऑफ साइज ठीक है क्यू के हम एक्सरसाइज कितनी फ्रंटर वही पैरामीटर है सो so, क्यू में अंडरफ्लो होने की क्या कंडीशन है फ्रंट नल हो, हो जाए अगर फ्रंट नल हो जाए कोई भी उसमें एलिमेंट ना हो ठीक तो, है तो दिस इज द कंडीशन फॉर द अंडर फ्लो इन द क्यू एंड अगेन दिस इज अटेप की जो फ्रंट की वैल्यू है उसमें वापस हम आइटम में वैल्यू इंसर्ट करा देंगे इस स्टेप का ये मतलब है कि वो पर्टिकुलर आइटम जो फ्रंट को डिनोट कर रहा है जहां पे फ्रंट जिसको आइटम को पॉइंट आउट कर रहा है हमें वापस उसमें डाल दिया है ठीक है ठीक है अगेन तीन कंडीशन जैसे हमने रियर की तीन कंडीशन पढ़ी थी वैसे ही फ्रंट की भी यहां पर तीन कंडीशन है क्या है जब फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो बट नल के इक्वलेंट ना हो ये कौन सी कंडीशन है फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि जब फ्रंट और रियर दोनों ही इक्वल हो बट नल के इक्वलेंट हो ना हो इसका मतलब क्या है सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है क्यू में और जब आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आप क्या करेंगे दोनों फ्रंट और रियर को क्या सेट कर देंगे फ्रंट और रियर को नल सेट कर देंगे क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट होगा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन वो डिनोट कर रही है कि क्यू में लास्ट एलिमेंट कौन सा है जब लास्ट एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा फ्रंट और रियर दोनों को जीरो सेट करना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद में कोई और एलिमेंट आप डिलीट नहीं कर सकते सो so, क्यू में एलिमेंट के लास्ट होने की या सिंगल होने की कंडीशन क्या है कि जब फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो बट नल नहीं हो सेकेंड क्या केस बन सकता है कि जब फ्रंट की वैल्यू मैक्साइज के इक्वलेंट हो जाए तो काउंटर क्या होगा वापस वन से स्टार्ट होगा ये अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था और लास्ट केस क्या बन सकता है जब कोई भी कोई हम क्यू में एलिमेंट डिलीट करें तो फ्रंट को हमें क्या करना है प्लस वन से इंक्रीमेंट करना है प्लस वन से तो फ्रेंड्स जब रियर और फ्रंट दोनों के केस में हमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए फ्रंट और रियर को हमेशा हम प्लस वन से ही इंक्रीमेंट करेंगे इसमें कभी भी हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे और लास्ट में आप एल्गोरिथम को, को एग्जिट कर दीजिए रिटर्न कर दीजिए सो दिस इज वेरी सिंपल एल्गोरिदम अगर आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो फिर ये आप एल्गोरिदम ईजिली लर्न कर सकते हैं इसको रटने की या फिर कोई याद करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सो फ्रेंड्स क्यू या सर्कुलर क्यू से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर करेंगे फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में हमने स्टैक का कंसेप्ट जो है क्लियर किया था उसमें मैंने आपको जो है इन इवोल्यूशन ऑफ प्रेफिक्स पोस्टफिक्स और सारी जो एक्सप्रेशंस हैं इनफिक्स प्रेफिक्स और पोस्ट फिक्स इनमें हम मैनुअली कैसे कन्वर्ट करें इनफिक्स को प्रेफिक्स में इनफिक्स को पोस्टफिक्स में ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ठीक है और उसके बाद में आपको क्यू का कंसेप्ट मैंने बताया था क्यू में लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू सर्कुलर क्यू का एडवांटेज ओवर लीनियर क्यू और उसके रिलेटेड उसकी एल्गोरिदम्स फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहने को तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स कई बुक्स में इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा गया है बट लिंकलिस्ट जो है वो आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ अट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ठीक है वो कैसे फ्रेंड्स कि जब हम लिंक लिस्ट को हम जो है लीनियर पार्ट में अगर सर्च कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं तो वो लिंक लिस्ट एज अ लीनियर की तरह बिहेव करती है एक सिक्वेंशियल मैनर की तरह बिहेव करती है लेकिन जब आप लिंक लिस्ट को एज अ मेमोरी लेवल पर अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो लिंक लिस्ट इसका मतलब क्या है फॉर द एक्सेसिंग एट द लिंक लिस्ट तो वो डायनामिक की तरह बिहेव करती है इट्स अ नॉट इन सिक्वेंशियल मैनर तो जब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें मैंने वहाँ लिंक लिस्ट एक्सप्लेन नहीं किया था क्यों क्योंकि लिंक लिस्ट ना तो लीनियर बिहेव करती है और ना ही नॉन लीनियर बिहेव करती है वो दोनों का मिक्सचर है दोनों का ही एक हाइट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिक भी बिहेव करती है और डायनामिक भी बिहेव भी करती है डेट्स वाई जैसे हम स्टैग और क्यू जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं ट्री और ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं बट जो लिंकलिस्ट है वो दोनों तरह के बिहेव को एक्सेप्ट करती है ओके फ्रेंड्स सो फर्स्ट वॉट इज अ लिस्ट बेसिकली लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोट्स अगर मुझे एक लाइन में लिस्ट को डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूँगा लिस्ट एक नोड का कलेक्शन है एक सीरियल नोड का कलेक्शन है एक चेनिंग है नोड्स की ठीक है उन उस पूरी चेन को हमने क्या कहा लिंक लिस्ट कहा अब यहां पे एक टर्म आ रही है फ्रेंड्स नोड सो व्हाट इज अ नोड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा यहां पे लिंक लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्टेड का वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो नोड आपस में डिस्कनेक्ट हो गए तो वो लिंक लिस्ट नहीं होगी सो फ्रेंड्स कनेक्टेड जो है डेफिनेशन में वर्ड आना बहुत जरूरी है सेकेंड क्वेश्चन ये आराइज होता है कि यहाँ पर नोड का मतलब क्या है ठीक है सो फ्रेंड्स नोड देखिए मैंने नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया है एवरी नोड इन द लिंक लिस्ट इज डिड इंटू द टू पार्ट्स जितने नोड है लिस्ट में वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं अब वो दो पार्ट्स क्या है पहला पार्ट है उसका डेटा पार्ट ठीक है या उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहेंगे कि उस पर्टिकुलर नोड की जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा पार्ट है वो हम इस नोड में यहाँ पे रखेंगे ठीक है सेकेंड जो है डेट इज दिंक पार्ट यहां पे लिंक का मतलब क्या है कि हमारे पास में नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पार्ट part में यहां पे क्या होगी सेव रहेगी नेक्स्ट नोड का जो भी एड्रेस है वो ये पार्ट कंटेन करके रखेगा सो फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब्स द डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज द लिंक फील्ड और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब क्या हो गया कि list में जो next node का जो address जो का होगा वो यहां पर सेव होगा जो का होगा वो इस पार्ट में यहां पर सेव होगा ठीक है अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ लिस्ट देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसे कहा कि लिस्ट इज सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स क्या है एक कनेक्टेड नोड्स का आपस में लिंक है ठीक तो है तो मान लीजिए ये फर्स्ट नोड है लिंक लिस्ट का ठीक है दिस इज नोड यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं ठीक है बट एज पर रिक्वायरमेंट एंड मेमोरी हम जितने नोड्स को अक्वायर यहां पे कर सकते हैं सो टोटली देर आर द एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नोड्स बट हम ये मान के रख रहे हैं कि हमारे पास में अभी यहाँ पर चार नोड्स हैं ठीक है अब मैंने माना कि इन नोट्स का कुछ एड्रेस होगा ऑब्वियस बात है है ठीक मान लीजिए इस नोट का एड्रेस हंड्रेड है इसका, 102 है, इसका 104 है और इसका हंड्रेड एंड एट है ठीक है इस पर्टिकुलर नोट का एड्रेस होगा अब आप कहेंगे कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट नोट का एड्रेस कहां सेव होगा इस पार्ट में तो इस पर्टिकुलर पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 102. तो यहां पर क्या आएगा वन जीरो फोर इस नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है? है तो यहाँ आएगा वन जीरो एट ठीक है और यहाँ पे इसके आगे कोई नोड नहीं है ये लिस्ट का लास्ट नोड है इसलिए यहाँ पे क्या है अनल एड्रेस इसको हम नल पॉइंटर भी कहेंगे नल एड्रेस भी आप कह सकते हैं कि इस ये क्रॉस जहाँ पे है इसका मतलब ये है डायग्रामिकली अगर मैं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में इस सीरीज का ये लास्ट नोड है इसके आगे और कोई नोड नहीं है ठीक है तो ये नल नोड है आप चाहें तो इसमें और भी नोड्स आप ऐड कर सकते हैं सो तो जहां कहीं भी ये क्रॉस लिखा है इसका मतलब क्या है ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है रिप्रेजेंट अ लास्ट नोड अ नल नोड नल पॉइंटर इन द लिंक लिस्ट ठीक है अब आप कहेंगे इस फर्स्ट नोट का एड्रेस कहां से होगा तो फ्रेंड्स कुछ आ, इसका जवाब ये है कि हमारे पास में एक स्टार्ट पॉइंटर होता है ठीक है जो ये डिनोट कर रहा है कि लिंकलिस्ट का स्टार्टिंग किस पॉइंटर से हो रही है कौन से पॉइंटर एड्रेस से हो रही है तो ये स्टार्ट पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल ये एक स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल है जो लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखता है जैसे मैं कहूं एरे का जो बेस एड्रेस होता है वो क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है ठीक है तो आप ये मान सकते हैं कि लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास में होगा इस स्टार्ट नोड के पास में होगा तो यहां पे स्टार्टिंग नोड का एड्रेस क्या है 100, तो यहां पे 100 सेव रहेगा दिस इज अ स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल ये एक पॉइंटर वेरिएबल है ना कि एक नोड है ठीक है ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये एक नोड नहीं है सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल है जो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रख रहा है ठीक है और इसके डेटा पार्ट में हम कुछ यहाँ पे डेटा इंफॉर्मेशन हम सेव कर देते हैं लेट से ए बी सी और डी ठीक है तो ये आपके एक पूरी लिंकलिस्ट क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है ठीक है लिंकलिस्ट डेटा पार्ट और उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस डेटा पार्ट उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस और देखिए फ्रेंड्स दिस इज सीरीज यहां पर एक सीरीज मेंटेन हो रही है ठीक है अगर आपने सीरीज को ब्रेक कर दिया किसी दूसरे नोड का एड्रेस डाल दिया तो लास्ट के जो भी नोड ब्रेक हुए उसके बाद वाले वो उस चेन में नहीं होंगे सो वी कैन नॉट से दिस इज़ अ प्रॉपर लिंक लिस्ट ठीक है लिंकलिस्ट में उसका सीरीज होना जो है वो ज़रूरी है ओके okay? सो so, अब हम डिस्कस करते हैं कि लिंक लिस्ट में जो है कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास में एक एरे डेटा स्ट्रक्चर है और एक लिंकलिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली हमने एरे भी पढ़ा है और हम लिंकलिस्ट अभी पढ़ रहे हैं ठीक है लास्ट के वीडियोस में आप एरे का चैप्टर आप देख सकते हैं उसमें मैंने आपको एरे पढ़ाया था रो मेजर और कॉलम मेजर का इंप्लीमेंटेशन आपको बताया था मैंने तो एरे जो है बेसिकली स्टैटिक नेचर ठीक है और लिंकलिस्ट इज अ डायनामिक नेचर ओके लिस्ट जो है बेसिकली दोनों तरह के बिहेव को एक्सेप्ट करती है बट लिस्ट को हम डायनामिक नेचर की कहेंगे तो दोनों में यहाँ पे क्या जो है पॉसिबिलिटीज हैं दोनों के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो हम एक बार पूरा जो है कॉलम वाइज हम देखते हैं कि इसमें एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है आई थिंक फ्रेंड्स बेसिकली जो लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट जो है एक सीरीज uh, है एक कनेक्टेड नोट्स की सीरीज है जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो डेटा पार्ट होगा और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा ठीक है पहली बात दूसरी बात कि फर्स्ट नोड का एड्रेस एक स्पेशल वेरिएबल में होगा स्पेशल एक पॉइंटर वेरिएबल में होगा उसको हम कहेंगे स्टार्ट पॉइंटर कई बुक्स में इसको स्टार्ट पॉइंटर लिखा है कई बुक्स में नेक्स्ट पॉइंटर लिखा है तो इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने इसको माना दिस इज ए स्टार्ट पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर में लिंकलिस्ट का जो फर्स्ट नोट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर सेव होगा ठीक है तो मैं आपको एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ ओके फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में एक एरे डेटा स्ट्रक्चर है और एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है तो दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर है दोनों में से कौन से पैरामीटर्स पर लिंक लिस्ट ज्यादा एफिशिएंट है और कौन से पैरामीटर पर एरे ज़्यादा एफिशिएंट है बेसिकली फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर के कई ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग शॉर्टिंग मर्जिंग ठीक है तो उन पैरामीटर्स पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट फर्स्ट जैसे मैंने डिफरेंस बताया था कि एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिंक लिस्ट है यहाँ स्टैटिक का मतलब क्या हो गया मैंने लास्ट के वीडियोज में मैंने आपको बताया भी था डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन है वो स्टैटिक और डायनामिक बेस पर भी किया गया है स्टैटिक मीन्स आपको कंपाइल टाइम से पहले ही आपको मेमोरी अलोगेट करवानी पड़ेगी उसको बताना पड़ेगा फिक्स मेमोरी है कि आपको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप रन टाइम पर मेमोरी का रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं मेमोरी एक्सपेंड भी हो सकती है और श्रिंक भी हो सकती है सो एज पर रिक्वायरमेंट हमारी मेमोरी को अलोगेशन हो सकता है रन टाइम पर किसमें डायनामिक में बट स्टैटिक में, में वो नहीं हो सकता ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस इंसर्शन एंड डिलीशन इज वेरी डिफिकल्ट इन द एरे एंड इजिएस्ट इन द लिंक लिस्ट क्यों फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं लेट्स से ये हमारे पास में एक एरे है और मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी ओके और मान लीजिए इसकी जो थर्ड जो पोजीशन पर है मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है मान लीजिए हंड्रेड ठीक है तो मुझे करना क्या पड़ेगा पहले एलिमेंट्स की मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ठीक है लाइक अगर फिफ्टी है तो मुझे उसको फिफ्टी अगर फाइव पोजिशन पर है तो मुझे उसको सिक्स पोजिशन पर लेके जाना पड़ेगा फोर्टी को उसके बाद में थर्टी को यहाँ पे, और जब ये यह पोजिशन यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी तो हम यहाँ पे थर्टी को ओवरलैप कर देंगे हंड्रेड से ठीक है तो पहले हमको एलिमेंट्स की फॉरवर्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी और अगर मुझे में डिलीशन करना है तो मुझे बैकवर्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी सो so, अगर हमें एरे में इंसर्शन और डिलीशन करना है तो हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी बट अगर हमें इंसर्शन में सॉरी लिंक लिस्ट में हम अगर हमें इंसर्शन और डिलीशन करना है तो वहां पर हमें किसी भी शिफ्टिंग की नीड नहीं है कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी नोड की हमें शिफ्टिंग की नीड नहीं होती है आप डायरेक्टली उस पॉइंटर पर जम्प कीजिए ठीक है और मान लीजिए ये नोड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जस्ट चेंज पॉइंटर लोकेशन, ये नोड जो पहले हमें नया नोड इंसर्ट करना है दिस पर्टिकुलर नोड ए एंड बी इंसर्शन के पहले ए बी के बी के पास में जो है ए पॉइंट आउट कर रहा था और ए के पास में बी का एड्रेस था लेकिन अब ए के पास में इसका एड्रेस होगा और इस नोड के पास में इसका एड्रेस होगा बी का सो so, इजीलिएस्ट हम यहाँ पे इस नोड को इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं बट वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो है शिफ्टिंग जो हमें एरे में नीड होती है ठीक है बट लिंक लिस्ट में हमें किसी तरह की शिफ्टिंग की ऑपरेशन की नीड नहीं है इसलिए एरे में इंसर्शन और डिलीशन होता है डिफिकल्ट जबकि लिंक लिस्ट में क्या हो जाता है वो सिंपल ठीक है थर्ड जो डिफरेंस है वो है मेमोरी यूटिलाइजेशन इज पुअर ऑब्वियसली बात है जहां पर स्टैटिक मेमोरी एलोगेशन होगा वहाँ पर मेमोरी का यूटिलाइजेशन इतना एफिशिएंट नहीं होता है क्यों अगर हमारे पास में लेट से हमने एरे को डिक्लेयर किया है फाइव एलिमेंट्स से हमें अगर रिक्वायरमेंट मान लीजिए टू या थ्री की है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दो का स्पेस वहाँ पर वेस्ट जाएगा और मान लीजिए अगर हमारे पास में एलिमेंट्स का स्पेस जो है फाइव uh, डिक्लेयर किया है और आपको एट द एंड बाद में सिक्स या सेवन या टेन की अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप उसमें नहीं ले सकते जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है मेमोरी का यूटिलाइजेशन इज़ वेरी एफिशिएंट क्यों क्योंकि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है रन टाइम पे आपको जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है मेमोरी एक्सपेंड भी हो जाएगी और शिंक भी हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट जो डिफरेंस है एरे यूजेज द लेस स्पेस इन मेमोरी फायर लिंकलिस्ट यूजेज द मोर स्पेस कैसे देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया एरे और लिंक लिस्ट का ये आपकी लिंक लिस्ट है ठीक है ओके okay. और ये आपके एरे है तीन एलिमेंट यहाँ पर भी हैं और तीन एलिमेंट यहाँ पर भी हैं तीन नोड है यहाँ पर और तीन एलिमेंट है ये मान लीजिए इंटीजर टाइप का आ है और लेट से इसको दो बाइट ऑलोकेट होती है बट मैंने आपको पहले ही बताया था जब से मैंने आपको सी पढ़ाई थी तो उससे मैंने आपको कहा था कि डेटा टाइप की साइज किसी न किसी कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करती है इट इज डिपेंड ऑन द कंपाइलर कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटीजर एलिमेंट्स हैं उन सबको हम दो दो बाइट ऑलोकेट कर रहे हैं ठीक है तो दो बाइट दो बाइट और दो बाइट इसके तो टोटल सिक्स बाइट की मेमोरी ये एरे लेगा जब भी ये स्टोरेज होगा इसका मेमोरी पर ठीक है जबकि मा ये लिंकलिस्ट अगर हमें स्टोर करनी है तीन नोड यहाँ पर भी हैं और तीन नोड यहाँ पर भी हैं और इससे मान लीजिए इसमें भी हम जो है इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं ठीक है और ये आपका एड्रेस का पार्ट हो गया जिसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ठीक है इंटीजर को मान लीजिए दो बाइट अलोकेट हो रहे हैं पॉइंटर को भी दो बाइट अलोकेट होते हैं तो एक नोट को स्टोर होने के लिए कितना बाइट मिला हमको चार बाइट मिले इसको भी चार बाइट मिलेंगे इसको भी चार बाइट मिलेंगे तो टोटल कितने हो गए ट्वेल्व बाइट्स ठीक है तो देखिए आप फ्रेंड्स कि यहां पर तीन एलिमेंट्स थे और यहां पर तीन नोट थे ठीक है एक अगर इसको एरे को स्टोर करना है तो मुझे सिक्स बाइट की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन अगर इसी को मुझे लिंक लिस्ट में अगर स्टोर करना है तो मुझे ट्वेल्व बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी सो so जस्ट डबल जरूरी नहीं हमेशा जस्ट डबल हो बट इस एग्जाम्पल में जस्ट डबल हो गया है सो so, मेमोरी uh, का जो स्पेस है ऑब्बियसली बात है कि लिंक लिस्ट में वो ज्यादा स्पेस लेती है जब लिंक लिस्ट मेमोरी में स्टोर होती है जबकि एरे जो है वो स्पेस कम लेते हैं क्योंकि लिंक लिस्ट यहाँ पे दो पार्ट है एक तो पॉइंटर ऑलवेज उसको हमेशा सेम एड्रेस मिलेगा सेम मेमोरी लोकेशन मिलेगी उतना ही स्पेस मिलेगा दो दो बाइट का और अगर आपने यहाँ फ्लोट स्टोर किए हैं तो चार बाइट मिल जाएंगे इंटीजर किया है तो दो बाइट मिल जाएंगे आप उसको ऐड कर लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए सो एरे जो है वो लेस स्पेस एक्वायर करता है मेमोरी में और लिंक लिस्ट जो है मोर स्पेस एक्वायर करता है मेमोरी पर ठीक है लास्ट डिफरेंस जो है सर्चिंग इज इजी इन द एरे और डिफिकल्ट इन द लिंक लिस्ट फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं आप चाहे तो इसको आप कहीं ना कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है चाहे भले वो एरे हो लिंकलिस्ट हो ट्री हो ग्राफ हो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो ठीक है सर्चिंग का जो टास्क है ठीक है चाहे भले वो लीनियर सर्च हो या बाइनरी सर्च हो लीनियर सर्च में हम एलिमेंट्स का लीनियरली सर्च करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि एक मिड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं मिड एलिमेंट से कंपेयर करते हैं कि वो मिड एलिमेंट सर्चिंग एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है ठीक है तो जहाँ कहीं भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट होगा इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ पर्टिकुलर एलिमेंट को एक इंडेक्स मिलेगा उसका कुछ बेस एड्रेस होगा और उस पर्टिकुलर इंडेक्स और बेस एड्रेस से मैं किसी भी एलिमेंट पर इंस्टेंटली जंप कर सकता हूँ ठीक है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि सर्चिंग क्या होगी बहुत इजी होगी लेकिन जहां इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है वहां पे सर्चिंग क्या होगी डिफिकल्ट होगी सो so, हम सभी को पता है कि एरे जो है वो इंडेक्सिंग कन्सेप्ट को फॉलो करता है हम रेंडमली विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस हम कहीं भी एलिमेंट्स को जम्प करा सकते हैं हम किसी भी एड्रेस का या किसी भी एलिमेंट का हम एड्रेस पता कर सकते हैं बट हम लिंक लिस्ट में जो है वो इंडेक्सिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है डेट्स वाई लिस्ट जो है सर्चिंग के ऑपरेशन के लिए थोड़ी सी क्या है एरे से स्लो है एरे में सर्चिंग बहुत एफिशिएंट तरीके से होती है क्यों क्योंकि एरे इज टोटली बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग कंसेप्ट लिस्ट में इंडेक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है इसलिए वहां पे सर्चिंग क्या होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग वगैरह और इसके ऊपर हमने एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया है और बेसिकली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे वो एरे हो लिंक लिस्ट हो ट्री ग्राफ हो उसको मेमोरी में या तो स्टैटिकली या हम डायनामिकली स्टोर करा सकते हैं ठीक है और स्टैटिकली और डायनामिकली बेस पर ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस वे में और किस ऑपरेशन में एफिशिएंट होता है सो आई थिंक आपको लिंक लिस्ट का जो बेस जो कंसेप्ट है कि लिंक लिस्ट है क्या ठीक है इसके अगर इम्प्लीमेंट कैसे होती है मेमोरी लेवल पर नेक्स्ट एड्रेस कैसे जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि एरे और लिंक लिस्ट हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर है तो दोनों में से कौन सा एफिशियंट है और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर भेजिए हम आपके प्रॉब्लम्स आप का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट के वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था और लिंक लिस्ट और एरे के बीच में कंपैरिजन करके बताया था कि कौन से ऑपरेशन में कब लिंक लिस्ट बेस्ट है और कब एरे बेस्ट है सो so, फ्रेंड्स

ठीक है हमें सबको पता है कि ये पार्ट जो है डेटा पार्ट है और ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर नोड है नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने यहाँ कंटेन करके रखती है और ये आपका लास्ट नोड है जहां पे कोई एक वैलिड एड्रेस नहीं होता है नल एड्रेस होता है सो so फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर इस नोड पर हैं ठीक है थीके? और आपको बैक वाला नोड प्रोसेस करना है तो सिंगली लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है इट इज ओनली द वन डायरेक्शनल uh, लिस्ट आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं दो डायरेक्शन में आप मूव नहीं हो सकते ठीक है पहला डिसएडवांटेज दूसरा डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स दिस सिंगली लिस्ट आप सिंगली लिस्ट को रिवर्स नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि आपके पास बैकवर्ड कोई पॉइंटर है भी नहीं जिसके थ्रू आप इसको रिवर्स कर सकें या आप कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे आप बैकवर्ड में आ सकें आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है सो सिंगल लिस्ट जो है यहां पर आकर फेल हो जाती है तो हमने एक और कंसेप्ट अडॉप्ट किया डेट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट जहां पर हमने ये पर्टिकुलर कुछ डिसएडवांटेज जो है रिमूव uh, करने की कोशिश की है सो फ्रेंड्स सर्कुलर लिंक लिस्ट इज बेसिकली यहां नाम से इंप्लीमेंट हो रहा है दिस इज द फर्स्ट नोड ऑल्सो कॉल्ड एज है सेकेंड थर्ड और जो लास्ट नोट में सिंगलिंग लिंकलिस्ट में यहाँ पे नल एड्रेस होता था बट यहाँ पे क्या है यहां नल एड्रेस नहीं है इस पर्टिकुलर लास्ट नोट में फर्स्ट नोट का एड्रेस है अगेन इसलिए इसको क्या कहते हैं सर्कुलर लिंकलिस्ट ऑल नोट्स यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं उन सब में एक वैलिड एड्रेस होता है कोई भी नोट में इन वैलिड एड्रेस या नल एड्रेस नहीं होता है ठीक है ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हैं ठीक है सो व्हाट इज अ हेडर नोड यहां पर हेडर नोड की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमें सबको ये पता है कि स्टार्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे कंटेन होता है बट जब लेट्स से हम नोड में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ठीक है ये नोड शायद आगे आ जाएगा और फिर नए नोड इंसर्ट होंगे सो व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द फर्स्ट नोड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट उसके दो तरीके हैं या तो आप एक कोई एक्सटर्नल पॉइंटर लीजिए एक फ्लैग वैल्यू लीजिए जो पर्टिकुलर इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करे ठीक है कोई एक्सटर्नल आप पॉइंटर ले लीजिए और इस पर्टिकुलर नोड uh, का एड्रेस उसके अंदर आप सेव करा दीजिए तो आप उससे पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिटनेस में फर्स्ट uh, नोड कौन सा था और दूसरा जो एफिशियंट जो मेथड है वो ये है कि आप फर्स्ट नोड को एज अ डमी नोड मान लीजिए हेडर नोड कहते हैं उसको ठीक है इस डमी नोड में एक सेंटिनल वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए अ डमी वैल्यू देट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर नोड्स मान लीजिए इस नोड में डेटा uh, है ए बी और सी ठीक है तो यहाँ पे आप कोई एक माइनस वन या ऐसी वैल्यू कोई कोई डाल लीजिए ये वैल्यू इन सबसे क्या होगी डिफरेंट होगी और इसी के थ्रू हम पहचान सकेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर यहाँ नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हो तो भी उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड कौन सा था ठीक है ओके एंड ऑल नोड अ वैलिड एड्रेस सारे नोट में जो है एक वैलिड एड्रेस होता है लेट्स से हम मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस 100 है इसका 200 है इसका 300 है और इसका 400 है तो इसका हो जाएगा नेक्स्ट एड्रेस का एड्रेस टू हंड्रेड थ्री ठीक है और इसमें किसका एड्रेस है फर्स्ट नोट का फर्स्ट नोट का एड्रेस हमने माना हंड्रेड तो इसका भी एड्रेस क्या होगा नेक्स्ट हंड्रेड लास्ट नोट में फ्रेंड्स किसका एड्रेस होगा फर्स्ट नोट का एड्रेस होगा और ये सर्कुलर वे में इस तरह से क्या होगी चलती रहेगी सो इज ऑफ सर्कुलर क्यू लिंक लिस्ट लिस्ट अब जो फ्रेंड्स सिंगली लिंक के जो एडवांटेज थे या डिसएडवांटेज थे ठीक है हमने अभी डिस्कस किया था कि सर्कुलर सॉरी सिंगली लिंक लिस्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नोट पे है तो आप बैकवर्ड में नहीं जा सकते ये सारे डिसएडवांटेज को हद तक यहाँ पे रिमूव हुए हैं कैसे फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप नोट बी पर हैं तो सर्कुलर वे में आप वापस राउंड अप होकर नोट बी पर आ सकते हैं इट इज पॉसिबल और इस लिंक लिस्ट को हम रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सर्कुलर वे में वापस राउंड अप होकर हम इस लिंक लिस्ट में आ सकते हैं बट फ्रेंड्स Uh, ये जो टास्क है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है किसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट में बट आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें मैंने जस्ट जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो है रिवर्स करना और जस्ट प्रीवियस नोड पे आना ये बहुत इजी होता है डबली लिंक लिस्ट में क्योंकि ईच एंड एवरी नोड इज़ डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट इन द डबली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट में हमेशा जो नोड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वैसे तो सर्कुलर में या दो पार्ट्स में डिवाइडेड है उसमें क्या होता है कि पहले पिछले वाले नोड में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है और एक नेक्स्ट जो और पॉइंटर होता है उसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है तो वहां पे जो है रिवर्स करना और बैकवर्ड वाले नोड पे जाना बहुत इजी होता है हम यहाँ पे भी जा सकते हैं बट इट टेक्स अ टाइम यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है तो थोड़ा जो सिंगलिन इंक्लिस का जो डिसएडवांटेज था वो हमने यहाँ पे आके इसको दूर किया है नाउ फ्रेंड्स इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो हम डिस्कस करते हैं पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है वी कैन गो टू द एनी नोट ऑब्वियस बात है जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नोट पे है अगर आपको किसी और दूसरे नोट पर अगर आपको मूव करना है तो आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में इजीली आप जो है किसी भी नोट पर आप मूव कर सकते हैं इट इज पॉसिबल बट सिंगली लिंक लिस्ट में वो पॉसिबल नहीं है सेकेंड जो इसका एडवांटेज है वो ये है सेव द टाइम टू गो टू द फर्स्ट टू लास्ट नोट अगर आपको लास्ट नोट से फर्स्ट नोट पर जाना है तो विदिन सिंगल स्टेप आप ये जा सकते हैं एक सिंगल स्टेप में एक पॉइंटर की लोकेशन आपको चेंज करनी है और आपको लास्ट से फर्स्ट पे आप इजीली मूव हो सकते हैं सो इट्स सेव टाइम यहाँ पे टाइम की बहुत सेविंग हो जाती है और थर्ड जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि सारे नोड में एक वैलिड एड्रेस होता है किसी भी नोड में इनवैलिड एड्रेस नहीं होता है इनवैलिड का बोले नल पॉइंटर नल एड्रेस वो सिंगली लिस्ट में होता है जो लास्ट नोट को डिनोट uh, करता है बट यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं उन सब के अंदर एक कोई वैलिड एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर किसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा हो ठीक है ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं फ्रेंड्स और अभी हम इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं नॉट इजी टू रिवर्स रिवर्स कर सकते हैं बट इट इज नॉट इजी टास्क आपको सारे नोड को एक्सेस करना पड़ेगा ठीक है पूरे राउंड अप को आपको वापस आना पड़ेगा फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा सो इट इज नॉट ईजी टू रिवर्स अ सर्कुलर लिंक लिस्ट बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इट इज वेरी इजी ठीक है सेकेंड जो इसका डिसएडवाटेज है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट मे गो टू द इनफाइनाइट लूप ये लिस्ट जो है इनफाइनाइट लूप में जा सकती है अगर आपने हेडर नोट को मेंटेन करके नहीं रखा होगा तो या तो आप हेडर नोट को मेंटेन रखें उसमें कोई एक सेंटेनल वैल्यू या डमी वैल्यू आप रखें ताकि आप इस वैल्यू से आप पहचान सकें वो कि ये फर्स्ट नोड है या नहीं है और सारे नोड से वो वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है तभी हम जो है उसको हेडर नोट कहते हैं ठीक है हेडर नोट की क्वालिटी होती है कि आप उसमें एक सेंटेनल वैल्यू और डमी वैल्यू रख दीजिए आप उस वैल्यू से उस नोड को पहचान सकते हैं कि फर्स्ट नोड है और उसकी वैल्यू सारे नोड से क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए पहला तो ये तरीका है दूसरा मैंने आपको बताया कि आप एक कोई एक्सटर्नल पॉइंटर आप मेंटेन करें बट वो थोड़ा सा हैक्टिक टास्क है और थर्ड ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर नोड है यहाँ पर और जस्ट प्रीवियस नोड पे जाना है तो आपको लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं उन सबको एक्सेस करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा सो इट्स ऑल्सो टेक्स द टाइम कंज्यूम्स द टाइम ठीक है टू रीच द जस्ट प्रीवियस नोड सारे प्रीवियस नोड को एक्सेस करने के लिए आपको पूरा नोड को एक्सेस करना पड़ेगा सो फ्रेंड्स सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ जो डिसेज है वो उसको हमने यहाँ पे कुछ हद तक रिमूव किया है बट वो पूरे रिमूव नहीं हुए हैं ठीक है ठीके? तो इस लिंक लिस्ट में क्या नया कंसेप्ट था कि लास्ट नोड में एक वैलिड एड्रेस होता है जो फर्स्ट जो नोड है हमारा स्टार्टिंग नोड उसको पॉइंट आउट करता है ठीक है बाकी जो है वो बिल्कुल सिंगली uh, लिंकलिस्ट जैसा ही है उसमें कोई जो है दो राय नहीं है फ्रेंड्स इससे मैं आपको इस सीरीज में सारे जो कंसेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर के वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक नई सीरीज प्लेलिस्ट मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूँ जिसमें जितने भी हम यहाँ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उसकी एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स वहाँ पे उस सीरीज में हम इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है सिग्ल लिस्ट सर्कुलर डबली और एरे क्यू स्टैग ट्री ये सारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है हम उसमें प्रैक्टिकल एक नई सीरीज में वहां पे करेंगे इस सीरीज में मैं आपको सारे जो है थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ठीक है तो प्रोग्रामिंग का जो सेक्शन है वो अलग सीरीज में होगा और थ्योरी वाला सेक्शन है वो एक अलग सीरीज में होगा ठीक है तो वो सीरीज भी जल्दी ही आ, आपके सामने आने वाली है आप उस सीरीज में टोटली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का और फ्रेंड्स अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई डाउट है क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर भेजें हम हाँ उसका सॉल्यूशन आपको जरूर भेजेंगे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट सो फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर क्यू सर्कुलर लिस्ट सॉरी सर्कुलर लिस्ट एक्सप्लेन किया था और उसके हमने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए थे अब देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट लिंक लिंक लिस्ट लिस्ट मेरे हिसाब से इज अ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने जितनी भी लिंक लिस्ट पढ़ी है चाहे बोली वो सिंगली लिंक लिस्ट हो सर्कुलर लिंक लिस्ट हो ठीक है उनमें जो नोट हमने जो पढ़े थे ईच नोड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता था ठीक है पहला पार्ट जिसमें डेटा पार्ट होता था और नेक्स्ट पार्ट जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर वो कंटेन करके रखता था ठीक है बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में फ्रेंड्स ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स जितने भी नोड्स हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं ठीक है मान लीजिए ये नोड है डब्ल्यू लिस्ट का ठीक है तो इस पर्टिकुलर पार्ट part में जो बैकवर्ड वाला जो नोड है जस्ट बैकवर्ड जस्ट प्रीवियस उसका एड्रेस स्टोर होगा मतलब ये वाला पार्ट अपने जस्ट नेक्स्ट सॉरी प्रीवियस नोड का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा दिस इज द डेटा पार्ट एक्चुअल डेटा पार्ट कि जहां हमारा डेटा स्टोर होगा और ये वाला पार्ट जस्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करके रखेगा सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो नोड्स हैं उनका डिवाइडेशन तीन तरीके से होता है पहला जस्ट प्रीवियस नोड का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा सेकंड पार्ट डेटा पार्ट और लास्ट जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर कंटेन करके रखेगा सो फ्रेंड्स लिंक लिस्ट है ऑब्वियस ही बात है लिंक लिस्ट को सबसे पहले ही डिफाइन किया गया है कि लिंक लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स तो डबली लिंक लिस्ट है ये सारे नोड्स मैंने यहां बनाए हैं और सारे आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ठीक है ठीके? दूसरी बात फ्रेंड्स कि अभी तक हमने देखा था सिंगली और डबल सर्कुलर लिख लिस्ट में देर इज ओनली वन पॉइंटर स्टार्टिंग पॉइंटर जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता था बट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है यहाँ पे दो लिस्ट मेंटेन हो रही है एक साथ एक जो है फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रही है जिसे हम कहेंगे फॉरवर्ड लिस्ट देखिए ये फॉरवर्ड लिस्ट है ठीक है इस फॉरवर्ड लिस्ट का जो स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो किसके अंदर होगा इस फर्स्ट नोड के अंदर और एक है बैकवर्ड लिस्ट ठीक है ये है बैकवर्ड लिस्ट जिसका स्टार्टिंग एड्रेस किसके अंदर होगा लास्ट नोड के अंदर ठीक है so, सो कहने का ये मतलब है कि देर आर द टू लिस्ट साइमल्टेनियब्ल्यू लिंक लिस्ट में दो तरह की लिस्ट मेंटेन होती है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है ठीक है उसको मेंटेन करने के लिए उन दोनों लिस्ट के स्टार्टिंग एड्रेस को मेंटेन करने के लिए यहां पर दो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं जो दोनों लिस्ट के स्टार्टिंग एड्रेस को कंटेन करके रखेंगे एक है फर्स्ट और दूसरा है लास्ट आप यहां पे नाम कुछ भी दे सकते हैं नाम में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है दूसरी बात कि हमारे पास में लिस्ट में दो नल पॉइंटर है एक नल पॉइंटर होता है फॉरवर्ड लिस्ट का और एक नल पॉइंटर है बैकवर्ड लिस्ट का सो ऑब्वियसली बात है कितने नल पॉइंटर हुए दो नल पॉइंटर इस लिस्ट में होंगे और दो ही क्या होंगे स्टार्टिंग एड्रेस होगा एक फॉरवर्ड लिस्ट का और एक बैकवर्ड लिस्ट का ठीक है सो फ्रेंड्स अब यहां पर इसका थोड़ा सा मेमोरी में कैसे इंप्लीमेंट होती है वो देखते हैं से कि इस पर्टिकुलर नोड को जो एड्रेस मिला है वो मान लेते हैं हम हंड्रेड एंड हंड्रेड है ठीक है इसका एड्रेस हंड्रेड एंड टू है इसका फोर और इसका सिक्स सौ एक सौ दो एक सौ चार एक सौ छह ठीक है क्लियर है ओके इस पर्टिकुलर नोड में क्या होगा इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव होगा यहां पर तो इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है वन जीरो टू तो यहां पर क्या आ जाएगा वन जीरो टू ठीक है यहां पर इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव होगा तो यहां इसके एड्रेस में क्या होगा वन जीरो फोर इसके नेक्स्ट में क्या होगा इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस वो क्या है वन जीरो सिक्स ठीक है ओके हम यहां से स्टार्ट करते हैं ये वाले नोट पे इस वाले नोट में किसका एड्रेस होगा जस्ट प्रीवियस नोट का एड्रेस जस्ट प्रीवियस नोट का एड्रेस क्या है वन जीरो फोर सो यहां पे क्या आएगा वन जीरो फोर इस वाले नोट में इसके जस्ट प्रीवियस नोट का एड्रेस वो क्या है वन जीरो टू तो यहां पे क्या आ जाएगा वन जीरो टू इस वाले में जस्ट प्रीवियस नोट का एड्रेस वो क्या है हंड्रेड तो यहां हंड्रेड आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग एड्रेस किसका फॉरवर्ड लिस्ट का तो वो क्या है ऑब्वियसली बात है वो हंड्रेड ही है तो यहाँ हंड्रेड आ जाएगा ठीक है स्टार्टिंग नोट का एड्रेस क्या हंड्रेड है तो फर्स्ट में स्टोर होगा हंड्रेड स्टोर हो जाएगा और इसी तरह से जो बैकवर्ड लिस्ट है उसका लास्ट का एड्रेस क्या है सॉरी uh, फर्स्ट अगर मैं कहूं तो पीछे से तो वो क्या है वन जीरो सिक्स वो यहां पे आ जाएगा सॉरी ये इसको पॉइंट आउट करेगा यहां पे तो एड्रेस सही है ठीक है ओके फॉरवर्ड और बैकवर्ड सारे एड्रेस हमने रख लिए हैं अब आप चाहे इसमें डेटा रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फर्स्ट नोट का एड्रेस हंड्रेड है लास्ट नोट का एड्रेस वन जीरो सिक्स है आप कोई भी डेटा पार्ट रख लीजिए ए बी सी और डी ठीक है मैंने वहां पर एड्रेस लिख लिया था बट वहां पे डेटा पार्ट आएगा क्योंकि दो एड्रेस और एक डेटा पार्ट होगा इस लिस्ट में ठीक so, है सो ए बी सी डी इज अ डेटा पार्ट एंड द एड्रेस फर्स्ट और लास्ट जो नोड है उसमें नल पॉइंटर स्टोर होगा ठीक है ये नल पॉइंटर एक नल पॉइंटर एक नल पॉइंटर होगा किसका फॉरवर्ड लिस्ट का और एक नल पॉइंटर किसका होगा बैकवर्ड लिस्ट का सो so फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेमोरी में मैनेज होती है अपने एड्रेसेस के साथ कि इसको किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगी नोड्स का किस तरह से अरेंजमेंट होगा ठीक है आई थिंक ये डायग्राम जो है से आप बहुत कुछ जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेमोरी में इंप्लीमेंट होती है और इसको uh, किस तरह से एड्रेस अलोकेशन होता है आइए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं तो वो क्या है वो हम आ, जो है डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं ओके okay, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि ये लिस्ट जो है दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो सकती है चाहे बोली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो चाहे बोली वो बैकवर्ड डायरेक्शन हो ठीक है सो दिस लिस्ट कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शन ठीक है इन द फॉरवर्ड और इन द रिवर्स डायरेक्शन सबसे जो बड़ा जो एडवांटेज है का, friends, वो यही है अभी तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सके एंड इट इज वेरी इजी टू रिवर्स ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स अगर आपके पास बैक नोड का एड्रेस है तो आप इजिली उसको रिवर्स कर सकते हैं आप लास्ट पॉइंट पर पहुंचिए और स्टार्टिंग एड्रेस से आप प्रिंट कराना स्टार्ट कीजिए यहां से तो ऑब्वियस बात है ऊपरी लिस्ट क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी रिवर्स होना सर्कुलर लिंक लिस्ट में पॉसिबल है बट वो वेरी हेक्टिक टास्क है क्योंकि आपके सारे नोड को प्रोसेस करके आपको बैक नोड पे आना पड़ेगा सो इट इज वेरी नॉट इजी टू रिवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट बट डब्ल्यू लिस्ट में क्या है बहुत इजी टास्क है क्यों क्योंकि हमारे पास में बैकवर्ड नोड का एड्रेस स्टोर होता है थर्ड इज वेरी इजी टू रीच द प्रीवियस नोट ऑब्वियसली बात है सर्कुलर लिंकलिस्ट में वो पॉसिबल नहीं था पॉसिबल तो बट हेक्टिक था वो बट सर डब्ल्यू लिंकलिस्ट में वो पॉसिबल है इन अ सिंगल स्टेप सर्कुलर लिंकलिस्ट में सिंगल स्टेप के अंदर पॉसिबल नहीं था कि आपको पूरे नोड को प्रोसेस करके फिर आपको जस्ट प्रीवियस नोड पे आना है बट डब्लू लिंकलिस्ट में इन अ सिंगल स्टेप एक पॉइंटर की लोकेशन से आप जस्ट प्रीवियस नोड पर पहुंच सकते हैं और लास्ट जो एडवांटेज है वो है इट इज सेफ फ्रेंड्स यहाँ सेफ का मतलब क्या है सेफ का मतलब यह है कि फ्रेंड्स लेट्स से मान दीजिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डबली लिंक लिस्ट दिस पर्टिकुलर लोकेशन या कोई भी नोड जो है वो यहाँ पर लोकेशन जो है करप्ट हो गई ठीक है ओके okay. कोई भी यहां पर ये करप्ट हो गया या ये करप्ट हो गया ठीक है कोई भी एक जो है वो करप्ट हो गई आफ्टर दिस प्रोसेस दिस list remains इन द मेमोरी ये अभी भी इसका एग्जिस्टेंस बना हुआ है लेकिन अगर कोई और दूसरी list होती मान लीजिए सिंगली लिंक लिस्ट होती ठीक है और ये node यहां से करप्ट हो जाता सो so इस list का जो रिमेनिंग है जो अस्तित्व है वो यहां पर क्या हो जाए खत्म हो जाता है ठीक है बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता अगर कोई नोड करप्ट हो जाए ठीक है मेमोरी में कोई भी प्रोसेस हो सकता है करप्ट हो सकता है तो दिस लिंक लिस्ट दिसो रिमेन इन द मेमोरी स्टिल रिमेन इन द मेमोरी उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है बट सिंगली लिंक लिस्ट में और सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है ठीक है सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो आप बैकवर्ड होके फर्स्ट नोड पे आ सकते हैं बट सिंगली लिंक लिस्ट में अगर कोई नोड अगर करप्ट हो जाए तो वो लिंक लिस्ट

एक नोट की अगर बात करूं मैं तो दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज़ अटर भी है तो वन so बाइट है तो रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि इट रिक्वायर्स मोर स्पेस इन मेमोरी बिकॉज ईच नोड इज डिवाइडेड द थ्री पार्ट ये मेमोरी में सिंगली और सर्कुलर से ज्यादा स्पेस लेगी स्टोर होने के लिए इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर चेंजेस इन पॉइंटर्स पॉइंटर की लोकेशन हमें ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेगी सो इंसर्शन डिलीशन थोड़ा सा यहाँ पे क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है ठीक है एंड इट हैल पॉइंटर जहां पे अभी हम देख रहे थे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो एक भी नल पॉइंटर नहीं था बट यहाँ पर दो नल पॉइंटर है तो इस वजह से भी थोड़ी सी ये क्या बन जाती है टेक्स स्टोर द नल एड्रेस इन दिस्ट जहां पर लिस्ट में दो नल एड्रेस स्टोर हो जाते हैं दो जिनका कोई वैलिड एड्रेस नहीं है so friends, ये ताकि आप इससे से हो जाएं। और जब मैं प्रोग्रामिंग सीरीज में इससे प्रोग्राम आपको करवाऊंगा तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे थ्योरी की जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया कि प्रैक्टिकल uh, की सीरीज हमने अलग से लॉन्च करी है जिसमें सारे जो प्रैक्टिकल ओनली प्रैक्टिकल वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा डी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको वहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो कन्सेप्ट हैं वो मैं इस सीरीज़ में आपको क्लियर करवा रहा हूँ ठीक है और अगर आज वीडियो में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको भेजेंगे ट्रीज इन डेटा स्ट्रक्चर लास्ट के लेक्चर्स में वीडियोज में मैंने आपको सारे जो लीनियर डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे लर्न करवाए थे चाहे वो स्टैग हो क्यू हो बेसिकली सर हाइड्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर और अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सारे नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्री और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्राफ सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज अ ट्री ठीक है पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ट्री एक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ओके एंड ट्री फॉलोज दरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर या हेरार्कल डेटा स्ट्रक्चर मतलब देयर इज सम सम्रॉम स्टार्टिंग ब्रांच ठीक है मेनी ब्रांचेज तो ऐसे सारे जो फॉलो करते हैं कंसेप्ट ठीक है concept, जिसमें हेरार्कल कोई एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप डेवलप होता है ठीक है एक फादर एंड मैनी चिल्ड्रंस और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो उसको हम कहेंगे हेराल डेटा स्ट्रक्चर ठीक है हेराकल डेटा स्ट्रक्चर में नॉर्मली एक रूट नोड होता है और उसके चाइल्ड चिल्ड्रन नोड्स इस तरह से फॉलो होते हैं ठीक है सो ट्री बेसिकली इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ठीक है थर्ड पॉइंट इज दियर ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज नोड्स ठीक है यहां जितने भी फ्रेंड्स आपको ये जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं उनको हम कहेंगे नोड अ डेटा पार्ट डेटा पार्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे नोड दिस इज माई ओके एंड ईच नोड कंटेंट्स इन सम वैल्यू और एलिमेंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि नोड पर्टिकुलर एक वैल्यू को जो है अपने अंदर एक रिटेन करके रखेंगे ठीक है और इन्हीं कलेक्शंस एक सारे नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कलेक्शन है नोड्स का उसी को हमने क्या कहा ट्री और अगर वो हरिकल वे में अरेंज हो जाए तो ऑब्वियसली बात है कि वो ट्री का कंसेप्ट फॉलो करेंगे बट फ्रेंड्स मैंने आपको एक पहले भी बात बताई कि चाहे बोली वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो सारे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो एक मेमोरी uh, में लीनियर फॉर्मेट में ही स्टोर होते हैं उनको हम समझने के पर्पज से ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसको इजिली समझ सकें बट बट उसका जो एक्सेसिंग जो मेथड है मेमोरी लेवल का वो हमेशा एक लीनियर फॉर्मेट में ही होता है लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में मैंने डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया था आप प्लीज हमारे जो प्रीवियस के वीडियोज हैं उनको रेफर कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ठीक है नाउ द लास्ट द नोड एट द टॉप जो टॉप में जो नोड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे द रूट नोड ठीक है ट्री का जो टॉप नोड का जो नोड है उसको हम कहेंगे रूट नोड और इसी को ही हम क्या कहते हैं द ओरिजिन ऑफ द

और अगर हम मैं ग्राफ की बात करूं सो ग्राफ में कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है हम चाहे जिस किसी भी नोड से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं ठीक है सो ऑल नोड्स इन द ग्राफ बिहेव्स एज अ रूट नोड इन द इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर ठीक है बट ट्री में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही रूट नोड होता है ठीक है ना इट रिप्रेजेंट्स द नोड्स नोड्स बाय बाय एजेस एजेस कनेक्टेड सारे जो आपस हाँ में किससे कनेक्टेड होंगे एक एज से कनेक्टेड होंगे मान लीजिए ये 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 ट्री है तो पर्टिकुलर नोड नोड और कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है एक एज है एक कनेक्शन है ठीक है दिस इज माय एज ओके तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्री के बारे में ओके okay? आपको ये ध्यान होना चाहिए मैं एक बार वापस से आपको रिकॉल करवा देता हूं ट्री एक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है

रूट नोड ओके दिस इज अ रूट नोड और ये सारे क्या हैं? चाइल्ड नोड हैं। दीज आर द चाइल्ड नोड्स। ठीक है, है. ये सारे चाइल्ड नोड है नाउ दिस इज अ लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज द राइट चाइल्ड या अपन इसको लेफ्ट सबट्री और राइट right सबट्री भी कह सकते हैं ठीक है लेफ्ट सबट्री एंड राइट सब ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके नाउ ट्री को पढ़ने से पहले कुछ मेन जो टर्मिनोलॉजीज हैं ट्री से रिलेटेड उसको हम लर्न करेंगे फ्रेंड्स और अभी डाउट है प्लीज so आप हमारे लास्ट के वीडियोस में कोई भी अगर डाउट है तो डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट वीडियो में आप जाके रेफर कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू ट्री इज द रूट नोड रूट नोड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दिस इज द स्पेशल नोड ठीक है ओरिजिन नोड जहां से हम ट्री की क्या होती है स्टार्टिंग होती है सो स्पेशल नोड एंटायर ट्री इज रेफरेंसिंग टू दिस नोड इट डनी पेरेंट नोड इस नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता है क्यों क्योंकि इस का क्या है पहला नोड है, है ट्री का तो फर्स्ट नोड है इसका कोई पेरेंट नोड ऑब्वियसली बात नहीं होगा इसके हमेशा क्या होंगे चाइल्ड नोट होंगे सो so, यहां पर मैं बात करूं तो ए जो है वो क्या है रूट नोड है ठीक है क्योंकि और इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होगा ओके सेकेंड टर्म इज ऑल पेरेंट नोड पेरेंट नोड मतलब जस्ट उसका एक अपर लेवल का नोड इज एन इंटरमीडिएट पेटिस ऑफ द नोड जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दू इस पर्टिकुलर में तो बी सी डी का पेरेंट नोड कौन है नोड ए ई e, एफ का पेरेंट नोड कौन है नोड बी नोड जी का पेरेंट नोड कौन है नोड डी क्योंकि डी के दो, दो चाइल्ड है एक तो जी है और एक एच है ओके सो so, जी का और एच का पेरेंट नोड कौन होगा नोड डी ठीक है इसी तरह से नोड आई और जे का पेरेंट नोड कौन होगा नोड एच ठीक है बट फ्रेंड्स रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता है ओके चाइल्ड नोड चाइल्ड नोड क्या होते हैं ऑल दी सक्सेसर नोड जितने भी सक्सेसर नोड्स हैं वो सारे क्या होंगे चाइल्ड नोड होंगे अब यहां पे जस्ट कंसेप्ट क्या होगा रिवर्स होगा चलिए ए के चाइल्ड नोड कौन कौन से हैं बी सी और डी ये तीन चाइल्ड नोड है इसी तरह से बी के चाइल्ड नोड कौन कौन से हैं नोड ई e और नोड एफ नोड सी का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है नोड डी के दो चाइल्ड नोड है जी और एच और इसी तरह से नोड एच के नोड कौन से हैं चाइल्ड नोड आई और जी ठीक है नोड ए के यहां पर मैक्सिमम तीन चाइल्ड्स हैं ओके सिबलिंग्स नेक्स्ट टर्म एग्जांपल में बात करें ओके पेरेंट नोड कौन है पेरेंट नोड ठीक है नोड ई e और एफ दोनों सिबलिंग्स हैं इसका पेरेंट कौन है नोड बी नोड जी और एच इज अबलिंग नोट पेरेंट नोट कौन है इसका डी ठीक है सो

क्या कहा पाथ के बारे में सक्सेसिव डेस्टिनेशन नोड लेट से मुझे आई तक जाना है तो इसका पाथ क्या होगा? डी टू एच देन एच टू आई दिस इज दाथ सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड जहां आपका सोर्स नोड है वहां से आप स्टार्ट करें और डेस्टिनेशन नोड तक आप पहुंचे वो जो कनेक्टिंग जो एजेस होगी वो क्या होगा सारा मिलकर एक पाथ बनेगा ठीक है और फ्रेंड्स यहां पर एक और टर्म आनी चाहिए अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए नोट बी है ठीक है नोट बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा लेफ्ट में जो नोड आ रहा है वो होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड दैट इज नोट ई इसको कहेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड ठीक है और नोड एफ का नोट बी का जो राइट right में जो चाइल्ड आ रहा है उसको कहेंगे राइट चाइल्ड ऑफ नोड उंड लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड नोट बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा नोट ई नोट बी का राइट right चाइल्ड कौन होगा नोट एफ इसी तरह से मैं नोट ए की बात करूं नोट ए में मैं लेफ्ट और राइट right नहीं कह सकता क्योंकि नोट ए के कितने चाइल्ड है यहां पर तीन चाइल्ड है तो यहां पे हम उसी को ही कह सकते हैं जिसके दो चाइल्ड हो दो चाइल्ड में लेफ्ट वाले को लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे और राइट वाले को राइट चाइल्ड कहेंगे ओके नेक्स्ट स्लाइड पर हम जम करते हैं फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट जो टर्मियोलॉजी है वो है एज अभी हमने डिस्कस किया था इज अ कनेक्टिंग बिटवीन द वन नोड टू अनदर नोड अ कनेक्टिंग एज अ कनेक्टिंग पॉइंट ठीक है बिटवीन द वन नोड टू अनदर नोड इट्स बाय द लाइन एक सिंपल लाइन दो नोड के बीच में आप अगर एड करेंगे तो उसको क्या बन जाएगी एक एज बन जाएगी ठीक है ओके नेक्स्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट टर्म अ लीफ नाउ व्हाट डू मीन बाय द लीफ लीफ इज व्हाट ठीक है लीफ यहां पे क्या होगी जिसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है उसको हम क्या कहेंगे लीफ नोड कहेंगे चाइल्ड नोड ना तो लेफ्ट होना चाहिए ना राइट right होना चाहिए कोई भी चाइल्ड नोड ना हो उसको हम क्या कहेंगे अ लीफ नोड ठीक है चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका अब इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स लीफ नोट कौन कौन से हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है नोड ई e, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है नोड एफ कोई भी चाइल्ड नहीं है नोट जी का भी कोई चाइल्ड नहीं है सी का भी कोई चाइल्ड नहीं है ओके और इसी तरह से नोट आई और जी का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो कौन कौन से लीफ नोट्स हो गए नोट सी ई एफ जी आई एन जी ये सारे क्या होंगे लीफ नोट्स पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं फ्रेंड्स ठीक है लीफ नोट्स को कई बुक्स में एक्सटर्नल नोट भी और टर्मिनल नोट्स भी कहा गया है तो आप इसके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सटर्नल नोट क्या है या टर्मिनल नोट्स क्या है या लीफ नोट्स क्या है ये तीनों एक ही टर्म है लीफ नोट्स कह दीजिए एक्सटर्नल नोट्स कह दीजिए या टर्मिनल नोट्स कह दीजिए तीनों एक ही टर्म को एक ही पॉइंट को डिनोट करते हैं ठीक है नेक्स्ट टर्म इज है लेवल बेसिकली क्या है लेवल ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट्स दी जनरेशन ऑफ अ नोड ठीक है स्टार्टिंग विद द रूट रूट नोड नोड ठीक है को हमने कहा दिस इज दी अ लेवल ठीक है स्टार्टिंग विद लेवल जीरो पर्टिकुलर लेवल है इसके बाद में इसका नेक्स्ट लेवल आएगा देन नेक्स्ट आएगा देन नेक्स्ट आएगा देन नेक्स्ट आएगा ओके okay? तो स्टार्टिंग जो है वो किससे स्टार्ट होगी जीरो से स्टार्ट होगी लेवलिंग की ओके okay? और फ्रेंड्स यहां पर एक बात आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्री है जो अभी जो एग्जाम्पल लिया है उसमें अभी तीन जो है चाइल्ड नोड है बट जो मेरे पास भी ट्री है उसमें क्या है हर एक जितने भी नोड है उसके या तो एक चाइल्ड है जीरो चाइल्ड है या जीरो वन टू चाइल्ड है तो फ्रेंड्स इसका लेवल क्या होगा ये जीरो इसका वन इसका टू और इसका थ्री किसी पर्टिकुलर लेवल में बाइनरी ट्री में मैं बात कर रहा हूं इसमें बाइनरी बाइनरी ट्री ट्री की बेसिकली क्या है जिसके एटमोस्ट टू चाइल्ड हो या तो जीरो चाइल्ड हो या वन चाइल्ड हो या टू चाइल्ड हो ओके okay? ऐसा ट्री क्या कहलाएगा बाइनरी ट्री कहलाएगा ठीक है तो बाइनरी ट्री में किसी पर्टिकुलर लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं यहां पर टू टू दावर एल वेयर एल इज दंबर ऑफ लेवल्स क्या है नंबर ऑफ लेवल्स अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो उसमें लेवल नंबर क्या होती है जीरो अगर आप यहां जीरो रखते हैं तो टू टू दावर जीरो फर्स्ट लेवल में कितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं ओनली वन इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं टू टू पावर वन क्या होगी इसकी वैल्यू टू तो मैक्सिमम नोड्स कितने होंगे यहां पे टू वो यहां पर है सो so, किसी पर्टिकुलर लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं बाइनरी ट्री में उसका फॉर्मूला क्या है टू दावर एल ध्यान रखना फ्रेंड्स ये सिर्फ बाइनरी ट्री में ही अप्लाई होता है किसी अदर ट्री में अप्लाई नहीं होता अगर आप मान लीजिए जो मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल ड्रॉ किया है इस फॉर्मूले को आप यहां लगाना चाहें तो ये अप्लीकेबल नहीं है ओनली बाइनरी ट्री ठीक है सो लेवल हमने देखा स्टार्टिंग जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन लास्ट लेवल तक वो कंप्लीट करेंगे जहां तक भी वो ट्री जा रहा है ठीक है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ द नोड डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स डिग्री ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड एक पर्टिकुलर नोड के कितने हैं वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी अगर मैं नोड ए की बात करूं तो उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं तीन है तो ए की डिग्री कितनी हुई थ्री बी की डिग्री कितनी होगी टू क्योंकि उसके चिल्ड्रन कितने हैं दो है सी की डिग्री कितनी होगी उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो डी के दो हैं तो दो ये सारे लीफ नोट्स हैं तो इन सब की डिग्री क्या हो जाएगी जीरो और इसकी टू सो डिग्री इज द नंबर ऑफ नोट्स ठीक है डिग्री ऑफ नोट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑफ नोट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्र कितने ठीक है अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ ट्री की पहले बात करें हमने डिग्री ऑफ नोट की अब बात करेंगे डिग्री ऑफ ट्री जो पूरा ये जो ट्री जो हमने ड्रॉ किया है इस पूरे ट्री की डिग्री कितनी होगी तो वो क्या होता है फ्रेंड्स द मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड जितने भी हमने यहां पर नोड्स हैं उन सब की पहले आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है वो पर्टिकुलर नोड जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी ठीक है यहां जैसे हम एग्जाम्पल में देखें इस पूरे ट्री में नोड ए की डिग्री कितनी है थ्री है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो इस पूरे ट्री की इस पूरे ट्री की डिग्री कितनी होगी थ्री क्यों क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी इस ट्री uh, में थ्री तो इस नोड की भी पर्टिकुलर पूरी ट्री की डिग्री कितनी होगी थ्री ओके इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स और अभी हमने लास्ट स्लाइड में फ्रेंड्स पढ़ा था एक्सटर्नल नोड्स। ये जस्ट उसके क्या हो जाएंगे अपोजिट आप इंटरनल नोड्स uh, कह दीजिए ठीक है नॉन लीफ नोड्स कह दीजिए एक ही बात है और वहां हमने पढ़े थे एक्सटर्नल नोड्स Leaf nodes या चलिए के के बारे में पढ़ते हैं हैं ठीक है अलावा जितने भी यहां पे nodes आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके कम से कम से कोई ना कोई, कोई एक तो चाइल्ड है ही है तो उन सबको हम क्या कहेंगे दीज आर ऑल इंटरनल नोड्स ओके इंटरनल नोड्स ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल नोड्स और वहां हमने क्या कहा था टर्मिनल नोड्स ठीक है एवरी नॉन लीफ नोड इज एन इंटरनल नोड जितने भी नॉन लीफ जो नोड्स हैं वो सारे क्या है इंटरनल नोड्स हैं जिनका कोई ना कोई क्या है एक चाइल्ड जरूर है उसको हमने क्या कहा दीज आर ऑल दी नॉन लीफ नोड्स कह दीजिए आप नॉन टर्मिनल नोड्स कह दीजिए या उसको हम कहेंगे इंटरनल नोड्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप वीडियो को वापस रिमाइंड करके देखिए आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है आप मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे ट्री टर्मिनोलॉजी में हम नेक्स्ट देखते हैं द डेप्थ नाउ वट इज डेप्थ यहां पर डेप्थ का क्या कंसेप्ट है ठीक है देखिए फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ अ नोट इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोट टू द ट्रीज रूट नोट ठीक किसी पर्टिकुलर नोड uh, में ठीक है टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है कहां तक उसके रूट नोड तक ठीक है ट्री का जो रूट नोड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है वो क्या होगी उस ट्री की पर्टिकुलर डेप्थ उस पर्टिकुलर नोड की डेप्थ ठीक है और ऑब्वियस बात है कि रूट नोड तो फर्स्ट है उसके ऊपर और कोई नोड होगा ही नहीं ठीक है तो रूट नोड की डेप्थ कितनी होगी जीरो और यहां मैंने नोट भी लगा के लिखा है कि द डेप्थ ऑफ रूट नोड इज ऑलवेज जीरो तो ये ट्री का स्टार्टिंग नोड है रूट नोड है तो इस ट्री की डेप्थ कितनी हो जाएगी जीरो ठीक है अगर मैं इस नोड की डेप्थ की बात करूं और मुझे रूट नोड तक जाने के लिए टोटल कितनी एजेस पास आउट करनी पड़ रही है ध्यान रखना फ्रेंड्स उसमें भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए तो वन एंड टू तो इस पर्टिकुलर नोड की डेप्थ कितनी हो गई टू हो गई ओके हमको ऊपर बढ़ना है तब तक जब तक की रूट नोड नहीं आ जाए उससे हम काउंट करेंगे कि उस ट्री की डेप्थ कितनी है ओके okay? हाइट हम हाइट देखते हैं हाइट क्या है फ्रेंड्स हाइट ऑफ अ नोड जो एक पर्टिकुलर नोड की हाइट है वो क्या है द नंबर ऑफ एजेस ऑन लार्जेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू नोड ठीक है ओके मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे इस नोड की हाइट निकालनी है कि इस नोड की हाइट कितनी होगी ठीक है तो मुझे वो पाथ कवर करना है जहां पे मैं लीफ नोड तक पहुंच जाऊं और वो क्या हो मैक्सिमम पाथ हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कवर हो रही हो लीफ नोड तक पहुंचने के लिए ठीक है अब एक हम एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं सपोज मुझे इस नोड की हाइट निकालनी है तो एक पाथ तो ये है जहां तक मैं लीफ नोड तक पहुंच रहा हूं इस नोड से पर्टिकुलर यहां पर गया फिर यहां पर गया तो वन और टू एक हाइट ये हो गई टू एक मैं पाथ ये भी चूज कर सकता हूं इस नोड से यहां पर और यहां पर इस नोड में भी हाइट क्या होगी टू ही होगी और एक पाथ ये चूज कर सकता हूं जिसमें एक पाट यहाँ से फिर देन यहाँ पर और लास्ट लीफ नोड पर इस पर्टिकुलर पाथ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी ट्रेवल्स करनी पड़ी थ्री ट्रेवल्स करनी पड़ी तो एक हाइट क्या होगी थ्री बट इन दोनों में से हमको क्या चूज करनी है मैक्सिमम चूज करनी है ठीक है यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर लिखा है हाइट ऑफ अज नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ हमें लॉन्गेस्ट पाथ क्रवर करना है जिसमें क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कवर हो तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर नोड की हाइट क्या होगी यहां पर Three, two, नहीं होगी ओके okay? वो मैंने यहां पे लिख रखा है इस डायग्राम में आपको आ, देख रहे होंगे जैसे डेप्थ जीरो है और हाइट कितनी है यहां पे थ्री है ओके okay? और एक बात और ध्यान देने की है फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं नोड विल अ हाइट ऑफ जीरो जितने भी लीफ नोड्स हैं, ठीक है थेके? ये सारे लीफ नोड्स हैं, ये और ये इन सब की हाइट क्या होगी जीरो होगी क्योंकि इसमें आगे और कोई नोड नहीं है ये सारे जिनका कोई चाइल्ड ना हो उसे हम क्या कहेंगे लीफ नोड और इनकी हाइट क्या होती है जीरो होती है सो द हाइट ऑफ द ट्री वुड बी दाइएस्ट ऑफ इट्स रूट नोड दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर नोड की हाइट क्या होगी लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर आपको कहा जाए कि उस पर्टिकुलर ट्री की हाइट कितनी है पहले हमने नोड की बात करी थी अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे ट्री की हाइट कितनी है तो आप क्या करिए सिंपल रूट नोड की आप हाइट निकाल दीजिए लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल करके रूट नोड की हाइट निकाल दीजिए वो रूट नोड की हाइट ही क्या होगी पूरे ट्री की हाइट होगी ठीक है सो इस केस में पर्टिकुलर केस में अगर आपको कहा जाए कि रूट नोड की हाइट कितनी है थ्री है ओके इस पूरे ट्री की हाइट कितनी है वो भी क्या होगी थ्री होगी क्यों क्योंकि रूट नोड की हाइट कितनी है थ्री है ओके आप चाहे तो दूसरे नोट्स की भी हाइट निकाल सकते हैं जैसे मैं अगर इस नोड की बात करूं तो ये और ये दोनों तक पहुंचने में मुझे वन वन कार्रेवल करना पड़ेगा तो हाइट कितनी हो गई वन डेप्थ भी वन हो गई ये लीफ नोड है ये भी लीफ नोड है सबकी हाइट कितनी हो जाएगी जीरो जीरो और इस पर्टिकुलर नोड की हाइट क्या होगी लिफ्ट नोड तक तो पहुंचते हैं मुझे दो पार ट्रेवल करने पड़ रहे हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी टू यहां पर एक ही ट्रेवल करना पड़ रहा है तो हाइट कितनी हो जाएगी वन ठीक है सो देट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हाइट और डेप्थ फ्रेंड्स कई मैंने देखा है कि हाइट और डेप्थ को कई कई जगह इक्वल मान रहे हैं बट फ्रेंड्स हाइट और डेप्थ में जैसा मैंने बताया बहुत अंतर है बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों एक नहीं है आप इस दोनों कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों ये हाइट और डेप्थ इक्वल नहीं है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कांसेप्ट ऑफ ट्री जो कि एक कैसा है नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बारे में हमने कुछ ट्रीस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ट्री सो फ्रेंड्स बाइनरी ट्री देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो रियल वर्ल्ड से काफी मतलब रिलेट करती है और उनका मीनिंग भी वही होता है ठीक है तो यहाँ बाइनरी का मतलब है बात है बात तो कई लोग ये समझेंगे कि ऐसा ट्री जिसके अंदर उसके दो चाइल्ड हो लाइक ये तो वो एक बाइनरी ट्री है बट फ्रेंड्स ऑब्वियस बात है आपका कहना सही है ये बाइनरी ट्री है बट कुछ डेफिनेशन जो है वो और इससे ज्यादा डेप्थ में है वो डेफिनेशन क्या है अट्री लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है एट मोस्ट टू चिल्ड्रन यहाँ एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया एटमोस्ट टू का मतलब क्या हो गया जीरो वन और टू ठीक है जीरो वन और टू इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके जीरो चाइल्ड हो लाइक like दिस जिसके वन चाइल्ड हो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है या तो उसके लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट right चाइल्ड हो ठीक है और जिसके दो चाइल्ड हो लाइक दिस जैसा अभी हमने कहा ये, तो ये चारों केसेस जो हैं, ये बाइनरी ट्री से रिलेट करते हैं ये चारों के चारों बाइनरी ट्री हैं। बाइनरी ट्री में ये कंपलसरी नहीं है कि ट्री के दो ही चाइल्ड हों ठीक है लेफ्ट और राइट दो ही चाइल्ड हो जीरो चाइल्ड भी हो सकता है वन चाइल्ड भी हो सकता है या तो लेफ्ट या राइट right या दोनों चाइल्ड हो सकते हैं वो कैसा होगा बाइनरी ट्री होगा ठीक है सो कंसेप्ट आप याद रखिएगा अ ट्री ऐसा ट्री जिसके एटमोस्ट दो चाइल्ड्स हों एटमोस्ट दो चाइल्ड्स हो वो कैसा है बाइनरी ट्री है ठीक है ओके लेफ्ट और राइट दो चिल्ड्रन हो सकते हैं ओके okay? कभी इसमें तीन चाइल्ड नहीं होंगे ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं आएगा जिसमें उसके तीन चाइल्ड हों बेसिकली बाइनरी तो नहीं कहेंगे उसको हम कहेंगे टर्नरी ट्री जिसके एटमोस्ट थ्री चाइल्ड हो जीरो वन टू और थ्री बट बाइनरी ट्री में क्या होगा फ्रेंड्स जिसके दो ही चाइल्ड हो जीरो वन और टू ओके एग्जांपल आपके सामने है ठीक है इसमें जितने भी नोड्स हैं उनके या तो जीरो चाइल्ड है या वन चाइल्ड है, या टू चाइल्ड है इस नोट के टू चाइल्ड है जीरो चाइल्ड है वन चाइल्ड है, ठीक है सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी ट्री ओके नाउ फ्रेंड्स अब बाइनरी ट्री के कुछ टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं कि बाइनरी ट्री किस किस टाइप के होते हैं बाइनरी ट्री का कंसेप्ट आपको पता लग गया कि जिसके एटमोस्ट क्या हो दो चाइल्ड हो दो चाइल्ड हो जीरो वन और टू कोई भी हो तो वो कैसा होगा बाइनरी ट्री होगा फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कि बाइनरी ट्री के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग वाला है नेट पर और कई जगह बुक्स में इसका कंफ्यूजिंग आंसर है न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नहीं समझ में आए तो प्लीज को रिवाइंड करके भी देखिए बार बार देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए फर्स्ट जो टाइप है बाइनरी ट्री का वो है फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ठीक है फ्रेंड्स मैंने यहां पे फुल और स्ट्रिक्टली को एक ही ट्री कहा है ये आप ध्यान रखिएगा फुल बाइनरी ट्री का मतलब ये नहीं है कि जिसके सारे लेवल क्या हो कंप्लीट हो ये फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान रखिएगा ठीक है ऑब्वियस ही बात है ये फुल बाइनरीट्री है बट दिस इज नॉट अ कंपल्सरी केस ठीक है अब बाइनरी ट्री जो स्ट्रिक्टली है या फुल है उसकी डेफिनेशन क्या है वो आप ध्यान से देखिए अ ट्री इन विच एवरी नोड हैज आइदर जीरो और टू चाइल्ड ठीक है कॉल्ड एज फुल्ली बाइनरी बाइनरी ट्री ट्री या स्ट्रिक्टली जिसके क्या हो जीरो चाइल्ड हो या दो चाइल्ड हो वन चाइल्ड का केस कोई केस नहीं होना चाहिए तो वो कैसा है फुल्ली बाइनरी ट्री है ठीक है एग्जाम्पल में यहां पे लिखा है मैंने बस को पढ़ने से पहले एक बार और पॉइंट आप देख लीजिए फुली बाइनरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री फुली एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी है ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स अगर ये वाला एग्जाम्पल देखू मैं तो इस सारे नोड्स में उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या है दो हैं और लीफ नोड में सारे क्या हैं जीरो हैं तो ये फुली बाइनरी ट्री की कंडीशन को फॉलो करता है अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो इस पर्टिकुलर नोड के दो चाइल्ड है इसके भी दो चाइल्ड है और इसके भी दो चाइल्ड है और ये सारे कैसे हैं लीफ नोड्स हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है तो ये भी एक कैसा है फुल्ली बाइनरी ट्री है ठीक है अब फ्रेंड्स एक मैं आपको बात और बता देता हूं कि फुल्ली बाइनरी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में को पहचानने की कंडीशन क्या है कि स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टी में हमेशा नंबर ऑफ जो नोड्स होंगे वो क्या होंगे ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे ऑड नंबर ऑफ नोड्स ठीक है टू एन माइनस वन टू एन इवन नंबर ऑफ नहीं होंगे टू एन माइनस वन होंगे ऑड नंबर ऑफ के नोट होंगे सो so, आप यहां पे काउंट करके देख लीजिए पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक है ऑड है इस ट्री में अगर काउंट करें तो एट फोर ट्वेल्व फोर्टीन और फिफ्टीन कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आप ये एक शॉर्ट तरीका है कि आप पहचान सकते हैं कि फुल्ली बाइनेट्री और स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टलीट्री नंबर ऑफ नोड्स टू एन माइनस वन होंगे या ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे और जितने भी नोड्स हैं उनका जो चिल्ड्रंस है या तो दो होंगे या जीरो होंगे इसके अलावा और कोई केस बनता ही नहीं है तो फुल्ली हमेशा आप ये मत समझिएगा कि सारे लेवल जिसके कंप्लीट हों फुल्ली बाइनरी हो या लेवलिंग जो है एक टर्मिनोलॉजी है ट्री की अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज हमारा लास्ट का वीडियो आप देखें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री ओके फ्रेंड्स सेकंड हम देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री ओके कंप्लीट पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्लीट की डेफिनेशन क्या है ट्री इज कंप्लीट मैनेट्री इफ ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबल इट द लास्ट लेवल लास्ट लेवल का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है उस लास्ट लेवल में सारे नोड आने कंपल्सरी नहीं है बट द इंसर्शन ऑफ नोड नोट का जो इंसर्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल हमेशा उसको कैसी प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट की प्रायोरिटी देनी है ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए लेवल 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 है 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 ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, और ये लेवल थ्री है ठीक है ये लास्ट लेवल है इसके जस्ट जो पहले जो लेवल्स हैं मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक बाइनरी ट्री में एक पर्टिकुलर लेवल पर टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होते हैं टू तो टू दावर एल सो इस पर्टिकुलर लेवल पर मैक्सिमम नोट कितने होंगे वन होंगे वो यहां पर है यहां पर कितने होंगे टू तो टू दावर वन यहाँ एल क्या डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स दो होंगे इस लेवल पर कितने होंगे चार होंगे वो भी हैं और इस लेवल पर कितने होंगे आठ होंगे बट यहां लास्ट लेवल पर कंपलसरी होना जरूरी नहीं है ओके okay? बट उसने एक बात और कही है यहां पे एक कंडीशन और डाली है इंसर्शन जो है नोड का वो कैसा होना चाहिए एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल होना चाहिए मान लीजिए जो लास्ट जो नोड है मैं एक नोड इसमें और एड कर देता हूं यहां पर ठीक है यहां पर मैं एक नोड और एड कर देता हूं तो अब ये कंप्लीट ट्री नहीं है क्यों क्योंकि हमने ये दोनों और ये ये हमने छोड़ दिया है हमने इसका लेफ्ट में इंसर्शन करना चाहिए था प्रायोरिटी हमको लेफ्ट में देनी चाहिए थी बट हमने उसको छोड़ के कहीं राइट right में इंसर्शन कर दिया या अगर मैं इस, इस यहां पे इंसर्शन कर दूँ तो भी इसके क्या है दोनों एम हैं आपको जितना हो सके लेफ्ट में ही इंसर्शन करना है ओके तब तो वो कंप्लीट माइनरेटरी है अदरवाइज वो कंप्लीट बाइनरी नहीं है ठीक है और अगर इसकी बात करूं ठीक है लास्ट लेवल में कंप्लीट हो जाए सारे नोड्स, तो भी कोई बात नहीं वो भी एक कंप्लीट माइनेट्री है और ये एक फुल्ली बाइनरी ट्री भी है ठीक है ये एक फुल्ली बाइनरी ट्री भी है क्योंकि इसमें लास्ट लेवल जो है वो फुल है ओके सो so, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट लेवल लास्ट लेवल के पहले जितने भी सारे लेवल से उन सब का फुल होना कंपल्सरी है और लास्ट लेवल में अगर फुल ना हो तो इंसर्शन हमेशा लेफ्ट एज फार एज लेफ्ट होना चाहिए अगर सारे नोट आ गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री ठीक है आगे बढ़े फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट जो है परफेक्ट बाइनरी ट्री देखिए परफेक्ट नाम से इंप्लीमेंट हो रहा है ठीक है डेफिनेशन अब प्रॉपर आएगी इज इन विच ऑल द इंटरनल नोड्स हैव द टू चिल्ड्रन जितने भी इंटरनल नोड्स उन सब के क्या होने चाहिए दो चाइल्ड होने चाहिए एंड ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल ठीक है सारे सेम लेवल पर होने चाहिए और जितने भी नॉन लीफ जो नोड्स हैं उन सबके दो चाइल्ड होने चाहिए तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे नोड एक ही लेवल पर हैं लीफ नोड और इससे पहले जितने भी नोड्स हैं वो सारे पर्टिकुलर लेवल पर क्या है कंप्लीट है तो उसको हम क्या कहेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री ठीक है कंप्लीट और परफेक्ट में यही फर्क है कंप्लीट में लास्ट लेवल फुल होना जरूरी नहीं है बट परफेक्ट में लास्ट लेवल भी फुल होना जरूरी है सारे एक लेवल पर होने जरूरी है क्योंकि जितने भी नॉन लीफ नोट्स हैं उन सबके दो दो चाइल्ड होना कंपलसरी है ठीक है नेक्स्ट जो कैटेगरी है फ्रेंड्स वो है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ठीक है अब देखिए ऑलमोस्ट का क्या मतलब है बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स एक हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ा है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री सो फ्रेंड्स देखिए ऑलमोस्ट का यहां क्या मतलब है ऑल द लीव्स एट लोवेस्ट ठीक है सारे जो लोवेस्ट है लोवेस्ट कौन सा है ये वाला ठीक है एंड नेक्स्ट टू लोवेस्ट ठीक है ये तो लोवेस्ट हो गया और नेक्स्ट टू लोवेस्ट क्या होगा ये वाला ठीक है लेवल्स ओनली ध्यान रखना सिर्फ वही ठीक है एक्सेप्ट द लोएस्ट लेवल इज फुल ऑल द ऑल एक्सेप्ट द दोएस्ट लेवल इज फुल इन दो के अलावा सारे क्या होने चाहिए फुल होने चाहिए ठीक है नो गैप्स एक्सेप्टेड एट द एंड ऑफ लेवल ठीक है कोई भी गैप अलाउड नहीं है अ परफेक्टली बैलेंस विद लेवल्स एट द लास्ट लेवल ऑल इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन हमेशा इंसर्शन कहाँ करना है लेफ्ट मोस्ट को करना है हमने कंप्लीट पैनेटरी में सिर्फ लास्ट को ही कहा था कि वो कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं है बट हम ऑलमोस्ट में ये कह रहे हैं कि लोवेस्ट और उससे जस्ट वालास्ट ठीक है वो फिल होना कंपलसरी नहीं है बट उससे सारे जितने भी पहले वाले जो लेवल्स हैं वो सारे कंप्लीट होना जरूरी है और इंसर्शन हमेशा नोड्स का कैसा होना चाहिए एस फॉर एस हमेशा लेफ्ट ही होना चाहिए कभी राइट right नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप यहाँ पे जो है इस पोजीशन पर नोड इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि में साफ लिखा है कि आपको इंसर्शन हमेशा लेफ्ट ही करना है और आप नहीं कर सकते ठीक है तो आई थिंक कंप्लीट और ऑलमोस्ट में आपको डिफरेंस क्रिएट uh, हो गया होगा कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है क्योंकि फ्रेंड्स बहुत माइनर लेवल पर जाकर डिफरेंस है आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए आप इसको नहीं समझ में आया है तो इसको बार बार देखिए और डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए एग्जाम्पल ध्यान से देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री हाउ टू रिप्रेजेंट या हाउ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द नोड ऑफ द ट्री इन द मेमोरी कि अगर हम हमारे पास में एक बाइनरी ट्री है और उसको अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो ट्री हो ग्राफ हो लिंक लिस्ट हो स्टैग क्यू कोई भी हो ठीक है हम उसको दो ही तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तो होता है सिक्वेंशल मैनर और एक होता है लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट या मैं अगर कहूँ दूसरे तरीके से एक है स्टैटिक मैनर और एक है डायनामिक मैनर ठीक है अगर आप स्टैटिक मैनर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपको एरे कंसेप्ट यूज़ में लेना पड़ेगा और अगर आप डायनामिक तरीके से स्टोर कर रहे हैं एलिमेंट्स को तो आपको लिंक लिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी कोई ना कोई डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो अब हम ट्री को स्टोर करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके भी दो तरीके होंगे एक होगा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन को एरे रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं लिंकलिस्ट रिप्रेजेंटेशन कह दीजिए या इसको डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं ठीक है तो एक ही बात है दोनों कोई फर्क नहीं है फ्रेंड्स चलिए पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन की ओके okay, बहुत ईजी है दिस इज द रूट नोड टू चाइल्ड बी एंड सी एंड सम मोर चाइल्ड ई एफ और जी ठीक है अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्री को विद द हेल्प ऑफ सिक्वेंशियल और एरे से अगर आपको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे स्टार्टिंग जो रूट नोड है उससे आप इंडेक्सिंग स्टार्ट करें ठीक है इंडेक्सिंग आप सबको बताए कि वो किससे स्टार्ट होती है एरे की जीरो से स्टार्ट होती है ठीक है बाई डिफॉल्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जीरो से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ भी रूट नोड को क्या करेंगे ज़ीरो से स्टार्ट कर देंगे ओके okay? एंड फिर हम बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट आप लेफ्ट साइड पर जाइए स्टार्टिंग कीजिए अगेन वन से जैसे मैंने यहां पे किया है जीरो को आ, जो है रूट नोट पर सेट कर दिया फिर वन फिर टू फिर अगेन उसके सप्री पर आए थ्री फोर अब देखिए फ्रेंड्स कि यहां पर मैं अगर इसकी बात करूं सी का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ओके सी का यहाँ पे कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है सिर्फ उसका क्या है राइट चाइल्ड है तो आप ऐसा ना कीजिएगा कि इसको आप जो है फाइव दे दीजिएगा फोर यहाँ पे नहीं है तो उसको आप फाइव दे दीजिए ऐसा मत करना फ्रेंड्स आपको इसको एज ए करना है कि यहाँ पर एक नोड है बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं है दिस इज़ अ टी नोड ठीक है और उसको भी आपको इंडेक्सिंग देनी है फाइव और एफ पे क्या आ जाएगा सिक्स ठीक है अगेन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट आप स्कैन करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी और डी का कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी नहीं है दोनों क्या है एम टी है इसी तरह से यहाँ एफ का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट सॉरी ई का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट ई e का राइट right चाइल्ड है यहाँ पे ठीक है तो आप इसको एज्यूम करें कि ये एक एम नोड है इसमें कोई वैल्यू नहीं है बट इसको आपको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी है ठीक है इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी है ऐसा नहीं कि आप सिक्स के बाद में डायरेक्ट सेवन जो है इंडेक्स आप जी को दे दें ऐसा नहीं करना है आपको सेवन इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करना है सेवन एट नाइन ये तीनों क्या रहेंगे एम रहेंगे उसके बाद में आप टेन को स्पेस देंगे किसके लिए जी के लिए ओके सो स्टार्टिंग हमने किससे की ए से की और जीरो इंडेक्स पे कौन है नोट ए उसके बाद में बी सी देन डी ई ठीक है फिफ्थ पोजीशन खाली है सी का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो उसको हम एम रहने देंगे यहाँ पे इसमें हम स्पेस फिल नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद में एफ डी का ना तो लेफ्ट है ना ही राइट right है लेफ्ट और राइट right चाइल्ड दोनों ही नहीं है तो उसको हम स्पेस क्या रहने देंगे खाली रहने देंगे इसी तरह से नोड ई e का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इस स्पेस को भी खाली रहने देंगे और नोड ई e का राइट right चाइल्ड है वो कौन सी पोजिशन पर है फ्रेंड्स टेंथ पोजीशन पर है तो हम यहाँ पे जी पुट कर देंगे ठीक है ये बन गया आपके एरे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट टेंथ तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हो गए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर ट्री को सिक्वेंशियल मैनर से अगर रिप्रेजेंट करें मेमोरी में तो कुछ यहाँ पे क्या है मेमोरी का लॉस्ट हो रहा है हमारे पास में यूज्ड स्पेस है बट हम उसको यूज नहीं कर सकते सिक्वेंशियल या स्टैटिक मेमोरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फ्रेंड्स यही है कि अगर आपके पास में लेट्स साइज ट्वेंटी है या फिफ्टीन है और अगर आपके वो एट अ टाइम आपको टेन की या ट्वेल्व की रिक्वायरमेंट है तो रिमेनिंग जो स्पेस है वो क्या रहेगा बिल्कुल एम रहेगा हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते तो सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट है वन टू थ्री फोर फोर ब्लॉक्स जो है वो टोटली एम्प्टी हैं हम उसमें कोई भी नोट इंसर्ट नहीं कर सकते और भी कोई नोट्स आते हैं तो इंडेक्सिंग टेंथ के बाद में स्टार्ट होंगे उससे पहले नहीं होंगे अगर ये स्पेस रिमेनिंग है तो हाँ अगर यहाँ पे नोट आप इंसर्ट कर देते हैं तो एक बात अलग होती है ठीक है बट हर केस में ये पॉसिबल होता नहीं है नोट कोई ना कोई ऐसी पोजिशन तो होगी नहीं कि हमेशा वो परफेक्ट बाइनरी ट्री बने कोई भी दूसरा ट्री भी बन सकता है वहाँ पर स्पेस रिमेनिंग भी रह सकती है तो इस वजह से सिक्वेंशियल जो रिप्रेजेंटेशन है या एरे रिप्रेजेंटेशन है उसमें मेमोरी का कुछ ना कुछ जो है पुअर यूटिलाइजेशन होता है ओके okay फ्रेंड्स अब हम जो नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ट्री uh, को मेमोरी स्पेस देने के लिए वो है लिंकलिस्ट रिप्रेजेंटेशन लिंकलिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या करना है एज वी ऑल नो हम सबको पता है मैंने लिंकलिस्ट का चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कहा था लिंकलिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोट्स ठीक है जो भी नोट्स हैं उनकी क्या है एक चेन है कलेक्शन है उनकी एक सीरीज है उन सबको एक सीरीज को हम क्या कहेंगे लिंकलिस्ट कहेंगे ठीक है सिंगली लिंक लिस्ट में हर नोड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता था और डबली लिस्ट में नोड तीन पार्ट्स में डिवाइड होता था तो कुछ कंसेप्ट सेम यहाँ पर भी है अगर आपको ट्री को बाइनरी ट्री को लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे कि ईच एंड एवरी नोड इज डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट्स तीन पार्ट में वो नोड डिवाइड होगा फर्स्ट जो पार्ट है वो लेफ्ट पॉइंटर को डिनोट करेगा लेफ्ट या मतलब मैं कहूँ तो राइट लेफ्ट चाइल्ड को डिनोट करेगा लेफ्ट चाइल्ड का जो एड्रेस होगा वो इस पार्ट में सेव होगा देन उसका डेटा पार्ट उसकी वैल्यू नोड की वैल्यू और राइट right पॉइंटर जो राइट right चाइल्ड है उसका एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर करके रखेगा ठीक है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा बहुत सिंपल है नाउ स्टार्टिंग विद द रूट नोड हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे ठीक है ये आपका पहला नोड है नोड ए ठीक है देन ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये इसका राइट चाइल्ड ठीक है लेफ्ट में किसका एड्रेस होगा मान लीजिए इस पर्टिकुलर नोट का एड्रेस 100 है इसका 102 इसका 104 ठीक है अगेन ये हम और नोट बना लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोट का एड्रेस लेट से 106 है इसका वन जीरो एट इसका सिर्फ राइट right चाइल्ड ही है सी का इसका कहते हैं हम वन जीरो टेन और नोट जी जो है नोट जी इसका राइट right चाइल्ड का एड्रेस है और इसको हम मान लेते हैं वन वन टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व ठीक है अब जैसा मैंने कहा कि नोट पर्टिकुलर दिस ये नोट है आप इसमें आप डेटा फॉल डेटा जो है उसको फिल कर दीजिए बी सी डी ई एफ और लास्ट में ये नोट जी ठीक है ओके नोट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है लेफ्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा लेफ्ट चाइल्ड का वो कितना है फ्रेंड्स वन जीरो टू और राइट चाइल्ड का एड्रेस किस में होगा राइट पॉइंटर में सेव होगा वो कितना है वन जीरो फोर ठीक है इसी तरह से नोट बी के जो लेफ्ट जो चाइल्ड है उसका एड्रेस है वन जीरो सिक्स और इसका एड्रेस है वन जीरो एट ओके नोट सी में उसका लेफ्ट नोट कुछ भी नहीं है ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें यहां पे क्या आएगा नल पॉइंटर नल एड्रेस कुछ भी डिनोट नहीं होगा कोई भी एक वैलिड एड्रेस नहीं होगा तो आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह से नोड सी में दुसकर जो उसका जो राइट पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस होगा नोड एफ का वो कितना है वन वन जीरो ठीक है नोड डी लीफ नोड है उसका कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है इस वजह से यहां पे क्या आ जाएगा नल एड्रेस कुछ भी नहीं होगा नोड ई e, उसका लेफ्ट एड्रेस कुछ भी नहीं है नल आ जाएगा राइट right में नोड जी का एड्रेस है वो है वन वन टू नोट एफ जो है वो एक लीफ नोड है उसका ना तो कोई लेफ्ट है और ना ही कोई राइट right है तो यहां पे क्या आ जाएगा नल पॉइंटर आ जाएगा और लास्ट में नोड जी भी एक लीफ नोड है उसका कोई भी लेफ्ट और राइट right चाइल्ड नहीं है इस वजह से यहां पे क्या आ जाएगा नल पॉइंटर नल एड्रेस आ जाएगा कोई भी एक वैलिड एड्रेस स्टोर नहीं होगा अब बात करेंगे हम कि जो स्टार्टिंग जो एड्रेस है जैसे लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग एड्रेस किस में सेव होता है एक स्टार्ट पॉइंटर में सेव होता है जहां से हम लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं उसी तरह से इस पर्टिकुलर ट्री का स्टार्टिंग नोड कौन है रूट नोड वो कौन है नोड ए और नोड ए का खुद का एड्रेस क्या है हंड्रेड तो हम यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल लेंगे आप उसको चाहे तो रूट नोट नाम दे सकते हैं दिस इज जस्ट अ पॉइंटर वेरिएबल ये एक पॉइंटर वेरिएबल है कोई नोड नहीं है फ्रेंड्स दिस इज जस्ट अ वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल ओके okay. और इसमें किसका एड्रेस सेव होगा स्टार्टिंग नोड का ट्री का जो रूट नोड है उसका एड्रेस सेव होगा और वो कितना हमने माना है हंड्रेड तो ये हंड्रेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है ठीक है तो कुछ इस तरह से हम ट्री को लिंकलिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेमोरी पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं कि मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट तरीके से होता है ठीक है यहाँ कोई भी नोट में एक मतलब कोई भी एक एम टी नोट नहीं है सब में कुछ ना कुछ एड्रेस है बट हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ नोट्स में जो है नल एड्रेस भी स्टोर होता है सो मेमोरी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो ऑबियसली बात है कि डायनामिक हमेशा एफिशियंट होती है स्टैटिक नेचर से क्योंकि आप मेमोरी अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं सो so, अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है कि लिंकलिस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है डायनामिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टैटिक से कहीं ज़्यादा बेटर है ओके बट इंसर्शन और डिलीशन परपज़ से बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं कोई कभी लिंकलिस्ट एफिशिएंट होती है कभी एरे एफिशिएंट होता है

इसलिए सर्चिंग के पर्पज से देखें तो लिंक लिस्ट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है एरे फास्ट हो जाता है सो so, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है एज पर आवर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है मेमोरी लेवल पर वैसा हम डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उसको जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना है चाहे वो ट्री हो ग्राफ हो लिंक लिस्ट हो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो फ्रेंड्स प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा कोई आपके सजेशन्स हैं तो वो भी हमें लिख के जरूर भेजिएगा ट्रैवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको दावा करता हूँ कि आज मैं जो आपको ट्रैवर्सिंग के रिलेटेड जो ट्रिक्स बताऊंगा वो शायद ही किसी बुक में होगी और ना ही किसी इंटरनेट पर अवेलेबल होगी तो फ्रेंड्स प्लीज इसको वॉच कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में या कहीं भी आपका जो फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी अगर आपका व्हाट्सएप अगर अकाउंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और इस ट्रिक को जान सकें कि शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास में शॉर्ट अगर टाइमिंग है तो अगर हम, हमारे पास में कोई ट्री है तो उसका हम ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकें तो फ्रेंड्स आइए चल हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो बेस्ड है ट्रैवर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री के ऊपर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जो सेकेंड्स में ट्रैवर्सिंग को सॉल्व कर देगी अगर आपके पास में चाहे बोली कितना भी बड़ा बाइनरी ट्री हो उसको आपको अगर आपको कहे कि आपको उसको ट्रेवरसिंग निकालना है तो आप सेकेंड्स में उसका आप आंसर निकाल देंगे ठीक है फ्रेंड्स चलिए पहले कुछ उसका बेस समझ लेते हैं ट्रैवर्सिंग जैसा कि एक ऑपरेशन है बाइनरी कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ट्रेवरसिंग का मतलब होता है कि वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी नोड एग्जैक्टली वंस हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में जो पर्टिकुलर जो नोड्स हैं वैल्यूज़ हैं उनको एक बार तो विज़िट करना ही करना है ठीक है विजिट करना कह दीजिए एनालिसिस या एक्सेस करना कह दीजिए वो सारे जो टर्म्स है वो ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड है तो बाइनरी ट्री की ट्रेवर्सिंग तीन तरीके से हो सकती है पहला मेथड है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पहला जो ट्रेवर्सल है दूसरा है इन ऑर्डर ट्रेवरसल और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अब इन तीनों का आपको सीक्वेंस याद रखना है कि इनका बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है और इन्हीं सीक्वेंस के बेस पर ये तीन क्लासिफिकेशन किए गए हैं सो so, पहला जो सीक्वेंस है प्री ऑर्डर उसमें सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट करेंगे उसके बाद में उसके लेफ्ट सप्ट्री को और उसके बाद में उसके राइट right सेप्ट्री को विजिट करेंगे ठीक है ये रिकर्जिव कॉल है फ्रेंड्स ओके देन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले हम लेफ्ट सप्ट्री को विजिट करेंगे उसके बाद में उसके रूट नोड को देन राइट सप्ट्री को विजिट करेंगे ठीक है और लास्ट केस में पहले हम लेफ्ट सेप्ट्री को विजिट करेंगे देन राइट सेप्ट्री को और देन लास्ट रूट नोड को ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवरजल प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम रूट नोड को विजिट करेंगे उसके बाद में लेफ्ट सेप्ट्री को उसके बाद में राइट सेप्ट्री को फ्रेंड्स कई बुक्स में या इंटरनेट पर जो भी आपको ट्रिक्स दे रखी हैं या जो मेथड दे रखा है वो रिकर्जिव मेथड है रिकर्जन से आप इसको सॉल्व करेंगे बट मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप सेकंड्स में कोई भी ट्री दे रखा हो बाइनरी ट्री दे रखा हो तो आप उसका प्री पोस्ट और इनऑर्डर ट्रैवर्सल्स बहुत ही आसानी से और सेकंड्स में आंसर निकाल सकेंगे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको मैंने वन टू थ्री ट्रिक नाम दिया है यहाँ वन टू थ्री का बेसिकली मतलब क्या है देखते हैं फ्रेंड्स तीन टर्म है हमारे पास में पहला है रूट दूसरा है लेफ्ट सब ट्री और तीसरा है राइट सब ट्री मैंने कहा रूट को वन लेफ्ट को कहा टू और राइट को कहा थ्री रूट मतलब टू तो प्रिंट द नोड ठीक है तो आप क्या करिए फ्रेंड्स कि हर नोड के ऊपर वन टू थ्री लिख दीजिए मैं आपको बुक का मेथड नहीं बता रहा हूं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आप सेकंड्स में आंसर कैसे निकाल सकते हैं आप हर नोट के ऊपर क्या कर दीजिए वन टू थ्री लिख दीजिए ओके नाउ हमें स्टार्टिंग किससे करनी है हमेशा रूट नोट से करनी है सबसे पहले नंबर क्या है यहाँ पे रूट नोट पे वन वन को आप कैंसिल करिए और देखिए कि यहां वन का मतलब क्या है वन का मतलब है नोट को हमें क्या करना है प्रिंट करना है तो आप नोट को प्रिंट कर दीजिए ए ठीक है देन टू को क्रॉस करिए और देखिए टू का मतलब क्या है टू का मतलब है लेफ्ट जाना है तो ट्रू को क्रॉस करके आप लेफ्ट पे चले जाइए देन अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है वन वन को क्रॉस कीजिए वन का मतलब क्या है प्रिंट कर दीजिए नोट को हमने प्रिंट कर दिया ठीक है टू का मतलब है लेफ्ट क्रॉस करिए लेफ्ट पे चले जाइए ओके देन वन वन अगेन आया है वन का मतलब क्या है नोट को प्रिंट करना सो so, डी को आप प्रिंट कर दीजिए टू का मतलब है लेफ्ट पे चले जाइए क्या कोई नोट नोट डी का कोई लेफ्ट है क्या नहीं है सो so, इसको क्रॉस कर दीजिए लेफ्ट पे हमें जाना ही नहीं है तो अब हाँ, किसको नंबर को प्रोसेस करना है थ्री को थ्री में देखिए कोई इसका राइट है क्या थ्री का मतलब क्या है टू गो टू राइट कोई राइट नहीं है कैंसिल कर दीजिए इस डी दी के तीनों नंबर कैंसिल हो गए हैं कोई बात नहीं होने दीजिए आप कोई नंबर कैंसिल आउट होने के लिए नहीं है आप डी पर नोड कहाँ से आए थे डी पर कहाँ से आए थे आप नोट बी से आए थे तो वापस अगेन नोट बी पर आप जम्प कर लीजिए क्या बी के तीनों नंबर कैंसिल हो गए हैं नहीं हो गए हैं थ्री इसका रिमेनिंग है थ्री so को क्रॉस कीजिए थ्री का मतलब क्या है राइट पे जाना है चले जाइए राइट पे फर्स्ट यहां आ रहा है नंबर फर्स्ट ई मतलब प्रिंट कर दीजिए हम प्रिंट कर देंगे टू और थ्री का मतलब है लेफ्ट राइट नोड ई e का कोई लेफ्ट राइट right नहीं है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए ठीक है सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं नोड ई पर हम कहाँ से आए थे नोड बी से नोड बी के तीनों नंबर कैंसिल हो चुके हैं ओके देन वापस बैक ट्रैक करेंगे बैक ट्रैक में हम नोड uh, बी से कहाँ से आए थे नोड ए पर आए थे ए से आए थे क्या ए के नंबर तीनों कैंसिल हो चुके हैं नहीं ए का वन और टू कैंसिल हो गया है थ्री कैंसिल नहीं हुआ है तो थ्री को कैंसिल कर दीजिए और राइट पर जाइए राइट पर जाएंगे वन मतलब टू प्रिंट द नोड सी सी प्रिंट कर दीजिए टू मतलब गो टू द राइट इसका कोई राइट right नहीं है सॉरी लेफ्ट नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए थ्री 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 का मतलब राइट कैंसिल कीजिए राइट पे जाइए ओके वन okay. का मतलब टू प्रिंट नोड एफ को प्रिंट कर दीजिए टू और थ्री का मतलब लेफ्ट और राइट right कुछ नहीं है लेफ्ट और राइट right एफ का नोड नोड एफ का लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं इसका मतलब हमारी ट्रेवर्सिंग भी पूरी हो चुकी है और यही जो हमने लिखा है इस ट्री का क्या है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्या है फ्रेंड्स प्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल में सबसे पहले हम रूट नोट को प्रिंट करते हैं उसके बाद में उसके लेफ्ट सब ट्री को और उसके राइट सब ट्री को तो इसी ऑर्डर में हमने ये ट्रेवर्जल निकाला है ठीक है तो आई थिंक आपको ये ट्रिक बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तब आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे मैंने यहाँ एक और एग्जाम्पल लिखा है मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसमें यहाँ पे जो है तीन चार नोट्स थे चार पांच नोट्स थे यहाँ पर मैंने नोट्स ज़्यादा लिए हैं ताकि एक एग्जाम्पल आपके माइंड में और आ जाए और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें और दूसरे एग्जाम्पल बुक से आप प्रेफर करके सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम ये वन टू थ्री ट्रिक अप्लाई करते हैं कोई बुक का मेथड हम फॉलो नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं अब फ्रेंड्स मैं इसको फास्टली सॉल्व करूंगा आप देखिएगा ठीक है फास्टली अभी तक मैंने इस एग्जांपल में आपको बहुत आ, स्टेप बाय स्टेप बताया था बट इस एग्जांपल में मैं थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करूंगा ताकि आप बहुत ध्यान से देखें और ट्राई ये करें कि आप भी इस मेथड को अपने जहन में लाएं और फास्टली सॉल्व करें ओके ताकि कंपिटिटिव एग्जाम में हमारा जो टाइमिंग है वो बचे क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम आप टाइम पीरियड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी रिमेनिंग टाइम में अगर आप उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आपके ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप शायद एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँ सो फ्रेंड्स देखते हैं मैं इसको फास्टली सॉल्व करता हूँ वन कैंसल नोड टू गो टू द राइट देन अगेन बी लेफ्ट सॉरी लेफ्ट पे जाना है कैंसल डी लेफ्ट कैंसल जी कैंसल तीनों कैंसिल हो जाएंगे जी के बाद में के ओके देन यहां पर हम राइट में जाएंगे इसका राइट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स देन अगेन यहां पर राइट में जाएंगे कैंसल कैंसिल एच ठीक है तीनों कैंसिल हो जाएंगे एल ठीक है देन उसका राइट right, तीनों कैंसिल हो जाएंगे एम ठीक है एम से एच एच से डी डी से बी बी का कोई राइट right नहीं है तीनों कैंसिल हो जाएंगे ठीक है देन थ्री राइट वन सी ठीक है टू गो टू द लेफ्ट लेफ्ट है इसका ई e, ठीक है तीनों कैंसिल हो जाएंगे सी का कोई राइट right नहीं है ओके चलिए ये आ गया आंसर ईजी है फ्रेंड्स बहुत ईजी है आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपके भी माइंड में आ जाएगी अब देखिए फ्रेंड्स इतना बड़ा ट्री था ठीक है सारे नोड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन और टेन सारे नोट्स आ चुके हैं और वो उसी ऑर्डर में है जो हमें प्री ऑर्डर हमने कहता है कि पहले आप रूट नोड कंसिडर करो ये हमारा रूट नोट है फिर आप लेफ्ट सब ट्री पर जाओ ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है ये आपका रूट नोड, ये आपका लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री ठीक है तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में हमने उन नोट्स को प्रिंट किया है बट फ्रेंड्स इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी जो ये ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर सब ट्री पर भी वही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए जो हमने यहां से रूट uh, नोट से फॉलो किया है ठीक है तो आप इस ट्रिक को रेगुलरली अप्लाई करें तो आपके भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी फास्टली इसको सॉल्व कर सकेंगे मेरे हिसाब से uh, कोई भी जितना भी मैंने पढ़ा है देखा है उसमें इससे फास्ट और कोई ट्रिक नहीं हो सकती आप एग्ज़ाम में बहुत फास्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ट्रैवर्सल के ऊपर एक क्वेश्चन तो जहाँ डी से पूछा गया वहाँ पर आता ज़रूर है ठीक है तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत जो है बेनिफिशियल रहेगा बहुत बेनिफिशियल है आप इसको फ्रेंड्स में मैंने जैसा कहा कि इसको जितना हो सके मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए जो कि की जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकें और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से लेकर और इस ट्रिक से लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर निकालेंगे और भेजेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्जल लास्ट के वीडियो में मैंने आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल करवाया था और उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको समझाई थी मैंने उस ट्रिक से आप कितना भी बड़ा ट्री हो बाइनरी ट्री हो उस आपको इनऑर्डर आप पता कर सकते हैं डेट इज कॉल्ड एज ट्रिक और उसी ट्रिक से आज हम फ्रेंड्स इन ऑर्डर ट्रेवर्जल निकालेंगे किसका बाइनरी ट्री का तो फर्स्ट पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनऑर्डर ट्रेवर्जल का सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है जो हमें फॉलो करना है सबसे पहले फ्रेंड्स हम ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को देन रूट नोट को और लास्ट राइट सब ट्री को तीनों ट्रेवर्सल के जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि प्री ऑर्डर का जो ट्रेवर्सल होता है सबसे पहले हम रूट नोट को ट्रेवर्स करते हैं देन लेफ्ट सब ट्री को और देन राइट right सब ट्री को इनऑर्डर ट्रेवर्सल में फ्रेंड्स हम पहले लेफ्ट सप्टरी को ट्रेवर्स करेंगे फिर रूट नोट को और लास्ट में राइट सप्ट्री को और जो ये सीक्वेंस है इसी के बेस पर हम इसकी नंबरिंग भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे ओके okay? जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी सो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वीडियो में वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले रखे हैं जिस जिसके लिए हमने उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाला था आज हम इसका इनऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स ट्रिक दैट इज वन टू थ्री अब यहां वन नंबर हम किसको देंगे लेफ्ट सब ट्री को डेट इज लेफ्ट टू देंगे हम रूट नोट को रूट नोट मींस वी हैव टू प्रिंट हमें उस नोट को प्रिंट करना है और थ्री देंगे हम राइट right को ठीक है पहले हमने प्री ऑर्डर में वन किसको दिया था रूट नोट को टू हमने लेफ्ट सब ट्री को थ्री हमने राइट right सब को बट यहां ट्रेवर्सल के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे पहले मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ये सॉल्व कराऊंगा सेकेंड आपको ये सॉल्व करवाऊंगा ठीक है तो प्रोसीजर आपको पता है फ्रेंड्स हर नंबर के ऊपर आप वन टू थ्री लगा दीजिए ठीक है ना स्टार्ट विद द रूट नोड हमें हमेशा रूट नोड से ही स्टार्ट करना है क्योंकि मैंने आपको फ्रेंड्स पहले बताया है कि ट्री का एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं रूट नोड द ओरिजिन नोड ऑफ द ट्री ठीक है उसी से ही हमें ट्री ट्री की स्टार्टिंग करनी है सो so फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं रूट नोट से रूट नोट में फर्स्ट क्या आ रहा है वन और वन का मतलब यहाँ पे क्या है गो टू द लेफ्ट तो सबसे पहले आप लेफ्ट में चले जाइए कैंसिल कीजिए लेफ्ट में चले जाइए देन यहाँ भी आ रहा है वन कैंसिल कीजिए लेफ्ट में चले जाइए यहाँ भी आ रहा है वन कैंसिल कीजिए इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो हम जाएंगे इसके टू के ऊपर टू का मतलब क्या है रूट नोट रूट नोट का मतलब प्रिंट करो तो हम कैंसिल कर देंगे नोट डी को हम प्रिंट कर देंगे थ्री मतलब गो टू द राइट क्या इस डी का कोई राइट नोड है नहीं है ओके okay. हम डी पर कहाँ से आए थे नोड बी के थ्रू तो हम बैक ट्रैक करके नोड बी पर चले जाएंगे ओके वन कैंसिल हो चुका है टू डेट इज नोड को क्या करना है प्रिंट करना है तो टू को कैंसिल कीजिए नोड को प्रिंट करा दीजिए बी और थ्री का मतलब क्या है गो टू द राइट कैंसिल कीजिए राइट पे चले जाइए वन इसका कोई लेफ्ट नोड नहीं है नोड ई e का कोई लेफ्ट नोड नहीं है कैंसिल कर दीजिए टू मतलब नोड को आप प्रिंट कर दीजिए और थ्री इसका कोई राइट right नोड भी नहीं है ठीक है नोड ई पर हम नोड बी से आए थे यहां हमको बैक ट्रैकिंग करनी है ठीक है और नोड बी पर हम नोड ए से आए थे यहां भी हमको क्या करनी है बैक ट्रैकिंग करनी है ठीक है नोड ए का वन कैंसिल हो चुका है हम जाएंगे नोड सॉरी नंबर टू के ऊपर तो क्या है उसका नंबर टू नोट ए को प्रिंट कर दीजिए ये हमारा नोट ए है थ्री का मतलब क्या है नंबर थ्री मतलब गो टू द राइट कैंसिल कीजिए राइट पे चले जाइए वन वन मीन्स लेफ्ट नोट सी का कोई लेफ्ट नोड नहीं है कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ओके okay, कैंसिल कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है टू टू मीन्स टू प्रिंट द नोड नोड को प्रिंट कर दीजिए सी को कैंसिल कर दीजिए ठीक है और लास्ट क्या है थ्री थ्री का मतलब राइट पे चले जाइए राइट पे आ गए हम कैंसिल करके वन नोड एफ का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है नोड टू सॉरी सेकंड जो पॉइंट है उसको हमने कैंसिल कर दिया वो कह रहा है नोड को प्रिंट कर दो प्रिंट कर दिया हमने और नंबर थ्री मतलब उसका कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे सारे नंबर यहाँ पे सारे नोट्स के कैंसिल हो चुके हैं कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं है तो हमारी ट्रेवर्सिंग अब पूरी हो गई है और यही हमारा क्या है फ्रेंड्स आंसर है दिस पर्टिकुलर ट्री का ये क्या है इन ऑर्डर ट्रेवर्जल इन ऑर्डर ट्रेवर्जल में आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स सीक्वेंस क्या है पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है तो ये रहा आपका लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट सप्ट्री के अंदर कौन कौन से नोड है डी बी और ई e. विजिट कर लिए हमने फिर हमें किसको विजिट करना है रूट नोड को ये आपका रूट नोड दिस इज लेफ्ट सब ट्री ये आपका रूट नोड और ये आपका राइट सब ट्री ठीक है बिल्कुल इसी ऑर्डर में हमने इस नोड का इनऑर्डर हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ मेथड या स्टैक के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इस शॉर्ट ट्रिक से आप वेरी इजिली सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या कोई भी रिटर्न स्टेट यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए ट्रिक बहुत बेनिफिशियल रहेगी आइए फ्रेंड्स अब हम सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट करना है सबसे पहले आप हर नोट पे वन टू थ्री लगा दीजिए वन टू थ्री ट्रिक ओके देन वन टू थ्री सारे नोट्स पे हमने वन टू थ्री ट्रिक अप्लाई कर दी है नाउ हमें हमेशा किससे स्टार्ट करना है फ्रेंड्स रूट नोट से स्टार्ट करना है ओके सो रूट नोट से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वन वन का मतलब क्या है गो टू द लेफ्ट ठीक है आप लेफ्ट पे चले जाइए कैंसिल कर दीजिए और लेफ्ट नोट पे चले जाइए अगेन वन गो टू द लेफ्ट अगेन वन गो टू द लेफ्ट अगेन वन लेफ्ट और लास्ट में यहाँ पे लेफ्ट पूरे लेफ्ट पे आ गए हम कैंसिल करके नोट के का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम यहां पे ही रुक जाएंगे अब हम जाएंगे नंबर टू के ऊपर नंबर टू कहता है कि नोट को प्रिंट करो अकॉर्डिंग टू द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने के को प्रिंट कर दिया ठीक है इसका कोई राइट right चाइल्ड भी नहीं है कैंसिल कीजिए नोट के पर हम कहाँ से आए थे जी के थ्रू जी को कैंसिल कीजिए नंबर टू प्रिंट कर दीजिए नोट जी का कोई राइट right चाइल्ड नहीं है इसको भी कैंसिल कर दीजिए ठीक है तीनों नंबर कैंसिल हो गए नोट जी पर हम कहाँ से आए थे नोट डी के थ्रू डी कहता है एक वन नंबर कैंसिल हो चुका है टू कैंसिल करना बाकी है कैंसिल कर दिया हमने टू प्रिंट्स टू तो प्रिंट द नोड सो डी थर्ड कह रहा है आपसे रा, राइट में जाइए थ्री को कैंसिल कर दीजिए और राइट में चले जाइए वन गो टू तो द लेफ्ट ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे एल आएगा फिर टू एच लास्ट में राइट पर चले जाइए ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो एम एम पर हम कहाँ से आए थे नोड एच के थ्रू नोट एच पर हम कहाँ से आए थे नोट डी के थ्रू नोट डी पर हम कहाँ से आए थे नोट बी के थ्रू सो नोट बी में टू कैंसिल नहीं हुआ है कैंसिल कर दीजिए और नोट बी को प्रिंट कर दीजिए नोट बी का कोई राइट right साइड है क्या नहीं है सो so, कैंसिल कर दीजिए तीनों कैंसिल हो चुके हैं नोट बी पर हम नोट किसके किस नोट के, कि, के थ्रू आए थे नोट ए के थ्रू बिल्कुल तो ए को आप कैंसिल कर दीजिए और नोट ए को आप प्रिंट कर दीजिए देन अगेन A का कोई राइट चाइल्ड है क्या बिल्कुल है कौन है नोट सी नोट सी के ऊपर जम्प कर लीजिए देन वन वन कहता है गो टू तो द लेफ्ट लेफ्ट पे चले जाइए तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये लीफ नोड है नोट ई e को प्रिंट कर लीजिए लास्ट में सी को भी हम प्रिंट कर लेंगे और सी का कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ सारे नंबर कैंसिल हो गए हैं हर नोड के हर नंबर कैंसिल हो गए हैं तो हमारा ट्रेवर्जल यहाँ पे पूरा हो गया है सो दिस इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ठीक है ऑफ दिस बाइनरी ट्री अब आप, आप यहां ध्यान से देखें तो यह पूरा जो पोर्शन है इसमें सारे लेफ्ट सबट्री के नोड्स हैं ठीक है थीके? ये आपका रूट नोड है गया, और ये सारे राइट right सबट्री के नोड्स हैं तो जो इन ऑर्डर का सीक्वेंस जो होता है कि पहले हमें लेफ्ट सबट्री विजिट करना है उसके बाद में रूट नोड को विजिट करना है देन हमें राइट right सबट्री को विजिट करना है बिल्कुल उसी ऑर्डर में हमने इन नोट्स का ट्रेवर्जल निकाला है सो so, फ्रेंड्स ये ट्रिक आप रेगुलरली अप्लाई करते रहिए ताकि आप इस ट्रिक के लिए मास्टर बन जाए और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो जहाँ हमें बाइनरी ट्री का अगर ट्रैवर्सल निकालना हो तो आप ये इजिली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और इन द सेकेंड्स आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इनऑर्डर ट्रेवर्जल और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कंप्लीट करवाया था और उसके ऊपर दोनों ट्रेवर्जल के ऊपर शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आज फ्रेंड्स आज के वीडियो में वही शॉर्ट ट्रिक अगर हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाए तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आज सिखाऊंगा सो फ्रेंड्स पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल का सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल में हम लेफ्ट सेप्ट्री को विजिट करेंगे उसके बाद में राइट right सेप्ट्री को और सबसे एंड में हम विजिट करेंगे रूट नोड को ठीक है पहले लेफ्ट सबट्री जो भी रूट नोड का जो लेफ्ट सबट्री वाले जितने भी नोड्स हैं उनको जो है विजिट करना है फिर राइट right सबट्री के नोड्स को और सबसे लास्ट में रूट नोड को फ्रेंड्स प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक ऐसा ट्रैवर्सल है जिसमें हम रूट नोड ट्री में कौन सा है वो पता लगा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन है ठीक है तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्जल में जो सबसे फर्स्ट जो, जो, जो नोड होगा वो ट्री का रूट नोड होगा और इसी तरह से पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल में जो ट्रेवर्जल आपको गिवन है उसमें जो सबसे लास्ट का जो नोड होगा वो ट्री का रूट नोड होगा ठीक है इसके ऊपर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा सो so फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि अगर ट्री आपको गिवन है बाइनरी ट्री आपको गिवन है और उसका आपको कह दिया जाए पोस्ट ऑर्डर निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे हमारे पास में रिकर्सिव और स्टैक uh, मेथड है बट फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवा रहा हूँ जिसके थ्रू आप सेकेंड्स uh, में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक वही है वन टू थ्री बट यहाँ हम वन किसको देंगे लेफ्ट सब ट्री को सो दिस इज माई लेफ्ट सब ट्री सेकेंड हम देंगे राइट सबट्री ट्री को और लास्ट में हम देंगे थ्री दैट इज रूट नोड रूट नोट हमें मतलब नोट को प्रिंट करना है ठीक है सो ट्री गिवन है आप सारे नोट्स के ऊपर वन टू थ्री लगा दीजिए और हमें स्टार्ट किससे करना है रूट नोट से मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि ट्रेवलिंग हमेशा रूट नोट से स्टार्ट होती है ऐसा नहीं कि आप कहीं मिडिल से स्टार्ट कर लें या लीफ नोड से स्टार्ट कर लें क्योंकि रीजन ये है कि ट्री में हमेशा एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है और वो होता है रूट नोट तो हमें स्टार्टिंग भी कहाँ से करनी है रूट नोट से ही करनी है सो फ्रेंड्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में वन किसको डिनोट कर रहा है कि हमें लेफ्ट में मूव करना है सो कैंसिल कीजिए वन को और लेफ्ट में मूव कर दीजिए अगेन कैंसिल कीजिए वन को और लेफ्ट न मूव कर दीजिए ठीक है अगेन कैंसिल कीजिए वन को लेफ्ट न मूव कर दीजिए बट डी नोट डी का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है सो so हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे सेकेंड क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स कि डी का कोई राइट right चाइल्ड है क्या ठीक है बट इस डी का कोई राइट right चाइल्ड भी नहीं है कैंसिल कर देंगे और लास्ट थ्री क्या डिनोट कर रहा है कि डी रूट नोट को प्रिंट आप कर दीजिए सो so हम इसको प्रिंट कर देंगे कैंसिल कर दीजिए हम नोड डी के ऊपर कहां से आए थे नोड बी से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बैक ट्रैकिंग सो so, वापस बी के ऊपर चले जाइए आप टू को कैंसिल कर दीजिए टू का मतलब क्या है गो टू द राइट आप राइट right में चले जाइए ठीक है तीनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे नोड ई e को आप प्रिंट कर लीजिए क्योंकि नोड ई e क्या है एक लीफ नोड है नोड ई e पर हम कहा से आए थे फ्रेंड्स नोड बी से ठीक है बैक ट्रैकिंग करेंगे वापस से नोट बी का नंबर थ्री अभी कैंसिल नहीं हुआ है और नंबर थ्री नोट कर रहा है कि रूट नोट रूट नोट मीट्स प्रिंट कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और नोट को प्रिंट कर दीजिए ठीक है देन नोट बी पर हम नोट ए के थ्रू आए थे ए ये कह रहा है वन इसका कैंसिल हो चुका है टू को कैंसिल कर दीजिए टू का मतलब गो टू द राइट आप राइट right पर चले जाइए वन मतलब गो टू द लेफ्ट यहाँ पर इसका कोई लेफ्ट नहीं है देन सेकेंड गो टू द राइट कैंसिल कीजिए राइट पे चले जाइए एफ एक लीफ नोड है हम तीनों इसको नंबर को कैंसिल कर देंगे एफ प्रिंट कर देंगे ठीक है हम नोड एफ पर कहा से आए थे नोड सी के थ्रू नोड सी का भी नंबर थ्री कैंसिल नहीं हुआ है सो so, नोड सी को हम कैंसिल करेंगे सॉरी थ्री को कैंसिल करेंगे और नोट सी को प्रिंट कर देंगे नोट सी पर हम कहाँ से आए थे नोट ए के थ्रू नोट ए का नंबर थ्री अभी कैंसिल नहीं हुआ है और नंबर थ्री ये डिनोट कर रहा है कि नोट को आप प्रिंट कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और लास्ट नोट ए को प्रिंट कर दीजिए सारे नोट्स के सारे नंबर कैंसिल हो चुके हैं तो ट्रेवर्जल भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है अब आप इस ट्रेवर्जल को ध्यान से देखिए सारे जितने भी जो लेफ्ट सबट्री वाले नोड हैं वो पहले आ रहे हैं ये देखिए ये लेफ्ट सबट्री वाले नोड है ये राइट सप्ट्री वाले नोड्स हैं और ये हमारा क्या है इस ट्री का रूट नोड ठीक है तो जो हमें ट्रेवर्जल पोस्ट ऑर्डर का पता है कि सबसे पहले हमें लेफ्ट को विजिट करना है उसके बाद राइट सबट्री right को रूट उसी में हमने इस को फाइंड आउट किया है okay? so, is, is अगर आप फ्रेंड्स यहां पर स्टैग और रिकर्सिव मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो शायद कम लगे बट फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सो so, मेरी ये उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को अपनी हैबिचुअल बनाएं और जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई करें और जितना हो सके फ्रेंड्स अपने और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में और कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स आइए हम अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है उसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं ये सिंपल एग्जाम्पल था अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे सारे नोट्स पर हम वन टू थ्री ट्रिक अप्लाई कर देंगे ओके ओके okay? okay, हमने अप्लाई कर दिया अब थोड़ा सा मैं फास्टली कैलकुलेशन करूंगा फ्रेंड्स सो वन का मतलब है लेफ्ट पे चले जाइए तो सारे वन कैंसिल हो जाएंगे और हम लास्ट नोड जो ली लीफ नोड है उस पे हम पहुंच Second, right है. Three, मतलब, पर हम पहुँच जाएंगे सेकेंड इसका कोई राइट नोड नहीं है थ्री मतलब नोड को आप प्रिंट कर दीजिए मैंने प्रिंट कर दिया ठीक है के पर हम नोड जी के थ्रू आए थे कैंसिल कर दीजिए बट इसका कोई राइट right नोड नहीं है अगेन थ्री कैंसिल हो जाएगा जी प्रिंट हो जाएगा टू राइट right पे जाना है हमें राइट right पे हम चले जाएंगे लेफ्ट लेफ्ट ओके तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये लीफ नोड है के एल प्रिंट हो जाएगा अगेन कैंसिल कीजिए नोड एम को आप लास्ट में प्रिंट कर दीजिए राइट right पे हम चले गए हैं देन थ्री को कैंसिल कर दीजिए एच को प्रिंट कर दीजिए एच एम के थ्रू हम एच से आए थे एच पर हम डी के थ्रू आए थे तो नोड डी का नंबर थ्री कैंसिल नहीं हुआ है उसको आप कैंसिल कर दीजिए और नोट डी को आप प्रिंट कर दीजिए ठीक है अगेन टू कैंसिल नहीं हुआ है टू का मतलब राइट चाइल्ड बट बी का कोई राइट right चाइल्ड नहीं है हम टू कैंसिल करके वापस थ्री कैंसिल कर देंगे और बी को प्रिंट कर देंगे देन टू गो टू द राइट आप राइट right पे जाइए कैंसिल ठीक है कैंसिल हो जाएगा बट गो टू द लेफ्ट लेफ्ट पे चले जाइए आप कैंसिल करके तीनों कैंसिल हो जाएंगे नोट ई प्रिंट हो जाएगा ठीक है इसका कोई राइट right चाइल्ड नहीं है फ्रेंड सी का सी प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में सी पर हम ए के थ्रू आए थे थ्री को कैंसिल कर दीजिए और ए आप प्रिंट कर लीजिए सो फ्रेंड्स ये सारे जो नोट्स हैं यहां तक ये कैसे है? सारे हैं सारे लेफ्ट सब ट्री के नोट्स हैं लेफ्ट सब ट्री और ये कैसे नोट्स हैं फ्रेंड्स राइट सब ट्री के और लास्ट में ये हमारा रूट नोड है इस ट्री का सो फ्रेंड्स पोस्ट ऑर्डर का जो ट्रेवर्जल है कि पहले हम लेफ्ट सबट्री को विजिट करेंगे फिर राइट सबट्री को लास्ट में रूट नोड को बिल्कुल वही ट्रेवर्जल हमें यहाँ पे मिल रहा है सो so फ्रेंड्स और यही इस ट्री का क्या है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्जल सो so फ्रेंड्स अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूं कि गलती होने के जो चांसेस हैं जब आप किसी ट्री का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर निकालते हैं तो गलती होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे नेग्लिजिबल हैं जीरो परसेंट है आपका आंसर हंड्रेड एंड वन परसेंट करेक्ट आएगा कभी आप गलती नहीं करेंगे सो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं बाइनरी ट्री की जो ट्रेवल्सिंग हमने की है तीन वीडियोज में उससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा हम इसको हम जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं पूरा आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे ठीक है जो भी क्वेश्चन हैं आपके डाउट्स हैं उसका हम बिल्कुल प्रॉपर आंसर देंगे बाइनरी सर्च ट्री जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसको आज हम यहाँ लर्न करेंगे सो so फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने बाइनरी ट्री पढ़ा था ठीक है बाइनरी ट्री की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी अब बाइनरी ट्री इज अ ट्री एक बाइनरी ट्री ट्री है जिसमें एटमोस्ट एटमोस्ट टू नोड्स होते हैं ठीक है यहां एटमोस्ट टू का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स एटमोस्ट टू का मतलब है जीरो चाइल्ड वन चाइल्ड और टू चाइल्ड ठीक है उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री में जीरो चाइल्ड भी हो सकता है वन चाइल्ड भी हो सकता है और टू चाइल्ड भी हो सकता है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बाइनरी ट्री में हमेशा दो ही चाइल्ड हों ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके टाइप्स क्लियर नहीं है तो आप पहले हमारे प्रीवियस के वीडियोज़ में जाके वो कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं ठीक है नाव अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की फ्रेंड्स सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है ठीक है जो बाइनरी ट्री की जो प्रॉपर्टीज जो हैं लाइक एटमोस टू नोड्स होने चाहिए वो सारे बाइनरी सर्च ट्री में भी फॉलो होती है और दूसरी जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसकी कैर्स्टेटिक्स है जिसके लिए ये डिफ्रेंशिएट होता है बाइनरी ट्री से वो ये है कि पर्टिकुलर किसी नोड पर मान लीजिए ये रूट नोड है ठीक है इस रूट नोड में इससे जो लेफ्ट सेप्ट्री वाले जो नोड है वो सारे क्या होंगे इसकी वैल्यू उससे छोटी होगी और जितने भी जो राइट right सेप्ट्री वाले जो नोड हैं ठीक है उनसे रूट नोड की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी ओके okay? मैं एक बार फ्रेंड्स वापस से रिपीट करता हूं कि रूट नोड या पर्टिकुलर नोड ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये सिर्फ उस पर्टिकुलर रूट नोड पर अप्लाई होती है ये हर नोड पर अप्लाई होती है सो इन एवरी नोड ठीक है उस पर्टिकुलर नोड से उसके जो लेफ्ट सेप्ट्री होगा उससे वो वैल्यू छोटी होगी और राइट right सप्ट्री में वो सारी वैल्यूज क्या होंगी बड़ी होगी ठीक है सो फ्रेंड्स मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा है एक बाइनरी सर्च ट्री का इसको हम एक बार गौर से देखते हैं रूट नोड में वैल्यू क्या है थर्टी फाइव अगर मैं थर्टी फाइव के लेफ्ट सप्ट्री वाले सारे नोड्स अगर देखूँ तो वो सारी वैल्यूज क्या है रूट नोड से छोटी है इसी तरह से अगर मैं उसका राइट सप्ट्री देखू तो थर्टी फाइव से सारी वैल्यूज क्या हैं फ्रेंड्स बड़ी हैं और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर किसी रूट नोड पर अप्लाई नहीं होती है ये जितने भी ट्री हैं उन ट्री के जो नोड्स हैं उन सब में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम इस ट्री को क्या कहेंगे बाइनरी सर्च ट्री तो हमने ये प्रॉपर्टी रूट नोड पर चेक की अब हम ये प्रॉपर्टी इस नोड पर अगर चेक करें तो देखिए लेफ्ट सप्ट्री में छोटा है और राइट सेप्ट्री में सारे नोड इससे बड़े हैं 50 में लेफ्ट सप्ट्री फोर्टी फोर फिफ्टी से छोटा है और 50 से 80 और 72 बड़े हैं 20 से ऑब्वियसली बात है 17 छोटा है राइट सब्टी में इसके कोई नोड नहीं है देन 44 फोर लीफ नोड है 80 के लेफ्ट में 72 है छोटा है तो 72 इसलिए लेफ्ट में आएगा और इसके राइट right में कोई नोड नहीं है सो so फ्रेंड्स जो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर नोड पर नहीं ट्री में जितने भी नोड्स हैं उन सब पर अप्लाई होगी ठीक है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर नोड ट्री uh, में इक्वल नोट्स आ जाए तो उसको हम कहाँ रखेंगे मैंने आपको ये कहा कि छोटे आ जाए तो सारे लेफ्ट सेप्ट्री में जाएंगे बड़े नोड्स आ जाएँ रूट नोड से तो सारे राइट ट्रिप्स राइट सेप्ट्री में जाएंगे लेकिन अगर कोई नोड उस पर्टिकुलर रूट नोड के या किसी भी नोड के अगर इक्वल आ, आ जाए सेम नोड आ जाए सेम वैल्यू आ जाए तो हम उसको कहाँ रखेंगे तो फ्रेंड्स बाइनरी सर्च ट्री की ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है ध्यान में रखनी है ठीक है ये कंडीशन आपको ये कहती है कि कोई लेफ्ट सबट्री का अगर कोई नोड है ठीक है बेसिकली यहाँ सिर्फ लेफ्ट सब ट्री नहीं होना चाहिए लेफ्ट सबट्री पूरे हम नोड की बात कर रहे हैं और यहां पे भी राइट सब ट्री तो जो डेटा है हमारा या जो वैल्यू है वो उनसे सारे छोटे होंगे वो कहाँ जाएंगे लेफ्ट सब्ट्री में जाएंगे और सारे बड़े कहा जाएंगे राइट right सबट्री में जाएंगे फ्रेंड्स देखिए यहां मैंने लगाया है लेस देन इक्वल टू ठीक है इक्वल टू तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नोड सेम वैल्यू का अगर आपके इंसर्शन के लिए आ जाए तो आपको उसको कहां रखना है लेफ्ट सबट्री में प्रायोरिटी देनी है ना कि आपको उसको राइट right सबट्री में प्रायोरिटी देनी है तो ये फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे सेम नोड अगर आ जाए तो उसको हमको हमेशा लेफ्ट सबट्री में ही प्रायोरिटी देनी है राइट सबट्री में नहीं देना है मान लीजिए कि यहां पर मुझे एक नोड थर्टी फाइव और इंसर्ट करना है ठीक है तो मैं उसको हमेशा लेफ्ट सबट्री में ही इंसर्ट करूंगा राइट सबट्री में इंसर्ट नहीं करूंगा ठीक है अब इंसर्शन कैसे होता है सर्च ट्री में वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ठीक है तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको बाइनरी सर्च ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है डेफिनेशन है वो आपको क्लीन हो गई होगी एकदम क्लियर हो गया हो गया कि सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री एट मोस्ट टू नोट्स होंगे उसके अंदर जीरो चाइल्ड वन चाइल्ड और टू चाइल्ड इसके अलावा सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर पर्टिकुलर नोड में उसके लेफ्ट सब ट्री उससे सारे छोटे होंगे और राइट सब ट्री में उससे सारे नोड बड़े होंगे इक्वल नोड को हमेशा हम कहाँ प्रायोरिटी देंगे लेफ्ट सब ट्री में ठीक है तो ये एक कंडीशन आप याद रखिएगा बाइनरी सर्च ट्री की जब भी आप इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन जब भी करें ठीक है तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई पर्टिकुलर नोट्स आपको गिवन है तो हम बाइनरी सर्च ट्री का क्रिएशन कैसे करें नोट कैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करें ओके okay, फ्रेंड्स अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बाइनरी सर्च ट्री में नोड का इंसर्शन कैसे करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट नोड जो गिवन है उससे हम ट्री की स्टार्टिंग करेंगे दिस इज माई अ रूट नोड, ठीक है यहां से मैं स्टार्ट करूंगा नाउ नेक्स्ट जो नोड मुझे इंसर्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री में बी में वो कौन सा है थर्टी अब फ्रेंड्स आप बताइए कि जो नोड थर्टी इंसर्ट होगा उसकी पोजीशन कहाँ होगी लेफ्ट में या राइट right में ऑब्वियस ही बात है उसकी नोड की पोजीशन उसके लेफ्ट में होगी क्योंकि 30 जो है वो 50 से क्या है छोटा है हमें यहाँ कंपैरिजन हमेशा फ्रेंड्स रूट नोड से स्टार्ट करना है एक बात आप ध्यान हमेशा रखिएगा जब भी आप बी एसटी का इंसर्शन करें रूट नोड से ही आपको कंपेयर करना है सो so, 50 30 से जो है बड़ा है 30 छोटा है तो उसके लेफ्ट में आएगा लेफ्ट में हमने इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट नोट जो आपको इंसर्ट करना है फ्रेंड्स वो है फोर्टी ठीक है तो रूट नोट से ही कंपेयर स्टार्ट करना है ऐसा नहीं कि आप थर्टी से कंपेयर करें फिफ्टी से कंपेयर किया ऑब्वियसली बात है फोर्टी छोटा है तो कहां जाएगा उसके लेफ्ट साइड में ठीक है फोर्टी छोटा है लेफ्ट साइड में जाएगा अब हम कंपेयर किससे करेंगे थर्टी से थर्टी से बड़ा है या छोटा है ऑब्वियस सी बात है फोर्टी नोट बड़ा है तो उसको हम राइट में इंसर्ट कर देंगे फिफ्टी थर्टी फोर्टी ठीक है नेक्स्ट नोट है हमारा ट्वेंटी ओके फ्रेंड्स पहले मैं ये ट्री बना लेता हूं ओके okay. अब हम ट्वेंटी को कंपेयर करेंगे कंपेयर हमेशा हम रूट नोट से ही करेंगे फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा सो so, फिफ्टी से कंपेयर किया हमने 50 से ऑब्वियसली बातें छोटा है और 30 से भी छोटा है ठीक है 30 से छोटा है क्या यहाँ कोई वैकेंट पोजीशन है क्या इसके लेफ्ट नोड में हाँ ऑब्वियसली बातें फ्रेंड्स वैकेंट है तो हम यहां ट्वेंटी का इंसर्शन कर देंगे ये हमने कर दिया नेक्स्ट नोड है फ्रेंड फ्रेंड्स 80 ओके okay, एट्टी को हम इंसर्ट करते हैं एट्टी को मैं यहां पे ले लेता हूं ये वाला स्टेप यहां से ले लेता हूं फिफ्टी थर्टी सॉरी ट्वेंटी एंड फोर्टी अब फ्रेंड्स इंसर्ट कौन सा नोट करना है एट्टी एटी ही बात है फिफ्टी से बड़ा है तो उसके राइट में ही जाएगा तो ये हमने नोट इंसर्ट कर दिया एटी को नेक्स्ट नोट है फ्रेंड फ्रेंड्स थर्टी थर्टी इंसर्ट करना है अब आप देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि इस जो पर्टिकुलर ट्री में जो अभी हमारा बी बना है उसमें थर्टी ऑलरेडी नोड है और एक और आ गया है डुप्लीकेट ठीक है तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी डुप्लीकेट नोट आ जाए सेम नोट आ जाए तो उसको हम कहा प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट में ही प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले हम कंपेयर किससे करेंगे नोट फिफ्टी से ऑब्वियस ही बात है नोट छोटा है पहले मैं रिजल्टेंट ट्री बना लेता हूं यहां पर चलिए थर्टी कंपेयर किया हमने 50 से छोटा है अब 30 का किससे कंपेयर होगा 30 से ही कंपेयर होगा ठीक है तो मैंने आपको बताया सेम नोड है तो प्रायोरिटी कहाँ देनी है हमें लेफ्ट चाइल्ड के ऊपर देनी है लेफ्ट चाइल्ड पे हम गए 20 से छोटा है बड़ा है ऑब्वियस बात है बड़ा है तो उसको हम राइट में इंसर्ट कर देंगे ये हमने उसको राइट में इंसर्ट कर दिया ठीक है थर्टी के बाद है नोड हमारा सिक्सटी चलिए फ्रेंड्स सिक्सटी भी इंसर्ट कर देते हैं फिफ्टी थर्टी एट्टी ट्वेंटी फोर्टी सॉरी एंड थर्टी फिफ्टी से फ्रेंड सिक्सटी बड़ा है और लेकिन एटी से वो छोटा है तो उसके लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा नोड सिक्सटी ठीक है फिफ्टी से बड़ा है लेकिन एटी से तो छोटा ही है ना तो लेफ्ट में ही जाएगा नेक्स्ट नोड है हमारा सेवेंटी चलिए फ्रेंड्स सेवेंटी को भी हम इंसर्ट कर देते हैं फिफ्टी थर्टी एट्टी ट्वेंटी फोर्टी थर्टी एंड सिक्सटी ओके द पोजीशन ऑफ सेवेंटी सेवेंटी की पोजीशन कहाँ होगी फ्रेंड्स कंपेयर कीजिए रूट नोट से रूट नोट से ही कंपेयर करना है आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं मिडिल से या लास्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करें हमेशा रूट नोट से ही कंपेयर कीजिए फिफ्टी से कंपेयर किया ऑबियसली बात है सेवेंटी बड़ा है राइट right में जाएगा बट राइट right में पोजिशन अभी नहीं है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा कंपेरिजन करना पड़ेगा कीजिए बट सिक्सटी से क्या है बड़ा है तो हम उसको राइट right में इंसर्ट कर देंगे ठीक है और लास्ट नोड है हमारा फ्रेंड फ्रेंड कौन सा टेन टेन को हम इंसर्ट करेंगे फिफ्टी uh, रिमेनिंग जो ट्री है फ्रेंड्स मैं ये पहले यहाँ पे बना लेता हूँ ट्वेंटी थर्टी एटी ये आपका है फोर्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी नोट क्या इंसर्ट करना है फ्रेंड्स टेन लास्ट वाला जो ट्री है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ठीक है ट्वेंटी और थर्टी सेवेंटी ओके चलिए टेन की पोजिशन कहाँ होगी फ्रेंड्स कंपेयर कीजिए रूट नोट से फिफ्टी से ऑब्वियसली बात है छोटा है थर्टी से भी छोटा है और ट्वेंटी से भी छोटा है ठीक है तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में ये इंसर्ट हो जाएगा सो फिफ्टी थर्टी एट्टी ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी सेवेंटी थर्टी एंड टेन ओके सो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे थ्री थ्री सिक्स एंड थ्री नाइन यहां पर हम देखते हैं थ्री थ्री सिक्स और नाइन टोटल नाइन नोट्स इंसर्ट हो चुके हैं और यही हमारा क्या है फाइनल बी एस टी बाइनरी सर्च ट्री अब जो फ्रेंड्स ये नोड नोड uh, का जो स्ट्रक्चर से हम बनाया है ट्री बनाया है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए 50 से कंपेयर कीजिए कि 50 से सारे नोड्स उसके लेफ्ट सबट्री में हैं और सारे नोड्स उससे राइट सबट्री में हैं बड़े नोड्स 30 से कंपेयर कीजिए 30 से सारे नोड्स उसके लेफ्ट सबट्री में हैं राइट right में उससे बड़े हैं यहाँ पर भी एटी से सारे नोट्स उसके लेफ्ट सप्ट्री में हैं राइट right में कोई भी नोड नहीं है ट्वेंटी से टेन छोटा है थर्टी बड़ा है और सिक्सटी से सेवेंटी बड़ा है तो जो बी एस की जो प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की थी वो उस प्रॉपर्टी यहाँ हर नोट पे अप्लाई हो रही है ठीक है और जो इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान में रखने की थी फ्रेंड्स वो क्या थी अगर सेम नोट आ जाए ठीक है तो हमें उसको कहाँ प्रायोरिटी देनी है हमेशा लेफ्ट साब ट्रिप पर प्रायोरिटी देनी है राइट साइब ट्रिप पर प्रायोरिटी नहीं देनी है दैट इज द कंडीशन ऑफ बी एस बाइनरी सर्च ट्री जो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन प्रोसेस बताया था कि अगर आपके पास में नोड्स हैं तो आप बाइनरी सर्च ट्री में किस तरह से कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए कौन सी कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है हम अगर बाइनरी सर्च ट्री अगर आपको गिवन है तो उसमें हम डिलीशन कैसे करें ठीक है रिलीशन प्रोसेस इन दी बाइनरी सर्च ट्री बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ सर्च ट्री के बारे में जो आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए बी एस के रिगार्डिंग देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में एक बाइनरी सर्च ट्री है मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ हमारे लास्ट के वीडियो में जाके रेफर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि बाइनरी सर्च ट्री में नोड पर्टिकुलर नोड है अगर कोई रूट नोड है नोड है कोई भी नोड है उससे जो सारे जो छोटे हैं, वो सारे उसके में होंगे और सारे जो से बड़े और इस बाइनरी सर्च ट्री का मैं इन ऑर्डर पता करने जा रहा हूँ कि इन ऑर्डर क्या होगा सो so फ्रेंड्स मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इन ऑर्डर निकालने की बेसिकली तीनों ट्रेवल की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है फ्रेंड्स अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं प्लीज़ उसको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखिए क्योंकि मैंने वो ट्रिक बताई है जो शायद आपको किसी बुक में या इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी आप सेकंड्स में उस ट्रिक से पता करके आप जो है किसी भी बाइनरी ट्री का ट्रैवर्जल्स कोई भी ट्रैवरजल हो प्री पोस्ट और इन आप सेकेंड्स में निकाल सकते हैं ठीक है so, सो इन ऑर्डर ट्रैवर्जल का सीक्वेंस क्या होता है फर्स्ट हम विजिट करेंगे लेफ्ट सब ट्री को रूट नोट को एंड देन राइट सब को इसी के अकॉर्डिंग हम यहां सीक्वेंस भी रखेंगे लेफ्ट रूट रूट का मतलब हमें नोट को प्रिंट करना है और राइट ठीक है हम यहां पे वन टू थ्री ट्रिक अप्लाई करेंगे हर नोट के ऊपर नाउ स्टार्ट विथ द रूट नोट रूट नोट से हम स्टार्ट करेंगे रूट नोट फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है लेफ्ट कैंसिल कीजिए लेफ्ट में जाइए कैंसिल कीजिए लेफ्ट में जाइए यहाँ भी कैंसिल करेंगे लेफ्ट में जाएंगे बट इसका कोई रूट नोट सॉरी इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है हम यहीं पे रुक जाएंगे ओके देन टू मीनस रूट नोट को प्रिंट करिए सेकेंड ट्रू को आप प्रिंट कर लीजिए ठीक है थर्ड गो टू द राइट इस ट्रू का कोई राइट right नहीं है सो so, बस यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे टू पर हम कहां से आए थे फ्रेंड्स नोट थ्री के थ्रू नोट थ्री बैक ट्रैकिंग करेंगे नोट थ्री में वन कैंसिल आउट हो चुका है हम टू के ऊपर जम करेंगे टू कैंसिल कर देंगे टू कहता है नोट को प्रिंट करो हम यहां पे नोट को प्रिंट कर देंगे थ्री गो टू द राइट राइट में जाइए देन वन गो टू द राइट लेफ्ट फोर को आप प्रिंट कर दीजिए क्योंकि ये लिफ्ट नोड है सबको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसका ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना ही कोई राइट right चाइल्ड है टू मिंट्स कैंसिल नोट को आप प्रिंट कर दीजिए फाइव थ्री गो टू द राइट तीनों कैंसिल हो जाएंगे एट नोट एट पर आप नोट फाइव से आए थे नोट फाइव पर आप नोट थ्री से आए थे और नोट थ्री पर आप नोट टेन से आए थे सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं नोट टू वन कैंसिल है टू कैंसिल करना है हमें कर दिया नोट को प्रिंट कर दिया दें थ्री गो टू द राइट हम राइट में जाएंगे ओके okay, वन कैंसिल कीजिए कोई इसका लेफ्ट नहीं है टू कैंसिल दीजिए नोट को प्रिंट कर लीजिए इलेवन थ्री गो टू द राइट हम राइट right में जाएंगे देन वन गो टू द लेफ्ट ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे थर्टीन और लास्ट में हम फोर्टीन को प्रिंट कर देंगे लेकिन फोर्टीन का कोई राइट right नहीं है सो so फ्रेंड्स ये मैंने थ्री का क्या निकाला है इन ऑर्डर ट्रेवर्जल ठीक है फ्रेंड्स इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को ध्यान से देखिए आप ये क्या है एक सारे नोड्स असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर पता करने के लिए कहा जाए तो आप बेझिझक होकर बिना किसी मेथड के आप उस ट्री का असेंडिंग सीक्वेंस लिख दीजिए वही उसका इन ऑर्डर रिवर्सल होगा आप इस बात को फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप नोट करके लिख भी सकते हैं ठीक है लेकिन फ्रेंड्स आप ये बात भाद, ध्यान रखिएगा कि यह प्रॉपर्टी सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री पर अप्लाई होती है बाइनरी ट्री पर अप्लाई नहीं होती है ठीक है सो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग असेंडिंग सीक्वेंस में होता है ठीक है कभी भी डिसेंडिंग सीक्वेंस में नहीं होता है अगर आप फॉलो कर दें मिरर तो तो हो सकता है वरना तो हमेशा एक असेंडिंग सीक्वेंस में ही होता है आप बिना कोई मेथड लगाए कोई भी ट्रिक अप्लाई किए बिना ही आप इसका ट्री का असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए वही क्या होगा उस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है ताकि क्वेश्चन में आपको ये बात अगर ध्यान होगी तो आप क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर पाएंगे वहाँ आपको किसी मैथड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी आप बस उसका असेंडिंग सीक्वेंस लिख दीजिए वही उसका क्या होगा इन ऑर्डर ट्रिवर्जल होगा ठीक है सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं इसी में कि अगर आपको कोई बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो उसका आपको डिलीशन किस तरह से करें और डिलीशन के क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं ओके okay फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री का अगर हम इन ऑर्डर पता करते हैं तो उसका सीक्वेंस हमेशा एक असेंडिंग सीक्वेंस में आता है ठीक है बात आपको ध्यान रखनी होगी जब कभी भी बाइनरी सर्च ट्री आप पढ़ें और आपको लर्न करनी हो तो चलिए आइए फ्रेंड्स आज अभी हम देखते हैं कि अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री में कोई नोड अगर डिलीट करता हो तो हम कैसे करेंगे ठीक है डिलीशन के केस फ्रेंड्स तीन हैं बाइनरी सर्च ट्री के लिए पहला केस है हमें वो नोड डिलीट करना हो जो लीफ नोड हो लीफ नोड मतलब जिस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं हो ना उसका लेफ्ट चाइल्ड हो और ना ही उसका क्या हो राइट चाइल्ड हो सेकेंड केस ये हो सकता है फ्रेंड्स कि वो नोड हमें डिलीट करना हो जिसका क्या हो एक ही चाइल्ड हो यहां एक चाइल्ड का तो मतलब क्या है या तो वो लेफ्ट चाइल्ड हो या वो राइट चाइल्ड हो कोई भी चाइल्ड हो सकता है ठीक है और थर्ड केस ये है फ्रेंड्स कि हमें वो नोट डिलीट करना हो जिसके क्या हो दो चाइल्ड हो दोनों लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड होने जरूरी है तो ये केस थर्ड केस है सबसे पहले केस हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स केस फर्स्ट जिसमें वो नोट डिलीट करना है जिसका कोई चाइल्ड नहीं हो वो नोट कैसा हो लीफ नोट हो तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की जो अभी हमने सॉल्व किया था तो फोर एट टू और थर्टीन ये वो नोट्स हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है ठीक है लीफ नोट्स है तो फ्रेंड्स इनको डिलीट करने का सिंपल ये तरीका है आप ये लिंक को ब्रेक कर दीजिए मान लीजिए मुझे थर्टीन नोट डिलीट करना है तो फोर्टीन से जो इसका लेफ्ट जो चाइल्ड है आप उसको सिंपल आप डिलीट कर दीजिए ठीक है आप इस पॉइंटर को ब्रेक कर दीजिए उसका एड्रेस आप स्टोर मत करके रखिए लेफ्ट चाइल्ड का तो ऑटोमेटिकली नोट यहाँ से डिलीट हो गया कोई हमें यहाँ पे और कोई पॉइंटर लोकेशन नीड चेंज करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स ये नोड इजीली यहां से क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा ठीक है पहला केस सेकंड केस हमें वो नोड डिलीट करना है जिसका क्या हो एक चाइल्ड हो तो फ्रेंड्स जैसे मैं बात करूं नोड इलेवन नोड फोर्टीन ठीक है ये वो नोड है जिनका एक एक चाइल्ड है ठीक है इसके अलावा जितने नोड्स हैं या तो वो लीफ नोड है या जिनके दो चाइल्ड है ठीक है तो लेट से अगर हमें नोड इलेवन डिलीट करना हो यहां सर तो आप क्या कीजिए इसके सक्सेसर का जो नोड्स है वो इसके नोड से क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे ठीक है अगर हमें यहाँ से नोट इलेवन को डिलीट करना है लेट से ये इलेवन को हमें डिलीट करना है तो पहले टेन का राइट right चाइल्ड कौन था इलेवन लेकिन अब जो इलेवन का जो सक्सेसर जितने भी नोट्स हैं वो क्या बनेंगे टेन के राइट right चाइल्ड्स तो ये पॉइंट जो है एज जो है इससे कनेक्ट हो जाएगी ठीक है ये केस फ्रेंड्स दोनों ही में अप्लाई होता है या तो वो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो या उसका राइट right चाइल्ड हो ठीक है so, सो दोनों ही यहां पे क्या है एप्लीकेबल है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ठीक है थर्ड केस ये है कि हमें वो नोट डिलीट करना हो जिसके क्या हो दो चाइल्ड हो ओके okay, जिसके क्या हो दो चाइल्ड हो फ्रेंड्स तो देखिए इसको कैसे करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आपको ये केस सॉल्व करना है तो आपको इन ऑर्डर पता करना पड़ेगा बी का ठीक है लेट से हमें नोट यहां पे मान लीजिए टेन डिलीट करना है या नोट थ्री डिलीट करना है फाइव डिलीट करना है ये वो नोट्स हैं जिनके दो चाइल्ड है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए इस पर्टिकुलर ट्री का बाइनरी सर्च ट्री का आप इन ऑर्डर निकाल के रख लीजिए और अभी मैंने आपको बताया है के बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर हमेशा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो आपको यहाँ कुछ भी मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जो भी नोट्स दे रखे हैं उसका आप असेंडिंग सीक्वेंस लिख दीजिए वही क्या होगा उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा सो so फ्रेंड्स इसका हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखते हैं टू थ्री फोर फाइव एट टेन थर्टीन एंड फोर्टीन ठीक है ये मैंने इसका इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिख दिया अब लेट से कि मुझे नोड थ्री डिलीट करना है 3. ये वाला नोड डिलीट करना है क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड है ये वाला नोड मुझे डिलीट करना है यहां पर थ्री कहां पे आ रहा है ये रहा आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि इस असेंडिंग ऑर्डर में इस थ्री का जस्ट सक्सेसर नोड कौन सा है इस पर्टिकुलर ट्रेवर्जल में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इन ऑर्डर के ट्रेवर्जल में जस्ट सक्सेसर नोड कौन सा है ठीक है वो कौन सा है फोर तो यही नोड थ्री का क्या बनेगा रिप्लेसिंग नोड बनेगा ओके? Okay? तो फोर इसका रिप्लेसिंग नोड बनेगा तो अब थ्री की जगह यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स फोर और यहां से हम फोर को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे क्योंकि फोर हमने यहां पर इंसर्ट कर दिया है अब जरा फ्रेंड्स इस ट्री को ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर फोर को यहां से डिलीट करने के बाद में थ्री की जगह इसको प्लेस कर दिया है लेकिन अभी भी आफ्टर डिलीशन ये एक बाइनरी सर्च ट्री है फोर का लेफ्ट कौन है टू उससे छोटा है फोर का राइट फाइव 4 एट उससे सारे बड़े हैं तो वो राइट right में ही आ रहा है सो केस टू में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको वो नोट डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड हैं दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड अवेलेबल हैं तो सबसे पहले आप उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो नोट डिलीट करना है उसका जस्ट सक्सेसर नोट कौन सा है वो पता कीजिए और यही नोट डिलीटिंग नोट का रिप्लेसिंग नोड होगा आप उसको रिप्लेस कर दीजिए उस पर्टिकुलर डिलीटेड नोट पर ये आपका केस टू सॉल्व हो जाएगा ठीक है आई थिंक तीनों केसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे एवीएल सर्च ट्री फ्रेंड्स ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री के बाद में हमने लास्ट के वीडियोस में बाइनरी सर्च ट्री कंप्लीट किया था उसमें मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री का क्या है बाइनरी सर्च ट्री उससे रिलेटेड उसका इंसर्शन हम कैसे करते हैं डिलीशन कैसे करते हैं उनकी क्या कंडीशंस है वो हमने सारे डिस्कस किए थे फ्रेंड्स एवी ट्री को पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपने बाइनरी ट्री नहीं पढ़ा है बाइनरी सर्च ट्री नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप उसको पहले पढ़ें उसको पहले मेरे वीडियोस को आप पहले रेफर करें और फिर आप एवी ट्री पे जम करें तो आपको इजीली समझ में आएगा ठीक है फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं एवी ट्री और उससे रिलेटेड उसका कंसेप्ट क्या है और ये एवी ट्री बेसिकली क्यों इसका इवोल्यूशन हुआ क्यों इसका इंट्रोड्यूस हुआ इसका मेन रीज़न क्या था ऐसा कौन सा डिसएडवांटेज था जिसके पीछे एवी ट्री डेवलप किया गया था फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जो बेस जो है ये कंसेप्ट क्यों आया इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा लेट्स से फ्रेंड्स हमने लास्ट के वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री डिस्कस किया था मान लीजिए एक मैं एक बाइनरी ट्री ड्रॉ करता हूँ फाइव फोर थ्री टू और वन ठीक है और एक मैं ये ड्रॉ करता हूं वन टू थ्री फोर और फाइव अब फ्रेंड्स आप इस दोनों ट्री को ध्यान से देखिए ठीक है इसका राइट सब ट्री पूरा का पूरा क्या है एम्प्टी है और इस पर्टिकुलर ट्री का लेफ्ट सब ट्री पूरा एम्प्टी है कोई भी नोट नहीं है क्योंकि ये कैसा है बाइनरी सर्च ट्री है बाइनरी सर्च ट्री में जो रूट नोड होता है उसके लेफ्ट में उससे सारे छोटे नोड होते हैं इससे सारे छोटे नोड है राइट right में उससे कोई बड़ा नोट नहीं है तो क्या है पूरा एम है इसी तरह से जो वन नोड है सारे नोड से बड़े है उसके राइट सब ट्री में आ गए लेफ्ट में कोई नोड नहीं है तो वो पूरा एम है फ्रेंड्स इस तरह के जो ट्री बनते हैं पूरा एक वन डायरेक्शन में हो या तो वो पूरा लेफ्ट डायरेक्शन में हो या पूरा राइट डायरेक्शन में हो उसको हम कहते हैं स्क्यूड ट्री ठीक है अगर वो पूरा लेफ्ट है तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री और इसको हम कहेंगे राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट स्क्यूट बाइनरी सर्च ट्री और राइट स्क्यूट बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है अब अगर फ्रेंड्स इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें कोई एलिमेंट को लेट से हमें सर्च करना है वैसे तो बाइनरी सर्च ट्री की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ लॉग इन होती है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्यों क्योंकि हमें जैसे कोई एलिमेंट सर्च करना है मान लीजिए वो एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एंड साइड में है ठीक है तो हम रूट नोट से कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज हमें लेफ्ट साइड में वो नोड मिलेगा हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जब हमें राइट right पे सर्च करना पड़े तो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स वहां पे क्या हो जाते हैं जस्ट हाफ हो जाते हैं इसलिए वहां पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बाइनरी सर्च ट्री की वो होती है लॉग ऑफ एन ठीक है बी एस टी केस में बाइनरी सर्च ट्री के केस में इन द सर्चिंग बट अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री के ये दोनों केसेस की बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन नहीं बिग बिग ऑफ लॉग एन नहीं यहां पे बिग ऑफ एन हो जाती है इट अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो ये केस जो है हमने डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री का दिस इज दी वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री जहां पर एक ही एंड पर एलिमेंट्स का इंसर्शन और डिलीशन होता है अगर अब पर्टिकुलर केस में हम एलिमेंट को सर्च करें मान लीजिए मुझे वन को सर्च करना है तो मुझे सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन वन बाय वन सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे सर्चिंग जो है कोई भी हाफ नहीं होगी पूरा एक ही पार्ट पर हमें सर्च करना पड़ेगा इसी तरह से यहाँ भी है तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर हो जाती है लॉगरिथमिक नहीं हो पाती ओके सो दिस इज द बेस्ट केस और आई कैन से एवरेज केस ऑफ द बाइनरी ट्री एंड दिस इज दी अ वर्स्ट केस ऑफ दी बाइनेरी सर्जट्री हमने फ्रेंड्स जो ये जो टॉपिक है वो इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हम बाइनरी सर्जरी को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख सकें ठीक है तो देखिए ये जो वर्स्ट केस है फ्रेंड्स इसी वर्स्ट केस को जो बाइनेरी uh, सर्जरी का जो वर्स्ट केस है इसी को ही रिमूव किया है एवी एल ट्री के कंसेप्ट में ठीक है ए वी एल ट्री का जो कंसेप्ट है वो यही है कि हमारा ट्री बैलेंस्ड होना चाहिए अनबैलेंसड नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर अगर वो अनबैलेंसिंग हो रही है तो उसको हम बाइनरी सर्च ट्री तो कहेंगे लेकिन एवियल ट्री नहीं कह सकते क्योंकि एवियल ट्री का कंसेप्ट है बैलेंस ट्री और बैलेंस ट्री क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने एवियल ट्री की कंसेप्ट को क्यों अडॉप्ट किया इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इसकी जरूरत इसलिए पड़ी फ्रेंड्स क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का जो वर्स्ट केस है जिसमें ट्री जो है या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा या राइट स्क्यूड होगा उस केस को रिमूव करने के लिए हमने एवीएल ट्री के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स एवीएल ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइट बैलेंस ट्री ठीक है आप यहां देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल में कि जैसे जैसे हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे यहां पर ट्री की हाइट जो है अननेसेसरी बढ़ती जाएगी ठीक है जबकि ये वाला पार्ट पूरा एम है यहां पे ऑलरेडी स्पेस है बट फिर भी ट्री की हाइट अननेसेसरी बढ़ती जा रही है तो एवियल ट्री में हम इस हाइट को क्या करते हैं रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर लेवल पर आकर ठीक है बट यहां इस केस में ऐसा नहीं हो पाता इसलिए हम एवियल ट्री को क्या कहेंगे हाइट बैलेंस ट्री जहां ये जो एवियल ट्री में जो ट्री जो बनेगा उसकी हाइट क्या होगी बैलेंस होगी अनबैलेंस नहीं होगी सेकेंड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि एवीएल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है मतलब जो हमने बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी कि लेफ्ट में सारे नोट छोटे होते हैं रूट नोड से और राइट right में सारे नोट उससे बड़े होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी एवीएल ट्री में भी अप्लाई होगी सो एवीएल ट्री एक तरह का बाइनरी सर्च ट्री है थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है फ्रेंड्स देखिए बाइनरी ट्री का जो कंसेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री का या बैलेंस ट्री का जो कंसेप्ट है बैलेंस ट्री का कंसेप्ट सबसे पहले 1962 में थ्री जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया था साइंटिस्ट के नाम है एडविल्सन वेलेस्की एंड लैंडिस और इनका जो फर्स्ट जो लेटर है ए वी और एल इन्हीं के नाम पे ये ट्री का नाम रखा गया था ए वी एल ट्री इन्होंने ही फ्रेंड्स 1962 में बैलेंस ट्री का कंसेप्ट हमारे सामने लेकर आए थे ठीक है, ओके अब फ्रेंड्स दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ट्री के ट्री है क्या इस प्रॉब्लम ये क्यों आई पहला रीजन क्या था हमें बाइनरी सर्च ट्री का वर्स्ट केस रिमूव करना था विद हेल्प ऑफ हाइट बैलेंस कंसेप्ट और सेकेंड हमें एक ऐसा ट्री कंसेप्ट करना था जिसकी हाइट जो है वो अननेसेसरी ना बढ़े हाइट कहीं ना कहीं जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाए ठीक है और इस ये जो ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री है मैंने आपको अभी बताया है कि जो सारी जो प्रॉपर्टी है वो बाइनरी सर्च ट्री की वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि एवियल ट्री को हम पहचाने कैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या है ठीक है यहाँ पर एक कंसेप्ट है बैलेंस फैक्टर का ये बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालेंगे एक एवियल ट्री के कंडीशन होने की क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कब कब होती है वो हम सारे अभी डिस्कस करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एवियल ट्री का क्या कंसेप्ट है और हम ये बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि एवियल ट्री एक आ, क्या है बैलेंस ट्री है उसमें नोट्स की हाइट जो है अननेसेसरी नहीं बढ़ती है अब ये फ्रेंड्स हाइट रिस्ट्रिक्ट कैसे होती है यहाँ पे जो है हाइट का कंसेप्ट कैसे निकाला जाता है और ये बैलेंस फैक्टर क्या है इन सारे बातों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बैलेंस फैक्टर है क्या बैलेंस फैक्टर है हाइट ऑफ लेफ्ट साइड ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट साइड ट्री ठीक है हाइट निकालना मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था जब मैंने ट्री की टर्मिनोलॉजी बताई थी अगर आपको हाइट निकालना क्लियर नहीं है तो आप वहां भी जाके रेफर कर सकते हैं मैंने वहां डिटेल में बताया है ठीक है so, सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इन दोनों का डिफरेंस अगर जीरो प्लस वन और माइनस वन इट मीन फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन ठीक है अगर ये डिफरेंस आता है तो ही ये एवीएल ट्री है अदरवाइज ये ट्री एवीएल ट्री नहीं है वो एक बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है लाइक like उसके लेफ्ट सब्ट्री में सारे नोट छोटे हैं राइट सब्ट्री में सारे नोट बड़े हैं लेकिन अगर उसके हर नोड का बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन माइनस वन नहीं आया तो वो एक एवियल ट्री नहीं है ये एवियल ट्री के क्रिएशन की कंडीशन है ठीक है फ्रेंड्स यहां पर जो बैलेंस फैक्टर है वो हमें हर नोड के लिए चेक करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रूट नोड के लिए चेक करें हमें हर नोड के लिए चेक करना है कि जितने भी ट्री में नोड है उन सब का बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन और माइनस वन आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो वो एक बात अलग है हम उसको रोटेट करके लेके आ जाएंगे बट अगर वो नहीं है ये बैलेंस फैक्टर नहीं आ रहा है तो वो एक एवीएल ट्री नहीं है हाँ अगर ये तीनों बैलेंस फैक्टर आ रहे हैं ये बाइनरी सर्च ट्री भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो एक प्योरली एक एवीएल ट्री है आइए फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं पहले मैंने बात कही थी कि एवीएल ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होना कंपल्सरी है तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है ठीक है नाइन्टी रूट नोड है 90 से सारे नोड उसे लेफ्ट सबट्री में होने चाहिए और 90 से सारे नोड उसके राइट right सबट्री में होने चाहिए और ये प्रॉपर्टी हर नोड पर अप्लाई होनी चाहिए तो हम देख रहे हैं कि इस ट्री में कोई भी नोड हो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है चाहे बोली हम इस नोड की बात करें 26 छोटा है और 75 60 80 50 से बड़ा है और ये प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही है तो ये एक बाइनरी है है ठीक अब हम आते हैं कि क्या ये एक है या नहीं है एवीएल ट्री निकालने के लिए आपको हर नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा ठीक है सो हम पहले रूट नोड का बैलेंस फैक्टर सबसे पहले हाइट ऑफ लेफ्ट सब्ट्री लेफ्ट सब्टी की हाइट कितनी है यहाँ पे मैक्सिमम पाथ कवर करना है फ्रेंड्स सो वन टू थ्री लेफ्ट सप्ट्री की हाइट कितनी थ्री माइनस राइट की हाइट बोलिए फ्रेंड्स वन एंड टू सो थ्री माइनस टू प्लस का वन ठीक है एस so, नोड की बात करते हैं तो वन और वन वन माइनस वन कितना जीरो बात करते हैं फ्रेंड्स वन ठीक है लेफ्ट सबट्री की हाइट राइट की हाइट वन एंड टू सो वन माइनस टू डेट इज माइनस वन ठीक है एस नोड की बात करते हैं फ्रेंड्स वन माइनस वन वन माइनस वन दैट इज जीरो ठीक है ओके अब बचे हमारे पास में सारे लीफ नोट्स ओके सारे लीफ नोट फ्रेंड्स आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर जीरो होता है क्योंकि उसका ना तो कोई लेफ्ट सप्ट्री है ना कोई राइट right सप्ट्री है तो जीरो माइनस जीरो जीरो सो लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा क्या होता है जीरो आप यहां पे कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप सिर्फ सिंपल सा नोट के ऊपर जीरो जीरो लिख लीजिए ठीक है अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स के सारे नोड्स इस ट्री में जितने भी सारे नोड्स हैं उन सब का बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन माइनस वन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एवियल ट्री है क्योंकि ये एवियल ट्री की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ये एक बी भी, भी है और इसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन माइनस वन जीरो सारे नोट्स का आ रहा है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स की कंडीशन फॉल्स होती है, है? ठीक मैं आपको वो भी बताता हूं पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ चलिए हमने देखा कि अभी ये एक एवीएल ट्री है सारे नोट्स एवीएल ट्री की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं फ्रेंड्स यहां पर मैं एक नोड और ऐड करता हूं ठीक है एक नोड लेट से मैं ऐड करता हूं यहां पर फिफ्टी नाइन 60 से छोटा है इसके लेफ्ट साइड में आएगा इंसर्ट कर दिया अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं देखिए रूट नोड, स्टार्टिंग करेंगे रूट नोड से देखिए मैक्सिमम बात क्या है वन टू थ्री और फोर फोर लेफ्ट सबट्री की हाइट कितनी है फोर लेफ्ट सबट्री मतलब ये वाला पूरा पार्ट ठीक है उसमें मैक्सिमम पाथ कवर करना है तो फोर माइनस टू कितना हुआ फ्रेंड्स प्लस का टू अब प्लस का टू तो फैक्टर में है भी नहीं तो ये प्रॉपर्टी यहीं पे फॉल्स हो जाती है ये एक एव एल ट्री नहीं है हा लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री जरूर है AVL ट्री नहीं है क्योंकि AVL ट्री की कंडीशंस को यह फुलफिल नहीं करता है ठीक है क्योंकि हाइट यहां पे क्या आ चुकी है फ्रेंड्स इस नोड की प्लस 2 बैलेंस फैक्टर कितना आ चुका है प्लस का 2 तो ये AVL ट्री नहीं है हम बाकी के नोड्स की भी यहां पर हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी तो वही रहेगी क्योंकि इंसर्शन यहां पे हुआ है तो इस पर्टिकुलर सबट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है जिस पर्टिकुलर सबट्री पर नोड इंसर्ट होता है उसके अपोजिट वाले सबट्री पर उसकी हाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है यहां पर ही हाइट का इफेक्ट होगा सो वन माइनस वन जीरो 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 यहां हम देखेंगे लेफ्ट सबट्री की हाइट वन है माइनस वन टू एंड थ्री सो वन माइनस थ्री डेट इज माइनस टू अब यह कह चुका है फ्रेंड्स माइनस का टू माइनस का टू फिर से कंडीशन फॉल ठीक है यहाँ पे फिर से कंडीशन क्या हो चुकी है फॉल्स हो चुकी है ये भी एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर नहीं है so, यहाँ देख लेते हैं वन टू माइनस वन माइनस वन सॉरी प्लस का वन सो कंडीशन ट्रू है कोई दिक्कत नहीं है ये लीफ नोड है जीरो जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो सो वन माइनस जीरो दैट इज प्लस का वन वन माइनस जीरो प्लस का वन सो फ्रेंड्स दो नोड ऐसे हैं इस ट्री में एक तो ये नोड है और एक ये नोड है जहां पर हाइट क्या हो चुकी है दोनों बैलेंस फैक्टर क्या हो चुके हैं मिसमैच हो गए हैं तो इन दो नोड की वजह से ठीक है इस पर्टिकुलर नोड जो हमने इंसर्शन किया जितने भी जो अप वाले नोड हैं उन सब की हाइट क्या हो चुकी है इंक्रीज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दी पोजिशन कि वो लेफ्ट में है या राइट में है ठीक है तो ये अब एवी ट्री नहीं है ओके हम हाँ, हम क्या करेंगे एवी एल ट्री का रोटेट करेंगे इस ट्री को या तो ट्री को हम लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे या हम ट्री को राइट right डायरेक्शन में घुमाएंगे इस ट्री को बैलेंस करने के लिए ठीक है ताकि इस ट्री की हाइट जो है अननेसेसरी ना बढ़े हमेशा इस ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है वो यही रहे यही एवियल ट्री का कंसेप्ट है कि हम ट्री की जो हाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बैलेंस फैक्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो आगे बढ़े ही ना और ट्री का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो कोई भी स्पेस जो है वेस्ट ना जाए सारे नोड्स पर्टिकुलर पोजीशंस पे हो और हमें मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले ठीक है तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ एवीएल ट्री के लिए एवीएल ट्री को सबसे पहले एक बाइनरी सर्च ट्री होना कंपलसरी है अगर वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती है सबसे पहले एवीएल ट्री को बी होना कंपल्सरी है सेकेंड फैक्टर सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि बैलेंस फैक्टर जो है हाइट ऑफ लेफ्ट सेप्ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सेप्ट्री वो कितना होना चाहिए जीरो प्लस वन और माइनस वन अगर ये है तो ये एक बैलेंस ट्री है अदरवाइज ये बैलेंस ट्री नहीं है एवी एल ट्री भी नहीं है ठीक है और बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया है इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आने वाले वीडियोज में एवी एल ट्री का इंसर्शन और एवी एल ट्री का डिलीशन दोनों बताएंगे जिसमें आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे कि अगर मान लीजिए कि ए वी एल ट्री हमारे पास बना है ठीक है और एवियल ट्री की कहीं किसी स्टेप पर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम किस तरह से उसको रोटेट करके ईवियल ट्री में कन्वर्ट करेंगे रोटेशन ऑफ द एवियल ट्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी जब हम एवियल ट्री पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियोस ठीक है ये डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ को एंजॉय कीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मैं उसका हंड्रेड परसेंट दूंगा फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में हमने ए वी एल ट्री डिस्कस किया था ए वी एल ट्री उसका कंसेप्ट क्या है वो क्यों आया इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या थी क्यों ये कौन सा ऐसा वर्स्ट केस था कौन सा ऐसा डिसएडवांटेज था जिसको दूर करने के लिए ए वी एल ट्री कंसेप्ट का जो है इवोल्यूशन किया गया था ये सब हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बैलेंस फैक्टर का कंसेप्ट बताया था कि बैलेंस फैक्टर हर नोड का अगर जीरो प्लस वन माइनस वन है तो वो एक ए वी एल सर्च ट्री है एंड एवरी एवियल सर्च ट्री जितने भी एवियल ट्री हैं वो सारे बाइनरी सर्च ट्री होना कंपलसरी है ठीक है और अगर हमारे पास में नोड का हम कोई इंसर्शन कर रहे हैं अगर इन द केस में किसी भी केस में अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है तो हम क्या करें यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएं वो फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करना डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अगर आपने एवियल ट्री का लास्ट का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लास्ट का वीडियो देखें ताकि एवियल ट्री के जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए आप फिर इस वीडियो पर जम्प करिएगा तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे सो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन इंटू द एवियल ट्री और द रोटेशन इंटू द एवियल ट्री ठीक है अभी यहाँ ये रोटेशन का क्या कंसेप्ट है मैं अभी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स बट पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रोटेशन क्या है और इसके हम कब अप्लाई करेंगे ठीक है लेट्स से फ्रेंड्स मैं ये एग्जांपल लेता हूं जब भी आपको एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना हो क्रिएट करना हो तो पहले कंडीशन आप क्या चेक करेंगे मैंने लास्ट के वीडियो में भी आपको बताया था हमें पहले चीज चेक करना है कि क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है क्योंकि एवरी एवीएल uh, ट्री इज एन बाइनरी सर्च ट्री सो <coughs> so हम चेक करते हैं रूट नोड 90 है इसके लेफ्ट सबट्री में उससे सारे सॉरी यहाँ मुझे इसके लेफ्ट सबट्री में सारे इससे छोटे नोड हैं और राइट सबट्री में इससे सारे बड़े नोड हैं इसी तरह इस 86 की बात करूं तो यहाँ 60 उससे छोटा है 87 उससे बड़ा है यहाँ फ्रेंड्स 92 की जगह आप 87 कंसीडर करिए सो फ्रेंड्स ये एक बाइनरी सर्च ट्री है ठीक है ओके नाउ अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एवीएल ट्री है या नहीं है चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर ऑल द नोट बैलेंस फैक्टर के लिए आपको मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था द बैलेंस फैक्टर इज द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री द माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री अगर इसका डिफरेंस जो है जीरो प्लस वन अगर माइनस वन है तो ही ये एक एवीएल सर्च ट्री है अदरवाइज ये एवीएल ट्री नहीं है तो हम सारे नोट्स का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट सबट्री का बैलेंस फैक्टर टू माइनस वन सो इट्स वन माइनस वन ये बैलेंस फैक्टर मैंने लास्ट आपको फाइंड आउट करना सिखाया था फ्रेंड्स कि हाइट आपको लेफ्ट सबट्री की मैक्सिमम निकालनी है और राइट right सबट्री की निकालनी है और उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कीजिए डिफरेंस अगर ये आ रहा है तो ये ABL ट्री है ठीक है और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जितने भी लीफ नोट होते हैं उन सबका बैलेंस फैक्टर क्या होता है जीरो होता है सो so, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट right सबट्री में कोई भी नोट नहीं है तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा सो so, ये सारे जीरो सो फ्रेंड्स हम यहां देख रहे हैं कि जितने भी नोट्स हैं उन सबका बैलेंस फैक्टर प्लस माइनस वन या जीरो आ रहा है तो ये एक एवीएल सर्च ट्री है ठीक है अब हम एक यहां पर नोड इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स ठीक है लेट से आई इंसर्ट अ नोड इन दिस एवीएल ट्री यहां पर मैं एक नोड इंसर्ट करता हूं लेट से थर्टी सिक्स ठीक है नाउ थर्टी सिक्स की पोजिशन क्या होगी इस पर्टिकुलर ट्री में हम यहां से कंपेयर करेंगे 90 से छोटा है 86 से भी छोटा है और 60 से भी छोटा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है उसको हम कहा करेंगे 60 के लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे सो नाइंटी एटी सिक्स वन सिक्सटी एटी सेवन एंड थर्टी सिक्स यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया अब हम चेक करते हैं कि क्या इंसर्शन के बाद में ये एवियल ट्री है या नहीं है एवियल ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है सो so, हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर लेफ्ट सबट्री का हाइट कितनी होगी वन टू थ्री एंड वन सो थ्री माइनस दैट इज प्लस ओके देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉल्स हो गई है ओके okay? चलिए इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट क्या होगी टू माइनस वन दट इज प्लस वन वन माइनस जीरो अगेन प्लस वन जीरो जीरो एंड जीरो ठीक है सारे जो नोड्स हैं सिर्फ इसके अलावा इस ट्री की हाइट क्या हो चुकी है इंक्रीज हो चुकी है सो so, फ्रेंड्स एवी एल ट्री नहीं है ओके okay, यहां पे हम प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई है तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे यहां पे रोटेशन मेथड अप्लाई करेंगे रोटेशन मेथड ये कहता है कि आप ट्री को रोटेट करिए या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट right डायरेक्शन में ताकि जो ट्री का जो हाइट है वो रेस्ट्रिक्ट हो सिर्फ प्लस माइनस वन और जीरो के लिए यहां पर ट्री की अननेसेसरी हाइट नहीं बढ़ानी है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन रोटेशन में फ्रेंड्स हम ट्री को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे या राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है और रोटेशन को फ्रेंड्स फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अगर मैं बात करूं एल एल और आर आर रोटेशन की तो फ्रेंड्स इन दोनों रोटेशन को बेसिकली सिंगल रोटेशन भी कहते हैं सिंगल रोटेशन और एल आर और आर एल की बात करूं तो इनको डबल रोटेशन भी कहते हैं ठीक है। वाई सिंगल एंड डबल इनको हमने सिंगल और डबल क्यों कहा क्योंकि फ्रेंड्स एल एल और आर आर रोटेशन में हमें ट्री को सिर्फ एक ही बार में रोटेट करना है एक ही डायरेक्शन घुमानी या तो वो लेफ्ट घूमेगा या वो राइट घूमेगा ठीक है और डबल रोटेशन में हमें साइमल्टेनियसली ट्री को दो बार रोटेट करना है या तो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट में इसलिए इसको डबल रोटेशन कहा एल एल

अगर सारे नोट्स का बैलेंस फैक्टर प्लस वन माइनस वन जीरो अगर होता तो हमें रोटेशन की नीड ही नहीं है ठीक है रोटेशन की नीड हमें कब पड़ेगी जब एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी क्या हो जाए फॉल्स हो जाए तो फ्रेंड्स इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं ट्री लिया था हमने उसमें एक नोट इंसर्ट किया थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स के इंसर्शन के बाद में ये ट्री जो है अब एवीएल ट्री नहीं है सो तो फ्रेंड्स हम सबसे पहला रोटेशन देखते हैं एल एल रोटेशन ठीक है एल एल रोटेशन यहां एल एल का मतलब क्या है कि जो इंसर्टेड जो नोड होगा वो किसी ना किसी लेफ्ट सप्ट्री के लेफ्ट पार्ट uh, पर वो इंसर्ट हो रहा है तो हवा हम क्या करेंगे एल एल रोटेशन अप्लाई करेंगे किसी लेफ्ट सप्ट्री के लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट मोस्ट पार्ट में अगर वो नोड इंसर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एल एल रोटेशन करेंगे ठीक है इसी तरह से अगर आर आर की बात करूं तो इंसर्टेड नोड की जो पोजीशन है किसी राइट मोस्ट सब ट्री के राइट मोस्ट पार्ट पर अगर वो नोड इंसर्ट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको आर आर रोटेशन एंड एल एल और आर आर दोनों कैसे रोटेशन है सिंगल रोटेशन है हमें यहां पर ट्री को सिर्फ एक बार ही रोटेट करना है या तो वो लेफ्ट होगा या राइट right होगा ठीक है उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा अब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन कब होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स so पर हम एक दिख बार देखते हैं ये पर्टिकुलर ट्री था यहां पे हमने नोड इंसर्ट किया 36 और 36 की पोजीशन कहां पर है 60 के लेफ्ट में अब एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स 36 की जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर किसी लेफ्ट सब ट्री के ये हमारा ट्री है लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड पर 36 सिक्स यहां पर क्या हुआ इंसर्ट हुआ है क्लियर लेफ्ट सब ट्री के किसी लेफ्ट मोस्ट नोड पर वो नोड इंसर्ट हुआ है तो यहां हम क्या करेंगे एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे ये फ्रेंड्स इसको पहचानने का तरीका है अगर ये नोड किसी राइट सब ट्री के राइट मोस्ट पार्ट पर अगर इंसर्ट हुआ होता तो अगर उसकी इंसर्टेड नोड की वजह से एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी अगर फॉल्स होती है तो हम यहां पे आर आर रोटेशन करेंगे ठीक है सो बट अभी यहाँ प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है किसकी वजह से इस थर्टी सिक्स की वजह से थर्टी सिक्स का इंसर्शन किया उसके अपरमोस्ट एंसेस्टर्स जितने भी नोड है उन सब की हाइट क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई और लास्ट में नाइन्टी जो है ये प्रॉपर्टी फॉल्स कर रहा है वी ट्री की तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एल एल रोटेशन ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टी फॉल्स हो चुकी है एल एल रोटेशन क्यों अप्लाई करेंगे मैंने अभी आपको बताया कि किसी ये जो नोट थर्टी सिक्स इंसर्ट हुआ है किसी राइट सॉरी किसी लेफ्ट ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड पर इंसर्ट हुआ है ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की है कि हम रोटेशन किस नोड पर अप्लाई करें ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स आप जरा इस ट्री में ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर ट्री में किस पर्टिकुलर नोड पर हाइट फॉल्स हो रही है नाइनटी पर ठीक है इस नाइनटी पर प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है तो आप क्या कीजिए इसी नाइनटी को जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है इस ट्री को राइट डायरेक्शन में घुमाइए ऐसे राइट डायरेक्शन में घुमाना है एल एल रोटेशन है लेकिन ट्री को किस डायरेक्शन में घुमाना है राइट में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स उल्टा है यहां पर एल एल लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है ठीक है बट ट्री को हमें किस डायरेक्शन में घुमाना है राइट में घुमाना है राइट डायरेक्शन में तो जब हम इस ट्री को जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है ध्यान रखना फ्रेंड्स जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है वहीं पे इसको मैं अगर ऐसे राइट डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो क्या होगा 86 बन जाएगा रूट नोड ठीक है 90 इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड होगा और इसी तरह से 111 इसका भी 90 का राइट right चाइल्ड होगा ये 90 और ये 111 ठीक है मैंने ऐसे घुमा दिया इस ट्री को राइट डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एल एल रोटेशन है ट्री को राइट right डायरेक्शन में घुमाना है ठीक है और थर्टी सॉरी एटी का जो लेफ्ट मोस्ट जो पाथ है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए ये बन गया 60 और ये बन गया 36। अब फ्रेंड्स देखिए जो जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसका जो लेफ्ट जो चाइल्ड है अगर अगर उसके राइट राइट डायरेक्ट में कोई नोड है तो हमको उसको कहा इंसर्ट करना है उसके आफ्टर रोटेशन उसके राइट right पर इंसर्ट करना है क्यों क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स रोटेशन के बाद में 86 क्या बन गया है रूट नोड बन गया है ठीक है और अगर आपने 87 की पोजीशन यहाँ लेफ्ट में रखी तो ये तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर जाएगा जबकि हमने कहा है कि एवीएल ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होना कंपलसरी है सो so, हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी जो है वो मेंटेन करना है सो so, 87 की पोजीशन क्या होगी 90 के लेफ्ट पार्ट में नाइनटी का जो, जो है वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा ठीक है, रोटेशन देखिए फ्रेंड्स ये बना हमारा resultant tree, जो कि एक AVL tree है। अब हम इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं कि क्या सारे का balance factor plus one, minus one, zero आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेते हैं फ्रेंड्स इस रूट नोट एटी सिक्स की हाइट क्या होगी लेफ्ट सप्ट्री की हाइट टू है राइट right सब्टी की भी हाइट टू है सो टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो यहां पे होगा वन माइनस जीरो प्लस का वन ये जीरो 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 और वन माइनस वन दिस इज ऑल्सो जीरो तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा जो ट्री है इन सारे नोड्स हैं जिनमें सबका बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है या तो प्लस वन है या माइनस वन है या जीरो आ रहा है सो so, अब हम श्योरली कह सकते हैं कि ये एक एवीएल ट्री है ठीक है जिस स्टेप पर एवीएल ट्री की प्रॉपर्टी फॉल्स होती है हम उसी स्टेप पर रोटेशन करके उसको वापस एवीएल ट्री में कन्वर्ट करते हैं ऐसा नहीं कि आप एंड में जाकर रोटेशन करें मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा कि आपके एग्जाम में या कहीं भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एवीएल ट्री को हम कैसे बनाएं कैसे उसको जो है पूरा रोटेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करके फाइनल ट्री बनाएं सो so फ्रेंड्स ये एलएल का कंसेप्ट था एलएल में आपको ध्यान रखना है कि हमें ट्री को राइट right डायरेक्शन में घुमाना है या जस्ट फ्रेंड्स उल्टा है एलएल लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है बट फिर भी हम ट्री को किस डायरेक्शन घुमाएंगे राइट right में ठीक है सो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा अब हम फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा रोटेशन आर आर रोटेशन ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आर 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 रोटेशन रोटेशन इस के थ्रू। मैंने अभी आपको बताया कि आर आर रोटेशन का मतलब यह है कि हमें रोटेशन कब करना है जब कोई नोड किसी राइट सब ट्री के राइट मोस्ट पार्ट पर अगर इंसर्ट हुआ है और उस इंसर्टेड नोट की वजह से अगर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है तो हम क्या करेंगे वहां पे आर आर रोटेशन सो फ्रेंड्स पहले ये एग्जांपल देखते हैं उसके बाद मैं आपको रोटेशन बताता हूँ कि किस तरह से करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये चेक करेंगे क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है सो थर्टी लेफ्ट में सारे छोटे नोट राइट में सारे बड़े फोर्टी फाइव से छोटा फोर्टी फाइव से बड़ा ये एक बी है अब हम चेक करेंगे क्या ये एवियल ट्री है या नहीं है सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर जितने भी नोट्स हैं उन सबका क्या करेंगे हम बैलेंस फैक्टर काउंट करेंगे सो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए देखिए फ्रेंड्स वन माइनस टूट इज माइनस वन जीरो लीफ नोट्स फ्रेंड्स सारे बैलेंस फैक्टर क्या है सबका जीरो होता है ये आप नोट करके लिख लीजिए और जब भी क्वेश्चन करें फास्टली क्वेश्चन करें जीरो जीरो लिख दीजिए आप एंड वन माइनस वन इज ऑल्सो जीरो ठीक है तो ये एक एवीएल ट्री भी है सारे नोट का बैलेंस फैक्टर जो है बिल्कुल एकदम बैलेंस है जीरो प्लस वन माइनस वन आ रहा है ठीक है अब हम यहां एक नोट इंसर्ट करते हैं लेट से नाइंटी ठीक है नोट इंसर्ट क्या किया है? हमने नाइनटी सो नाइन्टी की पोजिशन कहां होगी ऑब्वियसली बात है थर्टी से बड़ा है इसके राइट right पार्ट में जाएगा 45 से भी बड़ा है अगेन राइट एंड 60 से भी बड़ा है तो अगेन राइट right. ठीक है सो इंसर्ट कर दीजिए थर्टी ट्वेंटी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्सटी एंड नाइन्टी ये हमने यहां पे इंसर्ट कर दिया अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं फ्रेंड्स कि इस ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या है देखिए वन और ये कितना है थ्री सो दैट इज माइनस टू देखिए ये क्या हो गया बैलेंस नहीं रहा अब ये तो ये अब एक एवीएल ट्री नहीं है जितने भी लीफ नोड्स हैं उन सब का आप बैलेंस फैक्टर जीरो लिख दीजिए वन माइनस टू दट इज अगेन माइनस वन और यहां पे होगा जीरो माइनस वन दट इज माइनस वन ठीक है तो जैसे ही हमने ये नोड इंसर्ट किया नाइन्टी ठीक है ये नोड इंसर्ट किया नाइनटी एस के इंसर्शन की वजह से ये ट्री क्या हो गया है अब एवीएल ट्री नहीं आ रहा है ये इम्बेलेंस हो गया है ठीक है और ये पर्टिकुलर जो नोड नाइनटी इंसर्ट हुआ है इसकी पोजीशन क्या है फ्रेंड्स इसकी पोजीशन ये है कि किसी ये राइट सब ट्री के राइट right है है ठीक इसके राइट मोस्ट पार्ट पर ये नोड इंसर्ट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यहां हमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है आर आर रोटेशन परफॉर्म करना है ठीक है सो फ्रेंड्स यहां हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे और आर आर रोटेशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स के ट्री को हमें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना है ठीक है एल एल रोटेशन में फ्रेंड्स हमने ट्री को राइट डायरेक्शन में रोटेट किया था ठीक है एल एल सॉरी आर आर रोटेशन हम ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ठीक है मैं यहां पे लिख भी देता हूं फ्रेंड्स इन एल एल रोटेशन ट्री को हम राइट right डायरेक्शन में मूव करेंगे और इन आर आर रोटेशन ट्री को हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे ठीक है उल्टा है फ्रेंड्स एल एल लेफ्ट लेफ्ट ट्री को राइट डायरेक्शन को माना है आर, आर, राइट राइट तो ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन को माना है ठीक है सो हम इसको रोटेट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए कि इस पर्टिकुलर नोड के इंसर्शन की वजह से ऐसा कौन सा पहला नोड है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है तो हम देखेंगे ये नोड कौन है थर्टी है सो हम रोटेशन कहां करेंगे थर्टी पर करेंगे सो so, ट्री को किस डायरेक्शन घुमाना है लेफ्ट में घुमा दीजिए अगर मैं ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन घुमाऊंगा इस तरह से ऐसे तो फोर्टी फाइव क्या बन जाएगा रूट नोट बन जाएगा और थर्टी और ट्वेंटी लेफ्ट चाइल्ड थर्टी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ फोर्टी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव लेफ्ट चाइल्ड ऑफ थर्टी और फोर्टी फाइव के जो राइट right चाइल्ड थे सिक्सटी या नाइनटी उनकी पोजिशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहली थी सिक्सटी और नाइनटी बट फ्रेंड्स जैसा हमने एल एल रोटेशन में देखा था यहाँ पर एक नोट था जिसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते बिकॉज हमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना है तो ये जो नोड है फोर्टी अगर इसको मैंने राइट right सप्ट्री पर रखा तो ये प्रॉपर्टी बी एस टी की फॉल्स हो जाएगी क्योंकि रूट नोड क्या है यहाँ पे फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव से जितने भी नोड्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए उसके लेफ्ट पार्ट में होने चाहिए लेफ्ट सप्ट्री में होने चाहिए सो so, यहाँ हम फोर्टी से फोर्टी को यहां पे नहीं रखेंगे हम उसको कहां रखेंगे उसके लेफ्ट सब ट्री पर सो ये बनेगा आफ्टर परफॉर्मिंग दर आर रोटेशन ये बनेगा थर्टी का राइट चाइल्ड ठीक है थर्टी का बनेगा राइट right चाइल्ड अब फ्रेंड्स यहां पर आप कंपेयर करें ये एक बी है हम इसका एक बार बैलेंस फैक्टर भी चेक कर लेते हैं सो वन माइनस वन जीरो अगेन वन माइनस वन जीरो जीरो हो जाएंगे क्योंकि लीफ नोट्स हैं और जीरो माइनस वन दाइनस वन सो देखिए फ्रेंड्स ये एक सारे जितने भी नोट्स हैं उन सबका बैलेंस फैक्टर जीरो प्लस वन माइनस वन आ रहा है तो ये प्योरली एक एवीएल ट्री है ठीक है आफ्टर परफॉर्मिंग दी आर आर रोटेशन दिस इज दी एवीएल ट्री ठीक है सो फ्रेंड्स आई थिंक आर आर रोटेशन आपको क्लियर हो गया होगा मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि एल एल रोटेशन में क्या होगा फ्रेंड्स कोई नोड अगर इंसर्ट हुआ है कहाँ पर किसी लेफ्ट साइड ट्री के लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर इंसर्ट हुआ है और उस नोड के इंसर्शन होने की वजह से ट्री की जो प्रॉपर्टी है एवीएल ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो हम एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे और एल एल रोटेशन में फ्रेंड्स हम ट्री को राइट right डायरेक्शन में मूव करेंगे ठीक है वन वन टाइम राइट डायरेक्शन इसी तरह से अगर आर आर रोटेशन परफॉर्म करना है फ्रेंड्स तो वो रोटेशन कब होगा जब कोई नोड राइट right सब ट्री के किसी राइट मोस्ट पार्ट पर अगर इंसर्ट हुआ है तो हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे और आर आर रोटेशन में हम फ्रेंड्स ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे ठीक है और एल एल और आर आर जैसा कि अभी हमने देखा दोनों रोटेशन हमने परफॉर्म किए पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए दोनों रोटेशन में हमने ट्री को सिर्फ एक बार ही रोटेट किया है इसलिए एल एल और आर आर को हम क्या कहते हैं सिंगल रोटेशन ठीक है फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको आई थिंक एल एल और आर आर रोटेशन क्लियर हो गया होगा इसके आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको एल आर और आर एल रोटेशन के बारे में बताऊंगा जो कि है डबल रोटेशन डबल रोटेशन दल आर और आर एल रोटेशन लास्ट के वीडियो में हमने सिंगल रोटेशन जो था उसको पूरा किया था जो कि था एल और आर रोटेशन के ऊपर बेस्ड और उससे मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था कि हम कैसे एल और आर रोटेशन करें कैसे हम ट्री को लेफ्ट और राइट right डायरेक्शन में रोटेट करें फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो था सिंगल रोटेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल रोटेशन हम कैसे परफॉर्म करें ठीक है डबल रोटेशन बेसिकली फ्रेंड्स दो टाइप के हैं एल और आर रोटेशन ठीक है इन दोनों को हमने क्या कहा डबल रोटेशन ओके फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की है कि यहां पे एल और आर और आर और एल का क्या मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे एल और आर का मतलब है कि, कि किसी लेफ्ट सबट्री के राइट मोस्ट नोड पर अगर आप कोई नोड इंसर्ट करें या किसी राइट right सबट्री के लेफ्ट मोस्ट पर अगर कोई नोड आप इंसर्ट करें उस नोड के इंसर्शन की वजह से अगर एव ट्री प्रॉपर्टी फॉल्स होती है बैलेंस फैक्टर इम बैलेंस हो जाता है तो हमें एल आर और आर एल रोटेशन परफॉर्म करना है ठीक है अब इनको डबल रोटेशन क्यों कहा फ्रेंड्स इनको डबल रोटेशन इसलिए कहा क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें दो बार रोटेशन परफॉर्म करना है तब जाकर ये ट्री क्या होगा बैलेंस होगा अदरवाइज ये ट्री बैलेंस नहीं होगा ठीक है तो फ्रेंड्स जो दो रोटेशन करने हैं कैसे करने हैं इनका प्रोसीजर क्या है हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम डबल रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे सो so फ्रेंड्स सबसे पहले हमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एवी एल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये गिवन ट्री बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है क्योंकि अगर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा तो हम रोटेशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते वो एवी एल ट्री भी नहीं होगा ठीक है सो फोर्टी फाइव लेफ्ट सब ट्री उससे सारे छोटे हैं राइट सब ट्री सेवेंटी बड़ा है थर्टी वन लेफ्ट छोटा राइट बड़ा तो ऑब्वियस ही बात है हंड्रेड परसेंट ये बी एस टी है अब हम चेक करेंगे क्या ये ए एल ट्री है या नहीं है ठीक है so, सो हर नोड का यहाँ बैलेंस फैक्टर निकाल दीजिए टू माइनस वन दैट इज प्लस का वन ठीक है वन माइनस वन जीरो ये जीरो जीरो और जीरो लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया है ज़ीरो होता है क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में कोई भी नोड नहीं होता है सो ज़ीरो माइनस जीरो जीरो फ्रेंड्स अब हम यहाँ नोड इंसर्ट करते हैं एक थर्टी नाइन थर्टी नाइन की पोजीशन क्या होगी फ्रेंड्स आप बताइए हम कंपेयर करेंगे फोर्टी फाइव से छोटा है तो लेफ्ट में मूव होगा बट थर्टी वन से वो बड़ा है ठीक है तो राइट में मूव होगा बट यहाँ पे राइट में पोजीशन वैकेंट नहीं है सो so हम फोर्टी से भी कंपेयर करेंगे से से जो है, छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में ये इंसर्शन होगा लेफ्ट हमारा लेफ्ट चाइल्ड इसका वैकेंट है तो यहां पे नोड ये इंसर्ट हो जाएगा अब फ्रेंड्स इस ट्री का हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं कि ट्री बैलेंस होगा या नहीं होगा फाइनल जो ट्री बना है उसको मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ फोर्टी फाइव थर्टी वन फिफ्टीन फोर्टी थर्टी नाइन इसका लेफ्ट होगा और सेवेंटी नाउ वी कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर फोर्टी फाइव का बैलेंस फैक्टर क्या होगा वन टू थ्री और राइट right साइड का वन सो थ्री माइनस वन प्लस का टू देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी यहाँ क्या हो गई है फॉल्स हो गई है तो अब ये एक एवीएल ट्री नहीं है ठीक है हम बाकी नोड्स का भी बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं वन माइनस टू कितना होगा माइनस वन जीरो प्लस वन और जी जीरो तो फ्रेंड्स आप देखिए कि ये नोट जो हमने 39 इंसर्ट किया है इसके इंसर्शन की वजह से ये प्रॉपर्टी क्या हो गई है फॉल्स हो गई है अब ये एवीएल ट्री नहीं है ये एक बी एस टी जरूर है ये एक बाइनरी सर्च ट्री जरूर है बट ये एवियल ट्री नहीं है सो so, अब हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर रोटेशन रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे देखिए फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे कि जो इंसर्टेड जो नोड है उसकी पोजिशन क्या है वो कौन से पर्टिकुलर ट्री की पोजिशन पर इंसर्ट हुआ है वो हम पहले चेक करेंगे सो so, फ्रेंड्स पहले मैं अगर एल एल और आर आर की बात करूं तो क्या ये नोड जो इंसर्ट हुआ है वो किसी लेफ्ट सप्ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड पर इंसर्ट हुआ है नहीं किसी राइट right सप्ट्री के राइट मोस्ट नोड पर इंसर्ट हुआ है नहीं सो so फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ये दो पॉसिबिलिटीज़ के इन दोनों में से ये पॉसिबिलिटी कौन सी है पहले हम देखेंगे एल आर की पॉसिबिलिटी क्या ये नोड किसी लेफ़्ट सप्ट्री पर इंसर्ट हुआ है आपका जवाब आएगा हाँ बिल्कुल लेफ्ट सप्ट्री पर इंसर्ट हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आर एल रोटेशन नहीं लगेगा क्योंकि आर एल रोटेशन में फर्स्ट जो कंडीशन है वो है राइट right सबट्री तो राइट right सबट्री पर इंसर्ट तो हुआ नहीं है ये नोड लेफ्ट सबट्री पर इंसर्ट हुआ है और किसी न किसी राइट मोस्ट नोड पर ये इंसर्ट हुआ है राइट मोस्ट नोड पर ठीक है तो हम देखेंगे यहाँ पर एल आर रोटेशन एल आर रोटेशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एल आर हुआ या आर एल हुआ उसमें हमेशा एक ऐसा एंगल बनता है मान लीजिए 90 या 120 डिग्री का एक एंगल बनता है लाइक दिस यहाँ पर एक जो है एंगल बन रहा है ठीक है जहाँ कहीं भी ऐसा एंगल बने लेफ्ट सप्ट्री पर या राइट पर तो आप एक बात निश्चित तौर पर आ, उसको आप लिख लीजिए कि यहाँ पर हमें डबल रोटेशन परफॉर्म करना है एल या आर में से कोई एक परफॉर्म करना है और जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बने उस नोड को इंसर्ट करने के बाद में लाइक वन एटी डिग्री का एंगल बने स्ट्रेट लाइन बने तो आप ये बात निश्चित कर लीजिए कि वहाँ पे हमें एल एल और आर आर रोटेशन परफॉर्म करना है अगर वो लेफ्ट सब पर है तो एल एल रोटेशन होगा अगर वो राइट सब ट्री पर है तो ऑब्वियस बात है वो आर आर रोटेशन होगा ये फ्रेंड्स एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं जानने का तरीका है कि आप कब कौन सा रोटेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है तो अब हम यहाँ पे इस ट्री में जो है एल आर रोटेशन परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स आप दूसरी बात ध्यान रखिएगा ये डबल रोटेशन है हमें दो बार रोटेशन परफॉर्म करना है का तो मैं जो ये ट्री है इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से फोर्टी फाइव थर्टी वन सेवेंटी फिफ्टीन फोर्टी और ये हो गया थर्टी नाइन ठीक है यहाँ प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बात ध्यान देने की है कि हमें रोटेशन एल आर करना है यहाँ पर और एल आर रोटेशन में हम सबसे पहले ट्री को एल आर रोटेशन में हम सबसे पहले टी को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे इसका मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद में साइमल्टेनियसली एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली एल आर रोटेशन जो है या आर एल रोटेशन जो है वो आर आर और एल एल से या एल एल और आर आर से मिलके ही बना है ठीक है इसलिए अगर आपको सिंगल uh, रोटेशन जो है एल और आर अगर नहीं समझ में आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा लास्ट वीडियो देखें उससे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है सिंगल रोटेशन के बारे में ठीक है so, सो अगर हम आर रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हम ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और अगर हम एल रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ट्री को राइट right डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ठीक है so, सो सबसे पहले हम ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे पहला जो रोटेशन होगा फ्रेंड्स वो वो आप ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर जहां रूट नोड में प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है इस पर्टिकुलर नोड पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है हम रोटेशन उस नोड पर ही करेंगे ठीक है सो इस नोड पर फर्स्ट जो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो है लेफ्ट रोटेशन इस ट्री को हम लेफ्ट डायरेक्शन घुमाएंगे बट अभी हम इस पर्टिकुलर पहले रोटेशन में इसके सब ट्री पर रोटेशन करेंगे रूट नोट को अभी हमें नहीं छेड़ना है ठीक है सो पहले मैं लेफ्ट र, आ, इस ट्री को रोटेट करूंगा तो इसके सब ट्री पर मैं इस ट्री को रोटेट करूंगा देखिए फ्रेंड्स इसका यह इस सब पार्ट है अभी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे क्या करना है सब ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाना है पहला रोटेशन क्या है आर आर और आर आर में हम ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे सो so, मुझे इसको लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे तो क्या होगा फोर्टी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे थर्टी वन और ये होगा फिफ्टीन और फोर्टी नाइन का ये लेफ्ट इधर आ जाएगा आप चाहें तो बेसिकली जो थर्टी नाइन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं इसके यहाँ पर होगी क्यों क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थर्टी नाइन जो है वो फोर्टी से छोटा है लेकिन थर्टी वन से बड़ा है ठीक है और 70 एज इट इज है यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमने किया कौन सा रोटेशन आर आर रोटेशन ठीक है अब हम करेंगे क्या एल एल रोटेशन जिसमें ट्री को हम राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे सो फ्रेंड्स यहां पर करेंगे हम एल एल रोटेशन अब जो रोटेशन होगा वो पूरे इस पर्टिकुलर नोड पर होगा जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है याद रखिएगा फ्रेंड्स पहला रोटेशन जहां जिस नोड पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसके सब ट्री पर करना है और सेकेंड रोटेशन पूरे ट्री पर करना है जहां पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है सो so, अब इस ट्री को हम राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे रोटेशन का मतलब होता है कि ट्री को आप राइट डायरेक्शन में घुमाइए तो इस ट्री को मैं जब राइट डायरेक्शन में घुमाऊंगा ऐसे तो 40 जो है वो रूट नोड बन जाएगा 45 इसका राइट चाइल्ड और 70 भी इसका राइट चाइल्ड ठीक है 31 बिल्कुल एज इट इज पोजिशन होगी ये आ गया आपका 15 और ये हो गया 39 ठीक है क्लियर अब हम इसका एक बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं कि क्या ये रोटेशन होने के बाद में ये AVL ट्री बना है या नहीं बना है ठीक है सो वन टू एंड टू टू माइनस टू जीरो वन माइनस वन जीरो ये हो गया ज़ीरो माइनस वन डेट इज़ माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो सारे नोट्स का बैलेंस फैक्टर फ्रेंड्स देख लीजिए जीरो प्लस वन और माइनस वन आ रहा है बैलेंस फैक्टर अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ 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 प्लीज, आप लास्ट के जो हमारे वीडियो है एवीएल ट्री का उसमें आप जाके सर्च करिए पढ़िए देखिए उसमें आपको क्लियर जो है विज़न क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें ठीक है सो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर डबल रोटेशन परफॉर्म किया है पहले मैंने आर आर रोटेशन परफॉर्म किया फिर एल आर रोटेशन परफॉर्म किया और ट्री को फाइनली मैंने एवीएल ट्री बना दिया ठीक है सो दिस इज़ आवर फाइनल एवियल सर्च ट्री आफ्टर परफॉर्मिंग दी एल आर रोटेशन ठीक है मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूं एल आर रोटेशन में डबल रोटेशन है जो कि उसमें सबसे पहले हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद में एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे आर आर का मतलब होता है हमें ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाना है और एल एल का मतलब होता है हमें ट्री को राइट डायरेक्शन में घुमाना है पहला जो रोटेशन होगा वो उस पर्टिकुलर नोड पर नहीं होगा जहाँ प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसके सब ट्री पर होगा और सेकेंड जो रोटेशन होगा वो पूरे सब पूरे ट्री पर होगा बस आप ये कुछ बातें जो है ध्यान रखिए इजीली आप डबल रोटेशन कर सकेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर हमें आर एल रोटेशन परफॉर्म करना हो ठीक है एल आर आपको समझ में आ गया होगा इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आपको आर एल रोटेशन परफॉर्म करना हो तो हम कैसे करेंगे इसका भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके सॉल्व करवाता हूँ ओके फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आर एल रोटेशन आर एल रोटेशन के रिगार्डिंग मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है और इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आर एल रोटेशन परफॉर्म कैसे होता है आर एल रोटेशन आपको पता ही है कि ये एक डबल रोटेशन है और इस आर एल रोटेशन में ये बिल्कुल रिवर्स है एल आर का अगर आपको एल आर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आर एल फिर कुछ भी नहीं है ठीक है एल आर में हमने सबसे पहले आर आर रोटेशन परफॉर्म किया था फिर एल एल रोटेशन परफॉर्म किया था या हम एल एल करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे आर आर एल एल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स ट्री को राइट डायरेक्शन में रोटेट करना है और आर आर का मतलब होता है ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना है ठीक है सो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है इसका हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं वन माइनस टू माइनस वन जीरो 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 और वन माइनस वन जीरो ठीक है सिक्सटी एट नोट को हम इंसर्ट करते हैं फ्रेंड सिक्सटी एट की पोजीशन क्या होगी फोर्टी फाइव से बड़ा है सेवनटी से छोटा है बट सिक्सटी फाइव से बड़ा है तो सिक्सटी फाइव के राइट right में ये इंसर्ट हो जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी सेवेंटी सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी एट और ये हो जाएगा एटी फाइव बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स वन माइनस थ्री माइनस टू देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी हो गई फॉल्स ज़ीरो टू माइनस वन सो टू माइनस वन प्लस वन ये हो गया ज़ीरो माइनस वन माइनस वन ये ज़ीरो और ज़ीरो ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स जो रूट नोड है 45, उस पर बैलेंस फैक्टर आ रहा है, two, जो की की नहीं है। अब हम यहां करेंगे रोटेशन रोटेशन में आप देखिए right तो है नहीं तो ऑब्वियसली बात है हम क्या परफॉर्म करेंगे यहां पे आर एल रोटेशन किसी राइट right सब्ट्री के लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर है ये ठीक है सो मैं यहां पर इसको एक बार फिर से लिख देता हूं फोर्टी फाइव फोर्टी सेवनटी एट आर एल रोटेशन के अनुसार हमें सबसे पहले एल एल करना है उसके बाद में आर आर करना है एल एल रोटेशन के अंदर हमें ट्री को राइट सब ट्री में रोटेट करना है और मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स के एल आर हो या आर एल हो पहला जो रोटेशन होगा वो उस जहां रोड की प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसके सब ट्री पर होगा सो so, सबसे पहले हम करते हैं एल एल रोटेशन जिसके अंदर हम ट्री को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे प्रॉपर्टी इस नोड पर फॉल्स हुई है तो इसके सब ट्री पर पहला रोटेशन करना है हमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सब ट्री पर करना है कौन सा एल 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 का मतलब ट्री को राइट डायरेक्शन में घुमाइए चलिए हम रोटेट करते हैं फोर्टी फाइव एज इट इज रहेगा फोर्टी देन ट्री को राइट डायरेक्शन रोटेट करना है सब ट्री वाले को तो रोटेट करिए 65 फाइव यहाँ ऊपर आ जाएगा देन 70 और 85, ठीक है 68 की पोजीशन क्या बनेगी फ्रेंड्स ऑब्वियस ही बात है ये 70 से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है क्योंकि अगले स्टेप में जो है 65 फाइव रूट नोट बनने वाला है अगर उसको आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा और लास्ट में हम रोटेट करेंगे आर आर रोटेशन जिसमें हम ट्री को किस डायरेक्शन घुमाएंगे लेफ्ट में और अब जो रोटेशन होगा वो उस नोड पर होगा जहाँ प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है प्रॉपर्टी हुई थी फॉल्स फोर्टी फाइव पर ट्री को आप लेफ़्ट डायरेक्शन में घुमा दीजिए क्योंकि हम रोटेशन आर आर कर रहे हैं ट्री को जैसे ही मैं लेफ़्ट डायरेक्शन घुमाऊंगा तो सिक्सटी फाइव क्या बन जाएगा रूट नोड फोर्टी फाइव इसका लेफ्ट चाइल्ड और फोर्टी फोर्टी फाइव का लेफ्ट चाइल्ड और बाकी नोड की पोजीशन ये होगा 70, 70 का लेफ़्ट बनेगा 68 और राइट right बनेगा 85. देख लीजिए फ्रेंड्स हमने आर एल रोटेशन परफॉर्म कर दिया है हर नोड का हम बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं अब टू माइनस टू सो ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और ये ज़ीरो तो देखिए फ्रेंड्स सारे नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो बिल्कुल प्लस वन माइनस वन या ज़ीरो आ रहा है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि आफ्टर रोटेशन एल आर सॉरी आर एल रोटेशन ये एक ए वी एल ट्री है ठीक है सो दोनों जो रोटेशन है एल आर और आर एल वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए लास्ट के वीडियो में मैंने आपको एल एल और आर आर रोटेशन भी करवाया था ठीक है आई थिंक आपको जो जितने भी तरह के रोटेशन हैं वो पूरे क्लियर हो गए हैं एग्जाम्पल ऑफ ए वी एल ट्री लास्ट के वीडियोज में मैंने आपको ए वी एल ट्री का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया था आज हम ए वी एल ट्री से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन और एम सी क्यूज में पूछे जाते हैं ये पर्टिकुलर नोट इंसर्ट करने के बाद में उस पर्टिकुलर नोट का लेफ्ट कौन होगा राइट right कौन होगा इंसर्ट करने के बाद में लिफ्ट नोट कौन कौन से होंगे इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं बट फ्रेंड्स अगर हमें ए वी एल ट्री ही बनाना नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चनस कुछ, को कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ए वी एल ट्री से फेमिलियर नहीं हैं और अगर हमारे अपने लास्ट की वीडियोज़ नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने ए वी एल ट्री को पूरा एक्सप्लेन किया है तो फ्रेंड्स पहले आप उस वीडियो को देखें सारे वीडियोज़ को देखें ए वी एल ट्री का जो कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर करें और फिर अगर आप ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आप कॉन्फिडेंस होके सॉल्व करेंगे ठीक है so, सो मेरी ये उम्मीद होगी कि आपको ए वी एल ट्री यहाँ पर आता है और अगर आपको थोड़ा फेमिलियर नहीं है ए वी एल ट्री से तो प्लीज़ इसको आप लर्न करिए हमारे वीडियोस से जो हमने लास्ट के सारे जितने भी अपलोडेड कर रखे हैं चलिए फ्रेंड्स आइए अब हम AVL एल ट्री का ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और कैसे AVL एल ट्री बनाते हैं नोट्स की हेल्प से हम देखते हैं और सारे रोटेशन आपको क्लियर होंगे इतनी मेरी उम्मीद है आशा है और नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज इसको क्लियर करें हमारे प्ले में जाके ठीक है चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो नोट आ रहा है थ्री ठीक है पहले नोट को हम रूट नोट मानेंगे ये हमारा रूट नोट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट ही नोड है नो प्रॉब्लम नेक्स्ट नोड इंसर्ट करेंगे हम टू टू की पोजीशन होगी फ्रेंड थ्री का लेफ्ट तो हमने थ्री का लेफ्ट इसको इंसर्ट कर दिया क्यों क्योंकि एक बाइनरी सर्च ट्री भी है एवीएल ट्री ये मैं आपको बार बार में बता चुका हूँ अब हमें इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है क्या ये बैलेंस ट्री है या नहीं है सो so, लेफ्ट है सो वन माइनस जीरो प्लस वन और ये जीरो सो बिल्कुल बैलेंस्ड है नो no प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट नोट इंसर्ट करेंगे हम वन ठीक है जब तक ट्री बैलेंस है हम कोई भी रोटेशन परफॉर्म नहीं करेंगे फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा आप ट्री अगर बैलेंस है तो रोटेशन की नीड भी नहीं है अगर ट्री इम्बैलेंस है तो हमें रोटेशन परफॉर्म करना है और उसी स्टेप पर करना है ऐसा नहीं कि आप सारे नोड को इंसर्ट कर लें और फिर आप फाइनल एक रोटेशन करें आप ऐसा मत करें आप हर स्टेप पर रोटेशन करें जहां पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है ठीक है सो हम नोड को वन नोड वन को इंसर्ट करेंगे नोड वन की पोजिशन होगी टू का लेफ्ट सो so, हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे और ये ठीक है बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं फ्रेंड्स टू माइनस जीरो सो प्लस टू प्लस वन और जीरो अब देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी हो चुकी है फॉल्स ठीक है प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई है अब हम यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करेंगे रोटेशन होगा यहाँ पे एल एल मैं आपको बता दूं क्योंकि जो इंसर्ट हुआ है वो किसी लेफ्ट के लेफ्ट पार्ट पर इंसर्ट हुआ है एल एल एक सिंगल रोटेशन है ट्री को हमें एक बार ही रोटेट करना है सो so, रोटेट करेंगे हम फ्रेंड्स ट्री को राइट right डायरेक्शन में रोटेट करेंगे टू टू को रोटेट किया तो टू रूट नोट बन गया वन इसका लेफ्ट चाइल्ड और थ्री इसका राइट चाइल्ड ठीक है अब हम इसमें यहाँ परफॉर्म करेंगे सारे नोट्स का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे चेक करेंगे क्या ये ए ट्री है या नहीं है सो वन माइनस वन जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे नोट्स एकदम बैलेंस्ड है अब हम नेक्स्ट नोट इंसर्ट करेंगे वो क्या है फोर फोर को हम इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स फोर की पोजिशन होगी थ्री का राइट right. कर दीजिए इंसर्ट टू वन थ्री और फोर ये हमने इंसर्ट कर दिया ठीक है पहले फैक्टर चेक करेंगे फ्रेंड्स वन माइनस टू दैट इज माइनस वन जीरो हो गया जीरो माइनस वन माइनस वन और जीरो अभी भी ये क्या है एवीएल ट्री है कोई प्रॉब्लम नहीं है पे. यहाँ पे यहां पे ड्रॉ कर देता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट नोट जो इंसर्ट करना है वो है फाइव कर दीजिए इंसर्ट टू यहां पर मैं कर देता हूं नेक्स्ट नोट जो इंसर्ट करना है वो है फाइव फाइव की पोजीशन होगी फ्रेंड्स फोर का राइट right. कर दीजिए इंसर्ट टू वन थ्री फोर एंड ये फाइव ठीक है बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं फ्रेंड्स वन माइनस थ्री डेट इज माइनस टू ये जीरो और यहां पर बैलेंस चेक करेंगे जीरो माइनस टू डेट इज माइनस टू माइनस वन और ये जीरो देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये जो है ट्री क्या हो गया है इंबैलेंस हो गया है अब ये ABL ट्री नहीं है ठीक है तो अब हम कौन सा रोटेशन परफॉर्म करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टेप पर आकर काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है और किस पर्टिकुलर नोट पर हमें रोटेशन परफॉर्म करना है ठीक है तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए और आपको कोई बात ध्यान में नहीं रखनी है कि वो पहला ऐसा कौन सा नोड है जहां पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है ठीक है नोड को इंसर्ट करने के बाद में वो पहला ऐसा कौन सा नोड है जहां पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है तो देखते हैं हम फ्रेंड्स कि बिफोर रोटेशन ये ये सिनेरियो था आफ्टर रोटेशन जैसे हमने फाइव को इंसर्ट किया थ्री एक पहला ऐसा नोड है जहां पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसके बाद में उसके टू के ऊपर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है जितने भी पैरेंट नोड है उन सबकी हाइट क्या होती है इंक्रीज होती है तो हम रोटेशन यहां पर परफॉर्म करेंगे ठीक है इसके अकॉर्डिंग जो नोड इंसर्ट हुआ है वो किसी राइट right सबट्री के राइट right पार्ट पर इंसर्ट हुआ है राइट मोस्ट नोड पर इंसर्ट हुआ है तो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे आर आर रोटेशन जिसमें हम ट्री को क्या करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे अब आप ये ऊपर वाला भूल जाइए एक बार के लिए ठीक है आप इस ट्री को देखिए इस ट्री पर आपको राइट right, जो है आर आर रोटेशन परफॉर्म करना है और ट्री को किस डायरेक्शन घुमाना है लेफ्ट में तो घुमा दीजिए जैसे ही आप घुमाएंगे फोर जो है वो रूट नोट बन जाएगा इस पर्टिकुलर ट्री के लिए टू की पोजिशन एज इट इज रहेगी फोर यहाँ रूट आ गया इसका पेरेंट बन गया थ्री इसका लेफ्ट है और फाइव इसका राइट है अब आप बैलेंस फैक्टर चेक करें वन माइनस टू माइनस वन ये, जीरो, ये वन वन, जीरो जीरो और जीरो बिल्कुल बैलेंस हो गया ठीक है तो ये तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि किस पर्टिकुलर नोट पर आपको रोटेशन परफॉर्म करना है ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी गलती नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट जो नोट इंसर्ट करना है वो फ्रेंड्स है सिक्स सिक्स ओके सिक्स की पोजीशन होगी फ्रेंड्स फाइव का राइट right, आप इंसर्ट कर दीजिए टू वन फोर थ्री ये फाइव और ये सिक्स बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं फ्रेंड्स वन वन टू थ्री वन माइनस थ्री कितना होगा माइनस का टू ये जीरो और ये हो गया वन माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस वन और जीरो ओके फ्रेंड्स प्रॉपर्टी हो गई है फॉल्स अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रोटेशन ठीक है रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा नोड कहा इंसर्ट हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है और प्रॉपर्टी कहा फॉल्स हुई है यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स आप पहचानिए यहां पे कौन सा रोटेशन लगेगा किसी राइट सब ट्री के राइट मोस्ट नोड पर इंसर्ट हुआ है आप इसको फ्रेंड्स आर एल रोटेशन परफॉर्म मत कर दीजिएगा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आर एल रोटेशन नहीं होगा यहां पर यहां पर होगा आर आर रोटेशन ट्री को हमें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना है सो so, रोटेट करते हैं फ्रेंड्स ये आर आर रोटेशन ठीक है आर आर रोटेशन में फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे कि ट्री को हमें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना है एक तरीका और है फ्रेंड्स आप बात ध्यान रखिएगा एक तरीके से आप और पहचान सकते हैं कि यहां पे आर आर लगेगा या आर एल लगेगा ठीक है देखिए प्रॉपर्टी कहां फॉल्स हुई है इस नोट पर इस नोट का बैलेंस फैक्टर कितना है माइनस टू और इसके जस्ट राइट चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर कितना है माइनस वन ठीक है आर आर रोटेशन में फ्रेंड्स एक बार लिख के लीजिए जो नोड की प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है माइनस वन और उसके राइट right चाइल्ड का बैलेंस फैक्टर माइनस वन होगा और अगर यहाँ पे आर एल रोटेशन होता तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो राइट right चाइल्ड है उसका बैलेंस फैक्टर प्लस वन होता माइनस वन नहीं होता ये फिक्स है हंड्रेड परसेंट है कोई इसको चेंज नहीं कर सकता ठीक है ये फिक्स है नोटेशन है तो आप एक बार ध्यान रखिए यही केस हम एल एल और एल आर के केस में भी देख सकते हैं सेम वही रहेगा ठीक है सो so, अब यहाँ हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करते हैं ट्री को हम किस तरह से घुमाएंगे लेफ्ट में घुमा दीजिए ऐसे घुमाएंगे तो फोर रूट नोट बन जाएगा टू इसका लेफ्ट और वन टू का लेफ्ट ठीक है फाइव और सिक्स एज इट इज रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर बट जो थ्री की पोजिशन होगी वो फ्रेंड्स सब चेंज हो जाएगी पहले ये फोर का लेफ्ट चाइल्ड था बट अब ये क्या होगा टू का राइट right चाइल्ड बन जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बी एस टी बाइनरी सर्च ठीक है कर दिया है, हमने रोटेशन ओके अब हम चेक करते हैं बैलेंस फैक्टर सो टू माइनस टू जीरो वन माइनस वन जीरो 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 और वन जीरो माइनस वन माइनस वन और जीरो देखिए फ्रेंड्स पूरा बैलेंस हो गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा नोड सिक्सटीन सिक्सटीन को इंसर्ट करते हैं चलिए फोर सिक्सटीन की पोजीशन होगी फ्रेंड्स सिक्स का राइट right, तो हम इंसर्ट कर देते हैं टू वन ये बन जाएगा थ्री फाइव एंड सिक्स और ये बनी सिक्सटीन की पोजीशन बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है चलिए सो टू माइनस थ्री माइनस वन बैलेंस है अभी तक तो और ये बनेगा ज़ीरो माइनस टू माइनस टू माइनस वन और ज़ीरो इम्बैलेंस हो गया बट हमें अच्छी तरह से पता है ये कौन सा रोटेशन होगा आर आर रोटेशन होगा तो कर दीजिए आर आर रोटेशन परफॉर्म घुमा दीजिए इस ट्री को लेफ्ट डायरेक्शन में फोर टू वन थ्री सिक्स लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाना है सिक्स रूट नोट बन जाएगा इस पर्टिकुलर ट्री के लिए और सिक्सटीन इधर आ जाएगा ठीक है बिल्कुल बैलेंस है सारे नोट एक ही लेवल पर है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो बैलेंस फैक्टर टू माइनस टू जीरो सब नोट का बैलेंस फैक्टर यहाँ जीरो होगा नो no प्रॉब्लम और लास्ट जो हमें नोट इंसर्ट करना है वो है फिफ्टीन फिफ्टीन की पोजिशन होगी फ्रेंड फ्रेंड सिक्सटीन का लेफ्ट क्योंकि ऑब्वियसली बात है फोर से बड़ा है सिक्स से बड़ा है और सिक्सटीन से छोटा है तो कहां इंसर्ट होगा सिक्सटीन के लेफ्ट वाले साइड पर तो देख लीजिए फ्रेंड्स हम इंसर्ट कर देते हैं फिफ्टीन को फोर टू वन थ्री सिक्स फाइव सिक्सटीन और ये हो गया आपका फिफ्टीन ठीक है बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या ये एबिलिटी है या नहीं है नहीं है तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे है तो कोई दिक्कत नहीं है सो टू माइनस थ्री माइनस वन ये आपका जीरो है वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन माइनस जीरो प्लस वन और ये बन गया जीरो सो फ्रेंड्स लास्ट में हमने देखा इंसर्ट करने के बाद में ये नोड ये जो ट्री बना है सारे नोड्स का बैलेंस फैक्टर प्लस वन जीरो या माइनस वन है सो ही हम कह सकते हैं श्योरली कह सकते हैं कि आज जो ये ट्री बना है ये एक प्योरली एवीएल सर्च ट्री है ओके okay? सो so, इस तरह के एग्जांपल आप और करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप एवियल ट्री के क्रिएशन में कोई गलती ना करें ठीक है जो बातें मैंने आपको बताई है एवीएल ट्री के रिगार्डिंग कब हमें रोटेट करना है कब नहीं करना है कब डबल रोटेशन परफॉर्म करना है कब सिंगल रोटेशन परफॉर्म करना है ये सारी बातें आप ध्यान रखिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी आप गलती नहीं करेंगे अब इस पर्टिकुलर uh, मतलब एग्जांपल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लीफ नोट्स कितने हैं कौन कौन से हैं ठीक है सिक्स का राइट लेफ्ट कौन होगा राइट right कौन होगा ठीक है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में आ, पूछ सकते हैं तो आप इजीली ट्री को बनाने के बाद में इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं बट वो तभी देंगे जब आप इस ट्री को आ, एकदम परफेक्टली सॉल्व करेंगे सारे रोटेशन एकदम परफेक्टली अप्लाई करेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है मेरा ये सजेशन है कि आप इस तरह के क्वेश्चन और करते रहिए और क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं किसी स्टेप पर अगर आप फंस गए हैं ठीक है तो कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए हम उनका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे हीप फ्रेंड्स इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए मैंने आपको लास्ट के वीडियोज़ में ट्री के टाइप्स बताए थे उसमें मैंने आपको ट्री के जो भी टाइप्स हैं लाइक बाइनरी ट्री ठीक है कंप्लीट बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इन सब के बारे में मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी सो so फ्रेंड्स अगर आपको उन वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और ये टॉपिक्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखें इन सारे टॉपिक्स को पहले क्लियर करें उसके बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिससे हमें फेमिलियर होना जरूरी है पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए ओके सो फ्रेंड्स वॉट इज अप हीप इज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ये एक बाइनरी ट्री है इसका मतलब यहां पर जितने भी नोड्स होंगे ठीक है उनके एटमोस्ट क्या होंगे टू चाइल्ड्स होंगे या तो जीरो चाइल्ड होगा या वन चाइल्ड होगा या टू चाइल्ड होगा सो एटमोस्ट वहां पे टू चाइल्ड्स होंगे ओके सो इट इज अ अम्प्लीट बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरीट्री की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी फ्रेंड्स लेट्स से दिस इज अ बाइनरी ट्री मैं आपको फिर से एक बार यहां एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल लास्ट लेवल को छोड़कर जितने भी जो प्रीवियस लेवल्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए और नोड का जो इंसर्शन है वो एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल होना चाहिए अगर ऐसा कोई ट्री बन रहा है तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये इस ट्री का लास्ट लेवल है दिस इज वन टू थ्री और इफ ये इस ट्री का लास्ट लेवल है लेवल थर्ड ठीक है इस लेवल को छोड़कर इससे पहले वाले जितने भी लेवल्स हैं जीरो वन और टू उसमें आप देख रहे हैं कि सारे लेवल्स क्या हैं यहां पे फुल हैं ठीक है ठीके? हर लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं और लास्ट लेवल में ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स नहीं है तो ये चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट इन नोट्स का जो इंसर्शन है वो एज फार एज कैसा होना चाहिए लेफ्ट होना चाहिए कोई पोजिशन वैकेंट नहीं होनी चाहिए लेट्स अगर मैं यहाँ पे एक नोट इंसर्ट कर देता हूं इस पर्टिकुलर पोजिशन पर तो अब ये एक कंप्लीट बॉनिटरी नहीं है क्यों क्योंकि आपने इस पोजिशन को क्या कर दिया वैकेंट कर दिया छोड़ दिया उसके बाद में नोट इंसर्ट कर दिया ठीक है, है, मैं आपको बता दूं को binary search tree होना compulsory नहीं है. हो सकता है मे बी बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि heap, जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करे कि लेफ्ट में सारे छोटे नोड हो राइट right में सारे बड़े नोड हो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है ठीक है को बाइनरी होना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है बट बट फ्रेंड्स हीप को कंप्लीट बाइनरी ट्री होना कंपलसरी है ठीक है हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ओके नाउ हीप इज क्लासीफाइड इन टू टाइप्स अ मैक्स हीप हीप एंड द मिन ठीक है मैक्स और मिन अब देखिए फ्रेंड्स ये जो नाम के अकॉर्डिंग है इनकी ही ये प्रॉपर्टी है कि यहां पे मैक्स और मिन का क्या मतलब है ठीक है लेट से दिस इज अ ट्री इसमें जो रूट नोड है इससे जितने भी जो सप्ट्री में जो नोड्स आएंगे चाहे भले वो लेफ्ट सप्ट्री में हो चाहे भले वो राइट सप्ट्री में हो ठीक है इसके नीचे जितने भी नोड्स आएंगे वो सारे इससे छोटे होंगे और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस पर्टिकुलर रूट नोड पर अप्लाई नहीं होती है ये प्रॉपर्टी हर नोड पर अप्लाई होती है फोर्टी की बात करूँ तो फोर्टी से सारे छोटे नोड उसके लेफ्ट सप्ट्री में उससे नीचे हैं ट्वेंटी फाइव सारे छोटे हैं ट्वेंटी सिक्स से भी सारे छोटे हैं तो इस तरह का अगर कोई ट्री बन रहा है और कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मैक्स हीप ठीक है इसका जस्ट अगर हम रिवर्स देखें सबसे छोटा एलिमेंट अगर रूट नोड हो और उससे सारे बड़े एलिमेंट अगर उसके सब ट्री में हो या तो वो लेफ्ट सब ट्री हो या राइट सब ट्री हो दोनों में हो तो ऐसे ट्री को हम कहेंगे मिन हीप और साथ ही साथ में ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होना चाहिए अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो ये एक हीप भी नहीं है ठीक है अगर मान लीजिए आपने किसी नोड का इंसर्शन यहां पे कर दिया ठीक है कोई भी नोड है इसका इंसर्शन आपने यहां पे कर दिया तो आप कहेंगे कि हीप की प्रॉपर्टी है कि सारे छोटे नोड्स ठीक है अगर ये मेन हीप की बात कर रहा हूं तो ये रूट नोड से सारे बड़े जो नोड्स हैं वो इसके सप्ट्री में आ रहे हैं वो ट्रू है बट ये कंप्लीट माइनॉरिटी नहीं है अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये हीप भी नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोट की वजह से ये प्रॉपर्टी क्या हो गई फॉल्स हो गई हमें इंसर्शन जो है कम्प्लीट बाइनरीट्री में एज फार एज हमेशा लेफ्ट होना चाहिए कभी भी राइट right नहीं होना चाहिए इस वजह से ये मिन हीप नहीं है ये एक हीप नहीं है हमें अगर इस नोट को इंसर्ट करना है तो हमें इस नोट को सबसे लेफ्ट मोस्ट की जो पोजिशन है अगर वो वैकेंट है तो हमें पहले उस पोजिशन पर इस नोट को इंसर्ट करना पड़ेगा फिर ये बाइनरी ट्री और साथ साथ में कंप्लीट बाइनरी और साथ साथ में ये मिन हीप भी होगा ठीक है सो आई थिंक फ्रेंड्स है वो ये 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 है कि ये एक binary tree है है, कि एक और साथ साथ में ये complete binary tree भी है। पहला अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये एक heap भी नहीं होगा सेकेंड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द रूट नोड एंड अदर नोड्स अगर रूट नोड से सारे छोटे नोड उसके सब ट्री पर है रूट नोड बड़े है तो ऑब्वियस ही बात है वो एक मैक्सिप है इससे जस्ट रिवर्स अगर रूट नोट में पर्टिकुलर जो नोट है वो छोटा है उससे सारे नोट्स अगर उसके सब ट्री पर हैं तो वो एक मिन हीप है और जो ये प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर नोट पर नहीं किसी रूट नोट पर नहीं ये सारे नोट्स पर अप्लाई होती है अगर ऐसा कोई ट्री बन रहा है तो उसको हम एक हीप ट्री कहेंगे ठीक है ओके हीप ट्री से रिलेटेड जो है इंट्रो मैंने आपको दिया अभी अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई नोट्स हैं ठीक है नोट्स का कलेक्शन है एलिमेंट्स हैं बहुत सारे तो उससे हम मैक्स या मिन हीप कैसे कंस्ट्रक्ट करें उसका क्या प्रोसीजर है ठीक है आइए हम वो देखते हैं ओके okay, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उससे हम हीप ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ ठीक है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो जो भी मैक्स या मिन हीप उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करें मैं यहां पर मैक्स हीप बनाने जा रहा हूं जो मैं कंडीशन फॉलो करूं उसकी जस्ट आप रिवर्स फॉलो कर लीजिए तो मिन हीप बन जाएगा ठीक है सो स्टार्ट विद द फर्स्ट नोड फोर्टी फाइव ठीक है फोर्टी फाइव से हम स्टार्ट करेंगे फोर्टी फाइव में मैं नेक्स्ट नोड इंसर्ट करता हूँ थर्टी फाइव ठीक है थर्टी फाइव की पोजिशन क्या होगी ऑब्वियस ही बात है हम यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है और हमें मैक्स हीप बनाना है मैं यहां पर मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ठीक है ओके सो so, ऑब्वियसली बात है थर्टी फाइव जो है फोर्टी फाइव से छोटा है नीचे ही आएगा ठीक है बट इंसर्शन जो हमें कैसे करना है एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल सो थर्टी फाइव की पोजिशन ये होगी इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है नेक्स्ट नोड है हमारा फिफ्टी ठीक है 50 को हम कंपेयर करेंगे 45 से ठीक है बड़ा है बट यहाँ हम मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ऑब्वियस ही बात है पोजीशन जो है वैकेंट इसके यह हमने लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया तो इसको राइट right में ही इंसर्ट करना पड़ेगा सो so 45, 35 और 50, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मैक्स हीप है या नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स इसके सब ट्री में 50 आ चुका है बट की रूट नोट में क्या है यहाँ पे 45 है जबकि 50 बड़ा एलिमेंट है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स ठीक है अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इस ट्री को मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्वैपिंग ऑपरेशन ठीक है प्रॉपर्टी कहां हुई है फ्रेंड्स यहां पर फॉल्स हुई है ठीक है तो इसके पेरेंट नोड को हमें क्या करना पड़ेगा आपस में स्वैप करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्वैप कर देंगे मैं ये स्वैप का साइन लगा रहा हूँ तो फिफ्टी जो है वो रूट नोड बन जाएगा थर्टी फाइव लेफ्ट चाइल्ड होगा और फोर्टी फाइव यहाँ पे राइट right चाइल्ड बन जाएगा अब आप फिर से चेक करें कि फिफ्टी सबसे बड़ा है रूट नोड पर है और इससे सारे छोटे इससे सब ट्री पर है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और हमने इंसर्शन भी एस लेफ्ट पॉसिबल किया है तो फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है कि जहां प्रॉपर्टी फॉल्स हो हीप ट्री की चाहे भले आप मैक्स हीप बना रहे हो या मिन हीप बना रहे हो तो पर्टिकुलर उसी स्टेप पर आपको वो सॉल्यूशन करना है उसका ऐसा नहीं कि आप एट द एंड जाकर सारे नोट्स का इंसर्शन करें और सॉल्यूशन करें ऐसा मत करें हो सकता है आपका आंसर गलत आए बट आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो आंसर हंड्रेड परसेंट आपका करेक्ट आएगा ठीक है फिफ्टी और नेक्स्ट नोड है हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी हम इंसर्ट करेंगे फिफ्टी इंसर्शन हमेशा लेफ्ट एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल ही करना है सो so, ट्वेंटी हमने इंसर्ट कर दिया चेक करेंगे क्या ये मैक्सिप है या नहीं है बिल्कुल है कोई डाउट नहीं है इसके अंदर सारे छोटे बिल्कुल हर पे पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है नेक्स्ट नोड है आपका सिक्सटी सिक्सटी हम इंसर्ट करेंगे फिफ्टी थर्टी फाइव फोर्टी 20 एंड 60 चलिए देखते हैं फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहां इस पर्टिकुलर स्टेप पर जाकर प्रॉपर्टी क्या हो गई है फॉल्स हो गई है ठीक है तो अब हम क्या पोर्शन परफॉर्म करेंगे स्वैपिंग इस नोट पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई तो ये और इसका पेरेंट नोट आपस में क्या होंगे स्वैप होंगे तो मैं स्वैप कर देता हूं यहां पे फिफ्टी थर्टी फाइव ट्वेंटी सॉरी थर्टी फाइव नहीं यहाँ आएगा स्वैप करने के बाद में सिक्सटी और ये थर्टी फाइव इसको और इसको मैं क्या कर रहा हूँ आपस में स्वैप कर रहा हूँ सो सिक्सटी एंड ये आपका बन जाएगा फोर्टी फाइव अब आप देख रहे हैं कि सिक्सटी यहां पर है और फिफ्टी यहां पर है फिफ्टी छोटा है बट बल्कि रूट नोट में बैठा है तो ये मैक्सिट की प्रॉपर्टी है नहीं तो हमें एक बार फिर से स्वैप करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर नोट और इसका पैरेंट नोट में हम यहां पर सर्व करेंगे फिफ्टी और सिक्सटी में सो सिक्सटी यहां बन जाएगा रूट नोड फिफ्टी फोर्टी फाइव ट्वेंटी एंड थर्टी फाइव ठीक है अब आप देखिए कि सिक्सटी से सारे छोटे नोड उसके सबट्री पर हैं, ठीक है ठीके? लेफ्ट और राइट और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिक्सटी पर ही नहीं फिफ्टी पर भी अप्लाई हो रही है और सारे नोट्स का जो इंसेशन है एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल है तो ये एक मैक्सिप है ठीक है तो साइमल्टेनियसली हमें दो बार स्वैप करना पड़ा जब जाके ये मैक्सिप बना ठीक है तो फ्रेंड्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दो बार करें चार बार करें पांच बार करें बट आपको जो मैक्सिप की प्रॉपर्टी है उसको मेनटेन रख, रखना है टिल द एंड जिस स्टेप पर ये प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है उसी स्टेप पर आप ये स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें और ट्री को मैक्सिप में कन्वर्ट कर दें ठीक है चलिए लास्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट एलिमेंट है फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव को हम इंसर्ट करेंगे 60 50 20 35 एंड फोर्टी फाइव एलिमेंट है आपका फिफ्टी फाइव देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई है यहाँ पर फिफ्टी फाइव को इंसर्ट करने से तो हम हम करेंगे यहाँ पर स्वैपिंग ऑपरेशन स्वैप करेंगे तो फिफ्टी फाइव यहाँ ऊपर आ जाएगा सिक्सटी फिफ्टी फिफ्टी फाइव देन ट्वेंटी थर्टी फाइव और यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी से छोटा है तो यहां पर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी इसमें कोई आपको राय लेने की जरूरत नहीं है ठीक है और लास्ट जो एलिमेंट है हमारा क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी को हम इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स ट्वेंटी ऑलरेडी इंसर्टेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर डुप्लीकेट्स आ सकते हैं नो प्रॉब्लम विद दैट आपको जो है एस वार एस इंसर्शन कहाँ करना है लेफ्ट में ही करना है ठीक है लेफ्ट में ही करना है तो ट्वेंटी की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी उसके राइट चाइल्ड पर फिफ्टी फाइव का राइट सो so फाइनली जैसे ही हम ट्वेंटी को इंसर्ट करेंगे तो जो मेरे पास में ट्री बनेगा वो किस तरह से बनेगा सिक्सटी फिफ्टी फिफ्टी फाइव देन ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर्टी फाइव और फिर बना हमारे पास में ट्वेंटी ठीक है तो ये फाइनल हमारे पास में ट्री बना है सारे नोड को इंसर्शन करने के बाद में हम चेक कर लेते हैं सिक्सटी सारे एलिमेंट छोटे हैं फिफ्टी इसके सब ट्री में छोटे हैं फिफ्टी फाइव इससे छोटे हैं ठीक है, 55, है। तो ये एक क्या बना हमारे पास में दिस इज अ मैक्स हीप ठीक है मैक्स हीप ओके सो यहां पे आपको बात क्या ध्यान देने की है कि जिस पर्टिकुलर स्टेप पर प्रॉपर्टी फॉल्स हुई है हीप ट्री की मैक्स या मीन हीप हो वहां पे आपको जो है स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो वो पर्टिकुलर नोड है और उसके पैरेंट नोड के ऊपर स्वैप कर दीजिए तो वो मैक्स हिप में कन्वर्ट हो जाएगा जरूरी नहीं यहां पर एक स्वैप करने की जरूरत हो हम दो तीन चार जितने भी स्वैप करने हो करते रहेंगे कब तक जब तक कि वो पर्टिकुलर ट्री मैक्स या मीन हीप में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ठीक है और साथ ही साथ आपको ये भी बात ध्यान देने की है कि हिप ट्री को कम्प्लीट माइनरिट्री होना कंपलसरी है ठीक है एक्सेप्ट द लास्ट लेवल सारे उस प्रीवियस लेवल फुल होने चाहिए अगर लास्ट लेवल ही फुल हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इसमें लास्ट लेवल ही फुल हो गया है तो ये कंप्लीट माइनेट्री है हंड्रेड है लास्ट अगर फुल हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कंप्लीट बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री होना कोई कंपलसरी नहीं है ठीक है आप तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सिक्सटी से सारे छोटे नोट इधर आएंगे और सारे बड़े नोट इधर आएंगे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सिक्सटी से छोटा फोर्टी फाइव भी है और ट्वेंटी है और उसके राइट में आ रहा है तो आने दीजिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है बाइनरी सर्च ट्री को और हीप ट्री को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है हम हीप ट्री को और कंप्लीट बाइनरी को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि एवरी हीप ट्री कोई भी हीप ट्री होगा वो एक कम्पलीट बाइनट्री कंपलसरी होगा ठीक? डिलीशन इन द हीप ट्री फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इंसर्शन बताया था और हीप का कंसेप्ट बताया था कि बेसिकली हीप क्या है व्हाट इज हीप और अगर एक आपको हीप ट्री दे रखा है तो इस हीप ट्री की क्या कंडीशंस हैं? कैसे अगर पर्टिकुलर नोट्स दे रखे हैं तो उसमें हम हीप ट्री कैसे बनाएं चाहे बोली वो मैक्स हीप हो या मिन हीप हो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ अ हीप ट्री चाहे वाली वो मैक्स हो या मिन हो हम हीप ट्री को डिलीशन कैसे परफॉर्म करें ठीक है बेसिकली फ्रेंड्स यहां पर मैं जो डिलीशन प्रोसेस करने वाला हूँ वो एक्चुअली पार्ट है हीप शॉर्ट का हीप शॉर्ट इज बेसिकली अ टू वे प्रोसेस अ इंसर्शन इनटू द हीप एंड डिलीशन इनटू द हीप इंसर्शन का पार्ट हमने कर दिया हमने मैक्स हीप बना दिया ठीक है अब साथ ही साथ में हम उसको क्या कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं ठीक है थीके? बट हम इस पर्टिकुलर ट्री की इस मैक्स हीप की शॉर्टिंग भी करेंगे और उसी को हम कहते हैं हीप शॉर्ट ठीक है short, तो फ्रेंड्स इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूं आप क्या करेंगे कि जितने एलिमेंट्स हैं मान लीजिए चार पांच छ और सात एलिमेंट्स हैं तो सात का आप एक यहां पर एरे बना दीजिए ठीक है, सेवन का आप एरे बना दीजिए साइज का स्टेप क्या है डिलीट द रूट नोड। ठीक है रूट नोड को डिलीट करना है ओके एंड प्लेस द डिलीटेड नोड एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे दैट इज सिक्सटी ठीक है यह मैं बात कर रहा हूं कब जब हमें मैक्स हीप गिवन है अगर मिन हीप होता तो हम रूट नोड को डिलीट करते और उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखते क्योंकि वो सबसे छोटा होगा मैक्स हीप में रूट नोड सबसे बड़ा होगा इसलिए हम उसको लास्ट पोजीशन पर रख रहे हैं अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें ये मैक्स हीप है इसलिए सिक्सटी को हमने सबसे लास्ट पोजीशन पर रखा ठीक है एंड रिप्लेस द डिलीटेड नोड विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द प जो हीप ट्री का लास्ट एलिमेंट है उससे हम डिलीटेड नोड को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे सो लास्ट एलिमेंट क्या है यहां पे ट्वेंटी ट्वेंटी को आप रिप्लेस कर दीजिए रूट नोड से सिक्सटी को डिलीट कर दिया और ट्वेंटी यहां पे आ जाएगा फोर्टी फाइव थर्टी फिफ्टी और ये हो जाएगा थर्टी फाइव ठीक है बात है जो हमारे पास में ट्री आया है वो एक मैक्स हीप नहीं है तो अब हम यहां पे क्या करेंगे अगेन स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ठीक है स्वैप करेंगे हम ध्यान रखना वो उस एलिमेंट से जो क्या हो मैक्सिमम हो लेफ्ट और राइट चाइल्ड से अगर दोनों नोड लेफ्ट और राइट चाइल्ड इक्वल होते हैं तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so फ्रेंड्स यहां मैं 20 से 55 को कंपेयर करूं और 20 से 50 को कंपेयर करूं तो 55 ऑलरेडी बड़ा है हम 55 से 20 को क्या करेंगे स्वैप कर देंगे तो कर दीजिए फ्रेंड्स 55 20 50 फिफ्टी देन 30 और लास्ट में आ जाएगा 35 अब हम देख रहे हैं स्वैपिंग करने के बाद में भी ये हीप नहीं बना है क्योंकि 20 इधर है और 45 और 30 से बड़े हैं कंपेयर करते हैं हम फोर्टी फाइव और थर्टी को ट्वेंटी से तो ऑब्वियस ही बात है फोर्टी फाइव बड़ा है ठीक है थर्टी छोटा है तो कंपेयर एलिमेंट कौन सा होगा फोर्टी फाइव होगा कंपेयर कर दीजिए और साथ में स्वैप भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए पहले मैंने इसको इससे कंपेयर किया था और इस वाले स्टेप में फोर्टी फाइव और ट्वेंटी को आपस में स्वैप कर रहा हूँ फोर्टी फाइव यहाँ आ जाएगा फिफ्टी देन ट्वेंटी थर्टी और थर्टी फाइव अगेन अब ये क्या बन गया एक मैक्स हीप बन गया है फाइनली मैक्स हीप बन जाने के बाद में हमने जो अभी प्रोसीजर किया है उसको वापस से रिपीट करते रहेंगे कब तक जब तक कि इस ट्री में सारे नोड डिलीट नहीं हो जाते और वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर एरे में क्या कर देंगे स्टोर कर देंगे फाइनली जो हमारे पास में एरे रहेगा वो क्या होगा शॉर्टेड एक आउटपुट होगा और इसी को हम कहेंगे हीप शॉर्ट सो बेसिकली फ्रेंड्स हिप शॉर्ट इज अ टू वे प्रोसेस फर्स्ट वी इंसर्ट द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हिप ट्री और सेकेंड हम क्या करेंगे उस सारे एलिमेंट्स को डिलीशन करेंगे स्वैपिंग की हेल्प से और सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर देंगे एरे में तो हमारे पास में एक मैक्स या एक मिन हीप की हेल्प से हमें एक शॉर्टेड आउटपुट मिलेगा उसको ही हम क्या कहेंगे हीप शॉर्ट सो आइए फ्रेंड्स ये प्रोसीजर हम एक बार फिर से करते हैं डिलीट द रूट नोड रूट को हम डिलीट करेंगे 55 को और उसको हम यहां पर रख देंगे सेकंड लास्ट पोजीशन ऑफ द और रिप्लेसिंग एलिमेंट कौन सा होगा लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप दैट इज 35 35 को हम रूट नोट पर प्लेस कर देंगे ट्वेंटी और ये हो जाएगा थर्टी ठीक है प्लेस कर दिया हम देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स एक हीप ट्री नहीं है आप बदल दीजिए इसको 45 और 50 में से 50 बड़ा है 50 से इसको हम रिप्लेस करेंगे 45 एज इट इज रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे ओके okay. और इसके नीचे कोई सब ट्री है भी नहीं अगेन हम प्रोसेस करेंगे यही डिलीट द रूट नोड रूट नोड को डिलीट करेंगे प्लेस दर्ड लास्ट पोजिशन इन द एरे एंड रिप्लेसिंग एलिमेंट कौन सा होगा लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट होगा सो लास्ट एलिमेंट क्या है थर्टी थर्टी को आप रूट नोट पर प्लेस कर दीजिए ओके कंपेयर करते हैं हम फोर्टी फाइव और थर्टी को क्योंकि फोर्टी फाइव बड़ा है थर्टी फाइव से रिप्लेसिंग एलिमेंट मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं फ्रेंड्स इसमें दो बार होगा फोर्टी फाइव थर्टी यहां पर आएगा और थर्टी फाइव और ये हो गया ट्वेंटी अब हमारे पास में एक हीप ट्री है ओके एक बार में ये हिप ट्री बन गया सो डिलीट द अगेन रूट नोड फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव को डिलीट कर दीजिए और उससे एक नेक्स्ट पोजीशन पर उसको सेव कर दीजिए रिप्लेसिंग एलिमेंट होगा यहाँ ट्वेंटी ट्वेंटी को आप रिप्लेस कर दीजिए रूट नोड की जगह और रिमेनिंग नोट्स को एज इट इज यहां पर लिख दीजिए ठीक है अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे यहां पे 35 और 30 को कंपेयर करेंगे दोनों में से 35 बड़ा है तो रिप्लेसिंग एलिमेंट कौन सा होगा 35 होगा आप 35 को रूट नोट से रिप्लेस कर दीजिए बचा हमारे पास में 35, 30 और 20 सो अगेन वी डिलीट द थर्टी फाइव थर्टी फाइव को हम डिलीट कर देंगे यहां पर उसको प्लेस कर देंगे थर्टी फाइव को और रिप्लेसिंग एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पर थर्टी होगा क्योंकि ट्वेंटी और थर्टी में से थर्टी बड़ा है सॉरी रिप्लेसिंग एलिमेंट लास्ट होगा ट्वेंटी उसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर और ये हो गया आपका थर्टी अब हम इसमें यहाँ पर स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सो so थर्टी और ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे ये हो गया ट्वेंटी ठीक है डिलीट द एलिमेंट रूट नोट थर्टी और उसको आप रूट सेकेंड पोजिशन पर आप सेव कर दीजिए लास्ट हमारे पास में बचा है ट्वेंटी इसमें कोई भी इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो हमें स्वैप करने की जरूरत भी नहीं है ठीक है आप इस सिंपली इस नोट को डिलीट कर दीजिए और इसको फर्स्ट पोजीशन पर एलिक में सेव कर दीजिए ठीक है सो so, अब हमारे हाँ पास में कोई भी ट्री नहीं है टोटली एम और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक शॉर्टेड आउटपुट आ गया है इसी इसी पर्टिकुलर वे को हम कहेंगे हीप शॉर्ट सो so, हीप शॉर्ट में पहले आपको ट्री का इंसर्शन करना है एलिमेंट्स का इंसर्शन करना है अकॉर्डिंग टू द हीप रूल्स और उसके बाद में डिलीशन की प्रोसेस से हेल्प से आपको ये ट्री कंस्ट्रक्ट करके और ये एरे बनाना है जिसमें शॉर्टेड आउटपुट आएगा सो आई थिंक फ्रेंड्स ये पूरा जो प्रोसीजर है डिलीशन का ये हिप शॉर्ट से रिलेटेड है बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही हिप शॉर्ट से रिलेटेड है तो हिप शॉट भी यहाँ पर एक कंप्लीट होता है टॉपिक जब मैं आपको शॉर्टिंग टॉपिक कराऊंगा तो उसमें ये हिप ट्री भी इंक्लूडेड था बट ये टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया सो so, हिप ट्री जो है उसका बेसिकली इंसर्शन उसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस लास्ट के वीडियो में बता दिया था आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको उसका डिलीशन प्रोसेस बताया और साथ ही साथ में अगर हम हमारे पास में इंसर्शन और डिलीशन दे रखा है दोनों प्रोसेस दे रखे हैं तो उससे शॉर्टिंग कैसे करें हिप ट्री की वो भी मैंने आपको आज आपको आज आज एक्सप्लेन कर दिया बी ट्री लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एवीएल ट्री जिसमें एक वो हाइट बैलेंस ट्री था हमने उसमें रोटेशन का कंसेप्ट देखा कि अगर पर्टिकुलर नोट के हाइट बैलेंस फैक्टर अगर जीरो प्लस वन और माइनस वन ना हो तो हमें रोटेशन कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया था जो आपके एग्जाम और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और किस पर्टिकुलर स्टेप पर आकर हम कौन सा रोटेशन अप्लाई करें ये सब हमने देखा था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बी ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस ट्री इन विच एवरी नोड कंटेन्स अ मल्टीपल वैल्यूज और कीज एंड हैज मोर देन टू चिल्ड्रन फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं मान लीजिए ये एक ट्री है ठीक है मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं थर्टी ये एक एवियल ट्री भी है और एक बाइनरी सर्च ट्री भी है ओके और इस पर्टिकुलर नोड में यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है यहाँ ट्री के कंसेप्ट में बोलेंगे उसको हम कीज ठीक है एक ही वैल्यू है हर सारे नोड में और जितने भी हमने जो अभी तक जो ट्रीज जो पड़े हैं चाहे वो बाइनरी ट्री हो बाइनरी सर्च ट्री हो एवीएल ट्री हो कोई भी ट्री हो उसके एटमोस्ट टू चाइल्ड होते थे या तो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड या दोनों चाइल्ड ठीक है बट बी ट्री में क्या होगा एक पर्टिकुलर नोड में कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं सारी ठीक है मतलब मल्टीपल कीज पॉसिबल है और इस पर्टिकुलर नोड के जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही चाइल्ड हो ओके मल्टीपल चाइल्ड भी पॉसिबल हो सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न में कोई अगर ट्री बन रहा है तो उसको हम कहेंगे बी ट्री ओके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स कि किसी पर्टिकुलर नोड में मल्टीपल वैल्यूज हो मल्टीपल कीज हो ठीक है अभी तक हमने देखा था कि उसमें एक ही वैल्यू थी लेकिन अब इस पर्टिकुलर नोड में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं कीज हो सकती हैं और उस पर्टिकुलर नोड के मोर देन अगर टू चाइल्ड हो तो उसे हम कहेंगे बी ट्री ओके बी ट्री की फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑल द नोट्स आर एट द सेम लेवल जितने भी नोट्स हैं वो सारे क्या होंगे सेम लेवल पर होंगे ठीक है इसका मतलब ये है फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मुझे यहां पे अगर कोई एवीएल ट्री में नोट इंसर्ट करना हो तो मैं यहां पे कर सकता हूं अभी भी ये एवीएल ट्री है ठीक है तो यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं वो सारे लेवल पर नहीं है ये एक लीफ नोड है इसका लेवल अलग है ये एक लीफ नोड है इसका लेवल अलग है ठीक है तो ये एक सारे नोड एक लेवल पर नहीं है लेकिन बिटरी में क्या होगा जितने भी जो लीफ नोड्स होंगे जिनका कोई चाइल्ड नहीं है वो सारे के सारे नोड एक ही लेवल पर होंगे एक लेवल पर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई लीफ नोड अलग लेवल पर है कोई लीफ नोड अलग लेवल पर है सारे लीफ नोड्स एक लेवल पर होंगे ठीक है

ठीक है सो और यहां पे एम क्या डिनोट कर रहा है एम इज ऑर्डर ऑफ द बेटरी ठीक है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि उस बीटरी का ऑर्डर क्या है आपको कौन से ऑर्डर का बीटरी कंस्ट्रक्ट करना है जिस पर्टिकुलर ऑर्डर का बीटरी होगा उसमें आपको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप उस पर्टिकुलर नोड में वैल्यूज और कीज इंसर्ट कर सकेंगे और उसमें उसके चाइल्ड नोड भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा सो so, क्वेश्चन में या आपको जब कोई भी होगा एग्जाम में आपको वहां पे ऑर्डर गिवन होगा कि उसमें कौन सा ट्री का आपको ऑर्डर क्रिएट करना है सो so, एटलीस्ट उसके एम बाई टू फ्लोर सॉरी सीलिंग माइनस वन कीज हो सकती हैं उसके अंदर वैल्यूज हो सकती हैं एंड मैक्सिमम एम माइनस वन कीज मिनिमम इतना एटलीस्ट और मैक्सिमम इतना ठीक है नो नोड कंटेन मोर देन एम माइनस वन वैल्यूज जो पर्टिकुलर आपको जो ऑर्डर दे रखा है मान लीजिए एक ऑर्डर जो है थ्री दे रखा है बीटरी का ओके तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नोड में दो से ज्यादा कीज नहीं आ सकती है इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है और उसके कितने होंगे तीन चाइल्ड होंगे एक ये चाइल्ड होगा एक ये चाइल्ड होगा और एक ये चाइल्ड होगा किसी पर्टिकुलर नोड में दो से ज्यादा कीज नहीं आ सकती है कब जब उसका ऑर्डर क्या हो थ्री हो क्वेश्चन में क्या है थ्री ऑर्डर दे रखा हो so, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या करिए कि नो नोड कंटेन एम माइनस वन वैल्यूज मोर देन एम माइनस वन वैल्यूज ठीक है कीज आर अरेंज इन डिफाइंड ऑर्डर विद इन द नोड्स एक ऑर्डर के अंदर एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही डिसाइड होगा ऐसा नहीं कि एक आ, जंबल में वो अरेंज हो सारे कीज एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में ही सारे कीज क्या होंगे अरेंज होंगे ठीक है तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बी ट्री की आइए हम एक एग्जाम्पल लेके ट्री को सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास में नोड्स दे रखे हों तो हमें उस ट्री को कैसे सॉल्व करें उसे ट्री कैसे क्रिएट किया जा सकता है ओके okay, फ्रेंड्स यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ट्री का इंसर्शन करते हैं क्रिएशन करते हैं और यहां पे हमने जो ट्री का जो ऑर्डर है वो कितना लिया है थ्री चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट नोड है हमारा थर्टीन ठीक है अभी हमने बी ट्री की प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि नो नोड कंटेन मोर देन एम माइनस वन एम माइनस वन कीज ठीक है अगर हमें ऑर्डर दे रखा है थ्री तो इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर नोड में थ्री माइनस वन टू से ज्यादा कीज नहीं आ सकती है एक आ सकती है दो आ सकती है लेकिन दो से ज्यादा कीज़ नहीं आ सकती है कब जब हमें क्या दे रखा हो ऑर्डर कितना दे रखा हो थ्री दे रखा हो ठीक है सो तो इस पर्टिकुलर नोड में यहां पर एक कीज आ रही है एक ही है तो वैलिड है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट नोट जो हमें इंसर्ट करना है वो है सेवनटीन सेवनटीन भी यहीं अरेंज हो जाएगा ठीक है इस इसी पर्टिकुलर नोट में अरेंज हो जाएगा इस पर्टिकुलर नोट में देखिए दो कीज यहाँ पे आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब अगर मैं नेक्स्ट एक और की अरेंज करूंगा तो वो नहीं होगी क्यों क्योंकि इस बी ट्री का ऑर्डर कितना दे रखा है थ्री दे रखा है ठीक है सो नेक्स्ट नोट है हमारा वन अब हम वन को इस पर्टिकुलर नोट में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर हमारा कितना दे रखा है थ्री लेकिन साथ ही साथ हमें एक और प्रॉपर्टी यहां बी ट्री की फॉलो करनी है कि उसमें कहा गया है कि ऑल नोड्स ठीक है जितने भी नोड्स के अंदर कीज होंगी वो सारी क्या होंगी अरेन्ज होंगी इन असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेज होंगी सो so यहां पर अगर मैं देखूं तो तीन कीज हैं वन थर्टीन और सेवनटीन बट बी ट्री का ऑर्डर यहाँ थ्री दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉल्स हो जाती है तीन कीज नहीं आ सकती है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है आप इस जो भी कीज हैं उस पर उसको अरेंज कर दीजिए ठीक है और मिडल जो मिडल वाले जो नोट है उसको आप स्प्लिट करके उसको रूट नोट बना दीजिए लेफ्ट वाला उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और राइट right की उसकी राइट right चाइल्ड बन जाएगी तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो क्या होगा थर्टीन यहां पे रूट नोड बन जाएगा कुछ इस तरह से वन इसका लेफ्ट होगा और सेवनटीन इसका राइट right चाइल्ड होगा ठीक है स्प्लिट कर दिया हमने मैं फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स अगर यहाँ प्रॉपर्टी फॉल्स होती है ऑर्डर की ठीक है दो से ज़्यादा नोड हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ऑर्डर कितना दे रखा है थ्री दे रखा है तो इस पर्टिकुलर नोड में आप दो से ज़्यादा कीज़ नहीं रख सकते तो हमने क्या किया कीज़ को अरेंज करके उसको स्प्लिट कर दिया मिडल नोड को और मिडल नोड को बना दिया रूट नोड उसका लेफ्ट जो कीज़ थी उसको लेफ्ट चाइल्ड बना दिया और जो राइट right की थी उसको राइट right चाइल्ड बना दिया ठीक है क्लियर नेक्स्ट नोट है हमारा 14 14 को हम इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स ठीक है नाउ अब 14 कहाँ जाएगा ऑब्वियस ही बात है 14 की जो वैल्यू है पहले हम इसको ड्रॉ कर देते हैं वन और ये सेवनटीन यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं फ्रेंड्स इसको ठीक है और इसको हम एक बार मिटा देते हैं अब हमें क्या इंसर्ट करना है 14 तो ऑब्वियस ही बात है कि 14 जो है वो 13 से बड़ा है यहाँ बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी हमें फॉलो करनी है कि ये बी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री भी है एवीएल ट्री को भी बाइनरी सर्च ट्री होना कंपलसरी था ठीक है सो 13 जो है जो नोड है रूट नोड उससे 14 जो है बड़ा है तो हम इसको कहां इंसर्ट करेंगे राइट में सो so, थर्टीन ये हो गया आपके वन और that is a 14 एंड सेवनटीन एक ही नोड में यहां पर दो कीज आ जाएंगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? फोर्टीन इंसर्ट हो गया नेक्स्ट जो नोड इंसर्ट करना है फ्रेंड्स वो है आपका सिक्सटीन ओके सिक्सटीन नोड इंसर्ट करना है तो सिक्सटीन को हम देखते हैं कि सिक्सटीन जो है फ्रेंड्स वो थर्टीन से बड़ा है तो कहां जाएगा उसके राइट एंड साइड में जाएगा तो जैसे ही हम राइट एंड साइड में इंसर्ट करेंगे हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स जो एक पर्टिकुलर नोड में दो कीज़ ही आ सकती है क्योंकि इसका ऑर्डर थ्री है दो कीज़ यहाँ पे आ चुकी है हम उसमें और कोई की इंसर्ट नहीं कर सकते तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इस नोट को तो अगर इस नोट को हम अरेंज करें तो अगर मैं नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक ड्रफली बना देता हूँ फोटीन सिक्सटीन और सेवनटीन ये तीन नोट आएंगे तो स्प्लिटिंग नोट कौन सा होगा सिक्सटीन होगा वो कहाँ जाएगा इसके में, इसके पेरेंट नोड में जाएगा ठीक है इसका पेरेंट नोड कौन है फ्रेंड्स वो है थर्टीन ठीक है सो थर्टीन और सिक्सटीन यहां पे आ जाएंगे थर्टीन का लेफ्ट चाइल्ड कौन था वन ये देखिए ओके okay. अब फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखिएगा आप के थर्टीन का यहां पर राइट right चाइल्ड कौन होगा ये तीनों नोट थे ये तो स्प्लिट हो गया तो थर्टीन का राइट चाइल्ड कौन होगा फ्रेंड्स वो होगा ये का राइट चाइल्ड मैंने अभी आपको कहा था कि इस पर्टिकुलर ट्री में मोर देन टू नोट मोर देन टू चाइल्ड नोट आ सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे अभी क्योंकि बी ट्री में ये कंपलसरी नहीं है कि सारे नोट ए सारे जो चाइल्ड नोट हो उस वो जो है एटमोस्ट टू नोट हो ठीक है बाइनरी ट्री होना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे मल्टीपल नोट मल्टीपल चाइल्ड नोट्स हो सकते हैं सो फ्रेंड्स अब बचा हमारे पास में 17, 17 सेवनटीन ही बात है किससे बड़ा है सिक्सटीन से बड़ा है तो ये कौन सा बनेगा सिक्सटीन का राइट बनेगा सेवनटीन कुछ इस तरह से इसका इंसर्शन होगा जब हम सिक्सटीन को कर इंसर्ट करेंगे इस पी ट्री में तो फाइनल ट्री हमारे पास में ये बनेगा ठीक है ओके लास्ट हमने नोट किया था 16 को नेक्स्ट नोट है हमारा 23 23 को हम इंसर्ट करते हैं सो so 23 से हम कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली बात है वो 13 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है तो कहाँ जाएगा 16 के राइट right में ठीक है कर दीजिए इंसर्ट सो थर्टीन सिक्सटीन वन ये फोर्टीन थर्टीन का राइट right है ये और ये सेवेंटीन और ट्वेंटी थ्री ठीक है देखिए फ्रेंड्स सारे जो लीफ नोड है वो सारे एक ही लेवल पर है बैलेंस्ड है ठीक है यही बी ट्री की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि सारे जो लीफ नोट होते हैं वो सारे एक पर्टिकुलर लेवल पर ही होते हैं ठीक है थेके? लास्ट जो नोड हमको इंसर्ट करना है फ्रेंड्स वो है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को हम इंसर्ट करेंगे ठीक है ट्वेंटी फोर को जैसे इंसर्ट करेंगे फ्रेंड्स वो देखिए आप सिक्सटीन से बड़ा है तो कहाँ जाएगा इसके राइट एंड साइड में जाएगा बट आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर नोड जो है फुल हो गया है दो तो कीज यहां पे आ चुकी है अब हम यहाँ पे और की का इंसर्ट नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे ठीक है so, सो इसका अरेंजमेंट क्या होगा फ्रेंड्स अगर यह हम नोट डालते हैं तो सेवनटीन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर कुछ इस तरह से बनेगा स्प्लिटिंग नोट क्या होगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री कहां जाएगा इसके पैरेंट नोट पे बट हमने देखा कि पैरेंट नोट में ऑलरेडी यहां पर दो कीज हैं ठीक है ये भी फुल है ओके okay. तो थर्टीन सिक्सटीन और ट्वेंटी थ्री ये भी क्या होगा स्प्लिट Split होगा स्प्लिटिंग नोट कौन सा होगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन जो है वो रूट नोट बन जाएगा सिक्सटीन का लेफ्ट कौन होगा थर्टीन कर दीजिए थर्टीन को सिक्सटीन का राइट कौन होगा ट्वेंटी थ्री कर दीजिए ओके नाउ थर्टीन जो है उसके लेफ्ट और राइट में कौन था वन और फोर वन और फोर्टीन सॉरी ये आ गया रूट वन सॉरी नोट वन और ये फोर्टीन ठीक है और ट्वेंटी थ्री के लेफ्ट और राइट में कौन थे सेवनटीन और ट्वेंटी फोर इंसर्ट कर दीजिए सेवेंटीन एंड 24. सो फ्रेंड्स आफ्टर 24 फोर यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और फाइनल ट्री जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा आप जब भी फाइनल ट्री बनाना हो स्प्लिटिंग करना हो तो आप एक रफ में कुछ इस तरह से सॉल्व कर लीजिए इजीली सॉल्व होगा आप गलती नहीं करेंगे और फाइनल ट्री आपको इजीली मिल जाएगा तो आप देखिए फ्रेंड्स अभी भी जो है लीफ नोट सारे एक ही लेवल पर है और जो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट में उससे छोटा होना चाहिए और राइट right में उससे बड़ा होना चाहिए वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल एकदम हंड्रेड परसेंट फुलफिल हो रही है सिक्सटीन से सारे छोटे नोट इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और सिक्सटीन से सारे बड़े नोट इसके राइट हैंड साइड में है तो कहने का ये मतलब है कि बी ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री भी है ओके okay? सो so, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं और ये हमारा फाइनल बी ट्री बन चुका है फ्रेंड्स ठीक है अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और जहाँ जहाँ आपके डाउट्स हैं उसको वीडियो को सॉल्व करने के लिए आप ये बार बार देखते रहे और क्वेश्चन में जब तक कंप्लीट ना हो आप इसको फॉलो करते रहिए ठीक है सो फ्रेंड्स so मैं एक बार और रिकॉल करवा दूँ आपको कि बीटरी के लिए ऑब्वियसली बात है कि सारे नोट एक लीफ नोट में होने चाहिए जो हमें ऑर्डर गिवन है यहाँ पर ऑर्डर कितना था थ्री आपको ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं ठीक है टू थ्री सॉरी थ्री फोर फाइव कुछ भी दे सकते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर में टोटल एम माइनस वन की ही पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर नोड के लिए ठीक है है ये दो तीन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है ग्राफ सेकेंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है डेटा जो हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ट्री का कंसेप्ट क्लियर करवाया था ट्री भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें सारे जितने भी रिलेटेडल uh, थे pre, post, in, उसके बाद में के ये सारे हमने किए थे friends, आज हम start करने वाले हैं graph data structure, जो सेकेंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है चलिए फ्रेंड्स ग्राफ स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने अभी आप आपको बताया कि ग्राफ कैसा है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ट्री की जो हरारकी मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के जो है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है एक है ट्री और दूसरा है ग्राफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ इज अ नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस ठीक है ट्री में हमने नोड टर्म यूज किया है फ्रेंड्स बट यहाँ हम उस पर्टिकुलर uh, सेक्शन को नोड भी कह सकते हैं और एक टर्म और यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस हो रही है वो है वर्टाइसेज ठीक है नोड नोट आल्सो रेफर्ड एज वर्टाइसेज ठीक है एंडस आर द लाइन्स और आपस में जो कनेक्टिंग जो लाइन्स हैं है, उनको हम क्या कहेंगे एजिस कहेंगे सो दिस इज द वर्टेक्स वी वन वर्टेक्स वी टू वर्टेक्स वी थ्री हमने इसको वी वन बी टू वी थ्री मान लिया है और दिस इज द एज ई टू टू E1, ई टू और ई ठीक है तो बेसिकली ग्राफ G इज इक्वल टू वी स्लैश ई अगर मैं ग्राफ G की बात करूं तो यहां पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेज या सेट ऑफ दर्टाइसेज और E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ एजेस ठीक है सो ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑफ एजेस ठीक है हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है कैन बी डिफाइंड एस जी वी कॉमा ई वेर वी जी रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ में जितने भी वर्टाइसिसोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने हम देखा कि ग्राफ जो है कलेक्शन है सेट ऑफ एजेस का और सेट ऑफ वर्टाइसिस का ओके okay? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ग्राफ के लिए यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ग्राफ में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने नंबर ऑफ एजेस कितनी है फ्रेंड्स हम यहाँ नाम दे देते हैं ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स ई सेवन ई एट नाइन और E10। सो टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं इस ग्राफ में वो है टेन्स ठीक है और इन्हीं से मिलके बना है हमारा पूरा ग्राफ सेट ऑफ वी कॉमा ठीक है तो जैसा कि हमने देखा कि अभी ग्राफ जो है वो कलेक्शन है हमारे वर्टेसिस का और एजेस का ठीक है और इन सबको ही हम मिला के कहेंगे ग्राफ बट फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आराइज हो रहा होगा कि हमने अभी लास्ट के वीडियोस में ट्री का कंसेप्ट क्लियर किया था और अभी हम पढ़ रहे हैं ग्राफ दोनों ही नॉन लेनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है या दोनों सेम है आइए फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफ और ट्री में बेसिकली क्या डिफरेंस है ओके okay. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्राफ जो है और ट्री जो है वो दोनों कैसे हैं नॉन लेनियर डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है मैं एक ट्री का एक जनरल डायग्राम बना देता हूँ फ्रेंड्स लेट से दिस इज योर ट्री एंड ये एक जनरल डायग्राम है किसका ग्राफ का ओके okay. पहला जो डिफरेंस है वो ये फ्रेंड्स कि ट्री में जो है एक यूनिक नोट होता है जिसको हम कहते हैं रूट नोट और वो होता है ट्री का ओरिजिन पॉइंट जहां से ट्री की क्या होती है स्टार्टिंग होती है उस नोट पर्टिकुलर नोड को हम कहेंगे रूट नोड ठीक है उसी से ही हम ट्री के क्या करेंगे ट्रेवर्सिंग और दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे जैसा कि हमने अभी लास्ट के वीडियोस में देखा था मैंने आपको ट्रेवर्सिंग करके दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे रूट नोड से स्टार्ट करेंगे सो रूट नोड एक यूनिक नोड है ओरिजिन नोड है ट्री का जहां से हम ट्री की क्या करेंगे ट्रेवर्सिंग या विजिटिंग करना स्टार्ट करेंगे एक्सेसिंग करना स्टार्ट करेंगे बट फ्रेंड्स ग्राफ में कोई एक पर्टिकुलर नोड यूनिक नोड नहीं होता है जितने भी एडवर्टाइजिस हैं या नोड्स हैं वो सारे के सारे यूनिक नोड है रूट नोड है किसी एक पर्टिकुलर नोड को हम रूट नोड नहीं कह सकते तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ग्राफ में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्टिंग नोड नहीं होता है अगर आपको ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी है मैं आपको आगे आने वीडियोस में बताऊंगा कि ग्राफ की ट्रेवर्सिंग हम किस तरह से करेंगे तो अगर आने अगर आपको ग्राफ की ट्रेवर्सिंग करनी है तो आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ चार नोड है चार वर्टाइसिस है तो आप इस ग्राफ की स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर से करें या यहां से करें यहां से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मे भी एंसर जो है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग आएगा बट ये ग्राफ की प्रॉपर्टी है कि ग्राफ में सारे नोड्स जो हैं वो एक जो है यूनिक नोड्स होते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर नोड यूनिक नोड नहीं होता है रूट नोड नहीं होता है सबसे पहला डिफरेंस ट्री और ग्राफ में यही है सेकेंड डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ये है कि देयर विल बी ए नो नॉट एनी साइकिल इन द ट्री ट्री में कोई भी साइकिल पॉसिबल नहीं होता है जैसे मान लीजिए यहां पे साइकिल दे दिया तो अब ये ट्री नहीं है ठीक है ग्राफ में साइकिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है साइकिल का मतलब ये है कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो सेम हो दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो बिल्कुल सेम हो तो उसे हम कहेंगे अ ग्राफ ठीक है तो ये जो डायग्राम है ये ग्राफ है ठीक है ये डायग्राम है ये ट्री है और ये पर्टिकुलर डायग्राम क्या है आप इसको लग रहा होगा कि एक ये हर स्ट्रक्चर बना है तो ट्री होगा बट यहां पे साइकिल बन गया इस वजह से अब ये ट्री नहीं है ये एक ग्राफ है ओके Third, जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो ये है ऑल ट्रीज आर ग्राफ्स सारे ट्री क्या है ग्राफ है बट सारे ग्राफ ट्री हो नहीं हो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मे और मे नॉट बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कैसे देखिए फ्रेंड्स जैसे ये ट्री का डायग्राम है ओके okay. ये ट्री का डायग्राम है ओके okay. यहां आप देख रहे हैं कि तीन नोड है हमारे पास में और कनेक्टिंग एज है ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है उसको ये फुलफिल कर रहा है मैंने आपको कहा कि ग्राफ में साइकिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो बात है, कि ये एक भी है और ये एक ग्राफ भी है ठीक है और अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये एक प्योरली ग्राफ है ठीक है जिसमें साइकिल हो गया तो ऑब्वियस बात है ये ट्री तो है नहीं ये हंड्रेड क्या है एक ग्राफ है तो हमने जितने भी अभी तक ट्री के डायग्राम बनाए हैं हमारे पिछले वीडियोस में जितने भी हमने ट्री के जो डायग्राम बनाए हैं वो सारे के सारे क्या हैं ट्री भी हैं और ग्राफ भी हैं बट ग्राफ के चैप्टर में हम जो जो ग्राफ बनाते हैं ठीक है ठीके? अगर उसमें साइकिल पॉसिबल है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि वो एक प्योरली ग्राफ है लेकिन अगर उसमें साइकिल नहीं है जैसे मान लीजिए मैं ये ग्राफ बनाता हूँ ये मैंने एक ग्राफ बना दिया ठीक है अब इसमें साइकिल नहीं है तो ऑब्वियस ऑब्वियली बात है कि ये ग्राफ भी है और ये ट्री भी है ट्री का डायग्राम फ्रेंड जरूरी नहीं है कि वो एक हरार्किकल स्ट्रक्चर में हो ट्री का डायग्राम ये भी हो सकता है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो ठीक है बट नॉर्मली जब हम समझने के परपज के लिए बनाते हैं तो ट्री का एक जनरल आर्किटेक्चर होता है वो उसको हम कहते हैं हरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें एक रूट नोट होता है बाकी सारी उसकी क्या होती है ब्रांचेज होती है ओके okay, तो ये ट्री भी है और ये ग्राफ भी है ये ट्री इसलिए है क्योंकि इसमें साइकिल नहीं है और ये ग्राफ की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है बट इसमें अगर साइकिल हो गया तो अब ये प्योरली ग्राफ है ठीक है तो अब आप बिल्कुल ग्राफ में और ट्री में कन्फ्यूज ना हो आपको अगर कोई भी डायग्राम दे दिया जाए या कोई आपको वाइबा में पूछ लिया जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो कि इसमें से ट्री कौन सा है और इसमें से ग्राफ कौन सा है लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बात है कि ट्री में साइकिल पॉसिबल होता नहीं है तो लेस कॉम्प्लेक्सिटी है बट ग्राफ में जो है साइकिल हो भी सकता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्ट्रक्चर एंड जैसा कि मैंने आपके आपको बताया कि जो ट्री का जो डायग्राम है नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं एक स्ट्रक्चर में बनाते हैं एक पर्टिकुलर रूट नोड है जैसा हम नॉर्मली ट्री का एक पेड़ देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक ट्री रूट नोड होता है उसके बाकी उसकी क्या होती है? ब्रांचेज होती है तो बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर जो है ट्री का भी बनता है डेटा स्ट्रक्चर में और ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली वो एक नेटवर्क टाइप का होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉलो नहीं होता है इस टाइप का एक नेटवर्क बना होता है जिसके अंदर सारे नोड्स जो है वो रूट नोड की तरह बिहेव करते हैं ओके okay, फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि ट्री और ग्राफ दोनों ही नॉन लेन डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए तो आप उसे इजीली पहचान सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा ट्री है और कौन सा ग्राफ है आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ग्राफ्स के रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी है जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो हम यहाँ आज यहाँ डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज एक ग्राफ हमें दे रखा है तो वो एक ग्राफ अनडायरेक्टेड भी हो सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है चलिए फ्रेंड्स हम डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बीच में डिफरेंस समझते हैं जो आपको एग्जाम्पल गिवन है वो बेसिकली एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एज पर कोई डायरेक्शन नहीं है ठीक है डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स मैं ये और डायग्राम बनाऊ यहां पर लेट से यही डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं थ्री एंड फोर ओके डायरेक्शन प्रोवाइड का मतलब है कि यहां एक ये डायरेक्शन दे दिया एक इस तरह से दे दिया एक इस तरह से और इन सारे नोड को एक मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी तो ये ग्राफ कैसा है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ये कैसा है एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें इस ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन नहीं है और इस ग्राफ में हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि हमें किस पर्टिकुलर नोड से किस में हमें मूव करना है ओके दूसरी बात जो हमें ध्यान देने की है फ्रेंड्स वो ये है लेट से मैं यहाँ पे हर एक एज को कुछ नाम दे देता हूं ई वन ई टू थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स एंड ई सेवन ओके अगर मैं एज ई वन की बात करूं तो वो किससे मिलकर बनी है जीरो और वन नोट से मिलकर बनी है सो जीरो और वन अगर आप चाहें तो इसको आप वन कॉमा जीरो भी लिख सकते हैं जीरो कॉमा वन और वन कॉमा जीरो में कोई फर्क नहीं है कब जब ग्राफ कैसा हो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो और इसी को ही हम कहते हैं अनऑर्डर्ड क्या कहेंगे उसको अनऑर्डर्ड पेयर्स जिनका कोई भी ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है इसलिए हम इनको कहेंगे अनऑर्डर्ड पेयर्स वो हमेशा किससे बनते हैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही बनते हैं तो आप इसको जीरो वन लिखिए या वन जीरो लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसी तरह से अगर मैं एज ई टू की बात करूं तो वो कैसा है जीरो टू या टू कॉमा जीरो एक ही बात है कैसा भी आप लिख सकते हैं लेकिन अगर यही केस मैं अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो उसमें क्या होता है यहां भी हम सारी एजेस को कुछ मैं नाम दे देता हूं ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स ई सेवन अगर एज ई वन की बात करूं ओके एज तो even में जो एज की जो डायरेक्शन है वो जीरो से वन की तरफ है ठीक है तो यहां मैं लिखूंगा जीरो मैंने यहाँ पे वन कॉमा जीरो गलत हो जाएगा क्योंकि जो डायरेक्शन है वो वर्टेक्स जीरो से वर्टेक्स वन की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो अगर हमारे पास में एक डायरेक्टेड ग्राफ है ठीक है ये डायरेक्टेड ग्राफ है इस डायरेक्टेड ग्राफ में जो पेयर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा और उसी ऑर्डर में उसी डायरेक्शन में हम उनको पेयर्स को लिखना पड़ेगा अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वो गलत होगा ठीक है सो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के बीच में डिफरेंस क्या है कि डायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा एक ऑर्डर पेयर्स बनते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ में अनऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं ओके okay? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स चलिए अगर मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं ठीक है हम यहाँ एक डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और चार वर्टेक्स में अज्यूम कर लेता ए बी सी डी और नंबर ऑफ एजेस में अज्यूम कर लेता हूं ई वन ई टू ई थ्री और ई फोर और, और ये सारी एजेस को आ, कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं ये ठीक है तो यहाँ पे दो टर्म है इन डिग्री एंड आउट डिग्री बेसिकली एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है वर्टेक्स से जितनी एजेस जो पास आउट हो रही है वो सारी उस वर्टेक्स क्या होती है डिग्री होती है ओके कब जब मैं बात करूं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की लेट से एक वर्टेक्स से अगर मान लीजिए तीन एजेस पास आउट हो रही है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी ओके okay. लेकिन अगर मैं एक डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं अभी जो कंडीशन बताएं मजाई आपको वो अनडायरेक्टेड के लिए थी लेकिन अगर मैं डायरेक्टेड के लिए बात करूं तो उसमें फ्रेंड्स क्या होगा दो डिग्री होती है एक होती है उसकी इन डिग्री और एक होती है उसकी आउट डिग्री इन डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स इन डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही वैसे डिग्री को डैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इन डिग्री को माइनस से और आउट डिग्री को प्लस से सो अगर मैं वर्टेक्स ए जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि एक वर्टेक्स की दो डिग्री होगी यहाँ पे इस ग्राफ में किसमें डायरेक्टेड ग्राफ में तो एक होगी उसकी इन डिग्री एक होगी उसकी आउट डिग्री अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करूं इन डिग्री क्या होगी कि इनकमिंग एजेस जो उस वर्टेक्स की तरफ आ रही हैं इनकमिंग एजेस तो एक में बात करूं तो इनकमिंग एजेस देखिए एक तो ये है और दूसरी ये है कितनी एजेस आ रही है दो आ रही है ये आउट है तो इन डिग्री क्या हो गई वर्टेक्स ए की दो और अगर मैं ए की आउट डिग्री की बात करूं ओके okay, कितनी एजेस यहां से पास आउट हो रही है जा रही है तो वो कितनी है एक है ये दोनों इन है तो आउट डिग्री कितनी हो गई वन ठीक है सो ए की इन डिग्री टू और आउट डिग्री वन इसी तरह से आप हर वर्टेक्स की इन डिग्री और आउट डिग्री पता कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स ये कब होगा जब ग्राफ कैसा हो एक डायरेक्टेड ग्राफ हो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए इन डिग्री और आउट डिग्री पॉसिबल नहीं होती है ठीक है वहां पे क्या होगा सिंपल एक वर्टेक्स से जितनी एजेस पास आउट हो रही है उसी को ही हम कहेंगे उस वर्टेक्स की डिग्री ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स सिंपल ग्राफ ये ग्राफ का एक टाइप है सिंपल ग्राफ में क्या है कंडीशन फ्रेंड नो लूप कोई लूप नहीं होना चाहिए और कोई पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए अब ये लूप और पैरल एजेस क्या होती है जैसे एक डायग्राम लेते हैं हम यही डायग्राम लेते हैं ओके okay? यहां मैं एक ये ऐसा एक लूप बना देता हूं लूप का मतलब क्या है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वही वर्टेक्स हो तो देखिए अगर मैंने इस वर्टेक्स को लेट से ए बी और सी कहा है तो इस पर्टिकुलर एज की ये जो एज मैंने ड्रॉ की है इस एज की स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स क्या है दोनों सेम है इसलिए क्या कहलाएगा एक लूप कहलाएगा ओके okay? और दूसरा जो टर्म जो आ रही है हमारे पास वो है पैरल एजेस यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए दो वर्टेक्स हैं ए और सी इन दोनों वर्टेक्स के बीच में अगर मोर देन वन एजेस पास आउट हो रही है देखिए सी और ए कितनी एजेस हैं दोनों के बीच में दो एजेस हैं जरूरी नहीं दो हो तीन भी हो सकती हैं चार भी हो सकती है पांच भी हो सकती है ठीक है तो जितनी भी अगर मोर देन वन एजेस पास आउट हो रही है तो उन सब उनको क्या कहेंगे है? हम पैरल एजेस ओके okay. तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी पैरल एजेस नहीं है और कोई भी लूप नहीं है उसको हम क्या कहेंगे सिंपल ग्राफ लाइक दिस ठीक है कोई भी हो सकता है आप कुछ भी बना सकते हैं ये बना सकते हैं ये बना सकते हैं ठीक है कुछ भी बना सकते हैं बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें कोई भी लूप और पैरल एजेस नहीं हो वो एक सिंपल ग्राफ होगा ओके चलिए नेक्स्ट है साइकिल ग्राफ साइकिल ग्राफ में ही नाम से इंप्लीमेंट हो रहा है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइजेस है वो कितनी होनी चाहिए तीन या तीन से ज्यादा कैसे अगर मैं मान लीजिए फ्रेंड्स एक ग्राफ है जिसमें दो वर्टेक्स हैं ए और बी तो इसमें साइकिल होना पॉसिबल नहीं है कैसे बनाएंगे इसमें साइकिल ठीक है तो कंडीशन क्या है कि ग्राफ में जो वर्टाइजेस होनी चाहिए वो तीन या तीन से ज्यादा होनी चाहिए ओके okay? और जहां से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एंडिंग भी उसी वर्टेक्स पे होना चाहिए लेट ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ तीन वर्टेक्स है इस, इसको कहेंगे सी थ्री ग्राफ बेसिकली साइकिल ग्राफ को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन होता है टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है थ्री है ओके okay? थ्री है सो so, ये कैसा है सी थ्री ग्राफ है ओके okay? यहां कितनी है चार है क्लोज पाथ बन रहा है एक तो कितनी है C4 फोर यहां पांच है तो C5 ओके okay? दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है फ्रेंड्स वो ये है कि साइकिल ग्राफ जो होते हैं साइकिल ग्राफ जो होते हैं उनमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है टू हर वर्टेक्स की डिग्री जितने भी वर्टेक्स हैं चाहे बोली वो C2 हो C3 सॉरी C2 पॉसिबल नहीं है C3, C4, C5, C6, C6, ऐसे जितने भी ग्राफ हैं उन सब में वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी टू होगी जैसे इस ग्राफ में आप देखिए इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितनी एजेस पास आउट हो रही हैं दो तो इसकी डिग्री कितनी हो गई टू ये भी टू ये भी टू ओके इस ग्राफ की बात करें सी फोर की तो यहां भी दो एजेस पास आउट हो रही है टू 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 एंड टू एंटू. यहां सी फाइव की बात करें तो हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है टू सो so, इंपॉर्टेंट बात क्या है एवरी वर्टेक्स इन दिस ग्राफ हैज अ डिग्री टू ठीक है ऐसा ग्राफ अगर कोई बन रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे अ साइकिल ग्राफ ओके चलिए नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है हमारा कंप्लीट ग्राफ ओके okay? कंप्लीट ग्राफ में देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो क्या है कि ग्राफ में जितने भी वर्टाइसिस हैं मान लीजिए तीन है चार है पांच है जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसिस हैं वो सारे वर्टाइसिस आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए कनेक्टेड होने चाहिए ओके okay? जैसे मैं इसकी बात करूं इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं तीन है दिस वर्टेक्स ए बी और सी वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी और सी से कनेक्ट होना चाहिए बिल्कुल है बी ए से और सी से कनेक्ट होना चाहिए वो भी है और सी ए से बी से कनेक्ट होना चाहिए वो भी है तो ये कैसा एक कंप्लीट ग्राफ है ग्राफ की बात करें, इसमें टोटल तो मतलब तो सारे जितने भी वर्टेक्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट ग्राफ को फ्रेंड्स रिप्रेजेंट किया जाता है के एन से के एन से जहां पे एन क्या है टोटल नंबर ऑफ

आपको पूछ लिया जाए कि के, के एट में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको ड्रॉ करेंगे वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन जाएगा ओके तो हमें ड्रॉ करने की नीड नहीं है आप सिंपल ये फॉर्मूले को फॉलो करिए एन एन माइनस वन बाय टू ये फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हैं किसी भी के एन ग्राफ में ठीक है जैसे मैं अगर बात करूं के फोर की फोर की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइजिस हमें काउंट करने है कितने हैं तो सिंपल सी बात है आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए फोर फोर माइनस वन थ्री डिवाइड और 3 6. टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आ गई सिक्स हम इसमें काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स देख लीजिए इक्वल है तो कोई भी कोई भी बड़ा ग्राफ हो के एट के नाइन के सिक्स कैसा भी ग्राफ हो तो उसमें हमें अगर टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से आप यूज में लेके टोटल नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हैं ओके okay? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि आ, ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ द वर्टिसेस एंड द एजेस ग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन किया था ग्राफ के कुछ टर्मिनोलॉजीज और ग्राफ के हमने टाइप्स डिस्कस किए थे फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि अगर हमें ग्राफ को मेमोरी लेवल पर अगर इम्प्लीमेंट करना हो ठीक है तो उसके कितने तरीके हैं किस किस तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ ग्राफ को को सो आइए फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम देखते हैं रिप्रेजेंट करने के friends, दो तरीके हैं मेमोरी लेवल पर वो है फर्स्ट है आपका सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड इज द लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और जो लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहेंगे एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली फ्रेंड्स कोई भी अगर डेटा स्ट्रक्चर हो लाइक वो ट्री हो क्राफ्ट हो स्टैक, क्यू कुछ भी हो उसको मेमोरी पर हम दो ही लेवल पर हम स्टोर कर सकते हैं पहला है आपका स्टैटिक और डायनामिक स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक ठीक है तो स्टैटिक जो नेचर है वो है मैट्रिक्स का या मैं कहूं एरे का बेसिकली मैट्रिक्स इज एरे और जो सेकेंड जो डायनामिक जो नेचर है वो है लिंक लिस्ट का दो ही तरीके से हम किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं तीसरा और कोई तरीका नहीं है सो so फ्रेंड्स यहां ग्राफ में हमने देखा कि जो हम स्टैटिक या सीक्वेंशियल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं बिकॉज इज अ टू डी कंसेप्ट और जो लिंकलिस्ट जो सेकेंड जो डायनामिक जो स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट से अब ये मैट्रिक्स और लिस्ट क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चलिए यहां एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेसेस कितने हैं चार वर्टेसेस हैं और नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5 इस ग्राफ में एजेस कितनी हैं फाइव आपको क्या करना है फ्रेंड्स अगर इस ग्राफ को आपको मेमोरी लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे Let's say, it's a 2D matrix. आप एक 2D matrix बनाएंगे। इस ग्राफ में टोटल जितने हैं, उतने ही रोज होंगे और उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे कॉलम्स होंगे सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही क्या होंगे फोर होगा ठीक है सो टू डी मैट्रिक्स ए V cross V matrix, V cross V जहां क्या है यहां पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइस है जितने नंबर ऑफ वर्टाइस होंगे उतने ही row और column भी होंगे okay? so, यहां पे four vertices है, तो matrix की order क्या होगा वो भी 4 बाय 4 ही होगा ओके okay. स्टार्टिंग करेंगे हम जीरो से जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री आप रो और कॉलम दोनों में क्या सेट कर लीजिए जीरो सेट कर लीजिए अब आप जीरो से देखिए कि जीरो से अदर कौन कौन से वर्टेक्स जीरो से कनेक्टेड है जीरो से थ्री टू और वन तीन कनेक्टेड है ओके तो तीनों पे आप क्या सेट कर देंगे वन, जो वर्टेक्स उसकी क्या सेट करेंगे? वन. नहीं है उसकी जगह क्या सेट कर देंगे सो बेसिकली so जो यहां पे मैट्रिक्स बनेगी ठीक है जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम कहेंगे बाइनरी मैट्रिक्स इसको हम बाइनरी क्यों कहेंगे क्योंकि सारी एंट्रीज क्या है यहाँ पे जीरो और वन ही है वन कब होगी जब सारे एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा विद हेल्प ऑफ एज और अगर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है ठीक है उस दो वर्टेक्स के पर्टिकुलर बीच में कोई एज नहीं है तो हम वहां क्या लिखेंगे जीरो ठीक है सो बेसिकली सर बाइनरी अ बुलियन मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली जीरो जीरो कब जब कनेक्शन नहीं है वन कब जब कनेक्शन है ओके okay? अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये जो डायग्राम जो दे रखा है ये कैसा है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनती पहले हम इस ग्राफ में डायरेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं ये डायरेक्शन एक ये दो ये तीन ये चार और ये पांच सेम मैट्रिक्स बनेगी इसमें जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू और थ्री आप इस तरह की मैट्रिक्स बना लेंगे ठीक है 4 बाय 4 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे 4 4 ओके हम जीरो से देखेंगे यहां पर हमें क्या करना है सिर्फ आउटगोइंग एज को ही कंसीडर करना है जीरो से आउटगोइंग एज कितनी है फ्रेंड किस किस तरफ है जीरो से थ्री की तरफ है तो हम लिख देंगे यहां वन और कोई आउटगोइंग एज है क्या तीन एज जा रही है नहीं है तो बाकी जगह क्या लिख देंगे हम 0 0 0 ठीक है इसी तरह से हम देखेंगे 2 की तरफ टू में आउट गोइंग एज किसकी तरफ है सॉरी अब वन देखते हैं पहले वन में आउट गोइंग एज किसकी तरफ है जीरो और टू दोनों की तरफ है तो जीरो और टू दोनों की तरफ है बाकी जगह क्या आ जाएगा जीरो जीरो टू की बात करें तो टू में आउट गोइंग एज किसकी तरफ है जीरो की तरफ तो ये जीरो की तरफ वन आ जाएगा बाकी क्या आ जाएगा जीरो 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 लास्ट जो वर्टेक्स है थ्री इसमें आउट गोइंग एज कहां पर है फ्रेंड्स दो एज एज है सिर्फ एक ही है, वो किसकी तरफ है टू की तरफ है टू की तरफ वन कर देंगे बाकी क्या सेट कर देंगे जीरो तो ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनी है ठीक है ये किसके लिए बनी है इस डायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनी है ठीक है Okay, तो पहले हमने देखा मैट्रिक्स हो, तो रिप्रेजेंटेशन होगा फिर हमने देखा कि एक और बताता हूं कि graph, अगर हो, तो उसका कैसे बनेगा तो वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स वेटेज ग्राफ क्या होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एज पर हमें कोई एक वेट असाइन होता है ठीक है लेट से हम कोई वेट असाइन कर देते हैं यहां पर टू थ्री वन सिक्स और सेवन ठीक है अब ऑब्वियस बात है आप वही मैट्रिक्स बना लीजिए जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री ओके जीरो से कौन कौन सी एजेस पास आउट है थ्री टू और वन थ्री टू वन थ्री जीरो टू थ्री पर कितना वेट है टू जीरो से टू पर सॉरी जीरो से थ्री पर टू है जीरो से टू पर वन है और जीरो से वन पर थ्री है जीरो से जीरो पर कुछ भी नहीं है तो जीरो सो so, यहां पर जो भी वेट्स दे रखे हैं उनको आप यहां पे लिख दीजिए वो मैट्रिक्स बन जाएगी बट ये फ्रेंड्स ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर एक बाइनरी मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि वैल्यूज कुछ भी आ सकती है वो बुलियन मैट्रिक्स नहीं होगी सिर्फ बुलियन मैट्रिक्स कब होगी जब डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ का हमें बनाना हो वेटेज ग्राफ के लिए बुलियन मैट्रिक्स नहीं बनेगी तो हमने देखा कि तीन तरह के ग्राफ डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड और वेटेज ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ओके okay? सो so अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है बट उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं टू कैटेगरीज के अंदर ग्राफ को हम डिवाइड कर सकते हैं स्पार्स और डेंस ठीक है बेसिकली स्पार्स कंटेन्स द लेस नंबर ऑफ एजेस एंड डेंस कंटेन्स द नंबर ऑफ एजेस कंपेयर टू द देश बात है स्पार्स मैट्रिक्स ठीक है यहाँ कम एजेस होंगी यहाँ ज्यादा होंगी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स मैट्रिक्स इज बेस्ट फॉर द डेंस ग्राफ बट फॉर द स्पार्स ग्राफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि स्पार्स ग्राफ में नंबर ऑफ जो है एजेस कम होगी तो उसमें एंट्रीज जो होंगी वो जीरो ज्यादा होंगी फ्रेंड्स ठीक है तो जीरो ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस बात है वो मेमोरी ज्यादा यूज में करेगा हमें जीरो की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जा, ग्राफ ज्यादा अगर डेंस होगा तो उसमें ज्यादा उतनी क्या होंगी वैल्यूज होंगी और वो बेटर तरीके से स्टोर हो सकेगा मैट्रिक्स इज गुड फॉर द सॉल्यूशन फॉर द डेंस ग्राफ व्हिच विच एम्प्लॉयिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑफाइजेज ऑब्वियस सी बात है एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच मींस एजेस एजेस आर इंप्लाइज जे कॉमा आई ऑब्वियस बात है कि एक सिमेट्रिक ग्राफ होगा नंबर ऑफ एजेस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों क्या होंगे उसमें इक्वल होंगे तो यहां हमें एक बात ध्यान देने की देनी थी कि स्पर्स और डेंस ग्राफ में हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कब करना है जब ग्राफ कैसा हो डेंस ग्राफ हो ताकि नंबर ऑफ जो एजेस हैं उसमें बहुत सारी हो तो उस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इजीली मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी ओके okay?

कनेक्टेड किसके साथ होगा बी के साथ में तो यहाँ पर हर नोड जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा एक पार्ट में होगा उसका नोड का खुद की इंफॉर्मेशन और दूसरे पार्ट में होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस तो इसमें नोड जो है नोड ए किससे कनेक्टेड है बी से बी का खुद का डेटा पार्ट और बी में किसका एड्रेस है फ्रेंड्स नेक्स्ट नोड का जो कि है डी और बी के आगे कोई और नोड कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे क्या आ गया नल पॉइंटर इसी तरह से मैं अगर नोट बी की बात करूं तो नोट बी एक दो और तीन नोट से कनेक्टेड है ए डी और सी तो ए डी सी से तीनों से क्या है कनेक्टेड हो गया और ये टोटली इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या आग बन गया एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन सो लिस्ट इज मेंटेन फॉर द ईच प्रेजेंट इन द ग्राफ विज स्टोर द नोट वैल्यू ठीक है एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट एडजस्टेंट नोट इन द रेस्पेक्टिव टू द रेस्पेक्टिव नोट उस पर्टिकुलर नोट की वैल्यू और नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेगी ओके सो दिस इज सोलॉल सो कॉल्ड एज एडसी लिस्ट फॉर दी अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है मैं आपको डायरेक्टेड का भी बताता हूं फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास में डायरेक्टेड ग्राफ हो जेट से डायरेक्टेड ग्राफ की लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो सिंपल सी बात है कि हमें सिंपल क्या करना है ओनली आउट गोइंग एज को ही कंसिडर करना है तो अगर मान लीजिए वर्टेक्स ए है इसमें आउट गोइंग एज कहां से जा रही है ए टू बी बट डी टू ए कोई भी आउट गोइंग एज नहीं है इसके लिए इनकमिंग एज है तो हम यहां से कनेक्शन किसका बनाएंगे सिंपल बी के साथ में ही बनाएंगे ओके ओके देन हम बात करते हैं वर्टेक्स बी की वर्टेक्स बी में आउट गोइंग एज देखिए फ्रेंड्स दो हैं एक तो है सी की तरफ और एक है डी की तरफ यहां फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप यहाँ सी लिखे बाद में डी लिखे आप यहाँ पहले डी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं मैं यहां डी कर दूं और इसमें सी कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो लिस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें आप दोनों ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बट नॉर्मली हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं कि बी के बाद में सी सी के बाद में डी बट आप जरूरी नहीं कि आप फॉलो ही करें ओके नोट सी की बात करूं तो आउट गोइंग एज सिंपल ई है इसी तरह से डी के लिए भी एक ही आउट गोइंग एज है और E के लिए भी एक ही आउट गोइंग एज है और उसके बाद में कोई नोड कनेक्टेड नहीं है तो इन सब में क्या आ गया नल पॉइंटर नल एड्रेस लास्ट हम बात करते हैं वेटेज ग्राफ की अगर आपके पास में वेटेज ग्राफ है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेटेज ग्राफ के लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि हर नोड तीन पार्ट में डिवाइड होगा पहला होगा वो पर्टिकुलर नोड लेट से मैं बात करता हूँ बी की देन होगा उस एज के ऊपर कितना उसका वेटेज दे रखा है हम लिखेंगे यहां वेट और ये होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस नेक्स्ट नोड एड्रेस ठीक है तो देखिए आउटगोइंग एज कौन है बी है ए टू बी वेट कितना दे रखा है फाइव और कोई आउट गोइंग एज नहीं है तो सिंपल सा next pointer node में क्या आ जाएगा क्रॉस और वेट कितना हो जाएगा 5. इसी तरह से के के लिए लिए दो हैं, कौन-कौन और वेट कितना है टू और वर्टेक्स बी टू डी के लिए वेट कितना है एट सो टू और एट हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे सो so, हर नोड को यहाँ पे क्या करना है तीन पार्ट में डिवाइड करना है ओके okay? और ये आप इजीली लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसका वेटेज डायरेक्टेड ग्राफ का वेटेज भी है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है सो वेटेज डायरेक्टेड ग्राफ वेटेज ग्राफ का भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको सब कंसिडर करना पड़ेगा आपको वहां पे इनकमिंग एज और आउटगोइंग एज की रिक्वायरमेंट है भी नहीं ओके सो दिस इज द लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेटेज अनडायरेक्टेड ग्राफ ओके स्पेनिंग ट्री स्पेनिंग ट्री स्पेनिंग ट्री बेसिकली फेंड्स इट इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ कंपोज ऑफ ऑल द वटाइसेज एंड सम ठीक है अब यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्म्स आ रही हैं लाइक ग्राफ एजिज और वर्टाइसिज वो क्या है हम वो समझते हैं मैं ग्राफ का एक पूरा जो टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा बट अभी यहाँ पर डेफिनेशन में टर्म्स आ रही है तो मैं आपको बताता हूं बेसिकली ये टर्म्स क्या है और इसका स्पैनिंग ट्री से क्या रिलेशन है ये भी हम डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड्स लेट अस से दिस इज दी डायग्राम कॉल्ड एज है इस डायग्राम में पर्टिकुलर ये चार वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी और इन चारों वर्टेक्स को जो कनेक्टिंग करने वाले जो एजेस हैं जो पर्टिकुलर लाइंस हैं उसको हम कहेंगे दीज आर द एजेस सो ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव आर द एजेस ऑफ दिस ग्राफ बेसिकली ग्राफ जी इज अ कंसिस्ट ऑफ या मेनली द कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द वर्टाइसिस एंड सम एजेस किसका कलेक्शन है वर्टाइसिस और एजेस का कलेक्शन है एक ग्राफ ठीक है सो मैंने कहा स्पेनिंग ट्री की डेफिनेशन क्या इट इज़ ए कनेक्टेड नॉट डिसकनेक्टेड कम्पोज ऑफ ऑल दी वर्टाइसिसज इसमें सारे वर्टेक्स होंगे जितने ओरिजिनल ग्राफ में जितने वर्टाइसिज हैं उनसे ही हम क्या बनाएंगे स्पेनिंग ट्री बनाएंगे मान लीजिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में चार वर्टेक्स हैं तो स्पेनिंग ट्री में भी चार वर्टेक्स होंगे ठीक है एंड सम ऑफ द एजेस उस पर्टिकुलर ग्राफ की कुछ एजेस उसमें इंक्लूड होंगी बट वो जो बनेगा ट्री बनेगा वो कैसा होगा एक कनेक्टेड होगा वो कभी डिसकनेक्टेड नहीं होगा सो फ्रेंड्स दिस इज द जनरल डेफिनेशन ये एक जनरल डेफिनेशन है लेकिन स्पैनिंग ट्री के लिए कंडीशन क्या है फॉर एन एनवर्टाइसेज ठीक है फॉर एन एनवर्टाइसेज अगर एक ग्राफ में एन एनवर्टाइसिज हैं नंबर ऑफ एन एनवर्टाइसिज है ठीक है फॉर एन एनवर्टाइसेज टू कंस्ट्रक्ट द स्पैनिंग ट्री ट्री वी रिक्वायर जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में कहा कि हमको एन वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सो वी रिक्वायर एन वर्टाइसिस एंड एन माइनस वन एजेज ये फ्रेंड्स दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द स्पेनिंग ट्री ये स्पैनिंग ट्री की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ में एन नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस क्या होगी एन माइनस वन होगी एंड दिस इज ऑलवेज अ कनेक्टेड ग्राफ वन मोर कंडीशन नो लूप और साइकिल एग्जिस्ट ठीक है कोई भी लूप और साइकिल एग्जिस्ट नहीं होगा इस लूप और साइकिल का मतलब यह है कि उसका स्टार्टिंग और पेंडिंग पॉइंट एक ही हो जहां से वो ग्राफ स्टार्ट हुआ है एंड हुआ है लूप नहीं बनना चाहिए कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए जैसे मैं अगर बात करूं तो ए से सी सी से डी और डी से ए ये एक लूप बन रहा है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है सेम है तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए किसके लिए स्पैनिंग ट्री के लिए जब भी आप स्पैनिंग ट्री बनाएं तो आप ये दो कंडीशन आप याद रखें कि एन नंबर ऑफ वर्टाइस होने चाहिए एन माइनस वन एजेस होने चाहिए यहाँ पे एन क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस और वन मोर कंडीशन किन लो लूप और साइकिल एग्जिस्ट कोई भी लूप साइकिल एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए सो so फ्रेंड्स अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि बेसिकली ये हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे सो so फ्रेंड्स इसी को ही हम लेते हैं लेट्स से हमारे पास में यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसिस हैं वो कितने हैं फोर नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं चार है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि इस ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चार ही वर्टेक्स चाहिए ठीक है वन टू थ्री और फोर दिस इज ए बी सी एंड डी चार वर्टेक्स चाहिए ठीक है अब मैंने कहा कि अगर इसमें नंबर ऑफ एन वर्टाइस हैं तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए एन माइनस वन सो एन इज दर्टाइस एजेस कितनी होगी यहाँ पे एन माइनस वन सो फोर माइनस वन कितना होगा थ्री इस ग्राफ को स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एजेस चाहिए है? हमें तीन एजेस चाहिए ठीक है सो so, तीन एजेस इस ग्राफ में कौन कौन सी होगी वो कोई भी हो सकती है फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि आप ये पर्टिकुलर तीन एज लें या ये तीन लें कोई भी लें आप यहाँ से इस पर्टिकुलर ग्राफ से कोई भी तीन एजेस ले सकते हैं बट कंडीशन क्या है कि वहां पे लूप नहीं बनना चाहिए जहां लूप बन रहा है उन एजेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है सो so, मान लीजिए मैं तीन एजेस ये लेता हूं वन टू एंड थ्री ये है एज ई वन ई फोर और ई फाइव ठीक है ये तीन एजेस लिए उसके बाद में मान लीजिए तीन एजेस में ये ले लेता हूं ये भी एक स्पेनिंग ट्री है यहां पर एजेस कौन कौन सी हैं ई वन ई फोर और ई टू हम ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं ये सारे जितने भी जो ट्री बन रहे हैं ये ऑल आर स्पेनिंग ट्री सारे जो डायग्राम है सब के सब स्पेनिंग ट्री की कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं स्पेनिंग ट्री हैं ठीक है सो so, इस पर्टिकुलर एक ग्राफ से नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं ओके नाउ सेकंड जो टर्म आती है हमारे पास में आपको ये तो पता लग गया कि स्पेनिंग ट्री की कंडीशन क्या है और हम बनाएंगे कैसे ओके okay? ना एक और टर्म है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि से इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मैंने कुछ एज वेट डिसाइन कर दिया हर एज को मैंने कुछ एक वेट असाइन कर दिया मान लीजिए ये मैंने वेट असाइन कर रहा हूं ओके okay? हर एज को एक वेट असाइन कर दिया दैट इज कॉल्ड एज एज वेट इस पर्टिकुलर ऊपर के ऊपर के एक वेट असाइन कर दिया है ठीक है सो अब जितने भी जो डायग्राम बन रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेनिंग ट्री के लिए ओके, आप वहां पे वो वेट असाइन कर दीजिए जैसे यहां पे अगर मैं असाइन कर तो कराइव फाइव सिक्स, सिक्स वन है ना ऐसे बहुत सारे डायग्राम में सारे वेट्स को हम इस तरह से असाइन कर देंगे जितने भी डायग्राम है सबको असाइन कर दिया अब जितने भी जो एज वेट जो दे रखे हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जितने भी एज वेट जो दे रखे हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए मान लीजिए सिक्स टू फाइव और टू थर्टीन ठीक है टेन ट्वेल्व आठ एट और ये हो गया दस ठीक है तो फ्रेंड्स ऐसे जितने भी ग्राफ्स हैं उन सब के एज वेट को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे जिस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एज वेट का सम सबसे मिनिमम आएगा उसको हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ठीक है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं फ्रेंड्स जिस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री के लिए एज वेट सबसे मिनिमम आएगा उसको हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ठीक है स्पैनिंग ट्री के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कंडीशन बता दी कि उस पर्टिकुलर ट्री में टोटल नंबर ऑफ एन वर्टाइजेज होने चाहिए और एन माइनस वन एजेस होनी चाहिए ठीक है और नो no लूप कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए जहां लूप बन रहा हो उसको एज को हमें अवॉइड करना है उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि स्पैनिंग ट्री बेसिकली ट्री में लूप बनता ही नहीं है स्पैनिंग ट्री इज़ अ टाइप ऑफ द ट्री ठीक है जिसमें कभी भी लूप नहीं बनता है सो so फ्रेंड्स यही हमें पता करना है कि किस पर्टिकुलर अगर कोई आपके पास में ग्राफ दे दिया जाए तो उसका हम मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री कैसे निकालें उसके लिए हमारे पास में दो एल्गोरिदम है एक एल्गोरिदम का नाम है क्रस्काल सेल्गोरिदम और दूसरे एल्गोरिदम का नाम है प्रेम सेलगोरिदम ये दो एल्गोरिदम हमें मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री देती है जो भी हमें ग्राफ गिवन है लेट्स अभी यहाँ तो सिर्फ चार वर्टाइज हैं लेकिन अगर आठ या नौ वर्टासीज़ हो तो टोटल नंबर ऑफ़ स्पेनिंग ट्री निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारे ग्राफ निकालना उसको ड्रॉ करना मुश्किल होता है तो ये पर्टिकुलर एलगोर्दम्स आपको मिनिमम स्पेन ट्री की कॉस्ट क्या होगी और वो ट्री कौन सा होगा जिसके ऊपर ये कॉस्ट आ रही है ये दोनों आपको फाइंड आउट करके दे देगी सो आइए फ्रेंड्स इन दोनों एलगुरदम का हम डिस्कशन करते हैं कि दोनों एलगुर्दम का क्या प्रोसीजर है हम कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे ओके okay, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्रुस्कल सेलगोरिदम जैसा कि मैंने अभी कहा कि मिनिमम कॉस्ट ठीक है स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए हमारे पास में दो एल्गोरिदम है एक एलगोरिदम का नाम है क्रिसकल सेलगोरिदम और दूसरी का नाम है प्रेम सेलगोरिदम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रुस्कल सेलगोरिदम हम कैसे सॉल्व करें फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है एग्जाम्पल में आपको देख रहे हैं कि एक ग्राफ गिवन है हमें और कुछ वर्टेक्सेस हैं और एजेस सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उन एजेस के ऊपर जो है एज वेट असाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन टोटल एन नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं एन इज इक्वल टू सेवन तो स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें इतने ही नंबर ऑफ वर्टाइसिस चाहिए ठीक है बट टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी वहां पर फ्रेंड्स एन माइनस वन दैट इज सिक्स ये फिक्स रूल है फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए इनको कि एक पर्टिकुलर स्पेनिंग ट्री के लिए लेट से टोटल नंबर ऑफ एन वर्टाइस हैं तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ एजेस हमेशा एन माइनस वन ही होगी ये फिक्स है फिक्स रूल है आप इसको याद रखिएगा ठीक है ठीके? और दूसरी कंडीशन वहां पर जो है लूप नहीं लगना चाहिए अगर लूप लग गया लूप अप्लाई हो गया तो फिर वो एक ट्री नहीं है और स्पेनिंग ट्री भी नहीं है हाँ वो एक ग्राफ हो सकता है बट स्पेनिंग ट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा सो so, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जितने भी वर्टेस हैं ठीक है और जितने भी एजेस हैं ठीक है आप एज वेट तो दे रखे हैं टेन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ये जितने भी वेट्स जो तो दे रखे हैं उन सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट और उसके अकॉर्डिंग जो वेट जो है उस पर्टिकुलर कौन सी एज पर है जैसे टेन जो है वो ए कॉमा एफ पर एज पर एज वेट है आप ए कॉमा एफ लिखिए या एफ कॉमा ए लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड हम ग्राफ के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं अभी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो फ्रेंड्स ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है ठीक है और अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप चाहे वाली ए कॉमाएफ लिखिए या बी कॉमा ए लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so, सारे जितने भी वेट्स दे रखे हैं उन सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में आप जमा लीजिए बढ़ते हुए क्रम में आप जमा लीजिए ठीक है अब हमें पता है फ्रेंड्स कि इस ग्राफ को स्पेरिंग ट्री में कन्वर्ट होने के लिए टोटल उतने ही नंबर ऑफ वर्टाइसिस चाहिए जितना ओरिजिनल ग्राफ में थे तो आप क्या करिए फ्रेंड्स जो ग्राफ गिवन है ये आपका ग्राफ जो गिवन है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वर्टासी को ड्रॉ कर लीजिए एजेस को ड्रॉ मत कीजिए ये मैं सारे वर्टाइसिस को ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ठीक है नाउ स्टार्ट विथ द मिनिमम वेट मिनिमम वेट से आपको स्टार्ट करना है सो मिनिमम वेट क्या है टेन है ए कॉमा बी सॉरी ए कॉमा एफ के ऊपर टेन है आप टेन वेट असाइन कर दीजिएड हो गया नेक्स्ट जो मिनिमम वेट है वो है ट्वेल्व सी कॉमा डी के ऊपर सी कॉमा डी के ऊपर ट्वेल्व वेट है इसको आप असाइन कर दीजिए ट्वेल्व और इसको टिक कर दीजिए हमें टोटल कितनी एजेस चाहिए फ्रेंड्स सिक्स चाहिए दो आ चुकी हैं, ओके नेक्स्ट मिनिमम वेट क्या है फोर्टीन फोर्टीन कहाँ असाइन है फ्रेंड्स बी कॉमा जी के ऊपर सो बी कॉमा जी के ऊपर आप फोर्टीन असाइन कर दीजिए इसको भी हमने ले लिया है ग्राफ में स्पेनिंग ट्री में नेक्स्ट जो मिनिमम वेट है फ्रेंड्स वो है सिक्सटीन और वो असाइन है बी कॉमा सी के ऊपर ये रहा आपका बी कॉमा सी बी कॉमा सी सिक्सटीन देखिए फ्रेंड्स कोई भी यहां पर लूप नहीं बन रहा है ठीक है लूप नहीं बन रहा है तब तक आप एज वेट को लेते रहिए और इस तरह से स्पैनिंग ट्री बनाते रहिए नेक्स्ट जो वेट है वो है एटीन एटीन जो वेट है वो है डी कॉमाजी के ऊपर ये रहा डी कॉमा जी देखिए फ्रेंड ध्यान से देखिए अगर मैं यहां पर अगर एज ड्रॉ कर देता हूं तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा एक लूप बन जाएगा लेकिन स्पेनिंग ट्री में लूप अलाउड नहीं है सो so फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा कि लूप अलाउड नहीं है स्पेनिंग ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए सो so हम इस पर्टिकुलर वेट uh, को कंसिडर नहीं करेंगे डी कॉमा जी को क्यों क्योंकि यह लूप बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो मिनिमम वेट जो है वो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू जो है वो है डी कॉमा ई के ऊपर डी कॉमा डी डी कॉमा ई को हम एब्सोल्युटली ले सकते हैं क्योंकि इसके ड्रॉ करने से कोई भी लूप नहीं बनेगा सो फ्रेंड्स देखिए यहां पर कितनी एजेस आ चुकी हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एजेस आ चुकी हैं हमें स्पेनिंग ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए छह एजेस चाहिए एक एज हमें और रिक्वायरमेंट है तो हम वो ले, ले लेते हैं ई कॉमा जी ई कॉमा जी अब देखिए फ्रेंड्स आप ई कॉमा जी को अगर कंसिडर करेंगे इस एज को ड्रॉ कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा एक लूप बन जाएगा और जहां लूप बन रहा है उस एज को हमें कंसिडर नहीं करना है इसको आप क्रॉस कर दीजिए ठीक है नेक्स्ट जो वेट है वो है ई कॉमा एफ वो है ट्वेंटी फाइव ई कॉमा एफ को अगर हम लें तो इसको ड्रॉ करने से कोई भी लूप नहीं बनेगा तो इसको हम एज को कंसिडर कर सकते हैं ये हमारे काम की एज है सो so, फ्रेंड्स आप देखिए कि टोटल हमें सिक्स एजेस की रिक्वायरमेंट थी सिक्स एजेस यहाँ पर आ चुकी है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और टोटल नंबर ऑफ वर्टेज है यहाँ सेवन तो ये एक अब स्पेनिंग ट्री मिनिमम स्पेनिंग ट्री ये बन चुका है सिर्फ स्पेनिंग ट्री नहीं है ये मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है और लास्ट जो एज है ट्वेंटी एट उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप कंसिडर भी करें फ्रेंड्स वो है ट्वेंटी एट एक ओमा बी के ऊपर एक ओमा बी एमा बी आप लेंगे तो वैसे भी लूप बन जाएगा हमारे काम की एज वो है भी नहीं ठीक है सो दिस इज द ग्राफ स्पेनिंग ट्री जो हमारे पास में रिजल्टेंट ट्री आया है उसको हम कहेंगे मिनिमम स्पेनिंग ट्री और जो भी कॉस्ट जो आई है उसको आप एड कर दीजिए 10, 25, plus 22, plus 14, plus 16, plus 12. इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो जो कॉस्ट जो आएगी जो कॉस्ट आएगी फ्रेंड्स वो होगी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री वो पर्टिकुलर इस स्पैनिंग ट्री के लिए मिनिमम कॉस्ट होगी इससे मिनिमम कॉस्ट नहीं आ सकती है और ये वो आ, ट्री है जो इस पर्टिकुलर स्पेनिंग ट्री का मिनिमम स्पेनिंग ट्री है और फ्रेंड्स इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आ, इसमें आएगा 99 नाइन आएगा इसका 99 क्या है इसकी मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री है सो so फ्रेंड्स ये प्रोसीजर है कुस्कर्ल्स एल्गोरिदम का जिसमें आपको क्या करना है कोई भी ग्राफ गिवन हो तो सबसे पहले जितने भी वेट्स जो दे रखे हैं ग्राफ के उन सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए और स्टार्ट करिए मिनिमम वेट से ट्री को ड्रा करते जाइए ग्राफ को ड्रॉ करते जाइए कंडीशन ध्यान में रखनी है कि टोटल एन नंबर ऑफ वर्टाइसिस आपको लिखना है और उसके अकॉर्डिंग एन माइनस वन एजेस कंसिडर होगी लूप आपको कंसिडर नहीं करना है जहाँ भी लूप बने उसको आप एज को नेग्लेक्ट कर दीजिए कंसिडर मत कीजिए और ड्रॉ करते रहिए फाइनल जितने भी एजेस या वर्टाइसिज ड्रॉ होने के बाद में जो रिजल्टेंट ट्री होगा वही हमारा स्पेनिंग ट्री होगा आप सारे एज वेट को कंसिडर कर लीजिए ऐड कर लीजिए वो होगी आपकी मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री ठीक है फ्रेंड्स आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए आपके कमेंट्स जो है बिल्कुल हमें एक एनकरेज करते रहेंगे और जो भी डाउट्स हैं उनका हम सॉल्यूशन आपके ज़रूर भेजेंगे प्रेम सेल्गोरिदम लास्ट के वीडियो में मैंने आपको स्पेनिंग ट्री के बारे में बताया था और स्पेनिंग ट्री का क्या कंसेप्ट है उसके डेफिनेशन क्या है ये हमने एक्सप्लेन किया था उसके बाद में मैंने आपको बताया था देर दो एलगोरदम ऐसी है जिसके थ्रू हम मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग होगी और उससे मिनिमम ट्री कौन सा बनेगा सो फ्रेंड्स लास्ट के वीडियो में हमने पुस्काल सेलगोर्दम को डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिम्स सेलगोर्दम को हम कैसे सॉल्व करें उसका क्या प्रोसीजर है एक एग्जाम्पल के हम थ्रू ये हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे सो so, आइए फ्रेंड्स यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक ग्राफ लिया है इस ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे प्रिम्स एलगोरिदम की हेल्प से और इस मिनिमम स्पर्निंग ट्री फाइंड आउट करेंगे और उसकी कॉस्ट क्या है वो भी हम पता करेंगे फ्रेंड्स बुक्स में या नेट पर बहुत सारी प्रोसीजर्स दे रखे हैं प्रिम्स एल्गोरिदम के आ, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर आपका एक ही आएगा ठीक है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ प्रोसीजर वो है कट मेथड के थ्रू कट मेथड आपको लगाना है आप यहां पर किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग वर्टेक्स जो A है ए है उसे आप चाहें तो वर्टेक्स ई e से बी से सी से डी से किसी भी वर्टेक्स से आप ये एल्गोरिदम स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ग्राफ में फ्रेंड्स कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है जितने भी ग्राफ के जो वर्टेक्स होते हैं वो सारे के सारे वर्टेक्स एज ओरिजिन नोड की तरह बिहेव करते हैं ट्री और ग्राफ में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ट्री में हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं रूट नोड जबकि ग्राफ में कोई भी ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है जिसको बेसिकली uh, जितने भी ट्री uh, ग्राफ में जो वर्टेक्स हैं वो सारे के सारे जो है ओरिजिन नोड की तरह बिहेव इसलिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए आप कोई भी वर्टेक्स से ये सेल्गोर स्टार्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंसर हमेशा सेम आएगा ठीक है तो लेट्स से हम यहाँ वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर लेते हैं फॉर द दिम्पलीफिकेशन हमको क्या करना है कि वर्टेक्स ए से जो पास आउट जो एजेस हैं वर्टेक्स ए से दो एजेस पास आउट हो रही है एक वर्टेक्स बी की तरफ और एक वर्टेक्स ई e की तरफ ठीक है आप यहाँ पर एक कट लगा दीजिए ये कट ये डिनोट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कट से होकर जाने वाली एजेस कितनी हैं और उसमें सबसे मिनिमम एज कौन सी है ठीक है टोटल कट में दो एजेस पास आउट हो रही है और दोनों में से मिनिमम कौन सी है फोर ए टू बी सो ए टू बी को आप क्या कर लीजिए आप चाहें तो इसको आ, बोल्ड कर लीजिए इसको आप इस तरह से ये बोल्ड होने का ये मतलब है कि ये एज अब सेलेक्ट हो चुकी है सी D ओके फोर सिक्स टेन एट फाइव और वन ये एज हमारी सेलेक्ट हो चुकी है हमने कौन कौन से वर्टेक्स को विजिट किया है ए और बी को यहां पे हमने वर्टेक्स किया था ए से स्टार्टिंग की थी अब हमने ए और बी को वर्टेक्स किया है अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट जो कट लगाना है वो कट लगाना है हमें A और B साइमल्टेनियसली ठीक है जो जो भी एजेस पास आउट हो रही है ए और बी से उन सब के ऊपर कट लगाना है बट ध्यान यह रखना है कि जो ऑलरेडी विजिटेड जो एजेस है उसके ऊपर आपको कट नहीं लगाना है जैसे कौन सी ए कॉमा बी ए कॉमा बी को हम सेलेक्ट कर चुके हैं अब यहां से आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है सो ए कॉमा बी से एजेस कौन कौन सी पास आउट हो रही है एजेस ए कॉमा ई बी कॉमा ई और बी कॉमा सी इन सब के ऊपर आप इस तरह से कट लगा दीजिए तीन एजेस आउट हो रही है वन टू एंड थ्री और इन तीनों में से सबसे मिनिमम मिनिमम एज कौन सी है सिक्स तो हम सिक्स को क्या करेंगे बोल्ड कर लेंगे यहां पर ए मैं इसको थोड़ा फ्रेंड्स यहां ड्रॉ कर देता हूं ए बी सी ई और डी ठीक है चलिए पहले हमने इस एज को विजिट कर लिया था अब हम कौन सी वेज को विजिट किया है ए कोमा ई को बट फ्रेंड्स ध्यान आपको रखना है कि लूप नहीं बनना चाहिए सो फोर सिक्स टेन एट वन और फाइव ठीक है इस पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है फ्रेंड्स फोर और फाइव नंबर ऑफ वर्टाइसिस So, बताया था अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखें. मैंने उसमें वहां प्रोवाइड करी है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एन वर्टाइसिस हैं तो उसको स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एन वर्टाइस ही चाहिए प्लस एन माइनस वन एजेस रिक्वायर्ड होंगी एक कम सो so, इस ग्राफ में टोटल एन नंबर ऑफ वाइट वर्ट वर्टाइसिस वर्ट हैं एजेस कितनी चाहिए हमें एन माइनस वन सो कितनी टोटल चार दो एजेस आ चुकी हैं हमारे पास में अब और हम काम करते हैं हमने अभी कौन से वर्टेक्स को टच किया है ए कॉमा बी कॉमा ई को इन तीनों टच हो चुके हैं अब जो फ्रेंड्स कट लगेगा वो इन तीनों के ऊपर लगेगा ए बी और ई मतलब ए बी ई से पास आउट होने वाली सारी एजेस के ऊपर कट लगेगा एक्सेप्ट वो एजेस जो विजिटेड हो चुकी है उनके ऊपर कट नहीं लगेगा सो so फ्रेंड्स हम देखते हैं ए और बी ए से जाने वाली सारी विजिट विजिट हो चुकी हैं, ये बी की सारी एजेस और ये बन जाएगी ई e की सारी एजेस ठीक है बी से दो एजेस पास आउट हो रही है ई e से तीन एजेस पास आउट हो रही है एक विजिट कर चुके हैं दो विजिट करनी है ठीक है कट लगा दिया है मैंने इस कट में जो है तीन एजेस आ रही है बी कॉमा सी बी कॉमा ई और ई कॉमा डी इन तीनों में एजेस में सबसे मिनिमम कौन सी है फ्रेंड्स वन सो हम वन को विजिट करेंगे ए बी सी ई और डी ये हम विजिट कर चुके हैं इसलिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं फ्रेंड्स ठीक है ओके okay. और लास्ट अभी हमने जो विजिट की है वो है ई e, कॉमा डी क्योंकि सबसे मिनिमम थी फोर सिक्स वन टेन एट और फाइव ठीक है तीन एजेस विजिट कर चुके हैं अब विजिटेड कौन वर्टेक्स कौन से ए ई नेक्स्ट जो विजिटेड वर्टेक्स है वो है डी ठीक है डी को हम कंसिडर करेंगे अब सारी ए बी E और डी सारी एजेस जो पास आउट हो रही है वो सारी एजेस के ऊपर हम लगेगा इन से जो आउट हो रही है तो लगा दीजिए कट बी से ठीक है ये कट और ये कट तीनों कट एक साथ लगेंगे ये लगा दीजिए ठीक है इन तीनों कट में से सबसे मिनिमम कौन ये फाइव क्या फाइव को लेने से लूप बन रहा है क्या नहीं बन रहा है सो so, हम इस फाइव को कंसिडर कर सकते हैं So, हम इसको भी बोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स ए बी सी ई और डी ये विजिटेड है ये भी विजिटेड है ठीक है ये विजिटेड है और लास्ट में अभी हमने जो विजिट किया है वो है सी कॉमा डी दिस इज एट फोर सिक्स वन फाइव और टेन ठीक है फ्रेंड्स स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए हमें चार एजेस चाहिए वो हमें चार एजेस मिल चुकी हैं अगर आप फिर भी आप कट लगाना चाहेंगे से अब नेक्स्ट जो मिनिमम एज होगी वो कोई अगर आप कट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा उससे एक लूप बन जाएगा सो so, आप अपना प्रोसीजर यहां पे स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि हमें चार एजेस यहां पर मिल चुकी है सो फ्रेंड्स फाइनली मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे ए बी सी ई और डी फोर सिक्स वन एंड फाइव ठीक है ये जो हमारे पास में फ्रेंड्स जो ट्री बना है इसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री और अगर हम सारी वेट्स को हम ऐड कर लेते हैं सिक्स फोर टेन फाइव फॉर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ये आया है हमारे पास में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इस पर्टिकुलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री की मिनिमम कॉस्ट हमारे सामने आई है सो so, फ्रेंड्स ये था प्रिम्स एल्बोरिज्म का प्रोसीजर जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ है तो आप उस ग्राफ की स्टार्टिंग कहीं से भी किसी भी नोट से कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करें आप कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ से पास आउट में जितनी भी एजेस है उसके ऊपर कट लगा दीजिए मिनिमम एज सेलेक्ट कीजिए और यही प्रोसीजर करते रहिए जब तक कि आपको सारी एजेस स्पैनिंग ट्री के लिए नहीं मिल जाती है स्पैनिंग ट्री में सारी एजेस कितनी होगी एन माइनस वन वेर एन इज द टोटल नंबर ऑफ ज और लास्ट में जो भी आपको मिले उसमें सारी आ, वेट्स का आप सम कर लीजिए उससे आपको मिलेगा मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री सो फ्रेंड्स ये था प्रेम्स का प्रोसीजर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे बेसिकली फ्रेंड्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हमारे पास में अगर एक लेट से वेटेज ग्राफ है ठीक है और उस वेटेज ग्राफ में लेट से एक वर्टेक्स है और एक कोई अनदर वर्टेक्स है फ्रॉम पर्टिकुलर वर्टेक्स टू पर्टिकुलर वर्टेक्स अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी ये हमें पता करने के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोदम का यूज में लेते हैं बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास में जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वेटेज ग्राफ होना चाहिए क्योंकि तो वेटेज ग्राफ में एक के को एक होता है, उसी वेट और उसी एज वेट के थ्रू हम क्या निकालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर वर्टेक्स के बीच में या सारे वर्टेक्स के बीच में भी हम शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स हमारे पास में दो एल्गोरिदम्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए पहला जो है वो है सिंगल सोर्सुलर सोर्स और डेस्टिनेशन के मिडल में ही आएगा ठीक है हमारे पास में एक सोर्स नोट होगा एक डेस्टिनेशन नोड होगा और उन दोनों नोट के बीच का जो शॉर्टेज पाथ है जितने भी बेसिकली तो फ्रेंड्स क्या होगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पहुंचने के लिए रीच करने के लिए बहुत सारे पाथ्स होंगे बट हमें वो पाथ चूज करना है जो शॉर्टेस्ट हो जिसकी डिस्टेंस क्या हो मिनिमम हो वो हमें वो पाथ चूज करना है तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास में है कि एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है हमें उन दोनों वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है तो हम क्या यूज में लेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ सिंगल का मतलब ये है कि हम यहाँ एक ही पाथ एक ही सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ हम पता कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू Node. और friends, इसके लिए हम यूज में जो कॉस्ट है. है, जो, जो आएगी शॉर्टेज पाथ की वो हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स के लिए ही होगी फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स सिंगल्स में हमने सिर्फ एक वर्टेक्स के लिए बात की थी सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए लेकिन हम यहाँ ऑल पेयर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ में हम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं यहाँ पर कोई एक सोर्स नोड नहीं होगा या कोई एक डेस्टिनेशन नोड नहीं होगा ठीक है हम सारे जितने भी वर्टेक्स हैं ग्राफ में उन सब की अनदर वर्टेक्स से कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसके लिए हम यूज में लेंगे फ्लॉइड वॉर्शाल एल्गोरिथम ठीक है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या मेथड है और जो एल्गोरिथम हम यूज में लेंगे वो है डिज्क्स्ट्रा एल्गोरिथम उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओके okay, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इट मींस अ डिज्क्स्ट्रास एल्गोरिथम ठीक है इसकी वर्किंग कैसे है ये हम देखेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक बोर्ड पे लिखा है फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पास में एक वेटेज ग्राफ है ठीक है इस वेटेज ग्राफ में हर एज के ऊपर एक वेट असाइन किया हुआ है ठीक है हमें पता करना है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में कितनी डिस्टेंस आएगी वो भी कैसी मिनिमम होनी चाहिए ठीक है तो हमें यहाँ पर एक स्टार्टिंग वर्टेक्स मानना पड़ेगा एक सोर्स नोट मानना पड़ेगा जहां से हमें उस वर्टेक्स की क्या करनी है डिस्टेंस पता करनी है हम मान लेते हैं कि ए हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है आप चाहें तो इस ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स को स्टार्टिंग वर्टेक्स मान सकते हैं और उस ग्राफ से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं हम ये मानते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो स्टार्टिंग वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से अदर जितने भी वर्टेक्स हैं उसकी हमें डिस्टेंस पता करनी है वो कितनी होगी वो हमें देखना है ठीक so, है सो ए से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ऑब्वियस ही बात है कि मैं अगर कहूं कि लाइक uh, ए like से ए की डिस्टेंस क्या होगी तो ऑब्वियस ऑबियस बात है वो जीरो ही होगी क्योंकि uh, क्योंकि उसमें कोई एज तो कनेक्टेड है नहीं तो इस तरह की हमें एक टेबल बनानी है फ्रेंड्स उसमें आपको सारे वर्टेक्स लिखने हैं ए बी सी डी ई एफ जी और स्टार्टिंग हम ए वर्टेक्स से कर रहे हैं तो यहां हमें ए लिखना है ए से ए के डिस्टेंस क्या है ऑब्स बात है जीरो है क्योंकि वही स्टार्टिंग वर्टेक्स से हमें वही उसी पर ही रहे हैं हम कहीं आगे नहीं मूव किया है तो उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी जीरो रहेगी और अभी जितने अदर वर्टेक्स हैं बी सी डी ई एफ जी उनसे ए के डिस्टेंस क्या है वो अभी हमें पता नहीं है इसलिए हमने क्या मान लिया उसको एज ए इन्फिनेटी मान लिया तो अदर जितने भी जो डिस्टेंस है इनिशियल डिस्टेंस कितनी मानी हमने जीरो मानी और अदर जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी ए से डिस्टेंस क्या है अभी हमें पता नहीं है इसलिए मैंने क्या मान लिया उन सबको इन्फिनेटी मान लिया ठीक है, अभी हम उसके डिस्टेंस निकालेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा ओके अब ए से हम कहां, कहां जा सकते हैं किस नोड पर हम मूव हो सकते हैं ठीक है ए से हम बी पर जा सकते हैं ए से हम एफ पर जा सकते हैं और ए से हम जी तक जा सकते हैं ठीक है और ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है फाइव बट हमने क्या मानी उसकी इंफिनिटी तो ऑब्वियस बात है कि वो इन्फिनिटी से तो फाइव छोटा ही है तो हम उसको डिस्टेंस को क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे और फाइव लिख देंगे तो ए से बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां पे फाइव पहले इंफिनिटी थी अब कितनी हो गई फाइव इसी तरह से ए से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है थ्री है हमने कितनी मानी थी इंफिनिटी मानी थी लेकिन अभी कितनी हो चुकी है वो थ्री तो आप थ्री उसको अपडेट कर दीजिए ए से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है थ्री इसी तरह से ए से जी तक की डिस्टेंस देखिए फ्रेंड कितनी है टेन हमने क्या मानिए अपडेट कर दीजिए कितना ठीक है और ए से जी तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टेन ओके Now, A से जितने भी पास आउट जो एजेस थी वो हमने सारी कंसिडर कर ली तीन ही थी तीन के अलावा और कोई एज पास आउट नहीं हो रही है ठीक है और उन तीनों में भी सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसकी है ए से एफ तक की तो ए से एफ तक की जो ये डिस्टेंस है वो फाइनल डिस्टेंस होगी और ये क्या होगी इसकी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एफ ठीक है तो ये A से F तक का minimum हमारे पास में path बन गया ठीक है इसका मतलब अगर हमें ए से एफ तक जाना हो तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी थ्री होगी थ्री से अलावा और कुछ हो भी नहीं सकती है ओके और जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो तो क्या है वही रहेगी जो थी जीरो एज इट इज रहेगा आप चाहें तो वापस से लिख सकते हैं आप चाहे तो नहीं भी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ठीक है इसमें आप बिल्कुल यही प्रोसेस हमें क्या करना है रिपीट करते रहना है ठीक है अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जीरो के लिए बात कर ली हमने थ्री के लिए बात कर ली नेक्स्ट जो डिस्टेंस मिनिमम किसकी है वो है फाइव किसके लिए है बी के लिए तो अब हम बात करेंगे किसके लिए वर्टेक्स बी के लिए ये बी ये फिक्स है डिस्टेंस जिनको मैं फ्रेंड्स रेक्टेंगल बॉक्स में लिख रहा हूं वो डिस्टेंस क्या है फिक्स है ए से ए तक की डिस्टेंस फिक्स है ए से एफ तक की डिस्टेंस फिक्स हो गई है मिनिमम डेट इज थ्री अब हम बात करते हैं वर्टेक्स बी के लिए वर्टेक्स बी की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स वर्टेक्स बी से वन टू थ्री और फोर फोर एजेस पास आउट हो रही है सबसे पहले है बी से ए तक के डिस्टेंस ए से बी या बी से ए कहें तो बात तो एक ही है ठीक है और वो हम निकाल चुके हैं फिक्स है वो उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है नाओ बी एफ तक के डिस्टेंस ठीक है बी से एफ तक के डिस्टेंस देखिए बी से एफ तक के डिस्टेंस बी की खुद की डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स फाइव है और बी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है एटीन है सो so एटीन प्लस फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बट वो हमें यहाँ पर कितना दे रखा है थ्री ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कम दे रखी है और हम कितनी ले रखे हैं ज्यादा ले रखे हैं तो ट्वेंटी थ्री यहाँ पर कंसिडर नहीं होगी ठीक है ओके तो बी से एफ तक के डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं वो कितनी है थ्री है जबकि हमने देखा अभी कि बी की खुद की डिस्टेंस कितनी है फाइव और यहाँ से कितनी है इसकी 18 सो so 18 प्लस फाइव ट्वेंटी हो जाएगा ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी बल्कि यहां पे हमने मिनिमम डिस्टेंस ऑलरेडी उसकी निकाल रखी है तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे सो so लास्ट हमने देखा था कि हमने एफ से निकाली थी मिनिमम डिस्टेंस कितना था थ्री था ठीक है तो एफ से ही हमें देखना पड़ेगा एफ से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है आप एफ से वापस स्टार्ट करें ये रहा एफ ठीक है पहले हमने बी से देखा था मिनिमम डिस्टेंस ठीक है अब लास्ट आपने एफ निकाला है मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो आपको यहाँ से एफ से स्टार्ट करना पड़ेगा जो फिक्स डिस्टेंस है उसको तो आप एज इट इज लिख लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनके ऊपर आपने सर्कल किया है रेक्टेंगल बॉक्स किया है उसको आप फिक्स लिख लीजिए लेकिन ये डिस्टेंस वेरी हो सकती है ए से एफ तक की डिस्टेंस हमने मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली इसलिए उसको फिक्स कर सकते हैं हम वापस उसको लिख सकते हैं ठीक है चलिए हम एफ से बात करते हैं एफ से वन टू थ्री फोर और फाइव फाइव एजेस पास आउट हो रही है सबसे पहले हम देखते हैं एफ से जी एफ से जी एफ से जी देखिए फ्रेंड्स सेवन प्लस थ्री कितना हो आपको दोनों डिस्टेंस काउंट करनी है एफ की खुद की डिस्टेंस कितनी है थ्री और एफ से जी तक की डिस्टेंस कितनी है 7. तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा टेन टेन जो है ऑलरेडी कॉस्ट दे रखी है कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए हम टेन का टेन ही लिखेंगे सो so एफ से जी तक की डिस्टेंस टेन है तो टेन ही रहेगी फिर हम बात करते हैं एफ से ई तक के डिस्टेंस. F की के डिस्टेंस एफ की खुद की डिस्टेंस थ्री और एफ से ई e तक की डिस्टेंस फाइव तो फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट और यहां क्या दे रखा है इंफिनिटी ज्यादा है हम उसको अपडेट कर देंगे एफ से थ्री तक ई e तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एट सो एफ से ई e, एट ठीक है इसके बाद में हम निकालेंगे एफ से ए बट वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जीरो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हम बात करेंगे एफ से बी एफ से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी एटीन प्लस थ्री कितना ट्वेंटी वन यहां मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है फाइव हम ट्वेंटी वन नहीं लिखेंगे हम कितनी लिखेंगे फाइव ही लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट है एफ से डी एफ से डी देखिए एफ की खुद की डिस्टेंस थ्री एफ से डी तक की डिस्टेंस कितनी है सिक्स सो सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन नाइन से अपडेट कर दीजिए इन्फिनी को सो so, एफ से डी कितना हो जाएगा नाइन ठीक है एफ से सी तक की कोई डिस्टेंस है क्या डायरेक्ट नहीं है तो वहां क्या आ जाएगा इंफिटी ओके, okay. अब हम चूज करेंगे कि इन सारे डिस्टेंस में से मिनिमम कौन सी है फाइव, किसके लिए वर्टेक्स बी के लिए सो जीरो फिक्स हो गया ए फिक्स हो गया बी फिक्स हो गया और यहां एफ फिक्स हो गया ठीक है अब हम वर्टेक्स बी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट हमारे पास में क्या आया था वर्टेक्स बी के लिए मिनिमम डिस्टेंस आई थी फाइव नाइन एट और टेन में से सबसे मिनिमम कौन सा था फाइव तो हम फाइव से स्टार्ट करेंगे अब हमको फ्रेंड्स देखना है बी से यहां से देखिए आप यहां से बी ठीक है बी की खुद की डिस्टेंस कितनी है फाइव बी से एजेस कितनी पास आउट हो रही है वन टू थ्री फोर फोर एजेस पास आउट हो रही है चलिए देखते हैं बी से ए की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ए फिक्स है जरूरत नहीं है नाउ बी से एफ तक की डिस्टेंस बी की खुद की डिस्टेंस कितनी है फाइव और बी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है एटीन सो एटीन प्लस फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री बट यहां पे कितना दे रखा है थ्री तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे वो अब फाइनल है डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है अब देखिए बी से डी तक के डिस्टेंस ये बी से डी तक के डिस्टेंस कितनी है नाइन और यहाँ कितना है बी के डिस्टेंस फाइव तो नाइन प्लस फाइव कितना हो जाएगा फोर्टीन बट यहाँ पे ऑलरेडी कितना दे रखा है नाइन मिनिमम है फोर्टीन ज्यादा है नाइन मिनिमम है तो उसको अपडेट नहीं करेंगे नाइन का हम Nine ही रहने देंगे और फिर बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है टू और बी की डिस्टेंस फाइव प्लस टू कितना है? या C कितनी है? हम कर देंगे कितना? So C कितनी हो जाएगी सेवन क्या बी से ई e तक का कोई पाथ है क्या डायरेक्ट नहीं है क्या बी से जी तक का कोई पाथ है क्या डायरेक्ट नहीं है तो लास्ट वाली जो डिस्टेंस है वही रहेगी इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा सो ए एफ बी यहां सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसकी है फ्रेंड्स सेवन एट नाइन और टेन किसकी है सेवन की है किस वर्टेक्स के लिए सी के लिए तो यहां क्या हो जाएगा वर्टेक्स सी सेवन इज मिनिमम सो एफ बी सी नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा आएगा वो हम देखते हैं ठीक है फिक्स जो डिस्टेंस है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ठीक है अब लास्ट जो वर्टेक्स था सी हम वहां से स्टार्ट करेंगे सी सी से से ठीक है स्टार्ट करना फ्रेंड्स सी से देखिए सिर्फ दो ही एजेस पास आउट हो रही है सी से बी और सी से डी ठीक है सबसे पहले हम सी की डिस्टेंस कितनी है सी का खुद का डिस्टेंस कितनी है सेवन सी से बी तक अगर जाएंगे तो सेवन प्लस टू कितना हो जाएगा नाइन बट वहां पे ऑलरेडी मिनिमम कितनी है फाइव सो सी से बी बट फाइव ऑलरेडी मिनिमम आ चुकी है हम नहीं ले सकते ठीक है देन डी डी के लिए बात करते हैं सेवन सी की डिस्टेंस है और सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है थ्री तो सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टेन जबकि डी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है नाइन स्मॉल है टेन बड़ा है हम अपडेट नहीं करेंगे सो so डी के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी नाइन वही रहेगा कोई चेंजेस नहीं आएगा ठीक है तो नाइन एट और टेन वही रहेगा नो no चेंजेस और इन तीनों में से मिनिमम डिस्टेंस कितनी रेक्टेंगल फिक्स है नाइन एट और टेन तीनों में से मिनिमम डिस्टेंस किसकी एट किसके लिए वर्टेक्स ई के लिए सो e so अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन वर्टेक्स ई सॉरी फाइव सेवन थ्री और ये अब डिस्टेंस फिक्स हो गई है एट ठीक है चलिए इसको मैं वापस से लिख देता हूं ए एफ बी सी ई ठीक है लास्ट किसके लिए हमने डिस्टेंस निकाली थी वर्टेक्स ई के लिए ठीक है ई से हम स्टार्ट करेंगे ये ई ई से कितनी एजेस पास आउट हो रही है दो ई से एफ ई से डी ठीक है E की खुद की डिस्टेंस कितनी है एट सो एट प्लस फाइव कितना होगा थर्टीन बट एफ की डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी देर रखी है थ्री और वही हमने निकाली है देखिए फ्रेंड्स थ्री फिक्स है ना ई e से डी ई e से डी के लिए बात करते हैं एटीन प्लस एट कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बट यहां मिनिमम डिस्टेंस कितनी देर रखी है नाइन हम अपडेट नहीं करेंगे नाइन का नाइन ही रहने देंगे और टेन का टेन ही रहने देंगे ठीक है दो ही एजेस पास आउट हो रही है दो के लिए हमने सॉल्व कर लिया नाइन और टेन में से मिनिमम कौन नाइन सो so, हम नाइन को अपडेट करेंगे ये 9. और ये नाइन किस वर्टेक्स के लिए आई है फ्रेंड्स वर्टेक्स डी के लिए तो हम यहां पे वर्टेक्स डी को ऐड कर देंगे और लास्ट जो है जी अब उसके लिए बात करते हैं फ्रेंड्स ये सब फिक्स हो चुका है फाइव सेवन नाइन एट थ्री और लास्ट टेन है देख लेते हैं वैसे तो टेन ही आएगा लास्ट हमने बात करी थी वर्टेक्स डी के लिए ये रहा वर्टेक्स डी वर्टेक्स डी से चार एजेस पास आउट हो रही है सी के लिए मिनिमम डिस्टेंस आ चुकी है बी के लिए भी आ चुकी है एफ के लिए भी आ चुकी है और ई e के लिए भी आ चुकी है सो so, वो का वही रहेगा टेन का टेन ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे ठीक है यहाँ हम डी के लिए ऐड कर देंगे ठीक है और लास्ट है आपका जी जी के लिए फ्रेंड्स हम देखते हैं ए के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं एफ के लिए सॉल्व कर चुके हैं तो टेन का टेन ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ठीक है अब जो हमारे पास में ये फाइनल जो कॉस्ट आई है मैं यहाँ एक बार नीचे लिख लेता हूँ उसको जीरो फाइव सेवन नाइन एट थ्री और टेन ये फ्रेंड्स जो सारी डिस्टेंस आई है ये है वर्टेक्स ए से सारे वर्टेक्स की कितने डिस्टेंस है ये सीक्वेंस बता रहा है अगर हम फ्रेंड्स चेक करें इस ग्राफ के लिए जैसे मैं बात करूं कि ये जो नाइन जो कॉस्ट है किसकी है वर्टेक्स डी की कॉस्ट है सो so, ये जो नाइन जो कॉस्ट है ये नाइन कॉस्ट है वर्टेक्स ए से वर्टेक्स डी की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है वो ये बता रहा है सो so, एक बार हम चेक करते हैं कि वर्टेक्स ए से डी तक की डिस्टेंस कैसे है ठीक है ए से एफ विजिट करेंगे और एफ से डी विजिट करेंगे सिक्स प्लस थ्री नाइन और कोई ऐसा पात नहीं है जहां पे वर्टेक्स ए से लगा के डी तक की नाइन से छोटी डिस्टेंस आ जाए आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स ए से बी बी से डी नाइन प्लस फाइव फोर्टीन हो जाएगा ठीक है और ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है ये सो so, ए से डी तक की नाइन से नाइन से बिलो और कोई डिस्टेंस नहीं है ठीक है तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि अगर हम वर्टेक्स ए को अगर हम सोर्स नोट माने ठीक है तो अदर वर्टेक्स सारे जितने भी ग्राफ में हैं उनसे सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी वो हम इस एल्गोरिदम से पता कर सकते हैं ठीक है और ये एल्गोरिदम फ्रेंड्स डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए यूज में होती है यहां मैंने इस एग्जाम्पल को डायरेक्टेड ग्राफ के लिए सोल्व किया है आप इसको अनडायरेक्ट सॉरी मैंने इसको एग्जाम्पल को अनडायरेक्टेड के लिए सॉल्व किया है आप इसको डायरेक्टेड के लिए भी सोल्व कर सकते हैं बट आपको वहां पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है ठीक है वही वर्टेक्स आपको चूज करनी है दूसरा आपको चूज नहीं करना है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में यही फर्क है दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जिसमें हम डाइजेस्ट्रास एलगोरिदम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर एल्गोरिज्म नेगेटिव एज वेट के लिए यूज में नहीं होती है जहां पॉजिटिव एज वेट है ये एलगोदम वहीं पे यूज़ होगी इसके लिए हम बेलमान फॉर्ड एलगोदम यूज में लेते हैं और जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम अगर एज वेट हो तो उसके लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑल पेयर्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ करते हैं फ्लॉइड वॉल्स एलगोरिदम ठीक है फ्लॉइड वॉर्शॉल्स एलगोरिदम तो आई थिंक फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है डिजर्सरास एलगोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम ठीक है सिंगल सोर्स आपको क्लीन हो गया होगा एकदम से आ, पूरा समझ में आ गया होगा ग्राफ हमने फ्रेंड्स ट्री का ट्रेवर्जल किया था उसमें हमने तीन एल्गोरिदम पढ़ी थी प्री ऑर्डर ट्रेवर्जल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इनऑर्डर ट्रैवर्सल ठीक है जब हमने ट्री की ट्रेवर्सिंग की थी तो मैंने आपको तीनों एलगोर्दम एक्सप्लेन की थी आज हम कर रहे हैं ग्राफ की ट्रेवर्सिंग ठीक है ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स वी हैव टू विजिट एंड एवरी एक्टली वंस हमें ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वर्टाइसिस हैं उनको हमें विजिट करना है एटलीस्ट एक बार तो विजिट करना ही करना है ठीक है ग्राफ की ट्रेवर्सिंग के लिए हम यूज में लेंगे फ्रेंड्स दो एल्गोरिदम एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च बी एफ एस और दूसरी एलगोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च डी एफ एस ठीक है फर्स्ट सर्च जो है फ्रेंड्स उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे क्यू जो कि कंसेप्ट है लीफो कंसेप्ट के ऊपर लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है चलिए फ्रेंड्स इस एग्जांपल से हम अपने की स्टार्ट करते हैं पहले मैं आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक्सप्लेन करूंगा और इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च डी एफ एस एलगोर एक्सप्लेन करूंगा सो so फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पहली बात यह है कि हम इस एलगोर में ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम यूज लेंगे क्यू का कंसेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर आपको क्यू का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे प्रीवियस के प्लेलिस्ट में ठीक है डीएससी की प्ले लिस्ट में वीडियोज हैं उसमें आप जाके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं ओके okay? और फ्रेंड्स जो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस बताया था उसमें मैंने आपको ये कहा था कि बेसिकली ट्री uh, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही स्टार्टिंग नोड होता है उसे हम कहते हैं रूट नोड जबकि ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी स्टार्टिंग नोड नहीं होता है सारे नोड एज ए रूट नोड की तरह बिहेव करते हैं और कोई भी एक ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है सो so फ्रेंड्स इस ग्राफ में भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है आप जिस किसी भी नोड से चाहें आप ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं कि यूनिवर्स में वो फिक्स हो ठीक है एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस पर्टिकुलर एक इनफाइना से निकल सकते हैं बहुत सारे एंसवर्स निकल सकते हैं ठीक है तो हम कोई किसी एक पर्टिकुलर एंसर को फिक्स नहीं मान सकते हैं क्यों क्योंकि ग्राफ में स्टार्टिंग नोड नहीं होता है आप जिस किसी भी चाहे नोड से अपने ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स हमने यह माना कि मैं यहाँ वर्टेक्स ए से स्टार्ट कर रहा हूं आप चाहें तो किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं कोई कंपलसरी नहीं है ठीक है और क्वेश्चन में अगर आपको जैसे ये एरो से दे रखा है हुआ अगर जहां एरो दे रखा है इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राफ की स्टार्टिंग यहां से करनी है और आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है दे सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको ग्राफ की स्टार्टिंग इससे करनी है यहाँ एरो मैंने लगाया इसका मतलब क्या है कि के आपको ग्राफ की स्टार्टिंग वर्टेक्स ए से करनी है ओके सो वी स्टार्ट विद द वर्टेक्स ए वर्टेक्स ए से हम स्टार्ट करेंगे यह है फ्रेंड्स कि आपको वर्टेक्स जो भी वर्टेक्स है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे आउट गोइंग जितनी भी एजेस जो जा रही है उसको आप क्यू में पुटअप कर दीजिए और वर्टेक्स ए को आप विजिट कर दीजिए सो वर्टेक्स ए को हम विजिट करेंगे आउटपुट में लिख देंगे हम वर्टेक्स ए ठीक है विजिट हो गया है ठीक है इसको मैंने थोड़ा सा आ, ऐसे डॉटेट कर दिया है ताकि अभी विजिटेड है इसको हमें अगेन विजिट नहीं करना है ठीक है और वर्टेक्स ए से पास आउट एजेस कौन कौन सी है, है? जहां पर वो पहुंच रही है बी और एस ठीक है आप बी और एस को आपको किस में पुटअप करना है क्यू में पुटअप करना है आप चाहे तो इसको अल्फाबेटिकली भी पुटअप कर सकते हैं बी पहले और एस बाद में अगर आप नहीं चाहें तो एस को पहले पुटअप कर सकते हैं और बी को बाद में रख सकते हैं ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही आप क्यू में इसको इंसर्ट करें ठीक है तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं अगर बी डालू फिर बाद में एस डालू या पहले एस और बाद में बी तो आंसर भी उस हिसाब से क्या होगा वेरी होगा तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने कहा कि ग्राफ में ट्रेवर्सिंग में बहुत सारे एंसर पॉसिबल हैं कोई एक आंसर जरूरी नहीं कि वो फिक्स हो सो so, मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले जितने भी जो अर्जिस्टेंट जो नोड हैं अर्जिस्टेंट नोड कौन कौन से हैं बी और एस किसके वर्टेक्स ए के उसको मैं क्यू में इंसर्ट कर रहा हूं ठीक है और कोई नोट नहीं है सिर्फ दो ही है ठीक है तो पहला स्टेप यहां पे हो, जो है वो खत्म होता है अब यही स्टेप आपको रिपीटेडली करना है कब तक? जब तक जब कि इस ग्राफ में सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाते ठीक है तो अब हम स्टार्ट करेंगे वापस क्यू से क्यू का कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो इसमें क्यू में पहले कौन इंसर्ट हुआ था बी तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा बी तो आप इसको बी को हम क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे और इसको हम विजिट कर लेंगे बी को क्या बी से कोई एडजस्टेड नोड्स हैं क्या है बट वो कौन है सिर्फ ए ही है ए को हम विजिट कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट कौन सा नोड है फ्रेंड्स एस एस को हम विजिट करेंगे इसको विजिट कर लेंगे इसको यहां से डिलीट करेंगे एस को इंसर्ट कर लेंगे ठीक है और इसके जो एजिस्टेंट नोड्स हैं कौन कौन से हैं सी और जी उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर देंगे ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर देंगे फ्रेंड्स वैसे तो एजिस्टेंट नोड्स ए भी है बट ए ऑलरेडी विजिटेड है उसको हम वापस से विजिट सी और जी ठीक है दोनों नोड को हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया सबसे पहले कौन इंसर्ट हुआ था सी तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा सी तो सी को हम डिलीट करेंगे यहां से और इसको हम विजिट कर लेंगे सी को हमने विजिट कर लिया है ठीक है ओके और इसके जो एजिस्टेंट नोड्स हैं कौन कौन से हैं डी ई e, और एफ एस ऑलरेडी क्या है विजिटेड है इसको हम अगेन विजिट नहीं करेंगे सो so, फ्रेंड्स डी एफ e, और जी इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इंसर्ट कर देंगे जरूरी नहीं कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करें आप इन चारों नोट्स को किसी भी ऑर्डर में क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं कोई कंपलसरी नहीं है सो फ्रेंड्स डी ई एफ और जी चारों, सॉरी जी नहीं है फ्रेंड्स डी ई एफ और एस ये चार इसके एडजस्टेड नोट्स है जी नहीं है सॉरी सो एस ऑलरेडी विजिटेड है तो बच्चे कौन से डी ई e और एफ इसको हम इंसर्ट कर देंगे डी ई e और एफ चलिए इंसर्ट कर दिया हमने सी को विजिट कर लिया ठीक है स्टेप खत्म वापस से हम रिपीट करेंगे ठीक है ओके okay. फिर आया क्या है क्यू में क्या है जी जी सबसे पहले इंसर्ट हुआ है तीन नोट्स के पहले तो इस जी को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे जी को हम विजिट करेंगे आउटपुट में लिख देंगे ये रहा जी आपका विजिट हो चुका है जी के कौन से फ्रेंड्स एस एस एफ एफ और और एच एच हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं को विजिट नहीं किया है तो हम इसको विजिट करेंगे और क्यू में इंसर्ट करेंगे ठीक है एफ ऑलरेडी जो है क्यू में है उसको हम अगेन वापस क्यू में इंसर्ट नहीं करेंगे एच जो है वो क्यू में नहीं है तो हम इसको हम इसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे ठीक है स्टेप खत्म होता है दोनों जो नोड है वो क्यू में इंसर्ट हो चुके हैं ओके चलिए वापस से हम देखते हैं डी लास्ट फर्स्ट नोड नोट कौन सा हुआ डी डी को विजिट करेंगे D को यहां से हम से हम क्यू डिलीट कर देंगे ठीक है डी का कोई एडजस्टेड नोड है है बट सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है वापस से इसको विजिट नहीं करना है ठीक है देन डी के बाद में कौन सा नोड है ई e. e को हम विजिट करेंगे फ्रेंड्स ई e को हम यहां से डिलीट कर देंगे डिलीट करने के बाद में इसको हम आउटपुट में लिख देंगे विजिट भी कर लेंगे इस नोड को डी का कोई एडजस्टेंट नोड है फ्रेंड्स दो नोड है एक को तो हम विजिट कर चुके हैं को नहीं किया है बट एच ऑलरेडी उस क्यू में इंसर्टेड है तो हम वापस इसको इंसर्ट नहीं करेंगे ठीक okay? है ओके और नेक्स्ट जो नोड है फ्रेंड वो है एफ एफ को हम यहां से डिलीट करेंगे आउटपुट में लिख देंगे एफ को विजिट कर लिया है एफ के एडजस्टन नोड सी और जी है ऑलरेडी विजिटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट जो नोड है फ्रेंड्स हमारा कौन सा है एच एच को हम डिलीट करेंगे और विजिट भी कर लेंगे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं वो सारे विजिट हो गए हैं तो हमारी एल्गोरिदम यहीं पे क्या होती है स्टॉप होती है ठीक है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ बी ट्रेवर्जल बट फ्रेंड्स मैं फिर आपको फिर से कह रहा हूं कि ये जो ट्रेवर्जल मैंने आपको बताया है ये फिक्स नहीं है ठीक है ये यूनिवर्स में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं है जो फिक्स हो ग्राफ के BFS और Dversal, traversal के और बहुत सारे एंसर पॉसिबल हैं एन नंबर ऑफ एंसर पॉसिबल है ठीक है कब जब ये आउटपुट जो आया है कब जब मैंने स्टार्टिंग नोट किसको माना है वर्टेक्स ए को अगर मैंने लेट से स्टार्टिंग नोट एफ को माना होता सी को माना होता तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है आंसर बदल जाता ठीक है बट आपको प्रोसीजर ध्यान में रखना है कि प्रोसीजर क्या है स्टार्टिंग नोट जिससे भी करेंगे एडजस्टेड नोट से उन सबको हम एक बार के लिए किस में डाल देंगे क्यू में डाल देंगे और क्यू का जो फैशन है कि हम उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही हम करेंगे तो सबसे जो पहला नोट इंसर्ट हुआ है उसके बाद से ही हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे उसको डिलीट करके ठीक है सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये ग्राफ ट्रेवर्जल जो फर्स्ट जो एल्गोर आपने आज डिस्कस की है बी एफ एस सर्च ट्रेवर्जल उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर भी कोई अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर भेजिए ग्राफ ट्रेवर्जल डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वीडियो में डिस्कस किया था मैंने आपको समझाया था ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम उसमें हमने यूज किया था क्यू का कंसेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फ्रेंड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च अलगोरदम जो कि बेस्ड है स्टैक कंसेप्ट के ऊपर स्टैक का कंसेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो कंसेप्ट ठीक है एग्जाम्पल मैंने वही लिया है जो हमने लास्ट के वीडियो में लिया था ब्रेस फर्स्ट सर्च के लिए बी के लिए डीएफएस के लिए भी मैंने वही एग्जाम्पल यूज में लिया है और मैंने फ्रेंड्स आपको एक बात बताई थी कि आप चाहे बी एफ एस ट्रेवर्सल परफॉर्म करें या डीएफएस ट्रेवर्सल परफॉर्म करें कोई एक पर्टिकुलर एंसर फिक्स नहीं होता है क्यों क्योंकि ग्राफ में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है आप चाहे जिस किसी भी वर्टेक्स से ग्राफ की स्टार्टिंग कर सकते हैं जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप फॉलो करें सो so, अगर मान लीजिए मैंने ए से स्टार्ट किया ठीक है तो एंसर लेके आ गया किसी ने लेट से वर्टेक्स सी से स्टार्ट किया कोई आंसर लेके आ गया तो कोई एक आंसर फिक्स नहीं है देर आर एन नंबर ऑफ एंसवर्स फॉर बी एफ एस एंड डी एफ एस ओके सो हम ये मानते हैं कि मैं यहां ग्राफ की स्टार्टिंग वर्टेक्स ए से कर रहा हूं यहां पर ये यह एरो का साइन ये डिनोट करता है कि स्टार्टिंग जो है वो वर्टेक्स ए से हो रही है ओके okay? चलिए हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ए स्टार्टिंग वर्टेक्स है ए से सबसे पहले हम इसको पुश कर देंगे वर्टेक्स ए को और बिल्डर आउटपुट ए ठीक है और इसको हम विजिट कर देंगे दिस इज विजिटेड नोड नेक्स्ट जो नोड है फ्रेंड्स जो एजस्टेड नोड है वो कौन है बी और एस ठीक है कौन है बी और एस एल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले हम बी को जो है पुश कर देंगे विमार्किट एज ए विजिटेड ठीक है और ठीक है? और कोई नोड इंसर्ट करने के लिए नहीं है इसका एडजस्ट नोड तो हम यहां क्या करेंगे बी को करेंगे. बी को को अब पॉप 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 अप करेंगे, हम कर कर देंगे कर देंगे, फ्रेंड्स, ठीक है क्योंकि बी का और कोई एडजस्टेड नोड नहीं है जिसको हम विजिट कर सके ए ही नोड है बट ए ऑलरेडी क्या हो चुका है विजिट हो चुका है देन अब स्टैक में कौन है हमारे पास में ए A का जो दूसरा एडजस्ट नोड है कौन है एस एस को हम इंसर्ट करेंगे पुश करेंगे और उसको मार्क कर लेंगे एज अ विजिटेड नोड दिस इज ठीक है चलिए ओके एस से हम स्टार्ट करते हैं वापस से ठीक है एस के एडजस्ट नोड कौन है सी और जी ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है उसको वापस से विजिट नहीं करने की जरूरत है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आ रहा है जरूरी नहीं आप पहले सी इंसर्ट करें सी को पुश करें आप जी को भी कर सकते हैं यहां ऑर्डर फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है सो so, पहले मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आ रहा है तो मैंने सी को पुश कर दिया सी को आप विजिट करेंगे टू आउटपुट सी ठीक है देन सी टॉप ऑफ द स्टैक है सी को हम देखेंगे सी का कौन है फ्रेंड्स डी ई और एफ एस ऑलरेडी विजिट हो चुका है सो एल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले डी आ रहा है डी को हम पहले विजिट करेंगे डी okay. D, D को का कोई है आगे नहीं है सी है ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो डी को हम क्या कर देंगे अब पॉप कर देंगे नेक्स्ट हम आए यहां पे सी के ऊपर सी के दो एडजस्टेड नोड है E और F. एल्फापेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है E. तो हम पहले E को इंसर्ट कर देंगे ठीक है विजिटेड e हो जाएगा ये विजिट e हो गया। E के कौन है C C और H। C already हो चुका है तो हम H को इंसर्ट करेंगे H H। H और के कौन है? क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक H है S के एजेड नोड G है E हो चुका है, तो G को हम पुश करेंगे और हम उसको एज ए विजिटेड नोड कंसिडर कर लेंगे जी के एडजेस नोड कौन है एस एफ और एच एस और एच विजिट हो चुके हैं हम विजिट करेंगे अब नोड एफ को सो so, इसको हम सीक्वेंस में यहां पे इंसर्ट कर लेंगे ठीक है और एफ को भी हम आउटपुट सीक्वेंस में कंसिडर कर लेंगे ठीक है एफ का और कोई विजिटेड नोड है क्या नहीं है ठीक है तो हम इसको पॉप करेंगे ठीक है g का और कोई अनविजिटेड नोड है क्या नहीं है पॉप कर देंगे h का कोई भी नहीं है पॉप कर देंगे इसी तरह से लास्ट e का कोई भी अनपॉप ऐसा कोई नोड नहीं है जिसको हमने विजिट नहीं किया हो दोनों विजिट हो चुके हैं c नोड c कोई अनविजिटेड नोड है क्या c के एडजसेंट नोड में कोई भी नहीं है हम पॉप कर देंगे s नोड s का कोई ऐसा नोड है जो विजिट नहीं किया हो सारे विजिटेड है पॉप कर देंगे और लास्ट में नोड ए के दोनों नोड विजिट हो चुके हैं पॉप कर देंगे और यही हमारी एल्गोरिदम क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है जब क्या हो स्टैक जो है पूरा एम हो जाए ठीक है और ये रहा हमारा आंसर, दिस इज दी बी एफ एस ट्रेवर्जल ओके बट फ्रेंड्स मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा जरूरी नहीं कि ये है एन नंबर ऑफ एंसर पॉसिबल हो सकते हैं ठीक है यहां मैंने नोड ए को स्टार्टिंग नोड माना है आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी अदर नोड को स्टार्टिंग नोड मानकर ये प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं आप चाहें तो इस नोड में ग्राफ सी नोड सी को एस को एच को ई e को किसी को भी स्टार्टिंग नोड मानकर आप अपने एलगोरदम की डी की स्टार्टिंग कर सकते हैं और एंसवर में भी हो सकता है वो अलग आए ठीक है सो आज के वीडियो में मैंने आपको डीएफएस ट्रेवर्सल बताया इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई डाउट है आपके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए मैं उनका सॉल्यूशन जरूर करूंगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज इसको लाइक like, शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो